जय हिंद दोस्तों मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बेहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे बहुत बेहतरीन होंगे तो एक मुस्कुराहट के साथ में क्लास को आप कहीं भी बैठे हुए हैं शुरू करेंगे और भैया कोई एक कोना पकड़ लो क्योंकि क्लास आप सब लोग जानते हैं लंबी क्लास चलने वाली है तो अपने खाने वाने का पानी और कोई एक कोना पकड़ के बैठ जाओ और आज हम इतिहास की आप सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं कि भैया ये सेमीफाइनल है हिस्ट्री का दस मार्क्स का ये सेमीफाइनल है और फाइनल होना है आपका पांच तारीख को यानी गागर में सागर के साथ में तो उम्मीद करूंगा कहते हैं कि भी फाइनल को आप जब जीत सकते हैं जब आप सेमीफाइनल जीते तो इस सेमीफाइनल को विजयी बनाने के लिए बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे मैं आप सब लोगों के लिए कलेक्शन लेकर के आया हूं कि आप लोगों के लिए रिवीजन सबसे बेहतर कैसे हो सकता है आप सब लोग पढ़ चुके होंगे या अभी कोई पढ़ने की फिराक में है तो वो थोड़ा सा पीछे है और अगर बहुत मेहनती बच्चा है तो अभी से भी पढ़ेगा तो पढ़ सकता है मैं ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ कंटेस्ट कर सकता है वो बच्चे की अपनी खुद की क्या क्षमता है उस पर निर्भर करता है तो उम्मीद करूंगा आप सब लोग एक बेहतरीन रिवीजन के लिए आए होंगे तो अपने पहली बात तो आपने पेड क्लासेस में या कहीं से अभी तक पढ़ा है तो वो नोट्स ओपन करके बैठ जाइए ठीक है कुछ भी आपको लगता है कि वो आपको ऐड करना जरूरी है और मैं कोशिश करूंगा आपको चीजों को मैं रिवीजन कराऊं और एडवांस की तरफ लेकर के जाऊं तो आप सब लोग एक बार अप कर देंगे कि भैया तैयार हैं और जिंदगी में जिंदगी में हमने सिर्फ यही सीखा है क्या बोलेंगे जिंदगी में हमने सिर्फ यही सीखा है कि हमें मेहनत करनी है मेहनत करनी है रुकना नहीं है और हालात चाहे कैसे भी हो मेरे दोस्त हमें झुकना नहीं है तो शुरू करेंगे भैया मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले हम किस तरह से करने वाले हैं आज की मैराथन क्लास को देखो भारतीय इतिहास आपका पांच मार्क्स का है यानी इतिहास कुल आपका दस नंबर का होना है एक बार ये सीन टू पर दिखा देंगे सिलेबस बच्चों को तो इसमें आप देखोगे देखो, देखो भारतीय इतिहास जो पांच मार्क्स का है उसका सिलेबस क्या क्या है सिंधु घाटी सभ्यता है वैदिक संस्कृति है बौद्ध धर्म है जिसमें गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं हैं जैन धर्म महावीर स्वामी जी के बारे में उनकी जीवनी और शिक्षाएं हैं मौर्य वंश सम्राट अशोक और गुप्त वंश समृद्धगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब पूरा गुप्त वंश नहीं है सिर्फ दो शासक आपको पढ़ने हैं और ऐसे ही मौर्य वंश में सिर्फ सम्राट अशोक से प्रश्न पूछे जाएंगे हर्षवर्धन राजपूत काल आज हम कवर कर रहे होंगे क्लास में ठीक है सल्तनत काल सल्तनत काल यानी कि दिल्ली पर जो पांच राजवंश हुए आपका कब से लेकर के 1206 से लेकर के 1526 तक मुगल साम्राज्य जो कि 316 वर्षों तक रहा कब से आपका 1526 से लेकर के अठारह तक ये कुल 331 वर्ष होते हैं लेकिन इनमें से 15 वर्ष कौन रहा था आपका सूर साम्राज्य रहा था तो सूर साम्राज्य भी हम लोग पढ़ रहे होंगे ठीक है और फिर आता है मराठा साम्राज्य क्या बोलेंगे मराठा साम्राज्य ब्रिटिश राज का अभ्युद्ध ब्रिटिशियर्स कैसे भारत में कामयाब हुए और साथ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी अठारह का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा मान के चलो जैसे सती प्रथा खत्म हुई और प्रीवियस पीईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा से ठीक है तो क्या बोलेंगे वो थे आपका जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले जो मूवमेंट चले किसकी वजह से कुछ अंग्रेजों ने भी चलाए जैसे विधवा विभाग को खत्म किया एक तो ये ठीक है और उसके बाद में प्यारे बच्चे अगले पांच मार्क्स के लिए हम क्या पढ़ रहे होंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी वो सभी व्यक्ति जिन्होंने भारत की आजादी के लिए कार्य किया ठीक है आंदोलन हो गए और बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन के समय पर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ वो भी हमको पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय यानी कि जो सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत की आजादी से पहले वो सभी हमको पढ़ने होंगे ठीक है और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट यानी विधायी संशोधन भी मैं आपको यहां पर क्या रिवाइज करा रहा हूँ ठीक है चलो भैया भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को पढ़ना है आजाद हिंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये तो हुआ आपका दस मार्क्स का पीईटी का सिलेबस जिसको बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से एकदम सरल तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे तो भैया क्या तैयार हैं बोलो भाई फटाफट से लव यू ऑल मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन सब तैयार है ना एकदम कमर कस के एक शानदार से रिविजन के लिए तो भैया शुरू करते हैं शुरू करते हैं और तहलका तहलका नहीं मचाना बस शानदार तरीके से शांत होकर पढ़ना ठीक है, है तो करते हैं भैया शुरू शुरू करते हैं आज की क्लास को एकदम क्रम से जिस तरह से मैंने टॉपिक लिखे हैं आप लोगों के लिए और शुरू करेंगे हम कहा से सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे प्यारे बच्चे कहां से सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग शुरू करने वाले हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत अच्छे जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो बनाएंगे और प्यारे बच्चे नोट्स बनाने का समय है नहीं तो आप लोग आपके जो अपने जो नोट्स हैं उसमें देखिए है ध्यान से वहाँ पढ़ते रहिए मेरी बातों को सुनते रहिए और एक फोकस बनाइए और भूल जाइए आज लगभग अगले छः सात आठ घंटे कहीं तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इसको इसको अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं तो इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं इसी को हम कांस्य सभ्यता का नाम भी देते हैं कांस्य कौन सी ब्रॉन्ज जिसको आप बोलते हैं कांस्य सभ्यता का नाम भी हम इसको देते हैं क्यों देते हैं जी कांस्य सभ्यता का नाम क्योंकि इस युग में कांसे का प्रयोग हुआ किसका प्रयोग हुआ कांसा धातु का प्रयोग हुआ अगर हम पूरी मानव जाति की बात करें सभी मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था मनुष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए मनुष्य ने भैया सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया है तांबा का प्रयोग किया है तांबा के बाद में कांसा आया और कांसा के बाद में क्या आया आपका लोहा यानी जब वैदिक काल आया तब आया आपका लोहा तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त कि जो लोहा है क्या इसके बारे में ये कांस्य युगीन सभ्यता यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नोन थे क्या परिचित थे क्या ये लोग बोलो भी फटाफट से क्या ये लोग लोहे से परिचित थे तो आप कहेंगे नहीं भैया लोहा इनके बाद में आया है ये लोग किससे परिचित थे कांसे का प्रयोग करते थे पत्थरों का प्रयोग था पत्थरों के हथियार थे लेकिन कांसे का काफी हद तक प्रयोग होने लग गया था अच्छा जी अब हम शुरू करते हैं इसमें ध्यान से देख लेना। ये कैसे पता चला सिंधु घाटी सभ्यता कोई है 1826, 1826, क्या बोलेंगे? 1826 चार्ल्स मैसेन कौन थे चार्ल्स ध्यान से देखेंगे कौन थे भैया चार्ल्स मैसेन ने खोजा किसने खोजा है चार्ल्स मैसेन ने खोजा एक बात दूसरी बात प्यारे बच्चे क्या हुआ आपका 1856 में एक कनिंगम नाम के व्यक्ति कौन थे कनिंगम इन्होंने क्या किया सर्वेक्षण किया क्या किया एक सर्वे किया सर्वे बोलते हैं सर्वेक्षण को ने सर्वेक्षण किया किसका सिंधु घाटी सभ्यता का दरअसल में हुआ क्या था आप सब लोगों को पता है मैं आपसे पूछना चाहूं भारत में पहली रेल कब चली थी तो आप कहेंगे भैया सोलह अप्रैल अठारह सो एक छोटे से बच्चे को भी पता है लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे आप कहेंगे कि जो कनिंगम उस समय आपका कराची से लाहौर के लिए जो रेलवे लाइन बन रही थी वहां पर आपका क्या थे सर्वेक्षण करता थे तो इन्होंने देखा कि जब पटरियों को बिछाने के समय कुछ ईटे दिखाई दी तो तभी क्या हुआ कनिंगम ने ही जोड़ दिया किस बात पर कि यहां पर कोई आपका क्या सभ्यता रही है क्या बोलेंगे कोई सभ्यता रही है ठीक है प्यारे बच्चे मैं आपसे फिर से क्लास की शुरुआत में रिक्वेस्ट करूंगा और शायद इसके बाद मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा क्लास में रिक्वेस्ट ये कि आप अपने आप को यहां फोकस करें इसके अलावा कोई भी अगर किसी प्रकार का कमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है आप सलेक्शन के दावेदार नहीं है क्या बोलेंगे सलेक्शन के दावेदार आप नहीं है प्लीज आप फोकस करें इस पर तो ठीक है क्या बोलेंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी निश्चिंत रहिए जिनको सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना भैया वो उनको पीडीएफ मिल जाएगी लेकिन आप यहां पर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे सुन करके वो सबसे बेहतर है 1856 कनिंगम ने क्या किया सर्वेक्षण किया और प्यारे बच्चे याद रख लेना 1861 में इसी के बाद में भारत का क्या बना था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था क्या बोलोगे भारतीय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं क्या बोलेंगे सर्वेक्षण विभाग बना ठीक है ये किसकी वजह से बना यह भी कनिंगम के प्रयासों की वजह से बना किसकी वजह से कनिंगम के प्रयासों की वजह से और 1861 में एक वायसराय था कौन आप सब लोग जानते हैं वही जो अठारह की क्रांति के समय था कैनिंग क्या बोलेंगे कैनिंग था ठीक है आगे चलें भैया इतनी बात समझ में आई इतनी बात तक कोई दिक्कत अब हमने एक बात की भैया सिंधु घाटी कौन सी नदी के किनारे थी सभ्यता इसमें तो कोई डाउट किसी को होता ही नहीं होगा क्या बोलेंगे भैया नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी किस नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे कोई भी व्यक्ति है आज की तरह हैंडपम्प नहीं थे पहले समरसेबल नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति कहाँ रहना प्रेफर करेगा नदी के किनारे और नदी कौन सी थी सिंधु नदी थी कोई भी दिक्कत अच्छा अब सबसे बड़ा डाउट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का समय कौन सा है जरा बताए सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है प्रश्न ये है सिंधु घाटी सभ्यता का काल तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग काल बताया है जिनमें से एक प्रमुख व्यक्ति हमारे हुए हैं कौन जॉन मार्सल जो अध्यक्ष रहे थे इसकी खुदाई के शुरुआती दिनों में जॉन मार्शल जी ने क्या कहा है आपका इन्होंने कहा 3250 से लेकर के 3250 से लेकर के 2750 2750 तक तक? तक क्या तक समय रहा है किसका? आपका? सभ्यता का लेकिन सभी लोग क्या इनकी बात से सहमत हुए नहीं एक ऐतिहासिक मत निकल करके आया ऐतिहासिक मत से मेरा मतलब होता है प्यारे बच्चे जो आपको परीक्षा में चुन करके आना है एक ऐतिहासिक मत निकल करके आया जिसको सब लोग मानते हैं वो है 2750 से लेकर के सन 1700 क्या बोलेंगे 2750 से लेकर के 1700 सो तो कोई दिक्कत इसी को एक दूसरा मत निकल के आता है जो आता है सन 2500 से लेकर के 2500 से लेकर के 1750 ये दो मत सबसे ज्यादा मान्य है क्या बोलोगे ये दो मत सबसे ज्यादा मान्य है यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भैया इस पे लगभग बराबर बराबर डिजिट का कोई प्रश्न बन सकता कभी नहीं बनता एक बहुत बड़े अंतर का प्रश्न बनता है क्योंकि एक विवादित है बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग बताया है इसीलिए इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत कम है तो क्या बोलेंगे आपको कोई भी एक काल मिलता है तो वो एकदम ठीक है परीक्षा आप पूछे आप कभी पूछा गया भी है परीक्षाओं में पूछा नहीं गया ठीक है कभी नहीं पूछा गया ध्यान से देखेंगे। और पूछा भी जाएगा तो आप क्या करके आएंगे सत्ताईस का समझ गए अच्छा जी अब आते हैं हम प्यारे बच्चे आप सब लोग आंसर करना एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यस और नो तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल था ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल ये उत्तरी स्थल और ये दक्षिणी स्थल अच्छा इतनी बात तो आप समझेंगे कितने में बटी हुई थी चार स्थलों में बटी हुई थी अब यहां पर इंपोर्टेंट बात सुने ध्यान से अब आप कहेंगे भैया ये इतनी पुरानी है हम इसको क्यों नहीं मानते तो अभी हाल ही में हाल ही में क्या मतलब लगभग आठ वर्ष पहले तो आप यहां मार्क करना 2014 में 2014 में, 2004 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है जो अभी पुष्टि हुई है मतलब आठ वर्ष पहले उन्होंने बोला कि सबसे प्राचीन नगर है आपका भिरडाना क्या बोलोगे भिरडाना और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है कहां हरियाणा के हरियाणा के और इसके बारे में यह कथन निकल कर के आया कि भैया कितना पुराना होगा ये लगभग ये लगभग कितना पुराना होगा तो इसके बारे में आया ये पिछहत्तर सो बीसी पुराना है पिछहत्तर ईसा पूर्व पुराना समझ है। रहे हैं आप तो सबसे प्राचीन नगर कौन सा है वो भिरडाना है जिसके बारे में कहा गया पिछहत्तर ईसा पूर्व पुराना यानी यह तो भैया इनसे भी पुराना काल हो गया यह सब काल किसमें है बीसी में है। बीसी में है। ये तो इनसे भी पुराना काल हो गया भैया ईसा के जन्म से यानी कि भैया अब चल रहा है 2022 हजार बाईस ईसा का जन्म कैलेंडर की शुरुआत है और ईसा के जन्म से पिछहत्तर सौ वर्ष पूर्व यानी आज से कितना पुराना हो गया तो आप कहेंगे भैया ये नगर तो लगभग साढ़े नौ हजार वर्ष पुराना है बड़ी गजब बात हो जाती है इतनी पुरानी सभ्यता थी हाँ अभी खोजा गया नगर है ठीक है चलो अब बात आती है भैया हम इसको सभ्यता सभ्यता सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं सभ्यता क्या होती है आपने एक शब्द सुना होगा कि आप सभ्यता से बात नहीं कर रहे हैं आप सभ्यता से पेश नहीं आ रहे सभ्यता का मतलब होता है कुछ आपके रीति रिवाज जो आपको फॉलो करने होते हैं और जो इस सभ्यता ने किसके फॉलो किए और उसकी एक सबसे बड़ी परिभाषा निकल करके कर आई कि ये लोग नगरीय तरीके से रहते थे किस तरीके से नगरीय तरीके से ग्रामीण सभ्यता नहीं थी नगरीय सभ्यता थी जो हमारी वैदिक संस्कृति है वैदिक संस्कृति में लोग पशुपालन करने लग गए वहां लोग गांवों में रहते थे लेकिन ये उनसे भी पुराने लोग कहाँ रहते थे नगरों में रहते थे कहाँ रहते थे एक शहरी सभ्यता थी कैसी थी एक शहरी सभ्यता थी और अब प्यारे बच्चे आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला दक्षिणी स्थल कौन सा है ये दैमाबाद है दैमाबाद जो कि कहां पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है ठीक है पूर्वी आपका कहां पड़ता है भैया ये मेरठ के पास में कहा और मेरठ वालों तुम तैयार हो ना तीस अक्टूबर के लिए अः जरा थम्सअप कर दो यहां पड़ता है आलमगीरपुर कौन सा आलमगीरपुर ये कहाँ है हमारा उत्तर प्रदेश में है यहां क्या है आपका मांडा क्या बोलेंगे मांडा जो जम्मू एंड कश्मीर में है और पश्चिम में है आपका क्या बोलेंगे सुतकांगेडोर कांगेडोर जो कहा है प्यारे बच्चे हमारा क्या बोलेंगे ये पाकिस्तान में पड़ता है नदी कौन सी है दाश्क नदी कौन सी रिवर है दासक रिवर है यहां कौन सी नदी है बच्चे गोदावरी की सहायक है प्रवरा रिवर है कौन सी प्रवरा रिवर के किनारे बहुत ध्यान से फोकस करके चलते रहे भैया और अपनी चीजों को इतना अच्छे से रिवाइज करें कि सब कुछ फिंगर टिप्स रहे ये हेंडन रिवर हो गई और यहां रिवर आप बताएंगे कौन सी थी तो कहेंगे भैया चेनाब रिवर थी कौन सी चेनाब नदी है कौन सी नदी चेनाब नदी है चेनाब रिवर है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के चार स्थल है ईस्ट यानी कि पूर्वी पूछा जाता है खूब ठीक है चारों स्थल आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ने में हम कहाँ पर आएंगे आपका अब आती है टोटल ये जो बटा हुआ है आपका तो मुझे बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी थी पश्चिम से पूर्व की लंबाई अब तक लगभग बच्चे बहुत सारे पच्चीस पच्चीस सौ स्थल खोजे जा चुके हैं जिनमें से 2000 तो भारत में ही है तो अभी इसका अगर हम फिक्स एक आकार बोलें तो वो कहना गलत होगा लेकिन फिर भी लगभग में कितना है ये महत्वपूर्ण बात है पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है इसकी ये लगभग में है ठीक है अप्रोक्स है फिक्स नहीं है तो ये हमेशा याद रखेंगे क्या बोलेंगे ये भैया 1500 किलोमीटर है अच्छा अब ऐसे ही पूछे आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण कहा मांडा से देमाबाद की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है आप कहेंगे वो बारह किलोमीटर है यानी कि कुल मिलाकर के इसके कुल क्षेत्रफल का भी एक आइडिया लगाया जाता है कुल क्षेत्रफल कितना है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो उसके लिए आता है आपका तेरह लाख वर्ग किलोमीटर क्या बोलेंगे तेरह लाख वर्ग किलोमीटर और जो एक्चुअल फिगर भी कई बार बताया जाता है बारह लाख निन्यानवे हजार तो बारह लाख निन्यानवे हजार आप कहें या आप कहें तेरह लाख दोनों एक ही बात है कोई अंतर तो नहीं है एक मामूली सा अंतर भर है जो क्या है आपका काउंटेबल है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छा मुझे बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कितने टीले हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता कितने टीलों में विभाजित थी बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी कितने में दो टीलों में विभाजित थी जानते हैं इस बात को कौन कौन से दो टीले हुआ करते थे आपके पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला क्या बोलेंगे आप लोग पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला और जो पश्चिमी टीला आपका हुआ करता था पश्चिमी टीले पर रहते थे जो लोग हायर थे हायर मतलब पदों में ऊंचे जो वहां उस कस्बे का प्रमुख व्यक्ति था और उस कस्बे के प्रमुख व्यक्ति के लिए जो राज पुरोहित था जो उसके धार्मिक कार्यों को देखता था क्योंकि ये लोग पूजा पाठ भी करते थे तो सीधी सी बात है धार्मिक कार्यों के लिए कोई व्यक्ति होगा तो ये सब रहते थे आपका पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग किधर रहता था पश्चिमी टीले में और जो निम्न वर्ग था यानी कि आप लोग देखते हैं सभ्यता के फोटो आपने देखे होंगे तो मिस्त्री रहे होंगे मजदूर भी रहे होंगे ये लोग खेती भी जानते थे किसान भी रहे होंगे तो ये सब था आपका क्या बोलेंगे एक क्या बोलेंगे निम्न वर्ग था एक निचला वर्ग था जो इन्होंने माना और इनको इन्होंने रखा पूर्वी टीलों में लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है जो धौलावीरा है एकमात्र नगर है धौलावीरा ये कितने टीलों में विभाजित है एकमात्र नगर यहां पर रक्षकों के लिए अलग से एक टीला बनाया गया मध्यम टीला एकमात्र नगर धोलावीरा धोलावीरा तीन टीलों में विभाजित है यहां कितने टीले थे तीन टीले कौन सा पश्चिमी टीला ठीक है एक आपका पूर्वी टीला ये दोनों तो कहां थे बाकी सब जगह भी थे लेकिन यहां पर एक अन्य टीला और था मध्यम टीला जहां रक्षकों को रखा गया बात को समझे कौन सा टीला एकमात्र नगर हमेशा याद रख लेना है भैया वो धोला है कौन सा है वीरा है चलो अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे पढ़ी गई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है इसके बारे में कहते हैं कि आज तक नहीं पढ़ी गई तो फिर पता कैसे चला भैया कैसे पता चला कि ये कैसे लिखे जाती थी तो वो विश्लेषकों की एक राय है जिन्होंने एक पैटर्न समझा और कहा कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है दाएं से बाएं लिखी जाती है दाएं से बाएं बहुत पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी बहुत पूछा जाता है आप ध्यान से देख सकते हैं शायद आप भी नहीं पहचान पाएंगे ये सीन 2 पे आप एक बार दिखाई बच्चों को देखो ध्यान से ये कुछ आकार बने हुए हैं आकार है ये आकार है ये आकार है ये एक आकार है तो ये कुछ लिखना चाह रहे हैं ये पता नहीं ये पता नहीं शायद नमस्ते लिख रहे हैं नमस्ते लिख रहे हैं ये शायद ऐसा हो सकता है तुम्हें बहुत मुबारकबाद हो ये पता नहीं है मतलब क्या है ये क्या हो सकता है इसका मतलब ये भी हो सकता मैं तुम्हें पीटूँगा इसका मतलब ये भी होता तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे और ज़िंदगी में तुम मेहनत करोगे बहुत आगे जाओगे शायद ये ये है तो पढ़ा नहीं जा सका है ठीक है क्या बोलेंगे ये भैया पढ़ा नहीं जा सका है अब तक तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग कि भैया जी ये दाएं से बाएं एक भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी जिसको हम कहते हैं कोई दिक्कत इतनी बात में अच्छा अब प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं आपकी ये पूजा किसकी करते थे अभी मैंने बोला था ये पूजा करते थे पूजा करते थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पशुपति देवता क्या बोलेंगे कॉमन फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए मैं आपसे पूछता हूँ देखता हूँ कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं ठीक है और समाज कैसा था मात्र सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक ठीक है मैं आपसे पूछूं सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था चौकोर थी या त्रिभुजाकार थी सभ्यता का जो आकार था वो कैसी थी ठीक है और अगर मैं बात करूं इनका पवित्र पशु कौन था अभी आपने चित्र में देखा होगा तो क्या बोलेंगे समाज मात्र सत्तात्मक था लेकिन जैसे जैसे वेदों का समय आएगा तो समाज क्या हो जाएगा समाज तब पित्र सत्तात्मक हो जाएगा यानी पित्र प्रधान हो जाएंगे जो बड़े डिसीजंस, यानी कि जो बड़े निर्णय है वो घर घर में कौन लेने लग जाएंगे वो पिता पक्ष लेने लग जाएगा सभ्यता का आकार कैसा था त्रिभुजाकार थी पवित्र पशु कौन था इनका कुबड़ वाला बैल क्या बोलोगे कुबड़ वाला बैल कौन था इनका पवित्र पशु था देखो ध्यान से कुबड़ वाले बैल की बात कर रहे हैं हम ये कौन है ये कुबड़ वाला बैल है कुबड़ किसको बोलते हैं भैया बैल का जो हिस्सा ऊपर उठा रहता है ये क्या है ये कुबड़ है ठीक है और ये ऊपर इन्होंने ये लिख रखा है कि जो हमारे चित्र को देख करके ये सोचे कि ये कैसा बैल है तो उसके गाल पे एक चांटा लगा दिया जाए तो ये मतलब पता ही नहीं है क्या लिख रखा है इन्होंने कुछ पता तो चले भैया ऐसा तो नहीं है कुछ अब शब्द ही लिख दिए हूँ चलो भाई क्या पता आप लोगों की तारीफ है ये इनके भगवान जी हैं भैया पशुपति क्या बोलोगे ये कौन थे ये पशुपति जी हैं ठीक है आप देखो इनके सामने दिखाया गया है कि जो उस समय के आपको इनको पूजने वाले इंसान तो छोड़ो ये इंसान बने हुए हैं इंसान और देवता सब इनकी पूजा करते थे इंसान और क्या बोलेंगे सब इनकी पूजा करते थे प्यारे बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने बोले जी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवसाय कृषि बोलेंगे या फिर आपका व्यापार बोलेंगे देखो ये दोनों चीजें करते थे और बहुत सारी किताबों में दोनों उत्तर गलत 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 तो नहीं मतलब कहीं पर कृषि कहीं पर व्यापार दिया हुआ है लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आजीविका का साधन था प्यारे बच्चे वो व्यापार था अरब से व्यापार और ये यूपी पीसी प्रश्न को पूछ चुकी है चले भाई यहाँ तक कोई दिक्कत इस बात में तो आप हमेशा आंसर लगाए क्या बोलेंगे यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत तो ये जो बच्चे ने डाउट पूछा इसको भी यहीं शामिल कर देते हैं क्या बोला मैंने जो इनका व्यवसाय था जो आजीविका थी आजीविका किससे होती थी व्यापार से होती थी आप लोग जानते ना इनके पास अपना डॉकयार्ड था गोदी बाड़ा था ये व्यापार करते थे बंदरगाह इनके पास थे ठीक है सब कुछ इनके पास था भैया कमजोर नहीं थे रही बाबा कमजोर नहीं थे बड़े मजबूत थे ये तो व्यवसाय हो गया मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता में धातु कौन सी प्रयोग हुई है तो मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया ब्रॉन्ज यानी की कांस्य क्या बोलोगे कांस्य धातु का प्रयोग हुआ है अच्छा फिर हम हमेशा बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जिनकी प्यारे बच्चे आज देखो मैं आपको आज यह भी गाइड करूंगा आपके नोट्स में क्या महत्वपूर्ण है तो आप जरूर मार्क करते हुए चलना ठीक है जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई तो एक वर्ष याद रख लेना इसके अलावा कोई वर्ष आप याद मत करना ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है सिर्फ एक वर्ष कौन सा 1921 इसके अलावा पूछा जाएगा तो सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा आपसे क्या कि वो किस नदी के किनारे हैं या किस राज्य में हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ठीक है और मैं कुछ आप बच्चों से एक बार डिस्कस कर लूं थोड़ा सा फिर पढ़ाता हूँ एक मिनट लूंगा एक मिनट तो प्रश्न ये है मेरा कि अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो क्या मैं आपको प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं बारह घंटे अगर मैं पढ़ाऊं नॉन तो यह है कि मैं बोलता बोलता चला जाऊं तो एक तो वो बारह घंटे में भी शायद हम इतिहास को कवर नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने दो फॉर्मेट बनाए हैं आपके राजा हर्षवर्धन तक की चीजें छोटी चीजें हैं तो हम उनको लिख करके समझ लेते हैं और उसके बाद में मैंने जो कुछ भी आपके लिए बेहतरीन है वो पी में एकदम बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कराया है बहुत शानदार तरीके से जिस पर मेहनत भी हुई है काफी मेहनत हुई है ठीक है तो वो आपको देखेगा तो मजा आ जाएगा मतलब हर्षवर्धन के बाद में जो बड़े हैं ना क्योंकि अगर हम पढ़ने लगे मुगल काल तो शायद तीन चार पाँच घंटे मुगल काल के लिए चाहिए ठीक है तो ये याद रखना है आप लोगों को कि हम इसके बाद पहले ये लिख लेते हैं ठीक है आप लोग सहमत है ना इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है बोले भी फटाफट से कोई दिक्कत तो नहीं है ओके ओके हाँ ओके लिखे एक बार बहुत बढ़िया बहुत सही <laughs> कुछ बच्चे कह रहे मुगल काल की जय हो <laughs> बहुत बढ़िया तो ठीक है बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है बाकी रिवीजन की जिम्मेदारी सारी मेरी है और जो बच्चा एकदम से नया आया होगा ना एकदम आस लेकर के कि मैं यूट्यूब पर देखो आप है तो लेट ही एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे अंतर यही होता है कि एप्लीकेशन पर हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं बच्चा बार बार रिवाइज करता है अभी आपके पास इतना समय शायद नहीं बचेगा कि आप बस आज ही पढ़ पाएंगे बहुत अच्छे से वो भी कितने फोकस से पढ़ पाते हैं आप आज वो भी आप पर डिपेंड करता है ठीक है तो प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहला नाम आता है क्योंकि ये सबसे पहला खोजा गया इसीलिए इसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी रखा गया हड़प्पा मुझे बताओ हड़प्पा किस नदी के किनारे है मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे है मोहन जोदड़ो ये सभी पूछे जाते हैं मोहन जोदड़ो चनहुदड़ो चनहुद क्या बोलोगे हुदड़ो खूब पूछा जाएगा आपका एक प्यारे बच्चे आपसे धोलावीरा खूब पूछा जाता है क्या बोलोगे धोलावीरा खूब पूछा जाता है एक आपसे प्यारे बच्चे लोथल बनावली पूछा जाता है बनावली एक आपसे काली बंगन पूछा जाता है क्या बोलोगे बनावली पूछा जाएगा एक आपसे क्या पूछा जाता है एक पूछा जाता है जी काली बंगन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुते हुए खेत काली बंगन क्या बोलोगे काली बंगन ठीक है और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है रोपड़ क्या बोलोगे रोपड़ हो गया अच्छा जी यही आप लोगों को बताने हैं एक बार ये आठ स्थल आप कभी मत भूलना परीक्षा में जा रहे हो तो आठ तैयार करके जाना हड़प्पा की बात करते हैं प्यारे बच्चे किस नदी के किनारे 1921 में खोज हुई रावी नदी के किनारे और कौन थे दयाराम साहनी थे कौन थे प्यारे बच्चे दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की और ये सबसे पहला स्थल है क्या बोलेंगे सबसे पहला स्थल यही है मोहन जोदड़ो की बात करते हैं अगले ही वर्ष 1922 में मोहन में मोहनजोदड़ो कहाँ पर आपका सिंधु नदी के किनारे क्या बोलेंगे सिंधु नदी के किनारे और प्यारे बच्चे खोज किसने की राखल दास बनर्जी ने किसने खोज की थी राखल दास बनर्जी जी ने क्या की थी इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी अब इम्पोर्टेंट बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कौन से स्थल में इवन मैं बात करूं चनहुदड़ो की तो ये तीनों कहाँ हैं ये पाकिस्तान में कहाँ आते हैं पाकिस्तान की भूमि में पड़ते हैं ठीक है पाकिस्तान की भूमि में ये पड़ेंगे अगर हम चनहुदड़ो की बात करते हैं प्यारे बच्चे उन्नीस में क्या बोलोगे किस नदी के किनारे चनहुदड़ो है तो सिंधु नदी के किनारे और मजूमदार जी ने इसकी खोज की कौन थे मजूमदार अब मैं आप लोगों को गाइड करता हूं इसके बाद के आपको किसी उत्खनन करता किसी खोजकर्ता का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है खोजकर्ता का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है भाई कोई दिक्कत चलो भैया आप अभी तो बता रहे थे भिरडाना है सबसे पुराना है। नहीं पुराना भिरडाना है लेकिन भिरडाना तो 2014 में खोजा गया है ना सबसे पहले खोजा गया स्थल मैं आपको हड़प्पा बता रहा हूं सबसे पहले 1921 में खोजा गया भेड़ाना तो आज इसके लगभग 100 साल के बाद में खोजा गया है ठीक है कोई दिक्कत बात समझे ना ये कभी आप ऐसा डाउट ना रखें वो तो अभी खोजा गया है धोलावीरा बताएं प्यारे बच्चे किसके किनारे है तो ये धोलावीरा आप कहेंगे भैया जी गुजरात में किस नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे है और कहां है गुजरात में है लोथल की बात अगर प्यारे बच्चे हम करते हैं लोथल कहां है ये भी आपका भोगवा के किनारे भोगवा के किनारे कहा पर गुजरात में और प्यारे बच्चे एक चीज में गलत लिखूंगा वो आपको बतानी होगी बनावली मैंने कह दिया ये दती नदी के किनारे दती नदी के किनारे और कहां पर है आपका बनावली की बात अगर करते हैं तो हरियाणा में हो जाएगा ठीक है कालीबंगन की बात करते हैं ये भी कहां हो गया आपका क्या बोलोगे भैया जी कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा लेकिन किस नदी के किनारे घग्गर नदी के किनारे किसके किनारे घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में हो जाएगा और रोपड़ की बात करते हैं जो पंजाब का है सतलज के किनारे है किसके किनारे सतलज के किनारे और पंजाब का है किसका है पंजाब का है ठीक है अच्छा एक गलती कहां पर हुई है बोले भाई फटाफट से हरियाणा सरस्वती नदी पर बहुत खूब लिखते हुए भाई बहुत खूब लिखते हुए सरस्वती नदी होगी तो प्यारे बच्चे जो द्वस्तती नाम है ना ये सरस्वती का ही पुराना नाम है किसका पुराना नाम है बोले जरा आप कहेंगे भैया जी ये सरस्वती का ही पुराना नाम है तो आप गलती करेंगे ऐसा अगर कुछ करते हैं ठीक है बोले भाई दूसरा दूसरी एक गलती बताएंगे अभी आप लोगों ने गलती नहीं पकड़ी है और कुछ बच्चों का आंसर आता हुआ ठीक है अभी तक नहीं सबसे पुराना पूछे तो भिडाना लगाना है बिल्कुल भिडाना लगाना है बड़ा चर्चित प्रश्न है पूछ चुका है बीपीएससी पिछले ही वर्ष पूछ चुका है प्रश्न को अरे धान की भूसी नहीं बहुत बढ़िया भाई बहुत खूब उत्तर आता हुआ बहुत खूब उत्तर आता हुआ बहुत शानदार चलो दोहलावीरा दोहलावीरा और बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम से ठीक आता हुआ दोहलावीरा किस नदी के किनारे होगा आपका क्या बोलेंगे भैया दोहलावीरा होगा हमारा किसके लूनी नदी के किनारे स्थित है किसके लूनी नदी के लूनी रिवर के किनारे स्थित है बहुत खूब बहुत शानदार चले भैया आगे कोई परेशानी इतनी बात में अच्छा प्यारे बच्चे कुछ स्थल और पूछे जाते हैं आपसे जैसे नए स्थलों की खोज के बारे में हम बात करते हैं मैं आपको कुछ स्थल यहीं पर नोट कराता हूं आप लोग लिखना नदी तो नहीं लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा स्थल कहां पर है देसलपुर नोट करेंगे देसलपुर कहाँ है आपका सिंधु घाटी स्थल आप लोगों को याद हो एक दिन मैं आपको जीके के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लेकर के आया जिसमें मैंने लिखा इनमें से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नहीं है तो उसमें दो तो थे ऑप्शन हड़प्पा मोहनजोदड़ो हर कोई जानता था लेकिन एक विकल्प आ जाता देसलपुर तो इस पर डाउट बन जाता है तो लेकिन आपको पता होना चाहिए देसलपुर भी क्या है ये गुजरात का एक प्यारे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और आपसे पूछू मैं कुंतासी ठीक है पूछना नहीं आप ये नोट करेंगे अपनी कॉपी में कुंतासी कहाँ का है ये भी गुजरात का है और प्यारे बच्चे एक पूछा जाएगा आपसे रोजदी क्या पूछेंगे रोजदी कहां का है ये गुजरात का है हुलास कहां का है हुलास हुलास उत्तर प्रदेश का है हुलास उत्तर प्रदेश में है मांडी कहां है उत्तर प्रदेश में है कहाँ उत्तर प्रदेश में अच्छा ऐसे ही आएगा आपसे प्यारे बच्चे मैं पूछता हूं क्या भगवानपुरा मीतात्थल क्या पूछेंगे भगवानपुरा भगवानपुरा प्लस में मीतात्थल क्या पूछेंगे मीतात्थल भगवानपुरा प्लस मीताथल प्लस आपका क्या पूछ ले मैं आपसे पूछूं नाम रख देते कुणाल ये कहाँ के हैं तीनों ये हरियाणा के हैं ये तीनों कहां के हैं भैया जी ये तीनों हरियाणा के हैं क्या बोलेंगे ये तीनों कहां के हैं ये हरियाणा के हैं बहुत बढ़िया बहुत खूब बहुत सही चलो भाई चलो हाँ नहीं, नहीं नहीं भोगवा को आप चेंज करेंगे मैंने क्या बोला अभी जय चौधरी जी पीडीएफ में आपका लिखा हुआ है ना भोगवा आप इसको चेंज करेंगे ठीक है आगे आएंगे कोई दिक्कत आगे आएंगे नहीं भैया पनीर बाद में खाएंगे क्लास के बाद में अच्छा अब आते हैं कहां पर एक स्थल और बताएं आप मुझे राखी गढ़ी कहां पर है बोले भी फटाफट से राखी गढ़ी कहां पर है ये हरियाणा में है और प्यारे बच्चे ये भी घग्गर नदी के किनारे किस नदी के किनारे घग्गर नदी के किनारे स्थित है एकदम ठीक है घग्गर नदी के किनारे चलो आगे आएंगे और पीडीएफ में आपको मैं जब पढ़ रहा था तो एक एरर और दिखी थी मुझे कि हमने क्लास में वो लिख लिया था वेद तेई को थोड़ा गलत लिख लिया था वेद वेत्रई में हमने अथर्वेद को लिख लिया था तो वो मैंने सारी पीढ़िया फिर से पढ़ी हैं कि आपका कोई एरर तो नहीं अगर कुछ एरर भी है तो उसको भी अभी सुधारेंगे ये भी एक अच्छी चीज है हो जाता है कई बार ह्यूमन एरर है मुझसे भी गलती होती है चलो भी। क्या बोलेंगे सबसे नंबर एक हड़प्पा हड़प्पा से क्या क्या मिला है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो बताएंगे हड़प्पा से क्या क्या प्राप्ति हुई है तो हड़प्पा का पहली बात तो आप याद रख लेना ये पांच किलोमीटर परिधि में फैला हुआ एक नगर था पांच किलोमीटर परिधि में फैला हुआ तो हड़प्पा कितने में फैला हुआ पांच किलोमीटर परिधि में फैला हुआ हड़प्पा क्या बोलेंगे ग्रिड पद्धति से बना नगर है ग्रिड पद्धति याद है यस और नो ग्रिड पद्धति से बना नगर भैया क्या होती है ग्रिड पद्धति जो बच्चे नहीं जानते वो सुने ग्रिड पद्धति का मतलब था कि सड़कें जो थी और जो मकान थे ये समकोण पर थे ऐसे मकान थे आपका जिनके दरवाजे किधर थे आपका इधर थे यहाँ मकान थे और दरवाजे किधर दर थे आपके इधर की साइड और ये थी आपकी सड़कें तो सब कुछ कितने पर था समकोण पर था 90 डिग्री पर बना था बोलेंगे भाई फटाफट से 90 डिग्री पर बना हुआ है कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो भाई फटाफट से कोई भी दिक्कत बोलेंगे भैया यहां तक की बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे हड़प्पा से और क्या क्या मिला है इसका आंसर आप बताएंगे तो सब दफनाने के जो साक्ष्य हैं क्या बोलोगे सब दफनाने के जो साक्ष्य हैं सब दफनाने के जो साक्ष्य हैं ये प्यारे बच्चे कहाँ पर मिले हैं बोलें एक बार फटाफट से सब दफनाने के साक्ष्य कपास की खेती के साक्ष्य कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले ये हड़प्पा से मिले और लगातार पूछा जाता है ठीक है अच्छा यहां से एक सुरक्षा दुर्ग मिला क्या मिला सुरक्षा दुर्ग मिला और उस सुरक्षा दुर्ग का क्या नाम है उस सुरक्षा दुर्ग का नाम है माउंड एबी तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है क्या बोलेंगे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल से जो सुरक्षा दुर्ग मिला जो इन नगरवासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऊंचा टीला बना रखा था उच्च ऊंचे टीले पर उस ऊंचे टीले पर प्यारे बच्चे जो इन्होंने किला बनाया उसको क्या नाम माउंट एबी और ये उत्खनन करता रहे हैं एक इतिहासकार भी है इन्होंने ये नाम दिया था किसने दिया था विहिलर ने यह नाम दिया था कोई दिक्कत इस बात में अच्छा सुरक्षा दुर्ग के बाद में प्यारे बच्चे यहां पर याद रख लेना जो मुद्रा ये बनाते थे करेंसी बनाते थे मुद्रा बनाने में ये सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे किसका सेलखड़ी का इस्तेमाल होता था मुद्रा बनाने ऐसे ही प्यारे बच्चे हम बात करते हैं किसकी मोहन जोदड़ो और मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहन जोदड़ो का क्या अर्थ है आपके मस्तिष्क में उत्तर आना चाहिए आप कहेंगे भैया मोहन जोदाड़ो या मोहन जोदड़ो जो दुनिया के दुनिया के गर्म स्थलों में से एक है जो दुनिया के गर्म स्थलों में से एक है इसका अर्थ क्या होता है आप कहेंगे इसका अर्थ है भैया मृतकों का टीला मृतकों का टीला मृतकों का टीला कब खोज हुई इसकी 1922 में यह क्या है इसका मीनिंग है मोहन जोदाड़ो का मोहन जोदड़ो से क्या मिलता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या बोलेंगे यहां से जो प्राप्त हुआ विशाल अन्नागार अब एक क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए विशाल अन्नागार और एक मिला यहां से विशाल अन्नाकार एक मिला विशाल स्नानागार तो दोनों विशाल हैं दोनों में बड़ा कौन है बता सकते हैं क्या मैंने वन लाइनर में आपको ये प्रैक्टिस कराई थी वन लाइनर में मैंने आपको ये प्रैक्टिस कराई और तब बताया था जरा बताएं अन्नागार ज्यादा बड़ा है या फिर आपका प्यारे बच्चे प्रश्न आता है कि स्नानागार बड़ा था तो क्या आंसर आया अन्नागार 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 क्योंकि ये जो अन्नागार था ना आपका इस अन्नागार का साइज था कितना पैंतालीस गुणा पंद्रह मीटर का लगभग है लगभग है और जो आपका स्नानागार था उस स्नानागार का साइज था अठारह ग्यारह दशमलव आठ आठ इतनी इसकी लंबाई थी सात दशमलव जीरो एक मीटर इसकी चौड़ाई थी और प्यारे बच्चे दो दशमलव चार मीटर ये गहरा था तो मैंने आपको तब भी बताया था ये माप गुणा करने पर लगभग 200 बैठती है 200 और 45 गुणा पंद्रह जो माप है वो ज्यादा होगी अच्छा ये जो मोहन जोदड़ो है ये क्या है ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी या हड़प्पा का जुड़वा शहर कहलाता है क्या बोलेंगे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किस शहर को कहा जाता है तो आप कहेंगे भैया जुड़वा राजधानी थी कौन हमारा मोहनजोदड़ो शहर किसकी हड़प्पा के लिए अच्छा विशाल स्नानागार जो था आपको याद हो वन लाइनर में क्वेश्चन हमने किया था ये विशाल आपका स्नानागार है भैया इसमें नहाने जाते थे बढ़िया तरीके से ये और कहते हैं कि ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं कि पूजा से पहले ये लोग नहाते थे इसमें सामूहिक रूप से और नहाने के बाद में तो यू पी ने एक प्रश्न पूछा है बड़ा अच्छा कि जो स्नानागार प्राप्त हुआ है उसमें सीढ़ियां जो थी भाई ये क्या आप ऐसे दिशा बनाते हो ना ये उत्तर हो गई ये क्या है उत्तर ये दक्षिण तो वो पूछ रहे हैं कि उसमें जो जो आपका क्या सीढ़ियों की सीढ़ियों की स्थिति थी तो उसने प्रश्न पूछा है क्या केवल उत्तर की तरफ सीढ़ियां थी या केवल दक्षिण की तरफ सीढ़ियां थी या केवल दक्षिण की तरफ सीढ़ियां थी या दोनों तरफ से सीढ़ियां थी तो आप याद रख लेना सीढ़ियां उत्तर में भी थी और सीढ़ियां कहां ये देखो उतरने के लिए दक्षिण में भी थी तो दोनों तरफ सीढ़ियां थी क्या बोलेंगे प्रश्न पूछा जा चुका है क्या बोलेंगे तो इस स्विमिंग पूल में भैया इस स्विमिंग पूल में दोनों तरफ से सीढ़ियां थी नेक्स्ट ये आपका विशाल अन्नागार है अन्नागार में आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं इस तरह से ये बीच में आपका रास्ता है तो ये छः छः अन्नागार थे कितने अन्नागार थे छः छः इधर भी छः थे और इस वाली लाइन में भी छः थे तो अन्नागारों की स्थिति बाएं और दाएं तरह पर कितनी थी छः छः थी कितनी थी बोलेंगे भी फटाफट से दोनों तरफ से स्थिति कितनी थी इनकी छ छ थी ठीक है अच्छा अगली बात पर आएंगे तो मोहनजोदड़ो क्या हो गया हड़प्पा की जुड़वा राजधानी हो गया स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था हमको बोले भैया स्वास्तिक चिन्ह जो आप पूजा करते हैं सतिया जिसको आप कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में बड़ा मान स्वास्तिक चिन्ह बहुत मान्यता है इसकी जानते हैं ना आप लोग स्वास्तिक चिन्ह कहां है आपका यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ क्या बोलेंगे बुने कपड़ों के साक्ष्य कहां से मिले हमारे बुनो कपड़े के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हमको ठीक है और प्यारे बच्चे दाढ़ी वाला महादेव कहाँ से प्राप्त हुआ दाढ़ी वाला महादेव की जो मूर्ति है ये हमको कहाँ से प्राप्त हुई यहीं से ठीक है पशुपति देवता के बारे में जो मूर्ति थी वो कहाँ मिली हमें यहीं मिली ठीक है और डांसिंग गर्ल क्या बोलोगे डांसिंग गर्ल डांसिंग गर्ल क्या बोलोगे ये किसकी थी ब्रोंज की थी ब्रॉन्ज की थी चलो यानी कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति किसकी कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये भी कहां से मिली देखो ये री डांसिंग गर्ल अब भैया ये डांस कर रही हैं या पोज दे रही हैं ये तो पता नहीं ठीक है ये तो पता नहीं तो और ये कौन है ये दाढ़ी वाले महादेव हैं कौन है ये ये दाढ़ी वाले महादेव हैं ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है ठीक है दाढ़ी वाले महादेव हो गए तो ये भी कहाँ से मिली है भैया पोज देती हुई यानी कि डांस का कोई इनका अपना स्टेप होता होगा तो जैसे हमारे यहाँ लुंगी वाला डांस होता है ऐसे ये इनका कोई डांस होगा तो ये इनका अपना ये नाचती हुई है नर्तकी हैं एक क्योंकि नर्तकी इनको क्यों कह दिया इनके आभूषण देख करके और यहाँ इनकी चूड़ियों की संख्या भी चूड़ियों की संख्या भी क्या बोलेंगे ये भी एक महत्वपूर्ण है कि एक हाथ जो है वो पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है ठीक है और कौन सा हाथ है जो चूड़ियों से भरा हुआ है वो आपका बायां हाथ है क्या बोलेंगे भैया जी वो बाया हाथ था तो ये सब कहाँ से मिले हैं भैया ये मिले हैं मोहन जोदड़ो से कहां से मिले हैं मोहन जोदड़ो से ठीक है अच्छा इंपॉर्टेंट बात आती है अब आगे अगला आपका आता है क्या बोलेंगे तीसरा चनहुदड़ो तो चनहुदड़ो याद है या नहीं है चनहुदड़ो भैया ये चनहुदड़ो तो याद होगा यहां सबसे इंपॉर्टेंट है मन का बनाने का कारखाना मनका बनाने का कारखाना जो किसने खोजा जो मैके ने खोजा किसने खोजा ये मनका बनाने का कारखाना मैके ने खोजा किसने खोजा था मैके ने खोजा इसको और प्यारे बच्चे मनका के साथ साथ में यहां पर क्या मिला था आपका ये एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटे प्राप्त हुई थी कैसी वक्राकार ईंटे प्राप्त हुई और बिल्ली का पीछा करते बिल्ली का पीछा करते किसके कुत्ते के कुत्ते के पद चिन्ह बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पद चिन्ह पद चिन्ह का मतलब समझते हैं ना फुटप्रिंट्स पैरों के निशान कैसे निशान पैरों के निशान ये कहां से मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहां पर आपका मेकअप का सामान किसका मेकअप का सामान क्या बोलोगे मेकअप मेकअप किट लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं मेकअप किट लड़कियों की होती है ना मेकअप किट तो मेकअप किट से मतलब है यहाँ से लिपस्टिक वगैरह ये सब कुछ जो भी सौंदर्य प्रसादन है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये चन्हुदलों से प्राप्त हुआ यानी यहाँ की महिलाएं बड़ी शौकीन थी भैया साज सज्जा की वक्राकार ईंटों के साथ में प्यारे बच्चे याद रख लेना यहाँ से गोल ईटे भी मिली हैं एकदम एकदम क्या बोलेंगे गोल ईंटे यहाँ से प्राप्त हुई हैं और चौथा आपका लोथल लोथल क्या बोलेंगे लोथल प्यारे बच्चे अब यहां पर इंपोर्टेंट बात आएगी क्या बोलेंगे लोथल किस नदी के किनारे भोगवा के किनारे क्या बोलोगे भोगवा के किनारे बिल्कुल भैया मेकअप किट मिली है और ये बड़ी अच्छी बात है पहुंच मत जाना पहुंच मत जाना कभी मेकअप किट के चक्कर में वहीं पहुंच जाओ ठीक है नहीं अच्छी बात है लड़कियां ऐसा लड़कों के अगर तुम मेकअप वेकअप लगा लोगे तो लड़के तो भूत से ही लगते हैं ये भी सच्चाई है लड़कियां सजने संवरने के लिए होती है उन्हें सजना सवरना चाहिए अच्छी लगती है ना हमारे घर में मां बहन जब सजती है तो अच्छी बात है क्या बोलेंगे भैया तो लोथल की बात है लोथल की बात है देखेंगे सफाई के प्रति कौन सा नगर सबसे सजग था इसके प्रमाण मिले हैं सफाई के प्रति सजग कौन था सफाई के प्रति सजग कौन सा नगर था सबसे अधिक तो ये था आपका लोथल क्या बोलोगे लोथल लोथल क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक नगर है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये जीने के लिए किसका व्यापार का इन्होंने इस्तेमाल किया और प्यारे बच्चे यहाँ पर ही मिला है एक बंदरगाह बंदरगाह जिसको हम गोदीवाड़ा कहते हैं क्या कहते हैं गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ठीक है और प्यारे बच्चे क्या मिला है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं लोथल से मिले हैं लेकिन सिर्फ क्या लोथल से ही मिले हैं भैया घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य नहीं क्या बोलोगे सुर से भी मिले हैं तो क्या बोलोगे जब एक को देगा विकल्प में तो दूसरे को नहीं शामिल करता है तो घोड़े की जो अस्थि है प्यारे बच्चे घोड़े की अस्थि के बारे में और कहा से हमको जानकारी मिलती है याद रखना वो सुरकोटड़ा से भी मिलती है कहां से सुरकोटड़ा से भी मिलती है ठीक है अरे भाई कुछ रिस्पॉन्स तो दो मजा भी आ रहा है रिविजन करने में नहीं जवाब बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं मैं प्रश्न पूछ रहा हूं चलो भाई बोलेंगे फटाफट से कोई दिक्कत इस बात में यहां तक की चलेंगे आगे आएंगे तो ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चे शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से यहीं से प्राप्त हुए हैं हमेशा याद रखेंगे और तीन युगल समाधि तीन युगल समाधि तीन जोड़े एक साथ दबे हुए कहाँ से मिले हैं तीन युगल समाधि एक साथ लेकिन प्यारे बच्चे याद रख लेना मनुष्य के साथ उसका पालतू पशु कुत्ता मनुष्य के साथ में क्या बोलेंगे पालतू पशु कौन था पालतू पशु कुत्ता पालतू पशु कुत्ता इनका जो सब एक साथ मिला है ये सब मिला है रोपड़ से पंजाब से क्या बोलेंगे ये रोपड़ से मिला है मनुष्य के साथ में पालतू पशु कुत्ते को कहां पर दफनाया गया है वो आपका रोपड़ से मिलता है चले भैया कोई दिक्कत क्या बोल रहे हैं भैया ये लोग कच्ची ईटों का इस्तेमाल करते थे या पक्की का ये बता दो अच्छा जी चुरा के लाओगे क्या इनके यहां से ईंट ये पता चलता है प्यारे बच्चे अच्छा क्वेश्चन है और देखो ये एक बच्चे के दिमाग की या तो ये जानते होंगे इस बात को क्या बोलेंगे काली बंगन आप जानते हैं देखो यहां पर मैं ईंटों के बारे में आपको कुछ बता सकता हूं काली बंगन की बात करते हैं प्यारे बच्चे यहां से क्या मिला है सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जुते हुए खेत क्या बोलेंगे जुते हुए खेत यहां से मिलते हैं लकड़ी का अर् इसको कहते थे यानी हम कहते हैं लकड़ी का हल लकड़ी का हल कहां से प्राप्त हुआ है वो यहीं से प्राप्त हुआ है और मैं आपसे पूछूंगा सात हवन कुंड सात हवन कुंड प्लस में क्या मिला आपका चूड़ियों के साक्ष्य क्योंकि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है चूड़ियों का साक्ष्य यहीं से मिलता है एविडेंस बोलते हैं साक्ष्य को अच्छा बोलो कालीबंगन का अर्थ क्या होता है काली बंगन काली का तो काली होगा और बंगन का मतलब क्या है चूड़िया लड्डू बहुत खूब उत्तर आपने दिया है बहुत बढ़िया बहुत शानदार अच्छा अब ये जो बच्चा पूछ रहा था ईंटों के बारे में आएंगे भैया तो इनके जो काली बंगन के मकान थे ना प्यारे बच्चे ये कच्ची ईटो के थे कैसे थे ये इनके जो मकान थे ये कच्ची ईटों के थे और अगर मैं बात करूं आपसे पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है ये मोहन जोदड़ो में हुआ है आपको अभी दिखाया था मैंने स्नानागार में ईंट देखी थी मोहनजोदड़ों में कैसी ईंट है ये पक्की ईंट है पक्की ईट भैया कैसे मतलब पक्का ली जाती थी ईट टेम्परेचर के द्वारा तो ये पक्की ईंट है कैसी ईंट थी ये पक्की ईंट है बहुत बढ़िया भाई और हम लगभग पंद्रह हजार लाइव व्यूअर्स के करीब हैं और उम्मीद करेंगे अगले दो मिनट में हम इसको पार हो जाएंगे कर दो भाई कर दो फटाफट भट से तो ये क्या बोलेंगे आगे आते हैं आगे आएंगे अगला स्थल आता है हमारा प्यारे बच्चे क्या धौलावीरा क्या बोलेंगे अगला स्थल आता है हमारा धोला वीरा धोला वीरा धौला वीरा की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे हम यहां से जल प्रबंधन की व्यवस्था का पता चलता है जल प्रबंधन व्यवस्था का पता चलता है ठीक है और साथ में क्या बता रखा है मैंने आपको सुनामी का साक्ष्य सुनामी का साक्ष्य कहाँ से मिला है वो यहीं से मिला है तो ये वो सारी जरूरी चीजें थी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी तो बोलो मजा आया बोलो भाई फटाफट से कोई दिक्कत मजा आया या नहीं आया ठीक है बोलेंगे भाई फटाफट से चलो घर की ईटों पर रंग कैसा होता था भैया लाल रंग करते थे इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते ये एक रिसर्च का विषय है लाल रंग हुआ करते थे लाल रंग बहुत खूब बहुत शानदार भाई तो प्यारे बच्चे ये आप सब लोगों का एक क्रेडिट बनता हुआ और संख्या पंद्रह हजार के पार बहुत गजब टू मच थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों टू मच थैंक यू अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ ये बड़ी बात है ये क्यों नष्ट हो गई तो अलग अलग विशेषज्ञों ने कहा कि कोई आक्रमणकारी आए और आक्रमणकारियों ने इतनी तकड़ी तलवार चलाई कि पूरे के पूरे शहर मिट्टी से दफन कर दिए तो ये तो संभव बात प्रतीत नहीं होती फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई तो बात समझ में आई ठीक है सब कुछ तफन हो गया जलवायु में कोई परिवर्तन आया लेकिन मैक्सिमम लोग किस बात से संभव हो किस बात से सहमत होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर कोई बाढ़ आई और उस बाढ़ से क्या हुआ ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ उसने क्या कर दिया दफन कर दिया और इसी एक बात के इसी एक बात के बारे में सब लोग क्या हैं? इसी सब एक बात के बारे में सब लोग क्या हैं? आपका सहमत है ठीक है बाढ़ और प्राकृतिक आपदा तो अगली बात पर चलते हैं प्यारे बच्चे अगली बात आती है हमारी किसकी वैदिक सिविलाइजेशन की किसकी बात आती है वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन की बात आती है यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी वैदिक सभ्यता की बात करते हैं वो सभ्यता जिसके दौरान जिसके दौरान वेदों का जन्म हुआ है किसका वेद जन्मे है जिस समय पर वेद वेद जिस समय पर लिखे गए वो वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता किसने विकसित की थी आर्यों ने विकसित की तो आता है आर्य थे कौन कहां से आए भारत में आप लोगों को बस एक बात अपने दिमाग में बना लेनी है आ, ये जो आर्य लोग हैं आर्य लोग जो हैं ये भारत के नहीं थे ये भारत के बाहर से आए और ये बात भी एकदम से साबित हो चुकी है कि ये लोग आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए कैसे आए आक्रमणकारी के तौर पर भारत आए ठीक है बहुत बढ़िया बहुत खूब चलो भाई बोलेंगे भाई फटाफट से क्या कहेंगे नहीं वो सारी चीजें मैं आपको वन लाइनर में पहले ही करा चुका था अगले टॉपिक पर आएंगे भैया इनके समय पर क्या कोरोना आया था तो क्या पता आया हो भैया महामारी के साक्ष्य भी कई जगह मिलते हैं आ सकता है बिल्कुल कुछ और नाम होगा उस समय चले भैया अच्छा वैदिक सभ्यता कौन सी धातु का प्रयोग करती थी क्योंकि ये लोग पशुपालन करने लग गए और पशुपालन करने लग गए तो खेती जरूरी है पशुपालन के लिए चराते होंगे खेती करते होंगे जब खेती हुई तो जरूरत ही किसी चीज को जन्म देती है आज आपके परिवार को जरूरत है नौकरी की तो आप लोग उसके लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि आपको नौकरी मिले तो उस समय जब खेती की स्थिति आई तो उसी स्थिति ने कौन सी धातु को पैदा कर दिया वो धातु थी लोहा क्योंकि फसल काटने के लिए हमको किसी धारदार वस्तु की जरूरत हुई और किसका किसका प्रयोग सामने आया धातु आई लोहा यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन को मैं कह सकता हूं या नहीं बिल्कुल कह सकते हैं भैया क्या बोलेंगे इसको हम लोहयुगीन कह सकते हैं लेकिन आपसे कोई पूछे ना इस दुनिया में सर्वप्रथम लोहा कहां प्रयोग हुआ सर्वप्रथम लोहा यह प्रयोग किया था हकामनी साम्राज्य ने हकामनी साम्राज्य ने और जो बच्चे पूरा इतिहास पढ़ चुके होंगे वो जानते होंगे हकामनी साम्राज्य कहां है तो हकामनी साम्राज्य ईरान का वो साम्राज्य जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया इसी वंश के राजा थे जो सिकंदर से पहले भी भारत पर आक्रमण करने आए यानी भारत की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे ये हकामनी साम्राज्य के लोग थे ठीक है जिसके बारे में ये उल्लेख मिलता है कि इनके आक्रमण से पहले मण तो इनका बाद में हुआ भारत पर उससे पहले ही लोहो का प्रयोग भारत में होना शुरू हो गया था ठीक है अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की प्यारे बच्चे तो वैदिक सभ्यता को कितने हिस्से में बांटते हैं दो हिस्से में बांट करके हम पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को और वो दो हिस्से कौन कौन से हैं एक तो है पूर्व वैदिक काल क्या बोलेंगे पूर्व वैदिक काल यानी कि आपका क्या बोलेंगे आप इसको प्री वैदिक पीरियड और दूसरा क्या है लेटर वैदिक पीरियड यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड भी आप कह सकते हैं ये उत्तर वैदिक काल है क्या बोलेंगे उत्तर वैदिक काल है है अब बात आती है कि पूर्व वैदिक काल का समय कितना है तो यह समय है आपका 1500 सो बीसी से और मैंने आपको बताया ना महत्वपूर्ण कुछ मार्क करना तो इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लें ले समय आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना आपकी परीक्षा में है ठीक है 1500 से आपका 1000 तक और ये कब से 1000 से लेकर के छह सौ बीसी और आपके नोट्स में जो करेक्ट करने की चीज है जो मैंने आपसे बोला था कि वेद त्रय हमने क्लास में गलती से अथर्वेद उसमें लिख लिया था तो आप लोग पहले उस गलती को सुधार लेंगे तो कहीं कोने पर लिखें वेद त्रय वेद त्रय में कौन कौन है आपका ये ऋग्वेद है ऋग्वेद है यजुर्वेद है यजुर्वेद है और कौन सा है आपका सामवेद है ठीक है और उस गलती के लिए रियली सॉरी ठीक है दरअसल में कुछ बच्चों के मैसेज जब मुझे मेरे पास आए तब मैं इस बात को देख पाया कि हाँ ये गलती से लिख दिया है ठीक है कोई दिक्कत इसको आप सुधार लेंगे तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तो यानी कि दो तरीके से हमने इसको बांट दिया ये पूर्व वैदिक काल क्या है जिसमें आर्यन सभ्यता आई अब ये आर्यन आए कहां से वो लोग जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की और इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम क्या बोलते हैं इसी काल को हम ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं किस नाम से जानते हैं ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है और ऋग्वैदिक काल में किसकी रचना हुई हमारे चार वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद की रचना हुई है चार वेदों में से सबसे पुराना कौन सा ऋग्वेद की रचना इसमें हुई है और प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके देखने के लिए यहां पर एक बात होगी कि ध्यान से नोट करने शुरू करना आर्यो ने किसने आर्यो ने इस व्यवस्था को जन्म दिया आर्यो ने इस व्यवस्था यानी जिसको हम वैदिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं आर्यो ने इस व्यवस्था को जन्म दिया जन्म दिया और खेती क्यारी करने वाले ये लोग ठीक है आर्य शब्द का अर्थ भी मैंने आपको बताया होगा जरा जान लू आप लोगों से आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है बोले भी फटाफट से सर क्वालिटी 720 पे करो प्लीज भैया हमारे यहां से क्वालिटी एक है और क्वालिटी आप ही सेट कर सकते हैं अपने फोन में अच्छा बफ हो गया क्या ठीक नहीं 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 ठीक है चले भैया आप लोगों को क्लास दिख रही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है एक ही बच्चे ने बोला क्वालिटी के लिए कोई और कोई दिक्कत तो नहीं बता दो एक बार अगर कुछ दिक्कत है कुछ चेंज करना है तो हो सकता है बोले भैया फटाफट से हाँ अब सबकी शिकायतें आनी शुरू होंगी भैया माइक को इतनी दूर कर लो भैया एक हाथ पर उल्टे खड़े होकर पढ़ा दो भैया दोनों हाथों को ऐसे खोल के पढ़ा दो अब जीसस बनाने के चक्कर में भैया आवाज थोड़ी ज्यादा है कम है चलो भाई मैं ये मानता हूं कि आपके जीवन में जो परेशानी है वो आपकी व्यक्तिगत परेशानी है और उसके जो हल है वो आप ही पा सकते हैं ठीक है तो आप उससे हल पाने के प्रयास में रहिए अब आएंगे ध्यान से देखेंगे जो मैक्स मूलर साहब हैं उनका आर्यो के बारे में क्या कहना है बताएंगे मैक्स मूलर ने आर्यो का निवास स्थान कहां बताया है आप लोग बताएं एडवर्ड मेयर ने आर्यो का स्थान कहां पर बताया है एडवर्ड मेयर ने आर्यों का स्थान कहाँ पर बताया है आपका पेन का क्या बोला था मैंने पेन का और जो हर्ट है इन्होंने आर्यों का स्थान यानी कहाँ से आए हुए इनको बताया है और अगर बात करें दयानंद सरस्वती जी हमारे आर्य समाज के जो संस्थापक थे 1875 सौ आएगा इस बार पी में देख लेना दयानंद सरस्वती और साथ में आपका गाइल्स ने कहाँ पर बताया है गाइल्स ने कहाँ पर बताया है ठीक है तो क्या बोलेंगे मैक्स मूलर साहब क्या कहते हैं भैया मैक्स मूलर की ये विचारधारा खुद ही उन्होंने अमान्य कर दी थी बाद में बोले कि मेरा कहना गलत था तो इन्होंने कहा के बताए थे इन लोगों को इन्होंने बताया था कि ये मैक्स मूलर जो है कि ये कहाँ से आए थे आपका मिड एशिया से आए कहां से आए मिड एशिया से आए मध्य एशिया से आए आर्य ठीक है कहां से बताया है इन्होंने क्या हम बात कर रहे हैं आर्यो का आगमन स्थल क्या है आरियो का आगमन स्थल यानी आगमन हमारे देश में ये आए हैं किस जगह से आए विशेषज्ञों का क्या कहना है एडवर्ड मेयर साहब कहते हैं कि ये कहां से आए आपका पामीर के पठार से आए पामीर का पठार इन्होंने स्थल बताया पेन का और हर्ट की बात करते हैं इन्होंने कहां बताया इन्होंने जर्मनी बताया दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं इन्होंने बोला तिब्बत से ये लोग आए गाइल्स जी महोदय कहते हैं कि हंगरी से ये आए क्या बोलेंगे हंगरी से ये आए ठीक है अच्छा अब आप बात करेंगे एक हमारे प्रमुख लोग कौन व्यक्ति थे तिलक साहब कौन जी तिलक जी ने कहाँ से बताए हैं तिलक जी ने इनको बताया उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से आप कहेंगे भैया वहाँ तो बहुत बर्फ होती है बहुत बर्फ होती है लेकिन ऐसा नहीं है किन लोगों ने तुक्के से बोल दिया कि यहाँ से आए मेरी बात मान लो नहीं इन सब लोगों ने अपने अपने तर्क दिए जैसे इन्होंने बोला कि बहुत जगह आर्यों ने खुद को श्रेष्ठ बताया जिस तरह की आंखें इन लोगों की देखी गई नीली आंखें जिन्होंने जैसे जर्मन वादियों ने हिटलर ने कहा कि वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है ये कौम सबसे अच्छी है तो उस तरह की प्रजाति आर्यो ने भी खुद को क्या बताया श्रेष्ठ बताया तो उन्होंने बोला ये विचारधारा कहा जर्मनी से पैदा हुई है वहां की है नस्लें अच्छा तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव कहा आप कहेंगे भैया इतने ठंडे से तो क्योंकि ऋग्वेद में कई जगह पर आपका क्या बोलते हैं उस सुमेरु पर्वत का वर्णन हुआ है जहां पर छह महीने दिन और छह महीने रात होती है यानी कि सुमेरु पर्वत छह महीने दिन छह महीने रात आप सब लोग जानते हैं पोल्स पर होता है नॉर्थ पोल पर होता है तो साथ में उन्होंने बोला दीर्घकालीन ऊषा यानी कि लंबे समय तक सांझ का मौसम यह भी उत्तरी धर्म में वर्णन मिलता है तो तो इन्होंने बोला कि कि इनकी जो प्राचीन सभ्यता थी तो लोगों ने अपने अपने मत दिए लेकिन आज भी ये बात फिक्स नहीं है कि ये कहां से ये कहां से आए थे भारत में आए इस बात के बारे में कोई निश्चित जानकारी हमको नहीं मिलती है तो ये लेकिन पूछा बहुत जाता है तिलक जी ने स्थल क्या बताया है ठीक है आपसे पूछे कोई दिक्कत भाई ठीक है सर तो क्या हम आर्यन से नहीं ये कौन सी बात थी मैं कह रहा हूं कि ये लोग यहां भारत में आकर के बसे भारत में आकर के बसे और दो चीजें भारत में विकसित हुई एक आप नाम सुनते हैं बार बार हम लोगों को देखा जाता है एक शब्द हम लोगों के सामने आता अनार्य आर्य और अनार्य तो आर्य जब देश में आए और उन्होंने जिन लोगों को पराजित कर दिया उनको उसने कहा अनार्य यानी वो सभी लोग जो पहले से हमारे देश में मौजूद थे वो कौन हो गए वो अनार्य हो गए अनार्य मतलब आर्यंस नहीं थे हमको हमको आर्यों ने आकर के क्या यहाँ हरा दिया था तो हम में पता नहीं कौन कौन लोग थे तो ये क्या है ये सभी रिसर्च के विषय हैं कि हाँ फिर कहा जाता है कि उन्होंने अनारियों को जिन लोगों को हरा दिया भारत में आकर के उनको उन्होंने निचले वर्ग में रखा नीचे वर्ग में रखा और खुद को एक ऊंचे वर्ग में रखा और उन्होंने एक नाम दिया क्या ये एक निचला वर्ग है निचला वर्ग है ठीक है चलो आगे आएंगे इस सभी में अगर पूछे भैया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देना चाहेंगे तो मैक्स मूलर जी को देना चाहते हैं कि मध्य एशिया से लेकिन बाद में कथन भी अमान्य हो गया क्या बोलेंगे आगे चले भैया अगले टॉपिक पर चले हमारा अब आती है बात पर कि लोग में पंचजन क्या था आर्यो में आर्यो में पंचजन क्या था क्या बोलेंगे पंचजन क्या हुआ करता था तो सबसे बड़ी इकाई थी राष्ट्र क्या बोलोगे सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र राष्ट्र मिलता था किन से मिलकर के जन से मिलकर के जन कैसे बनते थे विश से मिलकर के विष किस से मिल के बनता था ग्राम से मिलकर के बनता था और गांव किससे मिलकर के बनते थे ये कुल से मिलकर के बनते थे इन्हीं को बोलते हैं हम आर्यो में पंचजन व्यवस्था आज भी आपके यहां ऐसे होता ना गांव ठीक है देखेंगे ध्यान से क्या बोलेंगे कुल ग्राम विष जन और राष्ट्र ये पंच जन है जिनसे मिलकर के क्या बनता था आर्य सभ्यता बनी हुई थी और आपका कुल का जो व्यक्ति था उसको बोलते थे कुलप ग्राम में जो था उसको ग्रामणी और पिस में कौन था विश्वपति जन में कौन था जनपति और सबसे बड़ा कौन था जो इनके राष्ट्र का प्रमुख था वो था आपका राजा वो सबसे बड़ा स्थ कौन था आपका राजा था ये बात याद रखेंगे जो राष्ट्र को संभालता था सबसे बड़े कबीले को संभालता था पहले इतनी पॉपुलेशन तो नहीं होगी थोड़ी सी जनता होगी और उस थोड़ी सी जनता में ये प्रमुख रहे ठीक है अच्छा ध्यान से आएंगे अब लिखेंगे ऋग्वेद की विशेषताएं यानी कि ऋग्वेदिक काल बोलूं या मैं बोलूं आपसे पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं पूर्व वैदिक काल की विशेषता कौन कौन सी हैं पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं जहां से सीधे प्रश्न पूछते हैं और मार्क करके रखना प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछूं ये जो लोग थे ये मांसाहारी थे या सिर्फ शाकाहारी थे लॉजिक लगाएंगे मांसाहारी थे या ये लोग शाकाहारी थे प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य जो लोग थे ये कैसा कैसा खाना खाते थे बोले भैया मांसाहारी थे या खाना खाते थे अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कुछ जगह पर वर्णन मिला कुछ जगह पर वर्णन मिला यही वो समय है जब इन्होंने किसको अपने स्वागत समारोह में अपनी दावतों में बकरी आदि को काटा बकरी आदि का खाना ये लोग खाते थे क्या बोलेंगे और यही यानी कि मांसाहारी भी थे लेकिन दूध दही इनका फेवरेट था तो ये शाकाहारी भी थे क्या बोलेंगे दूध दही इनका आपका क्या बोलेंगे इनका फेवरेट था यानी कि मैं क्या बोलूंगा ये लोग सर्वाहारी थे ये भैया वेज भी उड़ाते थे और ये नॉन वेज भी खाते थे ठीक है अच्छा भैया गाय को गाय के बारे में क्या था क्या हमको सुनने को मिलता है तो ऋग्वेद के समय पर गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया और इसको अगन्या कहा गया है अगन्या अर्थात इसका आप वध नहीं कर सकते हैं यानी यह प्रमाण मिलता है कि ये लोग मांसाहारी तो थे लेकिन किसके मांस को नहीं खाते थे गाय को ये पवित्र पशु मानते थे ठीक है किस समय से ऋग्वेदिक काल से तो यहां से एक और हमारी एक और चीज निकल करके आती है क्या बोलेंगे खाने वाली चीजों में क्या बोला खाद्य पदार्थ क्या बोलेंगे खाद्य पदार्थ क्या था इनका खाद्य पदार्थ बताएंगे भैया जो बच्चा जानता होगा अच्छा अगर मैं यवांगु इन्होंने किसको कहा यवांगु और जो यव जानते होंगे बच्चे वो यवांगु भी जानते होंगे यवांगु की बात करते हैं और प्यारे बच्चे धनव इन्होंने किसको कहा अघन्या इन्होंने किसको कहा ये इनके समय की कुछ टर्मिनोलॉजी है शब्द हैं जिनको ये कहते थे ठीक है पारावत किसको कहा था इन्होंने क्या पारावत किसको ये कहते थे सूद क्या नहीं क्या बोलते थे वेकनाट 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 ये किसको कहते थे वेकनाट और क्या बच गया धन हो गया आपका क्या बोले हाँ उर्वरा ये किसको कहते थे उर्वरा किसको कहते थे और सुरा सुरा या सोमरस ये किसको कहते थे किसको कहते थे वपता ये किसको कहते थे वपता चलो भाई बोलेंगे फटाफट से वप्ता ये किसको कहते थे तो खाद्य पदार्थों को ये क्या बोलते थे करब क्या बोलते थे करब करब किससे बनता था जौ और दही को आपस में मिला करके आर्यो का जो करब था वो किन दो भो, किन से मिलता था आपका जौ और दही से यवांगु क्या था ये जौ का दलिया था जानते हो ना गेहूं का दलिया गेहूं को थोड़े से क्या कर लो भैया भूल लो गेहूं को थोड़े से भूल लो और फिर उनका दलिया बना लो पीस लो उनको मोटा खाते हो ना दलिया नहीं गाँव में सब खाते हैं भाई यव क्या है ये जो है धनव किसको बोलते थे ये धनव मरुस्थल को डेजर्ट को जो राजस्थान में है अगन्या अगन्या का अर्थ ना वध करने योग्य है ये इन लोगों ने गाय को कहा है सबसे पवित्र पशु माना है गाय को सबसे पवित्र पशु इन्होंने माना है पारावत किसको बोलते थे ये तो पर्यावाची भी होता है समुद्र का वेकनाट बोलते थे जो ब्याज का काम करता था सौ रुपए रोज का जो ब्याज का काम करता था जो सूद खोर था उर्वरा इन्होंने बोला है खेती योग्य भूमि को कृषि भूमि को और सुरा और सोमरस इन्होंने बोला किसको ये इनका पवित्र पेय था इसको पेय करके ये झूम जाते थे सुरा समझते हो ये दारू है शराब है शराब तो सबने सुनिए तो ऋग्वेद में एक शब्द आया है कि सुरा एक त्याज्य पदार्थ है क्योंकि इनकी लड़ाई हो जाती थी कबीले में घूसा इनका बज जाता था आपस में क्योंकि भैया नशे में ये मदहोश और मदहोश फिर तो नशा तो झगड़ा करवाता ही है और झगड़े में ये इसीलिए किस पदार्थ को किस पदार्थ को क्या बोलेंगे ऋग्वेद कालीन समय में त्याज्य पदार्थ कहा गया है वो है सुरा इन्होंने बोला इसको छोड़ दो घर बर्बाद हो जाएगा ठीक है वक्ता किसको कहा इन लोगों ने नाई को कहा किसको कहा नाई को कहा है वपता ठीक है जी क्या बोलेंगे वपता किसको कहा है इन्होंने नाई को कहा है ठीक है कोई परेशानी इस बात में तो ये महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है अच्छा अब बात आती है इनका प्रिय पशु कौन सा था बोलेंगे प्रिय पशु इनका कौन सा था तो याद रख लेना प्रिय पशु था इनका प्यारे बच्चे घोड़ा और इस घोड़े के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था ये लोग जो वस्त्र पहनते थे ये पहनते थे सूती सूत के बने हुए ऊन के बने हुए और साथ में आपका क्या बोलोगे मृग यानी कि जो मृग जानते हो नहीं हिरण मृग चर्म उसकी चमड़ी के बने हुए वस्त्र ये पहनते थे को दिक्कत तो ये सारा समय कब का है प्यारे बच्चे ये ऋग्वेद का समय है ऋग्वेद काल है ये क्या बोलेंगे ऋग्वेद काल है अब बात आते हैं इनकी भाषा कौन सी थी जी कौन सी भाषा ये बोलते थे तो भाषा याद रख लेना प्यारे बच्चे इनकी संस्कृत थी कौन सी भाषा थी संस्कृत इनकी भाषा थी यहीं से आए तत्सम शब्द तत्सम शब्द यहीं से निकल करके आए हैं यानी घोड़ा को ये घोटक कहते थे क्या कहते थे घोटक कहते थे भैया गोपा क्या है गोपा राजा को कहते थे भैया क्या बोलोगे गोपा राजा को कहते थे ठीक है चलो भाई अरे भाई क्लास कितनी भी देर की हो जाएगी उसमें क्यों शोर मचाना बारह घंटे की होगी कोई कह रहा कोई कह रहा दस घंटे जितने की भी होगी तुम्हें तो मैं जब भी मजा आता जब मैं क्लास को इस तरह से प्रचारित करता तुम्हारे सामने बारह घंटे की मैराथन ये दरअसल में एक अध्ययन है ये क्या है एक अध्ययन है इसमें घंटे आपके मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए ध्यान से देखेंगे अब आते हैं हम ऋग्वेद पर किस पर ऋग्वेद की समय पर आते हैं ऋग्वेद इस समय रचना हो रही है तो याद रख लेना जो देवता थे आर्यों के वो कौन है सबसे इंद्र सबसे प्रिय देवता है आपसे पूछे जाए सबसे प्रिय देवता कौन थे तो सबसे प्रिय देवता इंद्र हैं जी ठीक है और इनका नाम कितनी बार लिया गया है ऋग्वेद में ढाई सौ बार कितनी बार ढाई सौ बार और नाम नहीं लिया गया किसी का और इनके बाद अग्नि का नाम लिया गया है दूसरे स्थान पर दो सौ बार ठीक है सिंधु कितनी बार बताई थी मैंने आपको सिंधु सिंधु का पचपन बार नाम लिया गया है कितनी बार पचपन बार और गंगा जी का कितनी बार नाम लिया गया है सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको बताया गया है ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी बताई गई है जो सबसे होली रिवर बताई गई है वो सरस्वती जी को बताया गया है किसको सरस्वती को बताया गया है और कितनी बार नाम लिया गया है पचास बार नाम लिया गया है कितनी बार पचास बार नाम लिया गया बहुत खूब भाई बहुत शानदार और एकदम से सही आंसर आता हुआ सब लोगों का कोई दिक्कत भी? तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आर्यों से संबंधित और बार बार पूछी जाएंगी अच्छा आर्य सभ्यता अच्छी थी या बुरी थी क्या बोलोगे अगर मैं आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो आप क्या कहेंगे बेहतर थे या बेकार लोग थे समाज के हिसाब से जैसे आज के समाज से मैं तुलना करूं तो आज के लोगों से बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा आधुनिक थे हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों का विवाह किया गया क्या इनके यहाँ बाल विवाह होते थे आप कहेंगे नहीं बिल्कुल मनाही थी छुआछूत जैसे जैसे आज के इस बढ़ते भारत में जिसमें हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे महान है और हम छुआछूत जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में बहुत विश्वास रखा जाता है आज भी तो क्या ये लोग ऐसे थे नहीं ये हमसे बहुत ज्यादा डेवलप थे क्या बोलोगे ये हमसे बहुत ज्यादा डेवलप थे अब इम्पोर्टेंट बात है पर्दा प्रथा यहाँ पर थी या नहीं थी तो क्या कहेंगे पर्दा प्रथा नहीं थी जाति व्यवस्था थी जाति व्यवस्था को ये लोग मानते थे हां मानते थे यस लेकिन कर्म के आधार पर किस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं उसके आधार पर वह क्या कार्य करता है उस कार्य के आधार पर कहा जाता था जैसे जो शिक्षा लेने या देने का काम करे वो ब्राह्मण था जो रक्षा का काम करे वो क्षत्रिय है और प्यारे बच्चे इन्होंने कहा जो व्यापार का काम करे वो वणिक यानी वेश्य है और जो अपना स्वयं का कार्य अपने हाथ का कार्य जानते हैं वो सब शूद्र कहलाएंगे तो कार्य के हिसाब से था ना कि जन्म के आधार पर क्या बोलेंगे किसके आधार पर इनकी व्यवस्था थी तो बोले बेहतर थे या नहीं थे बहुत शानदार थे या बोलेंगे इनकी व्यवस्था बहुत शानदार थी सब कुछ बहुत सारी चीजों को कैसे बोलो भाई फटाफट से फटाफट से कैसे इन्होंने कर दिया अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो शहर वहर के होंगे ऐसी व्यवस्था तो शहर के लोग नहीं मानते देखो शहरों में लोग छोटे बच्चों की शादी नहीं करते शहर के लोग छुआछूत को 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 नहीं 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 मानते पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब ही है है पर्दा प्रथा को कोई बात नहीं है। ऐसी जाति व्यवस्था को वहां लोगों को पता ही नहीं है कौन किस जाति का है जैसे आप सब लोग जानते हो एक दूसरे को और भेद करते हैं तो आप कहेंगे भैया ये तो शहर के आदमी होंगे नहीं ये ग्रामीण सभ्यता थी सबसे बड़ी बात यह है ये क्या है एक ग्रामीण सभ्यता थी आपसे कभी भी पूछा जाए कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ग्रामीण होते हुए ये इतने आधुनिक थे अपनी सोच से ठीक है कोई दिक्कत आगे चलेंगे अब क्या होगा ये जो जाति व्यवस्था है हमारी ये जैसे 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 जैसे, जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा ये जन्म के आधार पर हो जाएगी एक बच्चा कह रहा उपनिषदों की संख्या कितनी है बेटा मुझे आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा आपने मेरा दिल जीत लिया लेकिन मुझे इसका उत्तर पता नहीं ठीक है कोई दिक्कत भैया आगे चले आगे चले चलो भाई आगे बात आती है अब आते हैं हम अपने वेदों की तरफ किसके वेद मुझे आप बताएंगे वेद का अर्थ क्या होता है वेद का अर्थ होता है प्यारे बच्चे ज्ञान नॉलेज क्या होता है नॉलेज यानी कि आपका ज्ञान होता है किसका वेद का अर्थ अब यहां सबसे इंपोर्टेंट बात निकल करके आती है कि जो वेद है हमारे ये हमको क्या देते हैं ज्ञान प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्या सच में भैया जो वेद लिखे गए थे वो आज भी हैं यस और नो जिनको हम कहते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है ये है कहां क्या ये सच में है वेद ये ज्ञान सच में है तो कहते हैं हां ये ऋषियों द्वारा रचित ज्ञान जो है ये आज भी मौजूद है किसके घर में है तो किसी के घर में नहीं है हमेशा याद रख लेना ये भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में आज भी 28,000 हजार पांडुलिपि पांडुलिपि बोलते हैं हाथ से लिखी हुई रचना को हस्तलिखित रचना जिसको खिल भी कहा जाता है ये कहाँ है भंडारकर इंस्टीट्यूट में रखी हुई है ठीक है ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान वेदों की संख्या कितनी है वेदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे बोले फटाफट से आप कहेंगे भैया वेदों की संख्या है चार चार सबसे पुराना कौन सा है सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद में रचित हुआ यानी कि पूर्व वैदिक काल में तो वो कौन सा है आपका ऋग्वेद है बाकी तीनों कहां रचित हुए उत्तर वैदिक काल में तो पूछे सबसे नया वेद कौन सा है सबसे नया वेद तो आप कहेंगे भैया अथर्वेद है जी कौन सा है भैया अथर्वेद है ठीक है कोई दिक्कत इस बात में अब मुझे चारों वेदों के बारे में देखता हूं आप लोगों को क्या रिवीजन है या नहीं है पूछ लू तो एक तो हो गया हमारा कौन सा ऋग्वेद क्या बोलेंगे एक तो हो गया हमारा ऋग्वेद मुझे बताएंगे जरा फटाफट से मुझे बोलो प्यारे बच्चे कौन से ऋषि थे तो आप कहेंगे वेद व्यास और बताना ये सारी चीजें याद है या नहीं दूसरा इसमें मंडल कितने हैं यह बता दो मंडल कितने हैं तीसरा बताएंगे इसमें सूक्त की संख्या कितनी है सूक्त की संख्या चौथा बताएं इसमें शाखा कितनी है क्या बोलेंगे शाखा इसमें कितनी है और प्यारे बच्चे इसमें शब्द कितने हैं क्या बोलेंगे शब्द कितने हैं क्या बोलेंगे इसमें शब्दों की संख्या कितनी है देखें तो वेद व्यास जी इसके मंडल कितने हैं दस हैं कोई दिक्कत ही नहीं है कितने मंडल भैया दस सूक्त कितने एक हजार अट्ठाईस हैं शाखा कितनी है पांच शाखाएं हैं और शब्द हैं एक क्या बोलेंगे लगभग डेढ़ लाख एक दशमलव पांच जीरो लाख में कह सकता हूं ठीक है ये याद है ये कैसे बांटा था हमने एक हजार सत्रह प्लस ग्यारह एक हजार सत्रह सूक्तों को बांट लिया था यानी एक हजार सत्रह तो बोला था मैंने साकल होंगे और साथ में ग्यारह क्या होंगे अच्छा। बात आपसे पूछ लू तीसरे मंडल में क्या बताया गया है तीसरे मंडल में क्या बताया गया है मुझे बताओ आप सातवीं बात नौवे मंडल में क्या बताया गया है नौवे मंडल में क्या व्यवस्था दी गई है ठीक है तो क्या बोलेंगे भैया जी ध्यान से बताना सारी चीजें नौवे मंडल में क्या व्यवस्था दी गई है और दसवें मंडल में क्या बताया गया है दसवें मंडल में सभी महत्वपूर्ण है ठीक है तो तीसरे मंडल में प्यारे बच्चे गायत्री मंत्र है क्या है गायत्री मंत्र है नौवे मंडल में क्या है आपका किसको बताया गया है सोम देवता को बताया गया है किन को बताया गया है सोम देवता को बताया गया है और दसवें मंडल में क्या बताया गया है जाति व्यवस्था को बताया गया है किसको जाति व्यवस्था को बताया गया है ठीक है अच्छा मुझे बताएं इसके उपवेद का नाम क्या है उपवेद का और मुझे बताएं जो इसको पढ़ने वाला है उस पढ़ने वाले को क्या कहते हैं पढ़ने वाले को क्या कहते हैं देखे जरा चौथे में फार्मिंग एक बच्चा लिख रहा अच्छा बहुत गजब चौथे में कृषि भी बताई गई है बहुत खूब एक बच्चे ने लिखा है बहुत शानदार होत्री नहीं भैया होत्री नहीं पढ़ने वाला होत्र और उपवेद कौन सा है इसका आयुर्वेद है क्या बोलेंगे आयुर्वेद लेकिन जो ऋषि सुश्रुत हैं क्या बोलोगे जो आपका सुश्रुत ऋषि थे ये मानते हैं आयुर्वेद को अर्थवेद का क्या बोलते हैं अथर्व वेद का मानते हैं ये बोलते हैं अथर्वेद का उपवेद है इसका नहीं है किसके अनुसार सुश्रुत के अनुसार कौन सा है तो सुश्रुत तो के अनुसार आप हमेशा क्या कहेंगे भैया जी वो हमारा ऋग्वेद है कोई दिक्कत इस बात में इतनी बात में कोई दिक्कत अच्छा अब आते हैं हम किसमें जो उत्तर वैदिक काल में रचनाएं हुई वो तीन वेद लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में कितने वेद लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में तीन वेद आपके लिखे गए ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे किसमें उत्तर वैदिक काल में चल जाओ भाई उत्तर वैदिक काल बहुत बढ़िया बहुत शानदार सातवें में एक बच्चा कह रहा है दसराग युद्ध बहुत सही ओविंद राजपूत जी बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर उत्तर वैदिक काल में दशराग युद्ध में सभी लोग लड़ गए थे राजा सुदास के खिलाफ हो गए थे सभी लोग ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे ठीक है उत्तर वैदिक काल ये तुम बच्चों की संख्या देख करके हैंग हो गया बोर्ड उत्तर वैदिक काल में अगर बात करें प्यारे बच्चे किसकी बात करते हैं हम हम बात करते हैं सामवेद की सामवेद के बारे में क्या जानते हैं ये किसके बारे में जानकारी देता है सामवेद याद रख लेना ये संगीत के बारे में जानकारी देता है किसका ये संगीत का वेद है क्या बोलोगे ये संगीत का वेद है और संगीत के वेद के साथ साथ में प्यारे बच्चे आप लोग याद रख लेना इसमें मंत्रों की संख्या अठारह मंत्र इसमें है क्या बोलोगे अठारह लेकिन यहाँ ऋग्वेद में अगर पूछे तो कहना दस हजार चार सौ बासठ दो संख्याएं भैया देखने को मिलती है और पेपर में किसी एक का इस्तेमाल करता है कई बार पाँच सौ बासठ भी पूछा गया कई बार चार सौ बासठ भी सबसे ज्यादा मान्य कौन सा है जी दस हजार चार सौ बासठ भी मान्य है और बासठ भी कोई दिक्कत बोले भी फटाफट से तो संगीत का वेद क्या 1875 सौ पिछहत्तर है यह हमारा सामवेद में है इसके जो संकलन करता है वो कौन है वो भरत मुनि है जैसे उनको किसने किया था आपका किसने किया बोलेंगे भी फटाफट से आप कहेंगे भैया वेद व्यास जी थे और जो पढ़ने वाला है जो प्यारे बच्चे पढ़ने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम पढ़ने वाले को बोलते हैं उदगाता क्या बोलते हैं उद्गाता कहते हैं जो पढ़ने वाला है और जो उपवेद है इसका देखो उपवेद को मार्क करना इस वाली स्लाइड में आप जहां कहीं भी उपवेद लिख रहे हैं उसको मार्क कर लेना उपवेद कौन सा है इसका गंधर्व वेद है कौन सा है गंधर्व वेद इसका उपवेद है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अच्छा अगले पर चलते हैं भैया अगला था हमारा जिसने यज्ञ आदि हमको बताए यजुर्वेद क्या बोलेंगे यजुर्वेद जिसमें आपका क्या कहेंगे भैया ये किसके बारे में बताता है यज्ञ आपके घर होते हैं ना यज्ञ या फिर कर्म कांड होता है कोई पूजा पाठ आप कराते हैं उन सब की विधि इसी में बताई गई है अच्छा मंत्रों की संख्या बात करें तो 1975 मंत्र इसमें है कितने 1975 मंत्र इसमें है इनके ऋषि की बात करें कौन से ऋषि थे विश्वामित्र ऋषि हैं कौन से विश्वामित्र ऋषि ने इसको क्या किया संकलन किया और जो पढ़ने वाला है पढ़ने वाले को बोलते हैं अर्धव्यू क्या बोलते हैं अर्धव्यू कहते हैं और प्यारे बच्चे जो इसका उपवेद है उसको बोलते हैं धनुर्वेद क्या कहते हैं धनुर्वेद कहते हैं ठीक है लेकिन यजुर्वेद की दो शाखा भी याद रख लेना क्या बोलेंगे दो शाखा भी आप लोग याद रखेंगे और वो दो शाखा कौन कौन सी हैं? दो शाखा प्यारे बच्चे वो दो शाखा हैं हमारी कृष्ण और शुक्ल शाखा कौन सी कृष्ण और शुक्ल ऋषि का संबंध है वे संपायन ऋषि पूछते हैं वे संपायन ऋषि का संबंध किस शाखा से है तो कृष्ण शाखा से और यागवल जो ऋषि थे हमारे उनका संबंध किस 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 शाखा से है तो आप कहेंगे उनका संबंध है जी शुक्ल शाखा से किससे शुक्ल शाखा से उनका संबंध है बोलेंगे फटाफट से किससे संबंध है शुक्ल शाखा से उनका संबंध है चलो बोले भाई फटाफट से सर चंपू काव्य क्यों कहते हैं इसको देखो अभी बताएंगे इसको चंपू काव्य इसलिए कहते हैं कि इसकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी गद्य और पद्य में है प्यारे बच्चे तो जब कोई रचना आपका किसमें गद्य और पद्य में हो जाती है बच्चे का नाम दिखाएं चंपू काव्य वाला बच्चा जो है बहुत बढ़िया अरुण राव जी बहुत खूब बहुत शानदार बहुत बढ़िया भाई बहुत ठीक लिखा है आपने तो समझ गए चंपू काव्य कोई भी कब होगा जब गद्य और पद्य दोनों हो तो चंपू काव्य होता है चलो अब बात आते हैं हम अपने चौथे की तरफ और चौथा कौन सा है श्यार, वो अथर्ववेद दी है क्या बोलेंगे अथर्ववेद है और अथर्ववेद किसके बारे में बताता है भैया अथर्ववेद किसके बारे में बताता है टोना टोटका क्या बोलेंगे टोना टोटका के बारे में बताता है और वशीकरण के बारे में बताता है चिकित्सा के बारे में बताता है क्या बोलेंगे किसके बारे में बताएगा टोना टोटका वशीकरण टोना टोटका वसीकरण खोया हुआ प्यार ठीक है सौतन से छुटकारा ये सभी किसमें बताए गए हैं ये सभी बताए गए हैं आपका किसमें अथर्वेद में, में. उनसठ सो सतहत्तर क्या है इसमें मंत्र है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है उनसठ सतहत्तर मंत्र इसमें आते हैं ठीक है हाँ <laughs> बाबू सोना जादू टोना वही वही <laughs> क्या बोलोगे उनसठ सौ सतहत्तर मंत्र इसमें बताए गए हैं और ऋषि की अगर हम बात करते हैं ऋषि कौन है इनके भी विश्वामित्र हैं जिन्होंने संकलन किया है और प्यारे बच्चे इसका जो उपवेद है उपवेद है शिल्प वेद ये उपवेद बड़ा महत्वपूर्ण है मैं फिर बोल रहा हूं मार्क करना उल्प वेद है ठीक है और जो पढ़ने वाला है उसको बोलते हैं ब्रह्मा क्या बोलते हैं ब्रह्मा उसको कहते हैं ब्रह्मा उसको कहते हैं और आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे भैया सीन टू पर दिखा दो बच्चों को देखो मैं कैसे गायब होता हूं भाई कोई दिक्कत सीन टू पर ऐसे लगते हैं हाथ के लिखे हुए भी जैसे टाइपिंग कर लियो कोई परेशानी भैया इतनी बात का रिवीजन हुआ इतनी बात का कोई रिवीजन प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से हुआ होगा उम्मीद करूंगा अब आगे रिवीजन करते हैं हम एक बहुत ही अच्छा किसका ब्राह्मण ग्रंथों का और मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना ब्राह्मण ग्रंथ यानी सभी वेदों से पूछे जाते हैं आपका ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद आप कहेंगे भैया ब्राह्मण ग्रंथ क्यों है तो इन्होंने बोला कि जो वेद है ये काफी विशाल है काफी विशाल है वेद को पढ़ना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए उन्होंने बोला कि इसके हम क्या करेंगे इसको पढ़ने के लिए एक आसान सी टीका देंगे ताकि बच्चे वेद की भाषा को समझ पाए वेद की भाषा को समझ पाए तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ऋग्वेद के कौन कौन से हैं बोलो भैया क्या बोलेंगे भैया जी संख्यायन है क्या बोलोगे संखायन जिसको हम कौशित के नाम से जानते हैं संखायन का नाम कभी-कभी क्या कर के दे देता संख्या और साथ में आपका क्या बोलता है क्या बोलेगा ऐत्रे ब्राह्मण किसका ग्रंथ है ये ऋग्वेद के हैं तो याद रख लेना कोशित की नाम से भी किसको दे देता है कभी कभी संख्यायन को दे देता है ठीक है ऐसे ही यजुर्वेद के पूछे प्यारे बच्चे आपसे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे भैया दो तो शाखा हो गई इनकी एक तो कृष्ण शाखा हो गई और एक कौन सी हो गई आपका शुक्ल शाखा हो गई तो जो शुक्ल शाखा है शुक्ल शाखा के तो हैं सहसे सतपथ क्या बोलोगे सहसे सतपथ हो गए और कृष्ण शाखा के है? कठ कठ आपका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय है क्या बोलोगे तैत्रेय है और साथ में क्या है आपका मैत्रेणी है क्या बोलोगे मैत्रेणी है कोई दिक्कत क्या बोलेंगे मैत्रेणी है आपका क्या इसका क्या बोलेंगे कृष्ण का तो यजुर्वेद के कौन कौन हो गए कृष्ण शाखा के कठ तेत्रे मैत्रेणी सकल का क्या हो गया आपका सतपथ हो गया अच्छा जी फिर आते हैं हम सामवेद जी पर तो सामवेद के कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे पंचविश क्या बोलेंगे पंचविश जिसको हम प्रोड के नाम से जानते हैं किस नाम से प्रोड के नाम से जानते हैं जैमिनी सॉरी किसका है आपका ये सामवेद का है और साथ में सडविश पंचविश्वी और सडविश्वी आपका एक है आर्षेय आर्शेय किसका है ये सामवेद का है ठीक है क्या बोलोगे ये सामवेद का है कोई दिक्कत अगली बात पर आते हैं सामवेद के बाद में कौन है यह है अर्थवेद और इनका अकेला कौन सा है अथर्ववेद का कौन सा है प्यारे बच्चे ये गोपथ है क्या बोलोगे ये गोपथ है क्या बोलेंगे गोपथ ब्राह्मण किसका है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है सबसे ज्यादा पूछा जाता है गोपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ ये किसका हिस्सा है किसके बारे में जानकारी देता है किसके बारे में ज्ञान देता है तो क्या कहेंगे अथर्ववेद के बारे में ज्ञान देता है फिर आती है बात क्या हमारी? वेदार्थ में सहायक कौन हुआ वेदार्थ में सहायक फिर और चीजों की रचना हुई वेदार्थ में सहायक चीजें कौन सी हुई वेदार्थ में सहायक हुए वेदांग क्या बोलोगे वेदांग और एक एक अपने प्यारे दोस्त से जानना चाहूंगा वेदांगों की संख्या कितनी है बोलेंगे भैया वेदांगों की संख्या कितनी है तो क्या बोलेंगे पूछा जा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है बोलेंगे भैया छह के नाम याद होंगे तो कभी गलत नहीं कर सकते कौन से होते हैं एक तो होते है शिक्षा क्या बोलोगे शिक्षा व्याकरण शिक्षा व्याकरण कल्प कल्प ज्योतिष ज्योतिष निरुक्त निरुक्त और छंद और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कहां से इनके अर्थ से क्या बनता है इनके अर्थ से शिक्षा क्या है शिक्षा में अर्थात शिक्षा में बताया गया आपका कि जो वेदों को आप पढ़ेंगे तो उनका उच्चारण किस तरह से होगा उच्चारण प्रनाशिएशन बोलते ना आप अंग्रेजी में जैसे नाइफ को बोलते हो क्या गायब है ठीक है याद रख लेना प्यारे बच्चे तीर को मेरी बात सुनो ध्यान से तीर को तीर को आगे जाने के लिए तीर को आगे जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है तीर को आगे जाने के लिए पीछे खींचना पड़ता है और मेरे दोस्त ये जो मुसीबतों के दिन है ना इनको दूर करने के लिए दूर करने के लिए सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ता है और खुद से लड़ने में क्या अर्थ है खुद के लड़ने का अर्थ है कि आपकी मानसिकता ये जो मस्तिष्क है ना ये थकता है और ये आपसे कहता है मेरे दोस्त क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्त क्विट क्विट छोड़ दो मेरे दोस्त क्विट छोड़ दो ये मस्तिष्क कहता लेकिन इसका क्या बनाना है आपको उल्लू बनाना है उल्लू बनाना है बोले बेटा अभी दो घंटे पढ़ेंगे तब तुम्हारे हिसाब से चलेंगे <laughs> अभी हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते नहीं तो हमारी जिंदगी क्या फिर किसी और के हिसाब से चलेगी क्या बोलेंगे शिक्षा उच्चारण बताती है व्याकरण व्याकरण में मूल नियम होते हैं तो याद रख लेना पाणिनी जी ने क्या लिखा था पाणिनी ने लिखा है अष्टाध्यायी क्या बोलोगे अष्टाध्यायी लिखा है ठीक है जिसमें व्याकरण बताई गई है ऐसी छंद के लिए याद रख लेना जो पिंगल ऋषि हैं हमारे पिंगल ऋषि हैं उन्होंने क्या लिखा है आपका छंद शास्त्र को लिखा है किसको लिखा है छंद शास्त्र को लिखा है ठीक है ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है निरुक्त जो बताता है ये हमें शब्द उत्पत्ति का ज्ञान देता है कि ये शब्द कहाँ से आए आप पढ़ते हो ना ये जर्मन भाषा का शब्द है ये इटैलिक भाषा का शब्द है ये सब जो हम शब्दों का ज्ञान सीखते हैं ये सब कहां से सीखते हैं हम तो ये किस में बताया गया ये हमको क्या ये बताया गया किस में? वेदांगों में निरुक्त में किस में बताया गया वेदांगों में निरुक्त में बताया गया ठीक है गायब हो गया था थोड़ा कैमरे में दिक्कत हो गई कैमरा हिल गया था क्या अभी मैं आप लोगों को दिख गया हूँ कोई परेशानी इस बात में अच्छा जी यहाँ से प्रश्न बनता है प्यारे बच्चे आपका क्या बोलते हैं फिर आते हैं हमारे इनके बाद में रामायण तो रामायण कितनी है क्या आप बता सकते हैं रामायण की बात करें हम तो प्यारे बच्चे संस्कृत में किसने रामायण लिखी अवधि भाषा में रामायण किन्होंने लिखी अवधि भाषा में तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी अंग्रेजी में रामायण किसने लिखी तो ना जाने कितनी रामायण है तेलुगु में रामायण है ठीक है फारसी तक में रामायण है हर भाषा में रामायण है क्या बोलेंगे संस्कृत में लिखी थी जी सबसे ज़्यादा मान्य है किनकी हमारी वाल्मीकि जी की बाकी सब में क्या है अपने पास से रोचक घटनाएं जोड़ दी गई हैं रोचक घटनाएं जोड़ दी गई हैं अवधि में क्या है प्यारे बच्चे आपका लिखी तुलसीदास जी ने जिन्होंने एक कहानी जोड़ दी अपने पास से कौन सी वाली कि भगवान राम ने सीता जी पर शक कर लिया और सीता जी धरती में समा समागी जो आपने टीवी में देखी वो वाली रामायण तो वो ऐसा है नहीं दरअसल में वो क्या है वो ऐसा है नहीं राम का अर्थ था राम राज्य क्या अर्थ था राम राज्य और एक कांड जोड़ा गया मैं तुम्हें दो मिनट कहानी सुनाता हूँ इससे रुचि आपकी बढ़ेगी चीजों को जानने की रामायण में ऐसा हुआ एक तेरह वर्षीय ब्राह्मण की मौत हो गई भगवान श्री राम के राज्य में और ब्राह्मण का जो पिता था उसने आरोप लगाया भगवान श्री राम के ऊपर और बोले कि भाई तुम्हारे राज्य में राम राज्य में मौत हुई है और इसके इसके बदले में जो आपको आपको मतलब जो कुछ भी भुगतेंगे वो आप भुगतेंगे भगवान राम को बड़ी तकलीफ हुई ऋषियों को बुलाया उन्होंने बोला मेरे राज्य में असमय मौत कैसे हो गई आप सोच रहे क्या तेरह साल का कोई मर नहीं सकता था नहीं बिना समय के कोई नहीं मर सकता था ए समय मौत हुई और ऐसे मौत हुई तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई तो बोलते हैं ऋषियों को बुलाया गया ऋषियों ने कहा कि भैया ये जो त्रेता युग आ रहा है इसमें कोई ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है जो तपस्या करने का अधिकार जिसको नहीं है तो भगवान श्री राम का कद छोटा करने के लिए लोगों ने अपनी रामायण में इंटरेस्टिंग कहानी जोड़ दी कि भगवान श्री राम खोज पर निकले और तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति जो शूद्र जाति का है वो तपस्या कर रहा था भगवान श्री राम ने उससे पूछा तुम क्या तपस्या करते हो उसने बोला कि जी मैं शूद्र जाति से हूँ और मैं से शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ कहते भगवान श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उसकी गर्दन काट दी ये मतलब रामायण बहुत सारी रामायण में क्या लिखा गया मिथ सबसे शुद्ध रामायण जो सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखी संस्कृत में जिसका आधार बाकी रामायण और सबने अपने रोचक तरीके से बोलेंगे भी फटाफट से सब ने अपने रोचक तरीके से रामायण को रोचक बनाने के लिए अपने तथ्य जोड़ दिए ये छह कांड रामायण में हुआ करते थे तुलसीदास जी की रामायण आते आते कितने कांड हो गए आप बोले तुलसीदास जी की रामायण आते आते कितने कांड हो गए सात सात कांड हो गए प्यारे बच्चे तो क्या बोलेंगे तमिल में क्या हो गए कंबन ने लिखी है अंग्रेजी भाषा में लिखी है आर टी एच ग्रेफित ने किसने आर टी एच ग्रेफित ने तो इनमें ये ऐसा नहीं है ये ट्रांसलेशन है इन्होंने अपने पास से कहानियां जोड़ दी हैं अपने पास से कहानियां जोड़ दी हैं इन लोगों ने कि भैया ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था तो उनको लगा कि भाई ऐसे हमारी किताब जो है वो बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित हो जाएगी कोई दिक्कत रामायण के बारे में समझ गए मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे महाभारत किसने लिखी है महाभारत किसने लिखी है महाभारत लिखी है आपका क्या कहेंगे महाभारत लिखी आपका किसने क्या बोलेंगे वेद व्यास जी ने लिखी है कि वेद व्यास जी ने लिखी है ये बात याद रख लेनी आपको अच्छा बच्चे आपसे कभी भी पूछे पुराण की संख्या कितनी है पुराण की संख्या अठारह सबसे पुराना मत्स्य पुराण है ठीक है उपनिषद की संख्या कितनी है उपनिषद की संख्या एक सौ आठ है कितनी है 108 है ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है सबसे इंपॉर्टेंट बनता मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी है बोले भाई फटाफट से मुख्य उपनिषद कितने हैं तो आप कहेंगे भैया जी मुख्य उपनिषद हैं हमारे कितने मुख्य उपनिषद सिर्फ तेहरा को माना गया है कितने को सिर्फ तेहरा को माना गया है ठीक है सिर्फ तेहरा को माना गया है अच्छा 108 को कैसे बांटना मैंने आपको बताया था 102 सौ दो प्लस चार प्लस दो क्यों बांटते हैं जी 102 तो ऐसे हैं जो सिर्फ कविता के रूप में हैं सिर्फ पद्य के रूप में है कैसे सिर्फ पद्य के रूप में चार ऐसे हैं प्यारे बच्चे जो सिर्फ गद्य के रूप में सिर्फ प्रोज टाइप में लिखे हुए हैं के रूप में सिर्फ गद्य के रूप में लेकिन दो कैसे हैं ऐसे कितने उपनिषद हैं जो पद्य और दोनों भाषाओं में हैं? पद्य और गद्य दोनों भाषाओं में है वो है आपके प्रश्न उपनिषद और साथ में केन उपनिषद क्या बोलोगे प्रश्न और केन उपनिषद कैसे हैं ये हमारे भैया जी दोनों में है किसमें हैं दोनों में है गद्य और पद में तो पूछा जाता है कि यानी कि ऐसे कितने उपनिषद हैं जिनको आप चंपू काव्य या चंपू काव्य में लिखे गए हैं महाभारत का पुराना पुराना नाम नाम कितना है क्या नाम क्या है क्या क्या पूछ रहे जय संहिता महाभारत कितना पुराना है इसके काल निर्धारण का भी बच्चे फिक्स नहीं है लगभग बताते हैं संदीप कुमार जी ये भी आपका छह हजार वर्ष पुराना है ठीक है कोई भी दिक्कत क्या बोलेंगे भैया मुख्य उपनिषद तेहरा 102 सिर्फ आपका पद में चार गध्य में दो पद और दोनों में है ठीक है अच्छा बताएं जरा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है सबसे बड़ा उपनिषद तो आपका आंसर आएगा भैया बरहद नाम से बरहद तो बड़े को ही बोलते हैं ना बरदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद है अच्छा सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है सबसे छोटा उपनिषद वो मांड्यू कोपनिषद है क्या बोलेंगे मांड्यू क्योपनिषद है ठीक है मांडियु को दिक्कत अच्छा अब यहां इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आप लोगों का कि वारण्य उपनिषद में क्या बताया गया है बोलेंगे भाई फटाफट से नहीं रामायण बिल्कुल काल्पनिक नहीं है कौन कहता है काल्पनिक है दुनिया की कोई भी चीज काल्पनिक नहीं हो सकती कोई भी जो नाम है मेरे दोस्त आप लोगों को यह विश्वास रखना होगा कि कल्पना तो नहीं हो सकती कोई अर्थ ही नहीं बनता एकदम वास्तविक है क्या बोलेंगे सबसे बड़ा उपनिषद उपनिषद है उपनिषद में क्या बताया गया है क्या बोलेंगे यहां पर भैया वलक्यजवल और साथ में कौन आपका याग्ञवल के साथ कौन थी मैत्रेयी संवाद है क्या बोलोगे मैत्रेयी संवाद किसमें बताया गया है तो ये रण्यक में बताया गया है ठीक है अच्छा इसी में याग्वल्क्य के साथ किसका संवाद है गार्गी का संवाद है किसका संवाद है गार्गी संवाद है गार्गी जो एक विदुषी महिला हुई मैत्रेयी जो एक विदुषी महिला हुई जिसने बाद में शादी भी की याग्वल्क्य से ऋषि याग्वल्क्य की पत्नी भी हैं ये क्या बोलोगे मैत्रेयी ये उनकी दूसरी पत्नी थी ठीक है क्या बोलोगे गार्गी संवाद गार्गी संवाद किन के साथ हुआ है ऋषि यागवल के साथ में हुआ है और प्यारे बच्चे तमसो मा ज्योतिर्गम ये कहां से लिया गया है तमसो मा ज्योतिर्गम ठीक है सुना है ना आपने तमसो मा ज्योतिर्गम आपने सुना होगा सभी बच्चों ने और अस्तो मा सदगमय क्या बोलते हैं हे हे प्रभु कहां ले चले हमको हमको अस्तो मां सदमग्ञ में क्या बोलते अस्तो मा है हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो तमसो मा ज्योतिर्गम तमश बोलते अंधेरे को हमें से यानी अंधेरे से ज्योति की तरफ ले चलो ठीक है हमें मृत्यु से क्या बोलते हैं मृत्योर मामतात हमको हम मृत्यु से किसकी तरफ अमृत की तरफ ले चलो अमर होने की तरफ ले चलो तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय बताया गया और यहीं से ओम शब्द को भी लिया गया है किसको ओम शब्द भी कहां से लिया गया है वृद्धारण्य से लिया गया है ठीक है ये बात याद रख लेनी है आपको तो सबसे बड़ा उपनिषद कभी नहीं भूलेंगे अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं आप लोगों को क्या पता है बोले भी फटाफट से क्या पूछ रहे हैं महाभारत का फारसी में भैया वो अकबर के टाइम पे होगा मैं आपको बताऊंगा बदायूनी ने किया है बदायूनी में बदायूनी ने लिखी है वो ठीक है चलो ध्यान से आएंगे अच्छा कुछ प्रश्न बताएं सत्यमेव जैते को कौन से उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जैते को कौन से से उपनिषद लिया गया है दूसरा प्रश्न है मेरा कि यम नचिकेता जो संवाद मैंने आपको बता रखा है ये किस में है यम नचिकेता संवाद जब दुर्बल गायें दी जा रही थी तो बोले पिताजी इन गायों को देने से क्या इन गायों को देने से तो पाप लगेगा देना है तो मुझे दो पिता ने इग्नोर कर दी छोटा बच्चा है बार बार प्रश्न करता रहा बोला पिताजी मुझे मुझे दो मुझे दो पिताजी बोलो मुझे किसे दोगे दान में गाए जा रही है तो पिताजी ने कह दिया तुझको देंगे किसको यमराज को किसको यमराज को देंगे तो उस बच्चे के सवाल हैं किससे यम से नचिकेता के सवाल हैं ठीक है क्या बोलोगे सत्यमेव जैते को भैया कठोपनिषद कठ धन उपनिषद से कठोपनिषद से लिया गया है सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यम नचिकेता संवाद में आपको बता रहा था किसे कठोपनिषद से लिया गया है यम नचिकेता संवाद को और सत्यमेव जयते क्या बोलेंगे भैया जी ये तो सब बच्चे जानते हैं ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से क्या बोलेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है मुंडकोपनिषद से अच्छा जो चार आश्रम बताए गए हैं चार आश्रम बताए गए हैं वो किसमें बताए गए हैं कौन से उपनिषद में चार आश्रम आप कहेंगे ये ज्वालोपनिषद में यानी ज्वाला उपनिषद में बताए गए हैं किसमें ज्वालोपनिषद में बताए गए क्या बोले जीरो से पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो और पच्चीस से पचास तक अपनी गृहस्थी संभालो पचास से पिछहत्तर वनवास पे चले जाओ और 75 से सौ बोले भैया तुम संन्यास ग्रहण कर लो सन्यास ग्रहण कर लो क्योंकि उस समय आयु कितनी मानी गई आयु मानी गई भैया आधार सौ वर्ष कितनी आयु मानी गई सौ वर्ष आधार मानी गई ठीक है कोई भी दिक्कत अच्छा इसी समय प्यारे बच्चे संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है तो संस्कार आप कहेंगे संस्कार बताए गए हैं सोलह ठीक है और याद रख लेना विवाह के प्रकार कितने बताए गए विवाह विवाह बताए गए हैं आठ प्रकार के कितने प्रकार के आठ प्रकार के आज कितने प्रकार के होते हैं आज तो अब तो ऐसा होता नहीं है पहले तो बड़े ऐसे अपहरण करके ले जाते थे शादी कर लेते थे अब तो नहीं अब तो दो ही तरह के बच रहे हैं ठीक है एक प्रेम विवाह और एक कैसा एक परिणय विवाह <laughs> प्रणय प्रेम को ही बोलते हैं ठीक है तो पहले ऐसे होता था उस टाइम पर विवाह अलग जा, जाति में विवाह किसी का जबरदस्ती शादी कर लेना उच्च कुल का विवाह उच्च कुल निम्न कुल पहले ये व्यवस्थाएं थी संस्कार से मतलब है आपका जन्म हुआ आपके घर ऐसे भी है ढोलक वोलक बजती है नहीं बजती तो हमारे यहाँ खुशी मनाने के तरीके और दुख मनाने के तरीके किसी अवसर पर उनको संस्कार कहते हैं जैसे हमारे यहाँ मरने पर भी संस्कार होता है हिंदू धर्म में जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि ठीक है अंत्येष्टि होता है बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तब तो उसको भी संस्कार कहा गया अन्नप्राशन बेशक बहुत सारे लोग गाँवों में ध्यान नहीं देते हैं वो कहते हैं कि भैया हो गया बालक तो हो गया अब क्या इसमें क्या इसको अन्न खिलाने पर कुछ खुशी मनानी लेकिन बहुत सारे लोगों में होता है जिनके पास अगर देखें तो धन की व्यवस्था होती है वो लोग कहते हैं ना भैया जिसके पास पैसे होते हैं वो दावत के इंतजाम ज्यादा करता है कोई दिक्कत महाभारत ईसा मसीह के जन्म से पहले का है बिल्कुल है पहले का कैसे कैसे प्रश्न पूछते होते <laughs> चलो कोई दिक्कत नहीं गिल्लू भगत सिंह का चेला बोले भैया सब लोगों के एक बच्चे के कमेंट पढ़ाए एक एक बार चलो भाई नहीं ससी यादव जी ऐसा नहीं बोलते चलो भाई शशि छाया नीलम सिंह आलोक प्रजापति पुनित सागर पूजा पांडे नितिन अजीत गुजर लड्डू मनीष कुमार आलोक प्रजापति सेजल चलो चलो ढोलक बजती है कह रहे जी ढोलक बजती है चलो फिर ठीक है आगे चलें भैया अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और ये छोटे छोटे टॉपिक आपके लगभग दस दस मिनट के ये तो मतलब आपके सबके फिंगर टिप्स भी रहते हैं लेकिन सबसे ज्यादा मजा आने वाला है हमारा हर्षवर्धन के बाद में क्योंकि वो पी फॉर्मेट आपको बहुत ही पसंद आएगा मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ ठीक है आएंगे भैया कहाँ आते हैं बौद्ध धर्म पर आ जाते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक बताएंगे प्यारे बच्चे कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है तो हमेशा याद रख लेना कौन है गौतम बुद्ध हैं कौन है गौतम बुद्ध हैं और गौतम बुद्ध जी जो थे गौतम बुद्ध जी जो थे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे इनको क्या बोलते हैं हम द लाइट ऑफ एशिया क्या बोलते है? the light of Asia. Asia हैं द लाइट ऑफ एशिया एशिया का प्रकाश पुंज है क्या बोलोगे एशिया का ये प्रकाश पुंज थे लोगों को इन्होंने दिशा दिखाई गौतम बुद्ध जन्म कब हुआ प्यारे बच्चे तो आप कहेंगे इनका जन्म हुआ था भैया 563 ईसा पूर्व में ठीक है और इनकी जो बच्चे देहांत हुआ 80 वर्ष की अवस्था में कहा चार बीसी में हुआ चार बीसी में हुआ अच्छा लाइट ऑफ एशिया के साथ साथ प्यारे बच्चे इनको हम और क्या क्या बोलते हैं जब इनको पहला इन्होंने क्या बोलते तथागत इनको कहा गया जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया अपना क्या दिया इन्होंने प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने तब वो क्या कहलाए तब वो तथागत कहलाए क्या कहलाए तथागत कहलाए साक्य वंश से थे इनको साक्य सिंह क्यों कहते थे क्योंकि इनके पिताजी थे साक्य वंश से ठीक है साक्य वंश से ठीक है और साक्य मुनि इनको क्यों कहते हैं कि साक्य वंश के होते हुए एक क्या व्यक्ति बच्चा एक ऐसा बच्चा जो विमुख हो गया किसे शासन से शासन से और उन्होंने क्या सोचा कि मैं दुनिया में शांति स्थापित करूंगा मैं दुनिया में शांति स्थापित करूंगा क्या बोलेंगे लाइट ऑफ एशिया जन्म पांच सौ तिरसठ और मृत्यु में आपसे कुछ फैक्ट पूछ लू चलो भाई मुझे बताना जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके बचपन का क्या नाम था इनके बचपन का क्या नाम था इनके पिता का क्या नाम था इनकी जो माता थी इनकी माता का क्या नाम था माता का इनकी पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चे और इनके पुत्र का नाम क्या था बोलेंगे भैया तो आप कहेंगे इनके बचपन का नाम भैया सिद्धार्थ था ये तो महात्मा बुद्ध तो बाद में कहलाए जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई पिता कौन थे पिता सुधोधन थे कौन थे पिता थे सुधोधन कपिल वस्तु के शासक थे कहाँ के शासक थे कपिल वस्तु के शासक थे तो इनका जन्म कहाँ हुआ क्या बोलोगे लुम्बिनी में हुआ है कहाँ हुआ है लुम्बिनी में हुआ है और प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे जो महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुई थी महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई तो आप कहेंगे माता का नाम ये टेस्ट है आप लोगों का तो माता कौन थी इनकी महामाया इनके जन्म के सातवें ही दिन मौत हो गई थी इनकी और पत्नी कौन थी यशोधरा सोलह वर्ष की शादी में जिनकी शादी इनसे हो गई और पुत्र कौन था पुत्र था राहुल राहू कहा था इन्होंने खुद रखा था अपने पुत्र का नाम बोले राहू यानी पुत्र यानी कि बंधन आ गया क्या आ गया अपने पुत्र के जन्म पर बोले थे कि अभी तक तो मैं थोड़ा फ्री था अब एक बंधन आ गया तो राहु का अर्थ होता है बंधन इसीलिए नाम रख दिया राहुल। क्या रख दिया दिया राहुल राहुल क्या अच्छा इनकी मौसी कौन थी माता से याद रख लेना माता का तो सात दिन बाद एक्सपायर हो गई थी इनका पालन पाषण पोषण जो किया था वो इनकी मौसी ने किया था क्योंकि क्या कर ली थी शादी कर ली थी किसने प्रजापति गौतमी से राजा सुद्धोधन ने शादी कर ली थी राजा सुद्धोधन ने शादी कर ली थी बहुत बढ़िया भाई बहुत खूब तो बहुत सही आंसर आया आप लोगों का इनकी जो मृत्यु हुई है वो कुशीनगर में हुई कहाँ पर देहांत कहाँ पर हुआ वो कुशीनगर में हुआ अच्छा चलो भाई मुझे बताएं आप लोग याद रख लेना कितनी आयु में घर छोड़ करके गए तो जैसे ही शादी हुई ना इनकी शादी हुई तो शादी हुई थी इनकी सोलह वर्ष में ये किनकी बुद्ध जी की उम्र है ये सोलह ठीक है सोलह शादी सोलह के बाद में बारह वर्ष के बाद में बच्चे का जन्म हुआ यानी अट्ठाईसवे वर्ष राहुल पैदा हुआ था कौन से वर्ष अट्ठाइसवे वर्ष और उनतीसवें वर्ष में घर छोड़ करके चले गए थे घर त्याग किस में किया था उनतीसवें वर्ष में प्यारे बच्चे क्या कर दिया था इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था और यही घटना यही घटना क्या कहलाती है बहुत धर्म में महाभिनीश क्रमण कहलाती है क्या बोलते हैं इसी को महाभिन किरम इसी को कहते हैं जाते हैं भैया और क्या किया इन्होंने तपस्या की कैसे क्या आप मुझे बता पाएंगे इन्होंने तपस्या कठोर की थी या मध्यम मार्ग से तपस्या की थी तो कहते हैं कि भाई जब इनका जन्म हुआ तो ऋषि कोडिन्या ने घोषणा कर दी कि आपका बच्चा या तो सन्यासी बनेगा या फिर भारत का एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा राजा सुदोधन को यह समस्या हर समय जगाए रखती कि मेरा बेटा कल को अगर एक सन्यासी बन गया तो क्या होगा इस राजपाट का कहते सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई ऐसा ऐसा किया गया कि राजकुमार के मन में कभी कोई प्रसन्न ना आ पाए ऐसी स्थिति में राजकुमार को रखें लेकिन प्यारे बच्चे अंदर के जो प्रसन्न है वो एक ना एक दिन जन्म लेते ही हैं और वो उनके अंदर जन्म लेते रहे और वो विमुख रहते थे अपनी शादी में उनकी पत्नी से भी वो विमुख रहते थे और विमुख रहने की स्थिति में ऐसा समय आ गया कि उनका राज्य का दौरा हुआ तो चार ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को जीवन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया तो शुरू में तो कठोर तपस्या इन्होंने की थी लेकिन बाद में इन्होंने किसको अपनाया था मध्यम मार्ग को अपनाया था क्या बोलेंगे मध्यम मार्ग को इन्होंने अपनाया था लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं होता मैं आपको अंतर भी समझाऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आज ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको अलग बनाती हैं देखना ध्यान से तो याद रखना प्यारे बच्चे वो चार दृश्य कौन से हैं इनकी जिंदगी के चार दृश्य कौन कौन से हैं तो पहले तो इन्होंने क्या देखा था आप ही लोग बताएं पहले इन्होंने देखा एक बीमार आदमी और जो छंदक था छंदक था उससे इन्होंने प्रश्न पूछा ये आदमी ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया राजकुमार ऐसी स्थिति आती ही है ठीक है, है बूढ़ा आदमी उन्होंने देखा था उन्हीं चार दृश्यों में से एक है बूढ़ा आदमी उन्होंने बोला ये आदमी झुक कर क्यों चलता है उन्होंने बोला कि ये अवस्था है ये आती ही है ठीक है एक उन्होंने देखा था मृत व्यक्ति सैया देख ली थी सब सैया बोले इसको क्यों ले जा रहे जीवन रह का एक दिन अंत हो ही जाता है जीवन का एक दिन अंत हो ही जाता है और एक देखा उन्होंने सन्यासी तो क्या बोले ये व्यक्ति इतना शांतचित्त क्यों है ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है तो उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति संसार से विमुख हो गया है और इन्होंने क्या खुद को ज्ञान से और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये योग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं योग कर रहे हैं तो उन्हीं समय कहते हैं कि उनका मन में प्रश्न कुछ लोग कहते हैं कि वहीं वो छंदक को सब कुछ सौंप करके चले गए कुछ लोग कहते हैं वो घर आए और उसके बाद में आपका सिंगली अनुसूति कहती है कि एक रात अपने कक्ष में घूमते घूमते बेचैन हालत में वो सुबह निकल गए सुबह निकल गए तो दोनों ही कथाएं हैं क्या बात समझेंगे आप यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो क्या कहेंगे ये चार दृश्य हैं और चार दृश्यों के बाद में ये क्या चले गए उनतीसवें वर्ष ये घर छोड़ करके चले गए भैया ठीक है कितने वर्ष तपस्या की बच्चे जरा बताएंगे तो आप कहेंगे भैया छह वर्ष तपस्या की कितने वर्ष छह वर्ष तपस्या की और छह वर्ष तपस्या करके यानी ये कितने साल के हो गए तो पैंतीसवें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ पैंतीसवें वर्ष क्या प्राप्त हुआ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और यह ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे क्या बोलोगे पीपल वृक्ष के नीचे ठीक है और यह पीपल वृक्ष के नीचे क्या था आपका बैशाख पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा को आप लोग जानते हैं ना बैसाख पूर्णिमा बौद्ध लोगों के लिए एक उत्सव है बहुत बड़ा त्यौहार है बैसाख पूर्णिमा निरंजना नदी थी क्या बोलेंगे निरंजना नदी थी और निरंजना नदी में स्थल कौन सा था आपका बोध गया यानी अपने बिहार की भूमि थी क्या थी अपने बिहार की भूमि थी तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग एक प्रश्न बनता है कि बैसाख पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन की ऐसी चीजें ऐसी चीजें जिन पर उनका वश नहीं होता आप बताएं वो कौन सी तीन चीजें होती हैं जिन पर व्यक्ति का वश नहीं होता प्रमुख रूप से या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड करके बताएं इनके जीवन की तीन चीज वो कौन सी थी तो आप कहेंगे भैया एक तो जन्म व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं हुआ होगा इनके एक इनकी जो मृत्यु है वो इनके हाथ में नहीं रही होगी और साथ में इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ इनके हाथ में थोड़ी रहा होगा तो ये तीन घटनाएं जो हैं ये तीनों की तीनों किस दिन हुई हैं ये तीनों की तीनों बैसाख पूर्णिमा को हुई हैं इसीलिए बैसाख पूर्णिमा बड़ा पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई जन्म किस दिन हुआ आपका या ज्ञान उनको किस दिन प्राप्त हुआ यहां तक की बात में कोई दिक्कत प्यारे बच्चे यहां तक की बात में अब ज्ञान तो प्राप्त हो गया जिन लोगों के साथ तपस्या कर रहे थे जब इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया यानी इन्होंने खाना ग्रहण करना जब शुरू कर दिया तो इनके साथ ही लोग इनको छोड़ के चले गए जिनमें एक भविष्यवाणी करने वाला कोडिन्य भी था तो वो पांचों पांचों लोग जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे वो चले जाते हैं इनको छोड़ करके बोले तुम्हारा कोई नियम नहीं है तपस्या का तो चले गए तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हीं लोगों को इन्होंने क्या बोलते सारनाथ में जाकर के ज्ञान दिया था तो क्या बोलते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रथम उपदेश कहां दिया था तो आप कहेंगे प्रथम उपदेश दिया था जी कहां सारनाथ में उन्हीं पांच ब्राह्मणों को दिया था और ये घटना को क्या कहते हैं तो आप कहना धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं क्या बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन भैया जी कहते हैं ठीक है अच्छा सारनाथ के बाद कहां गए थे वाराणसी गए कहां गए वाराणसी गए और वाराणसी में ज्ञान किसको दिया था यज्ञ श्रेष्ठी वणिक वर्ग था यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया यज्ञ को ज्ञान दिया और प्यारे दोस्त फिर बात आती है वाराणसी के बाद गए वैशाली क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो महिला है ना महिला इनको भी बौद्ध धर्म में आने की इजाजत मिले शुरुआती दिनों में नहीं थी प्रजापति गौतमी का नाम सामने आया इनकी मौसी का और क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध जी ने मना कर दिया बोले नहीं बहुत कठिन नियम है परेशानी की बात होगी लेकिन बाद में कुछ बहुत सारी लगभग 500 महिलाओं ने अपने सिर मुंडवा लिए खुद के खुद अपने सिर मुंडवा लिए और प्रजापति गौतमी के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ने लगी तब ऋषि कौन थे इनके ऋषि बोल रहा हूँ तब इनके शिष्य थे एक आनंद क्या नाम है महात्मा बुद्ध जी के शिष्य का नाम था आनंद तो आनंद के कहने पर क्या बोलेंगे आनंद के कहने पर किसके कहने पर आनंद के आनंद के कहने पर कहाँ पर आपका वैशाली में वैशाली में किसके कहने पर वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई क्या बोलेंगे बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी इंपोर्टेंट मार्क करें प्यारे बच्चे इंपोर्टेंट करना मार्क बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी ये प्यारे बच्चे वैशाली में हुई कहाँ हुई वैशाली में हुई और यहीं पर जो कमांड मिली वो किसको मिली थी बहुत भिक्षुणी संघ की दिशा निर्देश देने के लिए शिक्षित करने के लिए क्योंकि महात्मा बुद्ध अकेले तो सबको नहीं शिक्षित करते थे कर सकते भी नहीं थे तो उन्होंने टोलियाँ बनानी शुरू की जैसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई मैसेज आपको दूं मैं कोई मैसेज आपको दूं तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स उस मैसेज को फॉलो करेंगे और वो उस मैसेज को आगे तक पहुंचाएंगे और विचार और ज्ञान ऐसे ही प्रसारित होता है तो इन्होंने इस समय बौद्धों में क्या है संख्या बढ़ने लग गई थी तो इसीलिए महिलाओं के लिए अलग से क्या होना शुरू हो गया आपका अलग से क्या होना शुरू हो गया ज्ञान प्रसार करने के लिए टोलियां या शाखाएं बनने लगी तो ये एक संघ बना क्या बना ये संघ बना सर जी आम्रपाली कौन थी अरे भैया आम्रपाली बड़ी सुंदर महिला रही है आपका सोलह महाजनपद में आपको पढ़ा रहा होता तो, तो उस समय मैं आपको पढ़ाता ठीक है अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ ठीक है तो कभी पढ़ाएंगे बात ज़रूर करेंगे आम्रपाली आम्रपाली मतलब एक ऐसी महिला थी कि, कि किसी की शादी होने तक को तैयार नहीं थी उस महिला की और उसको नगर वेश्या घोषित कर दिया गया यानी कि वो सबकी पत्नी रहेगी सबको पता था कि जिसकी ये पत्नी रहेगी वहाँ विवाद होगा और पूरे सामूहिक रूप से किसी महिला को नगर वेश्या घोषित कर दिया गया उसकी सुंदरता की वजह से वो आम्रपाली थी ठीक है उन आम्रपाली के एक बेटे हुए थे जीवक जीवक जो बिंबिशार ने बाद में शादी कर ली थी उनसे वही जीवक जो राजवैद रहे और वही राजवैद जिन्होंने महात्मा बुद्ध के अंतिम समय में उनकी सेवा की थी क्या बोलेंगे महात्मा बुद्ध के अंतिम समय में उनकी सेवा की थी ठीक है जीवक पूछे जाते हैं ये बिंबिसार के भी राजवेद रहे महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने ही भेजा था ठीक है कोई दिक्कत और ये जो बौद्ध भिक्षुणी संघ है ना इससे भी जुड़ी थी आम्रपाली क्या बोलते हैं इससे भी आम्रपाली जुड़ी थी कोई दिक्कत अरे भैया ये कंपिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन नहीं एक बच्चा पूछ रहा जी ऋषि अंगुली माल कौन है ये कौन है रॉकी स्टार बॉय फोर फोर सेवन वो अंगुली माल जो उंगली काट लेता था सबकी महात्मा बुद्ध के सामने आ गया और डराता महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध डरते नहीं है बड़े एकदम से विवेकशील व्यक्ति थे उन्होंने तब उस व्यक्ति को ज्ञान दिया था और उस ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए जो उंगली सबकी काट लेता था वो उंगलियों को त्याग करके एक सज्जन बन गया चले आगे आएंगे प्रथम उपदेश की बात समझ गए प्यारे बच्चे प्रथम उपदेश हो गया आपका अच्छा एक घटना रहेगी जो हमने बोला ज्ञान प्राप्ति की इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस घटना को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे आप कहेंगे उस घटना को भैया कहते हैं संबोधि क्या बोलते हैं संबोधि और प्यारे बच्चे याद रख लेना जब इनकी मृत्यु हुई उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण ये कौन सी है इनकी मृत्यु की घटना को, को कहा जाता है महापरिनिर्वाण ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं इसमें जब प्रथम उपदेश तो हो गया अंतिम उपदेश इन्होंने कहा दिया था तो अंतिम उपदेश याद रख लेना प्यारे बच्चे अंतिम उपदेश दिया है कुशीनगर में क्या बोलोगे कुशीनगर में और किसको दिया था ये आप लोग बताएंगे इनके शिष्य तो आनंद भी थे लेकिन ये अंतिम उपदेश किसको दिया इन्होंने सुभद्र को दिया था किसको दिया था सुभद्र को दिया था और यहां एक बहुत अच्छी एजुकेशन है आपकी जिंदगी के लिए सुनना और सीखना सुभद्र से इन्होंने कहा सुभद्र ने कहा कि गुरुजी जब आप नहीं रहेंगे भैया गुरु थे सबके उनका गुरु गुरुजी जब आप नहीं रहेंगे तो हमको दिशा कौन दिखाएगा तो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ उसी एक बात को बी योर लाइट योर सेल्फ अपना प्रकाश आप स्वयं बने जिंदगी में आप जब कभी फंसते हैं या कभी परेशान होते हैं तो अपना उजाला बन करके आप उभरें और आप खुद से कहें कि परेशानी का हल मैं ही हूँ क्या बोलते हैं बी योर लाइट योर सेल्फ अप दीपो भवय बौद्ध धर्म का एक वाक्य है अप दीपो भवय अपना प्रकाश आप स्वयं बने ठीक है तो ये किससे कहा गया आपका क्या बोलते हैं ये कुशीनगर में उन्होंने अंतिम समय पर अपने कहा था कोई भी दिक्कत अच्छा जी अंतिम उपदेश हो गया आपका और मुझे बताओ जो इनका क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे अंतिम वर्षावास कहां पर गया था अंतिम वर्षावास कहां पर गया था वर्षावास से मतलब है वर्षा के दिनों में बौद्ध भिक्षु ठहर जाते थे और जहां इनकी मृत्यु हुई यानी कुशीनगर में इनका अंतिम वर्षावास रहा था क्या कहेंगे अंतिम समय में ठीक है कोई भी परेशानी प्यारे बच्चे इतनी बात में इतनी बात में कोई भी दिक्कत अच्छा अब आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर शिक्षा में प्यारे बच्चे इन्होंने क्या क्या बताया आपका कितने आर्य सत्य बताए जरा बताए कितने आर्य सत्य इन्होंने बताए ठीक है और प्यारे बच्चे कितने इन्होंने क्या बोलते हैं आष्टांगिक मार्ग में कितने नियम इन्होंने बताए आष्टांगिक मार्ग में कितने नियम इन्होंने बताए अच्छा दूसरी बात आती है पंचशील में पंचशील नियम किसके लिए बनाए इन्होंने सील नियम इन्होंने किसके लिए बनाए सील नियम इन्होंने किसके लिए बनाए तो क्या कहेंगे आपका आंसर आना चाहिए भैया इनकी जो शिक्षा थी इन्होंने बोला कि पूरी मानव जाति दुखों से भरी हुई है पूरी मानव जाति में इतने दुख हैं कि हर व्यक्ति परेशान है और जब हर व्यक्ति परेशान है तो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पर हम हैं कि दुख है क्या बोले दुख है और पूछा जाता है कौन सा आर्य सत्य नहीं है परीक्षाओं में दुख है बोला दुख का क्या बोले फिर दूसरा दुख का कारण है एक कारण होता है आपकी दुखी होने के पीछे दुख का कारण है लेकिन बोले दुख का निराकरण भी है दुख का निवारण है निराकरण है और वो निवारण है क्या है निवारण क्या है क्या नियम दिया तो बोले निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग में बोले आठ नियमों का पालन करना होगा और वो आठ नियम कौन से बता दिए सम्यक क्या बोलते है? सम्यक का अर्थ होता सही बोले सम्यक दृष्टि रखो हर चीज के प्रति आप सही निगाह रखें ठीक है यानी चीजों को सही तरीके से देखें सम्यक संकल्प लें ऐसा नहीं है आज आपको नौकरी की तैयारी करनी है सुबह प्लान बनाया मैराथन करनी है और फिर दो घंटे बाद फुस हो गया प्लान तो उसको क्या बोलते है? वो संकल्प नहीं है तो प्रकृति देखती है आपका संकल्प क्या है संकल्प सिर्फ दुनिया में एक होता है जो बोला वो करना है तो करना है ठीक है क्या बोलेंगे वो संकल्प सम्यक होना चाहिए सम्यक दृष्टि होनी चाहिए सम्यक आपके शब्द होने चाहिए सम्यक वाक होना चाहिए सम्यक कर्म होने चाहिए आपके आपका जो काम है वो सही होना चाहिए सही होना चाहिए दृष्टि होनी चाहिए संकल्प होना चाहिए आजीविका ऐसा नहीं है नंबर दो की कमाई कर रहे हो जो पैसे कमाने का साधन है वो सही होना चाहिए आजीविका आपकी सही होनी चाहिए आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए शरीर भी तो स्वस्थ रहेगा ये भी तो दुख देता है स्मृति सही होनी चाहिए आपकी याददाश्त सही नहीं होगी तो वो दुख दे सकती है और सम्यक समाधि आपको ध्यान की मुद्रा में पहुंचना चाहिए तो क्या बोलेंगे वाक कर्म आजीविका व्यायाम स्मृति समाधि दृष्टि और संकल्प में पांच नियम दिए पांच नियम दिए साधारण जनता को जो साधारण लोग थे यानी कि आम लोगों के लिए बोले इन नियमों को फॉलो करो और दस सील दे दिए दस सील दिए किन के लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए वही खाना खाने से लेकर के सोने तक के बोले सैया पर विश्राम नहीं करना है क्या बोलेंगे शराब आदि नहीं पीनी है यानी कि जिन चीज़ों से भैया जी धर्म और धम्म में क्या अंतर है धम प्यारे बच्चे धर्म का मतलब होता है एक आपका मार्ग धर्म का मतलब होता है एक मार्ग लेकिन उस मार्ग पर आप क्यों चलें उस मार्ग पर चलकर आपको क्या प्राप्त होगा ये धम है ये शिक्षा है यही धर्म में और आपका क्या बोलते धर्म आपको बताता है क्या सही है और धर्म में सही को चलते हुए आप पालन करते हुए आगे कैसे बढ़ते जाएंगे ये धम्म है ये क्या है ये धम्म है अभी बताएंगे धम्म को भी एक्सप्लेन करेंगे आगे आएंगे यहां तक की बात में कोई दिक्कत अच्छा इनके कुछ प्यारे बच्चे प्रतीक चिन्ह बड़ा पूछे जाते हैं मैं आपसे एक टेस्ट ले लेता हूं मैं ऐसे समझो आप लोगों का प्रतीक चिन्ह तो प्रतीक चिन्ह बताएंगे आप लोग मुझे इनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह बड़े प्रसिद्ध हैं तो प्रतीक चिन्हों में जैसे नाम आता है पहले आप मुझे बताओ इनके जन्म का प्रतीक क्या है ठीक है इनके मोक्ष का प्रतीक क्या है मोक्ष का मोक्ष जिसको आप परिनिर्वाण भी कह सकते हैं मृत्यु भी कह सकते हैं मृत्यु भी कह सकते हैं इसका चिन्ह क्या है ठीक है पहले उपदेश का चिन्ह क्या है इनके का जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया प्रथम उपदेश दिया इसका चिन्ह क्या है इनके गर्भ में आने का चिन्ह क्या है ठीक है इनके इनके ज्ञान ज्ञान का 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 चिन्ह क्या है ज्ञान का, इनके त्याग का, जो इन्होंने घर को त्यागा था गृह त्याग लिखना नहीं दोनों में अंतर हो जाएगा गृह त्याग का चिन्ह क्या है और क्या हो गया आपका महापरिनिर्वाण हो गया नहीं मोक्ष हो गया मृत्यु हो गया महापरिनिर्वाण महा परी निर्वाण का क्या होगा निर्वाण का क्या हो जाएगा ये लिख तो लिया मैंने मोक्ष का सॉरी मोक्ष का लिख लिया मैंने आएंगे नेक्स्ट तो जन्म का इनके का प्रतीक चिन्ह क्या है प्यारे बच्चे वो कमल है और जब इनके जन्म से ये यौवन की तरफ बढ़ रहे थे तब प्रतीक चिन्ह है सांड यानी हम कह सकते हैं पूछा जा सकता है कि यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है तो सांड यौवन का हो गया मोक्ष की बात करते हैं प्यारे बच्चे जो इनको मोक्ष निर्वाण प्राप्त हुआ नि मृत्यु प्राप्त हुई इसके लिए क्या है इनके पद चिन्ह यानी ये चले गए पद चिन्ह दर्शाते हैं कि बुद्ध जी हम सबसे दूर चले गए प्रथम उपदेश का क्या बोलेंगे धर्म चक्र यानी चिन्ह भी चक्र है अशोक चक्र बोलते हैं जैसे गर्भ का चिन्ह कौन सा है क्योंकि इनकी माता जो थी उन्होंने अपने गर्भ में हाथी का प्रवेश होते हुए देखा था सफेद हाथी का ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है इनके का ज्ञान इनको मिला पीपल के वृक्ष के नीचे और गृह त्याग का क्या है प्यारे बच्चे घोड़ा है क्या बोलोगे घोड़ा प्रतीक चिन्ह है क्या बोलेंगे घोड़ा प्रतीक चिन्ह है बहुत बढ़िया बहुत ठीक भाई अरुण राणा जी एकदम सही जया तिवारी जी बहुत खूब तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जरा थम्सअप कर दे जिनका ये पूरा प्रोसीजर सही था जिन्होंने सारे सही उत्तर दिए हैं एकदम प्रतीक चिन्ह से संबंधित सारे प्रश्नों के जवाब एकदम सही दिए हैं बहुत बढ़िया भाई बहुत खूब बहुत खूब और ये पहली बार पहली बार ऐसा हुआ मैं अपनी क्लास में आज ये देख पा रहा हूँ कि एक घंटे तक क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और अगले आधे घंटे में वो ख़त्म हो जाते हैं हजार दो हज़ार बच्चे कम हो जाते हैं लेकिन मैं अपने पूरे अब तक के अनुभव में ये महसूस कर रहा हूँ कि पहली बार बच्चों की संख्या वही की वही बनी हुई है जो अपने आप में गजब बात है जो गजब बात है ये तुम्हारे हौसले को दर्शाता है दोस्त ये तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी के लिए जो तुम मेहनत करना जानते हो उसको दर्शाता है ठीक है कोई दिक्कत ज्ञान पीपल इतनी बात में कोई परेशानी कोई भी परेशानी नहीं है अच्छा फिर बौद्ध साहित्य प्यारे बच्चे बौद्ध साहित्य क्या बोलेंगे बौद्ध साहित्य किस में बटा हुआ है आप कहेंगे भैया बौद्ध साहित्य बटा हुआ है त्रिपिटक में किसमें त्रिपिटक में बटा हुआ है और त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपका क्या बोलोगे पिटक है पूछता है त्रिपिटक का संबंध किससे पिटक है विनय पिटक है और साथ में आपका क्या है अभिधम्म पिटक है क्या बोलोगे अभिधम्म पिटक है अभिधम पिटक है ठीक है ये कौन थे आपका सुत पिटक को किसने आपका किया था संग्रह इनके शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद ठीक है विनय पिटक के कौन थे उपाली थे और अभिधम पिटक के कौन थे प्यारे बच्चे क्या बोलोगे वो मोगली पुत्र थे कौन थे मोगली पुत्र ने क्या किया है इसका संकलन किया है ठीक है संकलन किया है आप सब लोगों को एक बार थमसअप करेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अब सब लोग एक बार बोलेंगे कि भैया जी जो ये शुद्ध पिटक है इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया या ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं यानी बौद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है तो जैसे सदरानंद ब्रत सूची को भी बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं यानी कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पिटक में मैंने एक पार्ट आपको बताया था जरा देखूँ आपको याद है या नहीं है खुंदक निकाय खुंदक निकाय में क्या बताया गया है खुंदक निकाय में प्यारे बच्चे क्या बताया गया है और अंगुत्तर निकाय में क्या बताया गया है इसमें पांच निकाय मैंने आपको बताए थे अंगुत्तर निकाय हमेशा याद रख लेना इसमें सोलह महाजनपद बताए गए हैं क्या बताए गए हैं सोलह महाजनपद और खुंदक निकाय में बताई गई है पांच जातक कथा क्या बताई गई है जातक कथा ये कैसी कथा है बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जातक कथा क्या है महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले यानी उनका जन्म हुआ होगा जैसे हम पढ़ते हैं गांधी जी के जन्म से पहले देश में क्या घटनाएं हुई तो महात्मा बुद्ध जी के जन्म से पहले ये पढ़ाया जाता है किसमें आपका बौद्ध साहित्य में और किसमें है पिटक में है क्या बोलते हैं जातक कथाओं की संख्या कितनी है पांच है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कभी मत भूलना ठीक है ऐसे ही प्यारे बच्चे जैसे त्रिपिटक है ऐसे ही नाम आता है त्रिरत्न का जो बच्चा पूछ रहा था वो बहुत फोकस करके देखना बहुत अच्छा प्रश्न बच्चे ने किया था और ये इंटेलिजेंस को दर्शाता है बच्चे की को दम, और साथ में आपका संघ ये धम्म क्या है ये बौद्ध बौद्ध क्या है उन्होंने बोला बौद्ध होता है आपका बौद्ध धर्म में क्या तार्किक ज्ञान यानी कि आपसे किसी ने कुछ कहा जैसे मैं तुमसे कहता हूं हर स्टूडेंट को सुबह उठ करके अपना थूक अपनी आंखों में लगाना चाहिए तो आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों तो मैं आपको एक तर्क देता हूं फिर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का आंख के उदासीन होने के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते तो आप कहेंगे हाँ ये साबित हो जाती है बात तो बौद्ध धर्म कहता है कि हर चीज को हर चीज को आप तर्क से समझे यानी ज्ञान जो होना चाहिए वो तार्किक होना चाहिए क्या बोलेंगे तार्किक होना चाहिए अच्छा धम क्या होता है फिर हम बात करते हैं किसकी धम्म क्या होता है तो धम्म का मतलब है शिक्षा ये जो मार्ग आपको बताया जा रहा है कि ऐसे करें तार्किक ज्ञान कह रहा है कि भाई तर्क होना चाहिए और संघ का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं की टोली क्या बोलेंगे बौद्ध भिक्षु बौद्ध भिक्षु बोले कि इन सब लोगों को आपस में आपस में ट्रेंड या शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी है वो आप ही की है कोई दिक्कत बोलेंगे भाई परेशानी कोई भी दिक्कत बोले भी फटाफट से बहुत सही लड्डू एकदम सही आंसर अंशु गैंगवार एकदम सही आंसर होगा कोई दिक्कत भैया कोई परेशानी आगे चले चलो भाई आगे चलते हैं आगे चलते हैं बहुत खूब यहां तक की बात में कोई दिक्कत अच्छा अब आ जाते हैं हम बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया अब तक कितनी बौद्ध संगति कुल हो चुकी हैं तो कितनी बौद्ध संगति हो चुकी है अगर मैं बोलूं बौद्ध संगति छह हो चुकी है तो आप मेरी बात पे यस बोलेंगे या नो क्या बोलेंगे बोलेंगे भैया कितनी चार बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तो ऐतिहासिक मत में क्या बोलते हैं हम चार बोलते हैं और कुल पूछे आपसे तो क्या पूछ ले कुल पूछे तब भी चार ही बताना कुल पूछे तब भी चार ही बताना ऐतिहासिक रूप से चार लेकिन पूछ ले छठी कहां हुई है और पांचवी कहां हुई है तब हमको जवाब देना पड़ जाता है ठीक है देखेंगे ध्यान से बौद्ध संगति में कितनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और रिवाइज करा रहे हैं आपको पहली हुई महात्मा बुद्ध जी की जब मौत हुई फिर अगले सौ वर्षों के अंतर पर फिर आपका कब दो सौ इक्यावन या पचपन दोनों कथन मान्य हैं और चौथी कब हुई आपकी पहली शताब्दी में क्या बोलोगे 255 लिखें लिखे या इक्यावन लिखे की बात है दोनों ही मान्य है पहली शताब्दी और पांचवी कब हुई आपकी अठारह और छठी कब हुई आपका उन्नीस में कब हुई थी उन्नीस में हुई छठी बौद्ध संगति कब हुई आपका उन्नीस में हुई थी ठीक है ध्यान से देख लेना पहली किसके समय हुई भैया अजात शत्रु के समय पर हुई और एक प्रश्न यहां से बनना आपकी पीईटी में तय है ये छाप लेना दिमाग में भैया ये जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आना बिल्कुल तय हो जाता है बौद्ध धर्म में यहीं से प्रश्न बनेगा अजात शत्रु देखना जब पेपर देकर के आओ और बोलना भैया तुमने बोला था नहीं आया है ना अजात शत्रु कालाशोक क्या बोलेंगे अजात शत्रु कालाशोक अशोक अशोक और चौथी किस पर समय पर हुई कनिष्क के समय पर हुई कनिष्क के समय पर और पांचवी किसने करवाई राजा मिंडन ने करवाई राजा मिंडन ने करवाई और ये छठी करवाई आपका बर्मा के पीएम थे यू क्या बोलेंगे बर्मा पीएम ब्रिटिश बर्मा के ब्रिटिश बोल बर्मा के प्रधानमंत्री ने कराई थी ठीक है अब हम बात करते हैं शत्रु ये कहां पर हुई आपका पहली हुई भैया पाटलिपुत्र नहीं में। पहली कहां? पाटली नहीं। पहली हुई राजगिर्हां में। राजगिर्हां दूसरी कहां पर हुई प्यारे बच्चे वैशाली में वैशाली में और तीसरी कहां पर हुई पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में बताना मुझे मैं सही लिख रहा हूं या नहीं और चौथी हुई कुंडलवन में क्या बोलेंगे कुल वन में हुई चौथी और पांचवी हुई प्यारे बच्चे कहाँ आपकी बर्मा यानी जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है ठीक है 1937 से हुआ ये म्यांमार तो और अभी भी ये छठी भी कहा म्यांमार में किस वर्ष हुई ये बस याद रखें आप पांचवीं छठी के बारे में अच्छा जो इसके अध्यक्ष थे जो इसके अध्यक्ष बने प्यारे बच्चे बताएं पहली के कौन कौन थे पहली के दूसरी के बताएं तीसरी के चौथी के बताएं तो पहली के आप बोलेंगे महाकश्यप थे महाकश्यप क्या बने अध्यक्ष बने महाकश्यप से किसको बोला गया कि सबको बुलाना है सबको सबा कामीर सबा कामीर सब को बुलाने के लिए मोगली भागा भागा गया यानी मोगली पुत बोलते हैं क्या बोलते हैं मोगली पुत बोलते हैं और चौथे कौन थे आपके वशु मित्र थे कौन थे वशु मित्र थे और प्यारे बच्चे इस समय पर एक उपाध्यक्ष भी बने थे और उन उपाध्यक्ष का क्या नाम था आप कहेंगे भैया वो अश्वघोष थे कौन थे अश्वघोष थे तो उम्मीद करूंगा ये जो चीज है ये बहुत सारे बच्चों को एजिटिज याद होगी एजिटिज क्रम से याद होगी बोलेंगे सारे प्रश्न आप बना पाए मुझसे पहले बोल पाए तो एकदम कामयाब हो तुम सारे लेकिन ये जो चौथी हुई ना कनिष्क के समय तो याद रख लेना प्यारे बच्चे जो चौथी बौद्ध संगति थी चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ बौद्ध धर्म बट गया किसमें बट गया चौथी संगति में चौथी संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया एक शाखा का नाम था महायान और एक शाखा का नाम क्या था आपका हीनयान था क्या था महायान और हीनयान महायान कौन लोग थे जिन्होंने नए नियम बनाए कैसे नियम नए नियम लेकर के आए और हीनयान कौन लोग थे ये पुराने नियमों पर चल रहे थे पुराने नियमों पर पुराने नियमों पर चलने वाले लोग थे इन्हीं को हम बोलते हैं थेरवाद शाखा के लोग थेरवाद शाखा के लोग पुराने नियम कैसे भैया यानी कि इन लोगों ने महसूस किया था ये लोग उस समय के थे जब महात्मा बुद्ध खुद थे और महात्मा बुद्ध खुद थे यानी कि पुराने नियम से मतलब है ये लोग कहते थे महात्मा बुद्ध को महापुरुष क्या, क्या बोलते थे महापुरुष बोलते थे और ये जो शाखा के लोग हैं पहली के अध्यक्ष कौन है आपके महाकश्यप तो क्या बोलोगे जो इनके प्रवर्तक थे प्रवर्तक तो नहीं कह सकते हम प्रमुख कह सकते हैं प्रवर्तक तो खुद महात्मा बुद्ध ही है तो क्या बोलेंगे इनके इनके प्रमुख प्रमुख कौन थे इनके थे जो पहली के समय अध्यक्ष यानी पुराने नियमों वाले महाकश्यप थे ठीक है आप कहेंगे भैया आप कह रहे हैं ये चौथी के समय पर बनी ही निया? नहीं हि पहले से थी न्यान पहले से थी और ये चौथी में से अलग हुए ये नए नियम जिन्होंने बनाए महायान ने और इनके प्रमुख कौन बने जो चौथी के समय अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है वसुमित्र प्यारे बच्चे मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एक बार बोले भैया फटाफट से नहीं पांचवी हर्षवर्धन जी के समय पर नहीं हुई है भैया आप गलत बोल रहे हैं नहीं सिलो नहीं आ रही है ना अब भैया मैं लगातार रहते मुझ पर तेज तेज बुलवाओगे तो फिर मैं बेकार सा नहीं हो जाऊंगा बताओ तेज क्यों ही बोलना है हम लोग सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं बताओ हम लोगों को पढ़ना है ऐसे सब्जी थोड़ी बेचनी है हमको अच्छा शोर मचाए बताओ सब्जी सी बेचनी है क्या नहीं बोलेंगे भैया आगे चलें तो आगे चलने की बात पर आप लोगों को यहाँ एक बात याद रखनी है क्या बोलोगे महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन थे बोले भी फटाफट से महात्मा बुद्ध के गुरु कौन कौन लोग थे तो इनके गुरु थे आपका आलार कलाम क्या बोलोगे आलार कलाम थे इनके गुरु मुझे बताएं भैया इन्होंने क्या सीखा था इनसे आलार कलाम एक थे कौन आपका रुद्रक रामपुत्र क्या बोलोगे रुद्रक रामपुत्र और एक थे आपका बृहस्पति क्या बोलेंगे बृहस्पति थे जिनसे इन्होंने बृहस्पति जी से किसकी शिक्षा ली थी? थी वैदिक शिक्षा ली थी कैसी वेदों की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की रुद्रक रामपुत्र इन्होंने क्या योग सीखा योग सीखा और आलार कलाम जी से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली कौन सा दर्शन सांख्य दर्शन ठीक है और योग दर्शन

कुछ हद नहीं काफी हद तक सीधे-सीधे पूछे गए हैं जैसे ध्यान से देख लेना ध्यान से देखना प्यारे बच्चे अभी जैन धर्म आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप अंतर देखें इधर तो आप जैन को लें और इधर आप बौद्ध धर्म को लें ठीक है अभी आप लोग बौद्ध धर्म में सीख जाएंगे क्या है तो बौद्ध धर्म में देखो क्या होता है इन्होंने ज्ञान के लिए कौन सा मार्ग अपनाया मध्यम मार्ग ये कहते हैं कि आप लोगों को अगर क्या ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसा मार्ग होना चाहिए मध्यम मार्ग लेकिन जैन लोग कहते हैं कि मार्ग होना चाहिए कठोर मार्ग होना चाहिए जिसमें आपके प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यानी कि आप लोगों को किस पर फोकस करना है ज्ञान प्राप्ति पर चाहे उस मार्ग पर आपके क्या है जान चली जाए ठीक है आत्मा को आत्मा को ये मानते हैं बौद्ध धर्म में भैया कहना नहीं मानते ठीक है वर्ण व्यवस्था लागू है क्या वर्ण व्यवस्था लागू है क्या कहेंगे नहीं है जाति व्यवस्था नहीं है अंबेडकर जी ने भीमराव अंबेडकर जी ने कटाक्ष किया था कटाक्ष किया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया उन्होंने बोला आप लोग कैसे कहते हैं हम महान हैं महान कहते हैं तो क्या फिर हम जातियों में बटे हुए क्यों हैं हम इंसान होते हुए एक दूसरे से ऊपर और एक दूसरे से नीचे क्यों है उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म में क्या है आपका क्या कहा गया कि वर्ण व्यवस्था नहीं है तो इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने लोग जो है ना ये सब अपने हैं अपने हैं ये सब इनके लिए आप कहीं और जाने का मार्ग प्रशस्त ना करें क्या बोलेंगे पुनर्जन्म यहां लागू था बिल्कुल था मध्यम मार्ग को अपनाते थे अहिंसा अहिंसा का पालन करते थे ये जी अहिंसा का पालन ये करते थे ठीक है कर्मवाद बौद्ध लोग कर्मवाद में विश्वास रखते हैं कर्म में क्या बोलेंगे बौद्ध लोग क्या कर्मवाद में विश्वास रखते हैं कि कर्म का फल मिलता है जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि आपको क्या करना है सिर्फ कर्म करना है तो कर्मवाद में विश्वास रखते थे बौद्ध लोग हाँ जी कर्म में विश्वास रखते थे अब बात आती है पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते हैं जैन लोग या नहीं बोले फटाफट से पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो आप लोग देखना पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और आत्मा में विश्वास मैंने क्या बोला बौद्ध लोग नहीं रखते हैं यहां देखो ध्यान से बौद्ध लोग आत्मा में विश्वास नहीं रखते जैन लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं ये बात याद रख लेना ठीक है अहिंसा ये भी अहिंसा पर जोर सबसे ज्यादा दिया गया है यहां पर अहिंसा पर कर्मवाद में यह भी विश्वास रखते हैं और वर्ण व्यवस्था यहां भी नहीं है ठीक है कोई परेशानी कोई दिक्कत चलो बोलेंगे भैया फटा फटाफट से नहीं आत्मा के विश्वास को पुनर्जन्म से आप नहीं जोड़ सकते एक बच्चा कह रहा आत्मा में विश्वास नहीं रखते तो पुनर्जन्म को क्यों मानते हैं देखो आत्मा क्या है हमारे यहां आप लोग जानते हो अभी श्राद्ध हुए थे श्राद्ध हुए थे श्राद्ध समझते हो हम बड़े बुजुर्गों को और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे कि धर्म की अवधारणा कहाँ से है वो पितृ पूजा से आती है जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा ऐसे उदाहरण से समझाऊं धर्म की इस चीज को जो आप सब जानते हैं आपने मिस्र के पिरामिड देखे हैं वहां पर प्रचलन ये है कि, कि किसी किसी डेड बॉडी को अगर रखा जाए तब तक ही आत्मा जीवित रहती है तो वो लोग मम्मी बनाते थे लेप लगाते थे यानी वहां भी पितृ पूजा होती थी यानी वो लोग क्या सोचते हैं कि उनके पित्र तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनकी शरीर मौजूद है हमारे यहां क्या लोग सोचते हैं कि आत्मा जो है वो बसती है इसलिए हम अपने पितरों को पूजते है। हमारे यहां क्या आत्मा की मान्यता है लेकिन ये लोग कहते थे कि व्यक्ति का जो जीवन है ना आत्मा वो विचरती नहीं है आत्मा आपका क्या है मौजूद नहीं रहती उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है वहीं और वो वापस से क्या बोलते दूसरे शरीर के रूप में पुनर्जन्म हो जाता है वो कहीं भी विचरित नहीं होती हम लोग समझते हैं ना कि हमारे पूर्वज आएंगे ये हमारी क्या है हमारी आस्था है ठीक है कोई दिक्कत इतनी बात में बोले तो आप ऐसे रिलेट ना करें कभी आत्मा और इसको पुनर्जन्म को कोई भी परेशानी बोलेंगे भाई एक बार अप करें सारे बच्चे कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को तो बोलें एक बार नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं इससे भी और छोटा टॉपिक क्या नाम है जैन धर्म क्या बोलेंगे जैन धर्म और एक बार प्यारे बच्चे आप लोग जो भी मैं आपसे पूछूं प्रैक्टिस के रूप में आप लोग बताएंगे बोले हम लोग लगभग आपका क्या बौद्ध धर्म को पढ़ चुके वैदिक पढ़ चुके काफी हम पढ़ चुके हैं काफी हम ढाई घंटे में प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं और ये मेजर टॉपिक है चले आगे आते हैं आगे आते हैं जैन धर्म पर मुझे बताएं जैन धर्म के संस्थापक कौन है बड़े ध्यान से उत्तर देना जैन धर्म के मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चे एक नई विचारधारा चली और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे बोले जैन धर्म के संस्थापक आप सबके जवाब के इंतजार में हूं तब मैं आगे बढ़ूंगा महावीर स्वामी कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे नहीं आप लोग गलत हो जाते हैं यहां पर संस्थापक कभी भी आपसे पूछे तो ऋषभ देव कहना क्या बोलेंगे ऋषभ देव आप कहना और जब प्यारे बच्चे वास्तविक संस्थापक बोले वास्तविक किसको बोलते हैं जो सीमाएं बढ़ाता है किसी चीज की तो बहुत ज्यादा फॉलोअर जैन धर्म के जब हुए तो वो महावीर स्वामी जी के समय पर हुए किनके समय पर महावीर स्वामी जी के समय पर हुए क्या बोलेंगे वो महावीर स्वामी जी थे महावीर स्वामी जी थे ठीक है अरे भाई पानी वानी पीते रहना सही लगातार है पानी वानी पी रहे हो नहीं पी रहे हो पीते रहना सिप सिप मारते रह करो पढ़ाई के टाइम पर और सबसे सब बड़ी भूल जो स्टूडेंट करता है स्टूडेंट इसी भूल को करता है कि वो पानी पीना भूल जाता है अभी सर्दी आएंगे सारे स्टूडेंट हमारे पानी पीना भूल जाएंगे एक गिलास पिएगा कोई कोई आधा गिलास पिएगा पूरे दिन में और ये सबसे गलत है आपके शरीर की इम्यूनिटी सबसे अच्छा कौन रख सकता है वो पानी रख सकता है कहते हैं कि जो जल के नियम का पालन करता है वो सबसे बेहतरीन है ठीक है कोई दिक्कत भाई वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी अच्छा जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हुए आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं और कुल तीर्थंकर हुए हैं आपके और इसके बारे में जो पुस्तक बताती है वो पुस्तक कौन सी है तो आप कहेंगे भैया जैन तीर्थंकर चौदह पुस्तक का नाम है कल्प सूत्र क्या बोलोगे कल्प सूत्र और किसने लिखी है ये भद्र बाहू ने लिखी है किसने भद्र बाहू ने लिखी है तो संस्थापक कौन है ऋषभ देव जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं केशरिया देव के नाम से भी जानते हैं किस नाम से आदिनाथ या केशरिया देव के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं कि मुझे बता दो मैं हमेशा कहता रहता हूं तुमसे पहले तीर्थंकर याद रखो क्या बोलेंगे पहले तीर्थंकर याद रखो दूसरे याद रखो तीसरे याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बोलेंगे वन टू थ्री तीन ये याद रखो और इक्कीसवे जरूरी हैं बाईसवे और बाईसवे नहीं ये याद रखो बाईसवे तेईसवे और चौबीसवे वे इच्छा लोग याद रखें पहले कौन थे भैया अभी बता दिया ऋषभदेव हो गए दूसरे कौन थे अजीत नाथ क्या बोलेंगे अजीत नाथ और मैं क्या बताता हूं आपको इनका प्रतीक चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है अजीत नाथ का हाथी और ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह था प्यारे बच्चे वो क्या था इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ जिसको आप सांड कहते हैं बैल कहते हैं ठीक है अजीत नाथ के बाद में कौन है संभवनाथ संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है आपका घोड़ा है क्या है घोड़ा जिनका प्रतीक चिन्ह है और नमीनाथ क्या बोलोगे नमीनाथ ये बाईसवे हैं नमीनाथ अलग हैं, प्यारे बच्चे याद है ना बाईसवे नहीं है नमीनाथ बाईसवे कौन थे नेमी क्या बोलेंगे बाईसवे नेमी है जिनका प्रतीक चिन्ह क्या बताया गया संख बताया गया पार्श्वनाथ क्या बोलेंगे पार्श्वनाथ और चौबीसवे कौन है चौबीसवें हैं प्यारे बच्चे महावीर स्वामी और यहीं से अंतर आता है महावीर स्वामी ठीक है एक तो पार्शवनाथ जी के बारे में याद रख लेना हमेशा इनका जन्म कहाँ हुआ था क्योंकि ये तेईसवें हैं क्योंकि इन्होंने काफी शिक्षाएं जैन धर्म में दी तो ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे जो पार्श्वनाथ जी हैं पार्श्वनाथ जी जो हैं इनका जन्म हुआ आपका नोट करेंगे एक बार ठीक है <laughs> ललित यादव जी बहुत खूब क्या बोलेंगे भैया अरे भाई ये कहाँ गया <laughs> बोर्ड लोड मान गया एक से गायब हो गया वो तो दिक्कत भी इस बात में बोलेंगे एक बार से नहीं चल जाएगा सर तीर्थंकर का क्या मतलब होता है अच्छा क्वेश्चन है इतने मैं आपको समझा देता हूं तो, देखो जैन धर्म में एक शब्द दिया गया है प्यारे बच्चे केवलिन केवलिन कौन है जिसने केवल्य को प्राप्त कर लिया अब ये केवल्य क्या है केवल्य होता है जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया आप कहेंगे भैया ज्ञान क्या होता है ज्ञान होता है कि जिसने आत्मा को भ्रम को जान लिया या फिर परमात्मा को जान लिया जिसने इन सारी चीज़ों के बीच में अंतर जान लिया जिसने सत्य को पहचान लिया वो कौन है उन्होंने बोला कि वो केवल्य है लेकिन क्या, क्या केवल्य हो जाना और ज्ञान प्राप्त कर लेना क्या ये काफी है नहीं उन्होंने बोला कि लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के बाद मार्ग दिखाना मार्ग दिखाना और उस मार्ग पर चल करके लोगों को प्रेरित करके ये बताना कि आपको यहाँ चलने से ये प्राप्त होगा इस तरह से आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसी उसी व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं जिन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया सर जी महाजनपद क्या होता है भैया जैसे आज 28 राज्य हैं तो प्राचीन काल में भारत में 16 स्टेट हुआ करते थे उनको महाजनपद कहते हैं जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध था मगध था आपका सबसे शक्तिशाली अंग था आपका सिकंदर जिधर आया यह था आपका क्या बोलते हैं गांधार था ये महाजनपद थे चलाओ तो सही कहीं से तो चलाओ चला दो चलो भाई बौद्ध संगति क्या होती है भैया बौद्ध संगति होती है भैया जो बौद्ध लोगों की क्या होती थी मीटिंग होती थी बौद्ध लोगों की जो मुलाकातें होती थी आपस में बैठ करके जहां ये तय करते थे कि क्या नियम होंगे क्या आसानी होगी किस तरह से इसको चलाया जाए नहीं चल रहा है क्या अब तुम इतने सारे बच्चे आगे तुमने बोर्ड पर लोड बना दिया है <laughs> चल गया ठीक है आएंगे भैया तो जैन धर्म के मैंने आपको बताया क्या बताया था वहीं से चल जाएगा क्या नहीं ये तो नया चलेगा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं चलो मैंने बोला आप लोग पार्श्वनाथ जी के बारे में पार्श्वनाथ जी के बारे में पार्शवनाथ जो थे क्या बोलेंगे जो आपका पार्श्वनाथ है पासर नाथ जी के बारे में याद रख लेना ये तेईसवें तीर्थंकर थे और इनका जन्म कब हुआ है 850 ईसा पूर्व हुआ है 850 ईसा पूर्व कहाँ वाराणसी में इनका जन्म हुआ कहाँ पर वाराणसी में इनके प्यारे बच्चे जो पिता और माता हैं सिर्फ इतनी चीजें याद रखेंगे इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम पिता का नाम था अश्वसेन और इनकी माता का नाम बताया जाता है वामा क्या बोलेंगे माता का नाम बताया जाता है वामा और इन्होंने क्या किया था क्या किया था इन्होंने इन्होंने चार नियम दिए क्या बोलते हैं इन्होंने चार अणुव्रत दिए और उन अणुव्रत का क्या नाम है अणुव्रत दिए और चार अणुव्रत का प्यारे बच्चे क्या नाम हम बोलते हैं जैन साहित्य में क्या बोला हमने एक तो इन्होंने दिया कि भाई कभी चोरी ना करें पैसे को इकट्ठा मत करो कभी भी क्या बोलेंगे पैसे को इकट्ठा ना करें कभी भी तो आप कहेंगे भैया एक तो इन्होंने दिया, दिया कि सत्य है। सत्य को कभी कभी क्या लिख करके आ जाता मिर्शा। मिर्शा है अमिर्षा मिर्षा बोलते झूठ को और हिंदी भाषा का अः शब्द क्या बताता है ना यानी झूठ ना तो झूठ ना तो क्या हो गया सत्य हो गया दूसरा क्या हो गया अहिंसा हो गया अहिंसा हो गया आपका क्या बोलेंगे अहिंसा हो गया क्या कहेंगे अहिंसा हो गया जी अच्छा तीसरा क्या था भैया जी तीसरा क्या था तीसरा था अस्ते चोरी ना करना अस्ते का क्या अर्थ होता है चोरी नहीं करनी है और प्यारे बच्चे चौथा क्या था आपका अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना धन को इकट्ठा नहीं करना फिर आए महावीर स्वामी जी क्या बोलते हैं महावीर स्वामी जी ने क्या कहा महावीर स्वामी जी ने कहा चार नियम काफी नहीं है पांचवा सबसे कठिन नियम किसने जोड़ा और पांचवा नियम मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें आप लोग पांचवा नियम किन्होंने जोड़ा था यह था ब्रह्मचर्य क्या बोलोगे ब्रह्मचर्य जो किन्होंने जोड़ा था भैया पांचवा नियम महावीर स्वामी जी ने जोड़ा क्या बोलेंगे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा वो दिक्कत भैया किसने जोड़ा महावीर स्वामी जी ने जोड़ा आपका पांचवा नियम ये याद रखेंगे कोई दिक्कत बहुत सही ये नियम क्या भैया महिलाओं के लिए भी थे हाँ ये नियम महिलाओं के लिए भी समान रूप से लागू थे तभी बोलते थे अणुव्रत या फिर पुरुषों के लिए इनको कहा जाता था पंच महाव्रत पंच महाव्रत बहुत ठीक लिखा है रागनी गुप्ता जी बहुत खूब चले भैया अगली बात पर हम आते हैं महावीर स्वामी जी को पढ़ना जब शुरू करेंगे हम तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं आंसर करना फटाफट से महावीर स्वामी जी की बात हम कर रहे हैं प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका जन्म कब हुआ था इनकी मृत्यु कब हुई थी इनके पिता का नाम क्या है ठीक है इनके पिता का नाम क्या है इनकी माता का नाम क्या है बोलें माता का नाम क्या है इनके बचपन का नाम क्या है बचपन का इनकी पत्नी का नाम क्या है इनके दामाद कौन थे इनकी पुत्री कौन थी क्या बोलोगे पुत्री कौन थी इनकी इनके भाई कौन थे क्या बोलोगे भाई कौन थे इनके तो बोले भैया फटाफट से चलो क्या बोलेंगे इनका जन्म हुआ भैया इनके जन्म के बारे में तीन तारीखें याद रख लेना तो मैं आपको बताता हूं ऐतिहासिक तिथि जो आपको सही आंसर देगी 540 बीसी और चार बीसी में क्या हो गया इनकी मृत्यु हो गई कहां हुआ था जन्म इनका कुंड ग्राम वैशाली क्या बोलोगे कहां हुआ कुंड ग्राम कहां पड़ता है वैशाली में इनका जन्म हुआ और प्यारे बच्चे इनकी मृत्यु कहां हुई पटना में पटना में कौन सी जगह है पावापुरी पिता कौन थे इनके बोले एक बार पिता थे इनके आपका सिद्धार्थ क्या कहेंगे पिता इनके सिद्धार्थ थे अब महात्मा बुद्ध मत समझ लेना माता कौन थी इनकी त्रिशला थी किस वंश से थी इनकी माता जी क्या बोलोगे लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी तो लिच्छवी वंश से थी और पिता किस वंश से थे कुल से थे कुल देखो ज्ञात्रक है लेकिन वंश पूछ ले तो वंश याद रख लेना इनके पिता इच्छवाकु वंश से थे किस वंश से इच्छवाकु वंश से यानी आप ये बात समझ सकते हैं महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय लोग थे दोनों ही कौन लोग थे ये क्षत्रिय लोग थे जिन्होंने नए धर्म की स्थापना की अब इंपोर्टेंट बात क्या है शायद मैंने महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपको नहीं बताया उनके पिता का बताया था क्या नोट कर लेना अगर नहीं नोट करवाया था महात्मा बुद्ध जी जो थे वो तो साक्य सिंह उनको बोलते हैं उनके जो पिता पक्ष था वो आपका साक्य वंश था और उनकी जो माता थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी किससे संबंधित थी बोले भी फटाफट से वो कोलिय वंश से संबंधित थी इनके बाई थे नंदीवर्धन नंदीवर्धन और इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चे बचपन का नाम भैया जी वर्धमान था इनकी पत्नी की बात जब हम करते हैं तो यशोदा नाम है पत्नी का क्या नाम था यशोदा नाम है अच्छा जो दामाद है वो जमाली और इनके पहले शिष्य भी बोले जाते हैं क्या बोलोगे इनके पहले शिष्य कौन बने वो इनके दामाद बने कौन बने इनके दामाद बने पुत्री का क्या नाम है अनुजा प्रियदर्शनी लेकिन किनके अनुसार किन के अनुसार प्यारे बच्चे किनके अनुसार इनकी पुत्री का नाम पनुज्जा प्रियदर्शनी है ये याद रख लेना ये सिर्फ श्वेतांबर शाखा कहती है तो यहाँ इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि कौन सी शाखा है भाई बच्चे कौन मानेगा जो श्वेतांबर शाखा मानती है कि महावीर स्वामी जी ने शादी की थी लेकिन जो दिगंबर शाखा है वो कहती है कि महावीर स्वामी जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे बात को समझ रहे हैं तो जो हमारी दिगंबर शाखा है उस दिगंबर शाखा में याद रख लेना आप लोग दिगंबर शाखा में कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि इनकी कोई पत्नी थी इनके कोई दामाद थे इनकी कोई पुत्री थी ठीक है सर जी मेरी बुक में पांच सौ निन्यानवे बीसी दिया है बिल्कुल ठीक दिया होगा प्यारे बच्चे मैं आपको बता देता हूं जो मिथ है जो स्वेतांबर शाखा है जो श्वेतांबर शाखा है वो महावीर स्वामी जी के बारे में जन्म बताती है पांच सौ निन्यानवे और पांच सौ सत्ताईस में इनकी मृत्यु बताती है दिगंबर शाखा कहती है दिगंबर शाखा कहती है आपका इनका जन्म हुआ पांच सौ बयासी में और पांच सौ दस में इनकी मौत हुई ठीक है ये दोनों शाखाएं और दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है अधिकतर ऐतिहासिक जो मत है फिर वो जाते हैं किसकी तरफ आपका किसकी तरफ 540 की तरफ ठीक है और वही क्या है परीक्षाओं में पूछा गया है बोलेंगे भी फटाफट से सर जी बिल्कुल ठीक चंदन यादव जी आप बहुत ठीक कह रहे हैं शायद इसी वजह से है कोई भी परेशानी भाई बोले भाई एक बार कोई भी दिक्कत इस बात में यहां तक की बात में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अच्छा बौद्ध धर्म की भाषा में आपसे पूछ लू ये तो जैन धर्म है ये क्यों पूछ रहे हैं आप बौद्ध धर्म की भाषा याद रख लेना दोनों में अंतर है बौद्ध धर्म की भाषा है प्यारे बच्चे पाली और जैन धर्म की भाषा कभी भी पूछे जैन धर्म की तो आप क्या बोलेंगे जैन धर्म की भाषा भैया जी प्राकृत है क्या है जैन धर्म की भाषा है प्राकृत तो ये अपने भाई से कह करके नंदीवर्धन से ये भी तीस वर्ष की आयु में गए जो इनके तेईसवें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी वो भी तेईस तीस वर्ष की अवस्था में घर से गए थे अपने भाई से क्या लिया इन्होंने भाई से आज्ञा ली और कहाँ चले गए भैया कहाँ चले गए ये चले गए फिर तपस्या करने कितने दिन तपस्या की थी बोले फटाफट से तो इनकी तपस्या कितने दिन की रही है भैया क्या बोलेंगे अपने भाई से लेकर के ये बाहर चले जाते हैं भाई से आज्ञा लेकर के नंदीवर्धन इनके भाई थे 12 वर्ष तपस्या की यानी इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध जी को 35वें वर्ष में इनको 42वें वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनकी 42 वर्ष की एक यात्रा है उसको याद रख लेना 1 प्लस क्या 11 वर्ष 1 प्लस 11 वर्ष जो ये पहले वर्ष इनकी तपस्या रही पहले वर्ष जो इनकी तपस्या है प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे पहले वर्ष इन्होंने तपस्या की थी आपका स्वर्ण बालू का नदी के किनारे कौन सी नदी थी स्वर्ण बालूका नदी और वृक्ष आप लोग बताएंगे वृक्ष कौन सा था अगले ग्यारह वर्ष पहले वर्ष के बाद में इनको लगा कि स्थिति ठीक नहीं है तो ये साल वृक्ष के नीचे पहुंच गए आपका कहां पर साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे और यहीं पर क्या प्राप्त होता है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ किस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था भैया बैसाख दशमी के दिन किस दिन बैशाख दशमी के दिन महात्मा बुद्ध जी को बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत बढ़िया जरम्भिक गांव बोले या जिझिक ग्राम बोले दोनों ही नामों का वर्णन मिलता है और ये दोनों एक ही हैं तो झिझिक बोले गांव का नाम आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया और जिरंभिक बोले ये गांव का नाम है आपका क्या बोलेंगे बिहार में ठीक है बहुत ठीक बहुत शानदार तो पहले वर्ष क्या बोलेंगे पहले वर्ष ये भैया जी अशोक वृक्ष के नीचे रहे थे जहां इनको कोई मार्ग नहीं दिखा और अंत में ज्ञान प्राप्त जब हुआ तो क्या कहलाए बोले जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्त हुआ प्यारे बच्चे तो बोलते हैं भैया ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनके नाम पड़े आपका क्या चिन्ह का क्या अर्थ है बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया क्या पूछेंगे का क्या अर्थ होता है विजेता जिन का क्या अर्थ होता है विजेता होता है और निर्ग्रंथ क्या कहलाए निर्ग्रंथ कहलाए और याद रख लेना निर्ग्रंथ आपका जो तेईसवे ना पार्श्वनाथ तो पूछते हैं महावीर स्वामी के अलावा और किन को निर्ग्रंथ कहा गया है तो वो कौन है वो पार्श्वनाथ है आपके क्या बोलोगे कौन है पार्श्वनाथ है निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है बंधन रहित जो हो गया हो क्या हो गया हो जो हो जो बंधन रहित गया है ठीक है वो निर्ग्रंथ हो गया ऐसी प्यारे बच्चे एक नाम आता है आपका अहरत इनको कहा गया क्या बोलेंगे अरहत इनको कहा गया अरहत बोले तो क्या बोलते योग्य अर्थ होता है इसका योग्य और एक कहा गया इनको केवलिन क्या बोलते हैं केवलिन केवलिन अर्थात जिनको सब कुछ अभी मैंने आपको बताया था जिनको केवल्य प्राप्त हो गया हो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो क्या बोलेंगे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो उसको बोलते हैं हम क्या आपका केवलिन कहते हैं यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत अच्छा इन्होंने अपना जो बच्चे क्या बोलते हैं जैन धर्म है वो त्रिरत्न पर जैन धर्म में जो त्रिरत्न है जैसे बौद्ध में भी है और यहाँ भी है वहाँ बौद्ध धर्म और संघ हो गए लेकिन यहाँ पर त्रिरत्न क्या है यहाँ पर है आपका सही दृष्टि से चीज का अवलोकन करो दर्शन करो उसके बारे में सही चीज से जानो ज्ञान रखो उसके बारे में और आपका आचरण कैसा होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए एकदम सही होना चाहिए यह क्या है यह जैन धर्म के त्रिरत्न बताते हैं फुदिक्कात? कोई दिक्कत कोई परेशानी अच्छा अब आते हैं जैन साहित्य पर मेरा आपसे क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है और महत्वपूर्ण मार्ग करना जैन साहित्य को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे जैन साहित्य को भैया क्या कहते हैं उम्मीद करूंगा आप सभी आंसर देंगे एक बहुत अच्छा सा जैन साहित्य को आगम 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 बहुत खूब प्यारे बच्चे क्या कहते हैं आगम कहते हैं और जो आगम की संख्या बताई गई है इनकी संख्या है छियालीस आगम की संख्या छियालीस बताई गई है कुल बताई गई है लेकिन उसमें से नाम मिलते हैं सिर्फ पैतालीस के नाम कितने के मिलते हैं पैतालीस के संख्या बताई गई है छियालीस कैसे जी ये लोग कहते हैं चौदह तो है पूर्व ग्रंथ तो बहुत पूछा जाता है जैन धर्म में पूर्व ग्रंथ की संख्या कितनी है चौदह उपांग की संख्या कितनी है उपांग की यानी उपांग भी है और अंग की संख्या कितनी है वो भी है। जैन धर्म में अंग की संख्या वो भी है। चार बताए हैं मूल सूत्र क्या बोलेंगे चार मूल सूत्र बताए गए हैं और छह बताए गए हैं छेद सूत्र छह बताए गए हैं छेद सूत्र और एक सबसे पवित्र ग्रंथ जो दिगंबरों का माना गया है याद रख लेना सबसे पवित्र ग्रंथ जो दिगंबर लोगों ने जिसको माना वो था आपका सट खंडागम क्या बोलोगे क्या नाम था सट खंडागम सट खंडागम को इन्होंने सबसे पवित्र ग्रंथ माना है किसको माना है जैन साहित्य में छ देख रहे हैं आप बारह बारह चौबीस और कितना हो गया आपका चौतीस चार अड़तीस चार बयालीस ज्यादा नहीं होगी कुछ चौदह बारह छब्बीस दो छत्तीस दो अड़तीस चार बयालीस बयालीस छह अड़तालीस ये तो क्या हो गए ज्यादा हो गए भाई क्या ले लिया मैंने बारह अंग हो गए बारह उपांग हो गए चौदह पूर्व ग्रंथ हो गए छह कहा गलती करी है हमने चौदह पूर्व ग्रंथ हो गए ठीक है बारह उपांग हो गए हमारे छह छेद सूत्र हो गए चार मूल सूत्र हो गए अच्छा बारह नहीं प्यारे बच्चे बारह अंग ले लिया मैंने उपांग नहीं दस पैन्ना है इनके कितने हैं दस पैन्ना क्या बोलते हैं दस पैन्ना है कितने हैं दस पैन्ना उपांग अंग एक साथ ही आएंगे उपांग और अंग हो गए क्या बोलेंगे टोटल कितने हो गए चौदह चौदह दस चौबीस चार चौबीस चार अट्ठाईस तीस चालीस छ छियालीस हो गए पूरे बोलेंगे भी एक बार

यहां से प्यारे बच्चे एक बात निकल के आती है जैन धर्म की शाखाएं जैसे मैंने दिगंबर लिखा ना जैन धर्म की शाखा कितनी है बोले भाई फटाफट से जैन धर्म की शाखाएं हैं भैया कितनी दो क्या बोलोगे दो एक तो है श्वेतांबर कौन लोग हैं श्वेतांबर लोग हैं ठीक है जो सफेद वस्त्र पहनते श्वेत यानी सफेद अंबर यानी कि वस्त्र और एक है दिगंबर दिगंबर जो क्या कहते हैं धन अंबर आप लोगों तो हिंदी के भी छात्र हैं तो आप तो जानते होंगे ना दिख धन अंबर ये किसके छात्र हैं क्या बोलोगे है? दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो तो श्वेतांबर जो, जो लोग थे और यहां पर कौन है दिगंबर लोग हैं तो है दिगंबर लोग कौन से हैं ये क्या बोलोगे दिगंबर लोग कौन से हैं जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और ये कैसे वस्त्र पहनते थे सफेद वस्त्र धारण करते हैं ये कैसे वस्त्र ये वस्त्र ही धारण नहीं करते ये नग्न रहते हैं दिगंबर लोगों की जो अधिकता है ये कहां पर मिलेगी आपको तो क्या बोलते हैं जब मौर्य साम्राज्य था तो उत्तर भारत में अकाल पड़ा उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो बहुत सारे जैन लोग जैन लोग कहाँ चले गए दक्षिण में चले गए जो दक्षिण में गए जो दक्षिण में गए वो कहलाए दिगंबर ये भी एक फैक्टर है और जो उत्तर में रह गए वो कहलाए श्वेतांबर क्या कहलाए श्वेतांबर इसीलिए मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताया होगा अगर याद हो आप लोगों को सुहस्तिन ये किसके लिए जाना जाता है जरा बताएंगे सुहस्तिन को क्यों जाना जाता है बोलेंगे भी फटाफट से तो आप कहेंगे भैया जो सुहस्तिन है उसको जाना जाता है कि उसने जो श्वेतांबर शाखा थी ना उत्तर की उसके लिए वो दक्षिण में गया था और वहां जाकर के उसने क्या किया था प्रचार किया था प्रचार किया था किस चीज का किस चीज का प्रचार किया था अपनी शाखा का अच्छा जो जैन धर्म है इसकी जो दो शाखाएं हैं जैसे श्वेतांबर तो सहसे याद रख लेना इसके जो प्रमुख है वो स्थूल भद्र हैं क्या बोलोगे स्थूल भद्र हैं और दिगंबर के कौन हैं प्यारे बच्चे वो भद्र बाहू हैं भद्र बाहू है मुझे बताएं जैन धर्म की संगीति कितनी हुई जैसे ऐतिहासिक रूप से प्यारे बच्चे क्या कहेंगे ऐतिहासिक रूप से बौद्धों की चार मान्य है तो जैन धर्म की कितनी संगति आप आंसर करेंगे बोलेंगे भैया फटाफट से श्वेतांबर का प्रचार किया था बहुत खूब उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाथ तो नहीं दुखे भाई लिखते लिखते ऐसा तो नहीं है कोई हमारा छात्र कमजोर सा तो याद रख लेना प्यारे बच्चे एक तो हुई तीन सो बीसी में पहली वाली पहली वाली और दूसरी बौद्ध संगति हुई पांच सौ में वैसे भी हमारा तो 80 परसेंट बच्चा कहाँ का गांव का है गांव का और गांव के बच्चे तो बड़े स्ट्रांग होते हैं ऐसा नहीं है शहर के स्ट्रांग नहीं होते लेकिन गांव के तो भैया गांव के ही होते पाटलिपुत्र में हुई दूसरी कहाँ हुई वो बल्लभी में हुई बल्लभी में हुई पाटलिपुत्र बिहार बल्लभी कहाँ है ये गुजरात में इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र क्या बोलेंगे स्थूलभद्र इस और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे देवर्धि क्षमा सिरवण क्या बोलोगे देवर्धि क्षमा सिरवण ये किसके अध्यक्ष थे ये वल्लभी के थे ठीक है <laughs> देवर्धि क्षमा सिरवण थे ठीक है चलो कोई दिक्कत प्यारे बच्चे तो ये वो सारी की सारी जरूरी बातें हैं आप लोगों के लिए जो बौद्ध धर्म के जो जैन धर्म के लिए दोनों धर्मों के लिए बहुत जरूरी है जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं ठीक है एक बार थम्सअप करेंगे ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया अब चलते हैं हम किधर आपका मौर्य वंश की तरफ किधर चलते हैं मौर्य की तरफ चलते हैं और जो मौर्य वंश हुआ आप लोगों को एक बात जाननी होगी प्यारे बच्चे वंश कहां पर शासन करता था मगध पर शासन करता था कहां पर मगध पर क्योंकि मगध की गद्दी पर पहले था हरियक वंश फिर शिशुनाग वंश फिर आया था एक नंद वंश कौन थे एक तो सबसे पहला मगध पर था हरियक वंश फिर शिशुनाग वंश आया आपका शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी हरियक वंश वो है जो बिंबिशार हरियक वंश से कौन था हरियक वंश से था बिंबिशार जो महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध और आपका स्वामी जी दोनों के समय पर था किनके समय पर था महावीर स्वामी जी और साथ में महात्मा बुद्ध जी के दोनों के समय पर था कौन वंश शिशुनाग वंश के बाद में आया प्यारे बच्चे मगध की गद्दी पर मगध राज्य था एक ये जो आज का उत्तर प्रदेश और बिहार है ना इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं मगध नंद वंश को किसने उखाड़ फेंका था आचार्य चाणक्य की मदद से किसने आपका मौरियने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी ये मौर्य वंश की स्थापना की किसकी मौर्य वंश की स्थापना की किनकी मदद से जिनको आप बोलते हैं आचार्य चाणक्य जो कहाँ पढ़ाते थे तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और क्या कर दिया था उन्होंने आप लोगों को वो किस्सा याद है ना कि उन्होंने घनानंद को किस तरह से चुनौती दी थी और वो चुनौती उन्होंने पूर्ण की एक ऐसे बच्चे को एक ऐसे बच्चे को जिन्होंने उन्होंने कुछ कर्षापण मुद्राओं में खरीदा भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाया चक्रवर्ती सम्राट बनाया था किसको आपका चंद्रगुप्त मौर्य को साधारण बच्चा एक तो कहते हैं कि भाई प्रतिभा सबके अंदर होती है आपके अंदर भी है हर उस व्यक्ति के अंदर है लेकिन जरूरत की बात होती है सही सही गाइडेंस मिल पाना और एक सही दिशा निर्देश बन पाना तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है आगे बढ़ जाता है ध्यान से देखेंगे यहां इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे जो चंद्रगुप्त मौर्य है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर आए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इनका पुत्र आया कौन आपके इनका पुत्र था बिंदुसार क्या बोलेंगे बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में प्यारे बच्चे बिंदुसार के दो बेटे थे कौन दो बेटे थे इनका बड़ा बेटा था सुशीम क्या बोलोगे सुशीम तो बड़ा पुत्र था और छोटा पुत्र कौन था आपका सम्राट अशोक जिनको आप कहते हैं अशोक कहते हैं कि भाई इन्होंने कलिंग में इतनी हत्याएं की भैया इनको तब भी महान क्यों कहा जाता है महान कहा जाता है इनके कार्यों के लिए एक बार जो इनसे पश्चाताप इन्होंने किया और पश्चाताप ये पूरी जिंदगी करते रहे और सारा काम इन्होंने फिर मानवता के कल्याण के लिए किया आप लोग एक बात सुनते होंगे कि अशोक ने अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या कर दी अप करें क्या ये कहानी आपने सुनी है तो आप लोगों को याद रखना होगा प्यारे बच्चे इन्होंने अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या नहीं की ये सिर्फ एक आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दीपदान या फिर बोले दीप वंश जिसमें वर्णन मिलता है बाकी सारे इतिहासकार इस बात से क्या है उनके पक्ष में नहीं है कि ऐसा कुछ किया क्योंकि जब अशोक ने अपने सिलालेख लिखवाए तो उस समय उनके भाई कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों में शासन कर रहे थे जिनका अशोक के शिलालेखों पर पर वर्णन मिलता यानी हत्या नहीं हुई थी हत्याएं नहीं हुई थी ठीक है तो ये काल्पनिक बात है लेकिन अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या जरूर की क्योंकि बिंदुसार चाहते थे कि सुसीम गद्दी पर बैठे लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जि गद्दी पर किनकी वजह से बैठे थे आचार्य चाणक्य की मदद से ये इनके प्रधानमंत्री थे और आचार्य चाणक्य प्रधानमंत्री सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं रहे वो किनके रहे आपका बिंदुसार के भी रहे लेकिन इन्हीं के पुत्र आपका जो प्रपोत्र थे इनके दरअसल में पोते थे राधा गुप्त राधा गुप्त ने चाल चली थी किन के लिए अशोक के लिए और किसको धोखे से मार डाला था सुसीम को ठीक है तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि अशोक ये जो संघर्ष शुरू हुआ अशोक ने अपने कुछ भाइयों की हत्या जरूर की कुछ भाइयों की हत्या की सुसीम की जो हत्या हुई सुसीम की हत्या हुई थी दो बीसी में क्या बोलोगे आज से क्या बोलेंगे आज 2022 2022 शुरू हुआ था जीरो से उससे भी दो वर्ष पहले अशोक की क्या हो गई हत्या अशोक ने हत्या करवा दी किसकी सुसीम की यानी क्या अशोक गद्दी पर प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे यस और नो क्या अशोक गद्दी पर दो बीसी में बैठ गया था यस और नो उत्तर प्रदेश में पांच महाजनपथे लविस कुमार करें रहे नहीं भैया आठ महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में आप गलत बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे दो कभी मत कहना आप लोग कहना भैया चार साल लग गए थे गद्दी पर बैठने में और फिर आते हैं गद्दी पर कौन महान सम्राट अशोक क्या बोलोगे अशोक सम्राट क्या बोलेंगे अशोक सम्राट फिर गद्दी पर आते हैं और अशोक सम्राट गद्दी पर कब आए दो बीसी से लेकर के और दो बत्तीस बीसी तक रहे आप लोग मुझे बताएं कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया पहला क्वेश्चन तो यही है ठीक है पहला क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे यही है इनका जन्म आप मुझे बताएं जन्म पिता बताएं पिता कौन है पिता आप लोग जान ही चुके पिता नहीं पूछते हैं माता बताएं माता कौन है इनकी माता और प्यारे बच्चे इनके जो नाम के अभिलेख हैं क्या बोलेंगे इनके नाम के जो अभिलेख है क्या बोलेंगे नाम के अभिलेख कौन कौन से हैं तो उम्मीद करूंगा आप सब लोगों का एक शानदार सा जवाब आएगा शानदार सा जवाब आएगा बहुत सारे बच्चों ने लिखा सैतीस वर्ष सैंतीस वर्ष सैंतीस वर्ष कोई कोई इनको उल्टा घटा रहा है भैया उल्टा घटा रहा है देखो दो से दो इस गैप को कम करो आगे चलो कितना है नौ में से दो गए सीधे सीधे छह में से तीन गए तीन सैंतीस वर्ष 33 वर्ष जन्म हुआ तीन सौ चार में ये ये भी बन सकता है कितनी उम्र में गद्दी पर बैठे अब ये बताओ फटाफट से कितनी अवस्था में ये गद्दी पर बैठे सभी बच्चों से प्रशन है भैया हर एक बच्चे के लिए कमांड है आदेश है हर बच्चा जवाब देगा कि ये गद्दी पर किस वर्ष में बैठे इनके नाम के अभिलेख हैं आपके क्या बोलोगे माशकी मास्की अभिलेख हो गया आपका उदय गोलान अभिलेख हो गया उदय गोलान अभिलेख हो गया जहाँ से सम्राट अशोक के बारे में पता चलता है नेटूर अभिलेख हो गया क्या बोलोगे नेटूर अभिलेख हो गया गुर्जरा अभिलेख हो गया आपका गुर्जरा जहाँ से इनके बारे में पता चलता है मास की पहली बात तो पूछा जाएगा कहाँ का कर्नाटक कर्नाटक नेटूर कहाँ का कर्नाटक और प्यारे बच्चे गुर्जरा का एम है यहाँ से सम्राट अशोक का नाम अशोक या फिर देवनाम प्रियदस्सी हमको पता चलता है क्या अशोक के बारे में पता चलता है और याद रख लेना देव नाम प्रियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय ये किसका नाम है ये सम्राट अशोक का नाम है ठीक है लेकिन प्यारे बच्चे फिर से वही बात मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अशोक के बारे में यह श्योर कब हुआ कि ये वही अशोक अशोक तो कोई भी हो सकता है लेकिन ये बात कब श्योर हुई कि यही वो अशोक हैं जो मगध की गद्दी पर थे तो खुद को मगध का सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में कहा खुद को मगध का सम्राट किसने सम्राट किस अभिलेख में कहा प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे भैया जी वो भवरू है क्या बोलोगे वो भवरू अभिलेख है और भवरू अभिलेख कहां का है ये हमारा भैया राजस्थान का है तो इसमें इन्होंने क्या कह दिया खुद को खुद को कह दिया मगध का सम्राट ठीक है अच्छा जो अशोक के अभिलेख हैं वो सबसे पहले खोजे किसने थे अशोक के अभिलेख किसने खोजे सबसे पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है जब हम किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी करते हैं ग्रुप सी या ग्रुप डी की तो आप कहेंगे खोजे थे जी टी फैंथेलर किस ने किसने खोजे थे टी फैंथेलर ने खोजे थे और प्यारे बच्चे याद रख लेना ये जो खोजे और ये पढ़े किसने पढ़े किसने थे तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े किसने पढ़े जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े और टी फैंथेलर ने इनको 1750 में खोजा जेम्स प्रिंसेप ने इनको 1837 में ये इंपोर्टेंट मार्क करें आप चलो कोई दिक्कत इतनी बात में यहां तक की बात में किसी भी प्यारे बच्चे को कोई परेशानी नहीं, नहीं होनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो एक और बात आप लोग बताएं अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी अशोक ने जो अपने प्यारे बच्चे एडिक्ट लिखवाए एडिक्ट बोलते हैं इनको अभिलेख की भाषा तो कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये आता होगा भैया अभिलेख क्या है अभिलेख का मतलब है प्यारे बच्चे ऐसा कोई साक्ष्य है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा जाए कोई एडिक्ट इसको चाहे पत्ते पर लिख करके छोड़ा जाए इसको पत्थरों पर लिखा जाता था तो इसको बोलते थे रॉक एडिक्ट जब इसको स्तंभ काट करके पिलर होते हैं ना जिसपे आपके घर की दीवारें टिकी हुई होती हैं स्तंभ इसको बोलते हैं पिलर एडिक्ट गुफाओं में लिखवा दिए केव एडिक्ट ठीक है तो इनको गुफाओं में लिखवाया गया पत्थरों पर लिखाया गया तो शिला रॉक एडिक्ट ये कहलाए के अभिलेखों की भाषा कौन सी है तो ब्राह्मी लिपि क्या बोलोगे अगर नहीं पूछे ना कभी भी कि कौन सी जगह तो तब भी ब्राह्मी लिपि लिखना मार्क कर लो इस बात को लिख लो अगर स्थान ना दे तब भी ब्राह्मी लिपि हमको लिखना है क्योंकि ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल कहाँ हुआ है भारत में अच्छा खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल कहा हुआ खरोष्टी लिपि का ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में आरमाइक लिपि का कहा इस्तेमाल हुआ का थोड़ा और आगे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में और जो तुर्की वाला इलाका हुआ एशिया माइनर वाला जो इलाका था वहां अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए तो आप कहेंगे वो ग्रीक भाषा में लिखवाए थे किसमें ग्रीक भाषा में लिखवाए थे चलो कोई दिक्कत अच्छा एक प्रश्न पूछूं जिस पर मैंने पहले से जोड़ दिया सम्राट अशोक अपनी किस पत्नी से प्रभावित थे कमेंट सेक्शन में उम्मीद करता हूँ हर बच्चे बच्चे का आंसर आएगा नहीं आएगा तो जाने इनकी जो पत्नी थी इनकी पत्नी का नाम था कारुवाकी क्या बोलोगे कारुवाकी जिससे प्रभावित थे ठीक है और कारुवाकी से इनका पुत्र भी पैदा हुआ था इनके पुत्र का क्या नाम था तीवर क्या बोलेंगे तीवर लेकिन प्यारे बच्चे इनका जो उत्तराधिकारी हुआ कुणाल कुणाल कौन है इनके पुत्र का नाम कुणाल कौन है पुत्र का नाम अब मुझे बताओ कुणाल की माता का क्या नाम था फटाफट से बताएंगे कुणाल की माता का क्या नाम था सारे बच्चे बोलेंगे एक बार कुणाल की जो माता थी उनका क्या नाम था चलो बे। <laughs> कुणाल की जो माता थी उनका क्या नाम था और कुछ बच्चों का आंसर एकदम गलत आता हुआ महादेवी नहीं पद्मावती वाले सारे ठीक है क्या बोलोगे पद्मावती क्योंकि कुणाल क्यों इंपोर्टेंट है जानते है ना इस बात को क्योंकि सम्राट अशोक के बाद में उनका उत्तराधिकारी आपसे प्रश्न में पूछे जाने का बहुत वेटेज है इसका बहुत पूछ सकता है क्योंकि सम्राट अशोक आपको एक टॉपिक दिया है मौर्य वंश आपका टॉपिक नहीं है तो क्या बोलेंगे कुणाल कौन था उत्तराधिकारी था ये कभी मत भूलना और एक इनकी दूसरी मा कौन थी पत्नी थी कौन क्या नाम था उनका महादेवी जिनसे संगमित्रा जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा बेटी थी ठीक है और इनके पुत्र का क्या नाम था जिसको इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा बोले भाई एक इनकी पत्नी वही महादेवी से इनकी पत्नी महादेवी से इनकी बेटी पैदा हुई थी चारुमती पुत्र का नाम महेंद्र था बहुत खूब भाई बहुत खूब ये सारी बात याद रखेंगे अशोक ने शिलालेख कितने लिखवाए तो आप कहेंगे शिलालेख भैया जी अशोक के जो रॉक एडिक्ट है, उनकी संख्या चौदह थी जो पिलर एडिक्ट थे पिलर एडिक्ट बोले तो जो स्तंभ स्तंभ लेख लेख हैं, की संख्या कितनी थी वो सात थी और केव एडिक्ट कितने थे जो गुफाओं में लिखवाए गुहा लेख इनकी संख्या कितनी थी प्यारे बच्चे भैया जी तीन थी कितनी थी तीन थी क्या मुझे अशोक के शिलालेख चौदह के चौदह आपको याद है किस शिलालेख में क्या कहा गया है उत्साह के साथ एक बार थम्सअप करें तो मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ पहले में क्या बताया गया मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा आप कहेंगे भैया जो पशु बलि है जो पशु बलि है उसकी क्या की गई थी निंदा की गई थी निंदा की गई थी और क्या बोला था समस्त जो प्रजा है प्रजा समस्त प्रजा जो है प्रजा मेरी संतान है क्या बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है समस्त प्रजा क्या है मेरी संतान है अच्छा दूसरी बात करते हैं दूसरी में क्या बोला गया पशु चिकित्सालय खुलवाए इन्होंने पशु चिकित्सालय खुलवाए और पशु चिकित्सालय के साथ में प्यारे बच्चे किसकी बात की थी बात की थी दक्षिण राज्यों की नाम आपसे बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं चेर चोल पांडे आपका केरल पुत्र था सत्य पुत्र था लेकिन दक्षिण राज्यों का उल्लेख किस में किया है ये दूसरे शिलालेख में किया है ठीक है तीन में क्या थे तीन अधिकारी थे तीन अधिकारी कितने वर्ष में भ्रमण पर जाते थे भैया बोले जरा कौन कितने वर्ष में वो भ्रमण पर जाते थे रज्जुक प्रदेशक और युक्तक युक्तक ठीक है प्रदेशक और युक्तक यूपीपीसीएस परीक्षा इनका क्रम पूछ चुकी है कि किस क्रम में अधिकारी थे ठीक है चौथे में क्या बोले भेरी घोष के आधार पर भेरी घोष की जगह धम्म घोष अभी पढ़कर आए थे ना धम्म क्या होता है धम्म मार्ग बताया मैंने आपको यानी भेरी घोष जो थी वो बड़े योद्धा शासक थे सम्राट अशोक उनको लगता उनके पड़ोस में कोई शासक उभर रहा है तो कहते हैं कि उन्होंने उसको रौंद डाला सम्राट अशोक के अगर मैं राज्य की तुम्हें बात बताऊं ना देखो मैप से समझना सम्राट अशोक के मैं राज्य की बात आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चे इधर से लेकर के इधर से लेकर के ये हिस्सा बचा हुआ था बाकी बाकी ये सारा हिस्सा किसका था ये हिस्सा किन का था ये सम्राट अशोक के क्षेत्र था समझ सकते हो ये दक्षिण के राज्य जो बचे हुए थे ना चेर चोल पांडे सिर्फ इतने राज्य बचे हुए थे कोई दिक्कत बोलो भाई फटाफट से तो पहले ये बड़ा युद्ध प्रिय था युद्ध प्रिय यानी भेरी घोष इसकी नीति थी युद्ध की नीति लेकिन बाद में कैसे बोले युद्ध नहीं अब बुद्ध युद्ध नहीं अब बुद्ध होंगे ठीक है क्या बोलेंगे युद्ध नहीं अब बुद्ध होंगे सर जी एक बार रिपीट कर दिया करें बेटा मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूं इन पीटी वालों को यह इतिहास चौथी बार रिपीट कर रहा हूं मैं तुम एक बार रिपीट करने की बात कर रहे हो फोर्थ टाइम है तीन बार तो मुख्य ही पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से चलो यहां तक की बात में कोई दिक्कत और जो थोड़ा पुराना होगा ना जो पीईटी से पहले पढ़ लिया होगा उसको शायद मैं बीसवीं बार पढ़ा रहा हूं ठीक है धम्म महामात्र की नियुक्ति किसकी धम्म महामात्र की नियुक्ति किसमें की गई जो धम्म के प्रचार के लिए काम करेगा वो धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई आपका पांच में ठीक है छह में क्या बताया गया आत्म नियंत्रण को बताया गया और कभी मत भूलना इसी में बात की गई कि जनहित की जो बात है वो मेरे पास में किसी भी हालत में हूँ मेरे पास पहुँचाओ मेरे पास पहुँचाओ सातवें में सब लोगों को मिलकर के रहने की सलाह दी धार्मिक समन्वय का धार्मिक समन्वय का संदेश दिया आठ में प्यारे बच्चे धम्म यात्रा बताई अशोक ने क्या बोलते हैं इसने धम्म यात्राएं की और उन सभी स्थलों पर यह गया जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे जैसे बौद्ध गया गया कौन से अपने राज्यभिषेक के दसवें वर्ष दसवें वर्ष राज्यभिषेक बोले तो 259 फिफ्टी बीसी में और प्यारे बच्चे महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी भी गया अपने जन्म के बीसवें वर्ष गए कौन से वर्ष बीसवें वर्ष यानी कि दो सौ में अपने जन्म के कौन से वर्ष बीसवें वर्ष तो बीसवें वर्ष से क्या मतलब है प्यारे बच्चे क्या कहेंगे धम्म धम्म महामात्र ये किसमें बोल दिया आठ में नौवे में क्या कहा गया दास सेवक सब बराबर जो अनुचर हैं इन सब से कैसा बात करेंगे श्री भाव से बात करें यानी सम्मान दें पूरा श्री भाव यानी कि इनको नीचा ना समझें सम्मान दें श्री भाव सम्मान इनको देना होगा दस में बात की प्यारे बच्चे यश और कीर्ति के लिए कार्य और यहाँ पर मैं आपको जीवन का एक संदेश देना चाहूंगा यश और कीर्ति के लिए तो मैं आपसे हमेशा भी कहता हूं जो नए बच्चे हैं उनके लिए है ये यश और कीर्ति के लिए कार्य है तो ठीक है तो प्यारे बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि पैसा आपके साथ नहीं जाता है पैसा आपके साथ नहीं जाता लेकिन जब तक पैसा आपके पास रहता है धन आपके पास रहता है शक्ति वैभव आपके पास रहता है वो आपके काम बहुत आते हैं आपकी ज़िंदगी में ये बात आपको याद रख लेनी है तो याद रख लेना प्यारे बच्चे आप जब चले जाएंगे ना आप जब चले जाएंगे तो आप बेशक लेकर कुछ नहीं जाएंगे लेकिन आप एक चीज़ छोड़ करके जाएंगे वो होगा यश क्या होगा कीर्ति तो आप हमेशा हर एक पल आपके जीवन का हर एक डिसीजन इस बात को लेकर के होना चाहिए कि आपके आगे आने वाली जिंदगी आगे आने वाली पीढ़ियां आपको किस तरह से याद करेंगी कभी भी आपने कोई गलत कृत्य किया ना तो आप लोग सोच लेना आप गांव या कहीं भी आप जाने जाएंगे उस कु, कु कर्म के लिए उस आपका गलत कार्य के लिए उस गलत डिसीजन के लिए आप जाने जाएंगे लेकिन आपका जो डिसीजन है ना वो जो बेहतरीन होगा आप उसी के लिए जाने जाएंगे ठीक है ध्यान देख लेना यश और कीर्ति के लिए कार्य कह रहे जी बौद्ध गया क्यों गए थे भैया बौद्ध धर्म से इनको लगाव हो गया था अभी बताऊंगा मैं ठीक है जी अभी बताएंगे यश और कीर्ति के लिए इन्होंने कार्य किया यश और कीर्ति के लिए कार्य करने के लिए क्या दे दिया इन्होंने निर्देश दिया और ग्यारह में क्या बोले दान चर्चा दान चर्चा की बात की गई धम्म नीति की बात की गई बारे में प्यारे बच्चे क्या बोले अकारण धर्म की विशेषता कोई नहीं बताएगा अकारण धम्म की विशेषता नहीं बेवजह ऐसे ही धम्म को बखानना नहीं है तार्किक रूप से बात करनी है कारण धम्म की विशेषता नहीं या किसी और धम्म में भी कमी नहीं बतानी है धर्म में तेहरे में क्या बताया गया कलिंग युद्ध और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है ठीक है कलिंग युद्ध किस में बताया गया तेहरे में मुझे बताओ कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया एक, एक प्यारे दोस्त का आंसर आना चाहिए तो आप कहेंगे मिश्रा जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे ऐसे कमेंट मत करना क्लास में प्लीज कभी मत करो ऐसे आचल जी आप कहाँ से हैं विनर्भ निवेदन है प्यारे बच्चे माने तो ठीक ना माने तो ठीक कलिंग युद्ध पढ़ लो तुम यार प्लीज बहुत काम आएगा तुम्हारे तो क्या बोलोगे कलिंग युद्ध हुआ था गद्दी पर बैठने के आठवें वर्ष कौन से वर्ष गद्दी पर बैठने के आठवें वर्ष हुआ था आठवें वर्ष अर्थात यानी कि दो सौ बीसी में हुआ ठीक है और जो कलिंग की कैपिटल थी वो क्या थी कलिंग की कैपिटल क्या थी प्यारे बच्चे तोसली थी बहुत पूछा जाता है कारण जानते हो ना मैंने क्या बताया था एक कहानी बताती है कि इसने हाथियों के लिए युद्ध किया हाथियों के लिए एक कहानी बताती है इसको वहां पर माया से प्यार हो गया प्यार हो गया तो रिश्ता मांगने सम्राट अशोक जब पहुंचे अनुचर तो उन्होंने मना कर दिया बोले हम कलिंग से बाहर अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते तो पूरा कलिंग खड़ा हो गया महिलाएं तलवार लेकर के खड़ी हो गई जब युद्ध की घोषणा हुई कहते हैं कि एक ही दिन में सबसे भयावह दृश्य है और लगभग सत्तर हजार गर्दने काट दी गई उन्हीं सत्तर हजार गर्दनों में एक गर्दन बताते हैं अशोक की प्रेमिका की भी थी और कहते हैं कि भाई इतना बड़ा वो दृश्य देख करके बहुत से लोग उस बात को काल्पनिक बताते हैं और कहते हैं अशोक ने जब ऐसा दृश्य देखा तो वहीं बैठ गए और बोले कि आज के बाद क्या युद्ध नहीं अब बुद्ध होगा यही वो घटना थी कि क्या एकदम से ही बुद्ध बन गए थे नहीं बौद्ध बनने के विचार इनके मन में पहले से चल रहे थे बौद्ध धर्म की तरफ ये पहले से आशक्त थे आसक्त तो बोलते अनुरक्ति हो जाना झुकाव हो जाना लगाव हो जाना तो इस तरह से लगाव हो जाना कोई जो इनको प्रेरणा कहाँ से मिल गई थी इनके भतीजे से जब इनके भतीजे से इनकी एक बार मुलाकात हो जाती है निगरोध से इनके भाई का क्या नाम था सुसीम कहाँ के गवर्नर थे मौलोवी फटाफट से तक्षशिला भेजा गया था ना इनको विद्रोह कहाँ हुआ था इनके समय पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वही सुसीम जिसको दबाने के लिए भेजा गया था तो उसी सुसीम का बेटा था सुसीम की तो हत्या हो गई और उनका बच्चा बन गया बहुत भिक्षु बौद्ध भिक्षु एक दिन घूमते घूमते सम्राट अशोक के सामने आया और बौद्ध भिक्षु ने जब सब बच्चों के जवाब दिए सारे दरबारियों के जवाब दिए सम्राट अशोक के प्रश्नों के जवाब दिए तो सम्राट अशोक अपना कहते हैं आधा राज्य देने को तैयार हो गए निगरोध को लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसको त्याग चुके हैं क्या हो चुके हैं इसको हम अब त्याग चुके हैं ठीक है कोई भी दिक्कत तो कलिंग की राजधानी याद रखें कलिंग की राजधानी याद रखें राजा भी याद रखें महापद्मनाभ और दया नदी के किनारे ये लड़ा गया था क्या बोलेंगे दया नदी के किनारे ये लड़ा गया था ठीक है जी कोई भी दिक्कत कोई परेशानी चलो हाँ खाना खा लिया मैंने चलती क्लास में खाना कैसे खा लूंगा भैया मैं तो तुम्हें सही बताऊं मैंने तो कल शाम भी नहीं खाया कल शाम क्यों नहीं खाया क्योंकि हमारे घर के चले गए सैटरडे घर सैटरडे हमारे घर के चले जाते हैं घर तो सैटरडे के बाद में फिर आज संडे सुबह हमें सुबह भी खाने को नहीं मिला तो खाएंगे क्लास के बाद में बढ़िया तरीके से जबरदस्त जब क्लास हो जाएगी तब खतरनाक तरीके से खाना होता है ना ऐसे खाएंगे ठीक है भैया ये कितने हो गए तेरह सिलाालेख हो गए आपका ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे पूछे चौदहवें सिला लेख में किसका किसका मैसेज दिया गया है वो सद्भावना का मैसेज दिया गया है किसका सद्भावना अच्छी भावना सत्यधन भावना अच्छा जो मैंने बोला बौद्ध धर्म के लिए जो इनको प्रेरणा मिली बौद्ध धर्म की दो चीजें पूछी जाती हैं इनको प्रेरणा जो मैं अभी किस्सा आपको सुना रहा था वो प्रेरणा किससे लिए इन्होंने निगरोध से लिए किससे निगरोध से और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं यही दीक्षा इन्होंने किससे लिए बौद्ध धर्म के लिए दीक्षा ये इन्होंने लिए किससे उपगुप्त से किससे उपगुप्त से लिए ठीक है चलो भाई कोई परेशानी अशोक के साथ स्तंभ लेख आप लोग याद रख लेना और उनके बारे में बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत भी महत्वपूर्ण वो नहीं है क्योंकि स्तंभ लेख से प्रश्न नहीं पूछे जाते कभी भी स्तंभ लेख सो आप लोग ऐसे ही याद रखें सात स्तंभ लेख कौन कौन से हैं एक दिल्ली टोपरा है जो क्योंकि टोपरा में था टोपरा से कहाँ लाया गया दिल्ली लाया गया ठीक है कौन लेकर के आया था बताना जरा एक मेरठ इनका स्तंभ लेख था जिसको दिल्ली लाया गया एक आपका कोशाम्बी है कहां पर कोशाम्बी अभिलेख है और एक है प्यारे बच्चे बिहार के लोरिया अरारेज क्या बोलोगे लोरिया अरारेज और साथ में आपका क्या था लोरिया अरारेज और लोरिया नंदनगढ़ क्या बोलोगे लोरिया नंदनगढ़ लोरिया नंदनगढ़ ये पांचवा है रामपुरवा ये भी बिहार का है रामपुरवा अभिलेख सॉरी स्तंभ लेख और साथ में अशोक स्तंभ क्या बोलोगे अशोक स्तंभ ये हमेशा याद रखें अशोक स्तंभ ठीक है सात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ नाम याद रखें लोरिया अरारेज और ये कहां के हैं ये बिहार के हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनके गुहा लेख याद रख लेना पीईटी परीक्षा के लिए इन पर तीरे नजर रखना तुम किस पर गुहा लेख पर और गोहा लेख की बात करते हैं प्यारे बच्चे गुफा में इन्होंने बनवाई झोपड़िया सुदामा विश्व चौपार चौपार और साथ में आपका कर्ण क्या बोलोगे कर्ण बाद में इनके पोते ने भी काम करवाया था इनमें कर्ण ठीक है जी कोई दिक्कत तो ये मौर्य वंश है आपका और ये वो सारी चीजें सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जो सम्राट अशोक से संबंधित हैं किन से संबंधित है सम्राट अशोक से अच्छा अशोक के उत्तराधिकारी याद है ना और इसी मौर्य वंश के क्योंकि अशोक का संबंध मौर्य वंश से है तो मौर्य वंश से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है अंतिम शासक आप कहेंगे भैया बृहदरथ है भरह हैं भैया बारीक निगाह से पढ़ रहे हो ना बारीक निगाह से मेरी बात सुनते हुए बारीक निगाह से मार्क कर रहे हो ना चीजों को बोलो भी फटाफट से बहुत बढ़िया बहुत खूब बहुत शानदार सांची का स्तूप किसने बनवाया इन्होंने बनवाया भैया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप इन्हीं का है देखो दो स्तूप है आपके एक तो सांची का स्तूप याद रखो आप लोग साथ में और एक याद रखो आप लोग कहां का धमेक को भी याद रख लेना सांची का स्तूप किसने बनवाया आपसे पूछे सम्राट अशोक ने एमपी में धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में सारनाथ में किसने बनवाया ये अशोक ने लेकिन अगर भरहूत पूछ ले पुस्तक कौन सा किसने नहीं बनवाया आपका क्या बोलेंगे कौन सा आपका अशोक ने नहीं बनवाया और उसके लिए हमेशा प्रश्न आया है प्रश्न आया है आपका क्या बोलोगे कि उसमें एक विकल्प देता है आपको क्या बोलेंगे वो विकल्प होगा आपका भरहूत भरभूत स्तूप किसने बनवाया है वो पुष्यमित्र सुंग ने बनवाया है क्या बोलेंगे बोलेंगे भाई फटाफट से किसके प्रभाव में आकर के पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए वो उपगुप्त हैं प्यारे बच्चे जो बौद्ध भुक्ष लिया उन्होंने क्या बोलेंगे बौद्ध भिक्षु जो ये बने मतलब भिक्षु तो नहीं बन पाए लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने लग गए याद रख लेना इन्होंने अपने पुत्र संगमित्रा पुत्री संगमित्रा को और पुत्र महेंद्र को भेजा है ठीक है मज्म और मज्झांतिक को इन्होंने उत्तर दिशाओं में भेजा उत्तर दिशाओं में भेजा बहुत बढ़िया कोसाम्बी स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहते हैं बिल्कुल कहते हैं अच्छा भैया क्या इसके चौरासी हजार स्तूप तुड़वा दिए थे बिल्कुल तुड़वा दिए थे किसने तुड़वा दिए थे पुष्यमित्र सुंग ने तब एक बनवाया था आपका बहुत बढ़िया अंतिम शासक एक बच्चे ने लिखा है मौर्य वंश बृहद्रथ से शुरू और सबसे बड़ी बात है जो मगध है ना मगध मौर्य नहीं मगध जो है वो बृहद्रथ से शुरू हुआ और खत्म भी किस पर हुआ बृहद्रथ पर ही हुआ चलो भाई काजल तिवारी कह रही है पागल हैं ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं अच्छा तुम्हें बहुत पता है भाई सबकी कौन पागल है कौन नहीं है ऐसा मत बोलो भाई बच्चों को इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं तुम कह रहे हो पढ़ नहीं रहे हो देख रहे हो भाई काजल को चलो भैया आगे बोलेंगे फटाफट से तो सम्राट अशोक और फिर भैया गुप्त काल के दो शासक और हर्षवर्धन ये छोटे छोटे से टॉपिक और फिर शुरू हमारी हमारी क्या स्पीड वाली स्पीड वाली क्लास तो गुप्त काल की बात आती है गुप्त काल में आपको हमेशा बताता हूं 319 एडी से लेकर के कहां तक है 540 एडी तक का तो ये गुप्त काल था गुप्त काल जिसको हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं क्या बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं आप लोगों से मेरा प्रश्न है आप लोग अपने मस्तिष्क में सोचें क्यों कहते हैं इसको गोल्डन पीरियड स्वर्ण काल क्या इस समय पर सोना ज्यादा पाया जाता था है? इसलिए नहीं इस काल में सोने जैसे आदमी बहुत पाए जाते थे कैसे आदमी सोने जैसे आदमी बहुत पाए जाते थे और ये सोने जैसे आदमी कौन होते हैं ज्ञानी व्यक्ति आर्यभट्ट जैसे लोग वराहमीर जैसे गणित जो ये अंग्रेज जिस बात पर इतराते हैं ना जो हमारे भारतीय मनीषियों ने दिया वो मनीषी पैदा हुए विद्वान व्यक्ति पैदा हुए कब आपके गुप्त काल में मैक्सिमम लोग वराहमीर तो और साथ में आप लोगों को याद रखना होगा कौन चिकित्सक थे धनवंतरी जैसे बड़े चिकित्सक इसी समय पैदा हुए आपका भैया शुरू करते हैं अच्छा आप लोग बताएं मुझे जो गुप्त काल है इसके संस्थापक कौन थे दोनों चीजें आएंगी प्यारे बच्चे यहां भी संस्थापक भी और वास्तविक संस्थापक भी जो एक गुप्त काल है वास्तविक संस्थापक भी तो भैया क्या गुप्त काल हमारा टॉपिक है नहीं 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 नहीं। टॉपिक है आपका क्या समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो संस्थापक थे इसके संस्थापक कौन थे आपका बोले भैया फटाफट से संस्थापक थे इसके श्रीगुप्त क्या बोलोगे श्रीगुप्त श्रीगुप्त के बाद में गद्दी पर बैठे कौन घटोत्कच लेकिन इतना प्रभाव नहीं रहा प्रभाव आया कौन जब वास्तविक शासक आए आपके चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर आए आपका 319 में कब आए 319 से और 335 एडी तक रहे ये वर्ष के बारे में बहुत सारी किताबों में बहुत गलत गलत लिख रखा है और हमारी किताब में आप देखेंगे तो इसमें क्या है इस वर्ष में गड़बड़ आप लोग उसको एडिट कर लेना ठीक है क्योंकि इसके बारे में मिथ बहुत है तो बहुत है और बहुत सारी चीजें क्या हैं इसके बारे में अलग अलग रिसोर्स बताते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम आए गद्दी पर और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में गद्दी पर कौन आया आपका फिर आया समुद्रगुप्त क्या बोलेंगे समुद्रगुप्त और ये किसी धोखे से नहीं बैठे इन्होंने ये साम्राज्य इनको सौंपा अपनी स्वेच्छा से और भी पुत्र थे इनके लेकिन समुद्रगुप्त से बड़े भाई भी थे इनके ठीक है लेकिन सौंपा किसको साम्राज्य समुद्र गुप्त को क्योंकि वो जानते थे इस व्यक्ति में कैलिबर है। इसमें वो ऊर्जा है वो उत्साह इसके अंदर है। ये क्या है ये कुछ करेगा किसके लिए और किसके लिए गुप्त साम्राज्य के लिए तो बोलो समुद्रगुप्त ने किया या नहीं किया आप कहेंगे भैया समुद्रगुप्त ने किया और बहुत शानदार किया राजाओं को पकड़ा साम्राज्य विस्तार किया हराया ऐसे गर्दन पकड़ी राजा की बोलो भैया तुम हार चुके हो बोले हां जी हार चुके ठीक है अपना राज्य ले जाओ इस तरह से हराया है अपनी मतलब कैलिबर को ऐसे दिखाया कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं इस भारतवर्ष में और ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो समुद्रगुप्त को भारत में हरा पाया हो ठीक है कोई भी नहीं हुआ ऐसा ध्यान से देखना तो समुद्रगुप्त गद्दी पर आता है 335 में जिसके लिए कई जगह आपको 350 लिखा मिलेगा जो एकदम गलत है 350 एडी अच्छा समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं बोले भी फटाफट से समुद्रगुप्त के पहले तो माता का नाम बताएं मुझे और फिर इनकी पत्नी का नाम बताएं फिर इनकी पत्नी का नाम बताएं ठीक है और साथ में आप क्या बताएंगे मुझे इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे इनकी माता का नाम क्या था क्या बोलोगे जिनकी याद में चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त गुप्त में चंद्रगुप्त नहीं नेपोलियन को पकड़ ज्यादा रहे हैं माता दत्ता देवी नहीं है दत्ता देवी इनकी पत्नी है कुमार देवी बहुत खूब इनकी माता कौन थी कुमार देवी इनकी माता है क्या बोलोगे कुमार देवी इनकी माता है और इनकी पत्नी का नाम क्या है दत्ता देवी वाइफ कौन थी इनकी दत्ता देवी थी अन्य नाम कौन कौन से हैं भैया इनके अन्य नामों में इनका नाम आता है प्यारे बच्चे भारत का नेपोलियन किसने कहा था किस पुस्तक में कहा था याद है विंसेंट स्मिथ ने कहा था किसने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था ठीक है अच्छा और कौन कौन से नाम है इनके क्या बोलते धरणी बंध किसको कहा जाता है धरणी बंध पूरी धरती को बांध दिया पूरी धरती को बांध दिया व्याघ्र पराक्रम किसको कहा गया है क्या बोलते हैं शेर के जैसा वीर क्या बोलते हैं शेर के जैसा वीर किसको कहा गया है इन्हीं को कहा गया ठीक है और परम भागवत किसकी उपाधि थी इन्हीं की उपाधि है परम भागवत परम क्रमाकिस किसकी उपाधि है परम क्रमाक इन्हीं की उपाधि है और देवते किसके थे ये किसके देवते थे लिच्छवियों के लिच्छवी दोहित्र इसी की वजह से इनको कहा गया दोहित्र मतलब होता देवता बेटी का बेटा बेटी का बेटा ठीक है अन्य नाम अच्छा इनकी नीति नोट करना इनकी नीति कौन कौन सी थी इन्होंने दो नीतियों का पालन किया है पहली नीति थी इनकी ग्रहण मोक्षनुग्रह क्या बोलोगे ग्रहण मोक्षनु ग्रहण मोक्षनु ग्रह और दूसरी नीति थी प्यारे बच्चे इनकी क्या बोधरण क्या बोलोगे बोधरण ये क्या नीति थी ध्यान से देखना ग्रहण मोक्षनुग्रह आप सब प्यारे बच्चों को पता होगा इन्होंने नौ प्लस बारह राजाओं को हराया पता है भाई नहीं पता है बोलो इन्होंने कितने राजाओं को हराया नौ प्लस बारह राजाओं को हराया यानी कि नौ कहाँ के थे आपका उत्तर भारत के थे और बारह कहाँ के थे दक्षिण भारत के थे तो दक्षिण भारत के राजाओं को इन्होंने खुद में नहीं मिलाया ग्रहण मोक्ष मुद्रा ग्रह की नीति इनको किसके लिए थी दक्षिण राज्य के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह किसमें दक्षिण राज्य के लिए यानी क्या बोलते थे जीतकर उन्हीं को सौंप देना जीतकर उन्हीं को सौंप देना और एक प्रश्न पूछा है आपका यूपिटर प्ले के द्वारा ही कैसे कि जो मोक्षनु ग्रह थी यानी जो इनकी नीति थी ये किससे प्रभावित थी ये चाणक्य नीति थी आचार्य चाणक्य की नीति थी कि आप दुश्मन को वो किसी भी तरह का अगर प्रयास करता है उसको हराएं और उसका राज्य उसी को सौंप दे कोई दिक्कत नहीं है परसव बोद्धरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे परसव बोद्धरण क्या थी राज्य में मिला लेना राज्य में बलपूर्वक मिला लेना किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला लेना ये प्रसव बोधरण कहलाता था ठीक है कोई दिक्कत है इस बात में कोई भी दिक्कत अब मैंने बोला आप लोगों से कि इन्होंने इन्होंने क्या किया आपका नौ प्लस बारह राजाओं को हराया इसका वर्णन हमको कहा मिलता है सर जी आपने पीडीएफ में माता दत्ता देवी को बताया है माता दत्ता देवी बताई है मैंने भैया गलती से लिख दिया होगा फिर रियली really सॉरी माता इनकी माता इनकी माता तो यार चंद्रगुप्त इनके पिता है चंद्रगुप्त की पत्नी कौन थी आपका कुमार देवी थी जिनके लिए उन्होंने राजा रानी का सिक्का भी चलाया है ठीक है एडिट कर लेना अगर ऐसा कुछ है तो सॉरी अगर लिख गया है ऐसा तो कभी कभी हो जाता है मतलब लगता है कि हम कुछ और बात करते करते हम कुछ और हो जाता है ठीक है ऊपर दिखाएं भैया कमेंट दिखाओ क्या कह रही हैं खाकी बैच में ये बताया था क्रम देख लेना अरे क्रम नहीं बता रहा हूँ मैं क्रम से कोई मतलब नहीं है ठीक है रज्जुग प्रदेशक युग तक यही आपका क्रम है आगे पीछे कर लो इसका कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आगनी आगे आएंगे क्या बोलेंगे ये किस में बताया गया है आपका ये बताया गया है क्या बोलेंगे जो इनकी विजय का उल्लेख है किसकी समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख यह में किया गया है ये किया गया है भैया किस में आपका क्या बोलेंगे किस में किया गया है आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस में प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है और ये किस भाषा में लिखा गया था ये आप बताएं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में संस्कृत भाषा में लिखा गया और संस्कृत भाषा में किसने लिखा इसको हरिशेण ने लिखा किसने लिखा हरीशेण ने लिखा और हरिशेण ने क्या लिखा इनको हरिशेण ने लिखा संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बड़ा चढ़ा के लिख दिया भैया संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला या हो गई या नहीं होगी गई पूरी पृथ्वी जीत ली संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला ठीक है ये बात आप लोग याद रखेंगे ठीक है अच्छा इसी के इसी के द्वारा हरिसेण के द्वारा ही इनका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया कि इनको कहा गया क्या कविराज कविता पसंद प्रिय व्यक्ति थे कौन समुद्रगुप्त और कौन सा यंत्र बजाते हुए इनको दिखाया गया है वीणा बजाते हुए क्या दिखाते हुए वीणा बजाते हुए कौन से भारत के शासक को दर्शाया गया है वो समुद्रगुप्त है क्या बोलोगे वो कौन है भैया वो समुद्रगुप्त है ठीक है मुझे बताएं आप लोग समुद्रगुप्त के जो भाई थे क्या बोलेंगे समुद्रगुप्त के जो भाई थे इनके इनके भाई का क्या नाम था या भाई छोड़ो इनके सीधे बात करते हैं भाई की बात ही नहीं हो सॉरी भाई बोल रहा हूँ इनके पुत्रों की बात है समुद्रगुप्त की तरह बोले भाई फटाफट से हाँ ऐसी है बिल्कुल क्या बोलेंगे भैया ध्यान से आते हैं तो समुद्र गुप्त के दो बेटे हुए कितने पुत्र इनके दो पुत्र हुए दो पुत्रों में कमजोर का नाम क्या था रामगुप्त ये भैया गद्दी पर बैठा था हां कुछ दिन बैठा था और रामगुप्त के साथ में कौन थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ये दो बेटे हैं इनके रामगुप्त तो गद्दी पर बैठ गया इतना कमजोर शासक कि भारत में शक आक्रमण हुआ तक आक्रमण हुआ तो इसकी पत्नी का क्या नाम था क्या बताया था मैंने इसकी पत्नी का क्या नाम था इसकी पत्नी का नाम था इनकी वाइफ थी ध्रुव देवी ध्रुव देवी अच्छा जो ध्रुव देवी की बात है तो ध्रुव देवी बहुत सुंदर थी और मैं जब कभी किसी को सुंदर बताता हूं तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये जो प्यारे दोस्त क्लास देख रहे होते हमेशा ये कहते होंगे क्या बोलेंगे कि ये भैया हर किसी को तुम हर बार सुंदर बता देते हो किसी को तुमने ये बताया ही नहीं कि वो सुंदर नहीं है तो भैया जो सुंदर नहीं है उसकी चर्चा इतिहास में कहाँ है तो क्या बोलोगे ये ध्रुव देवी थी भैया ध्रुव देवी और ध्रुव देवी के बारे में आप लोग याद रख लेना दो रचना आपको याद रख लेनी है एक तो ध्रुव स्वामिनी क्या बोलोगे इसी कहानी के लिए क्या बोलेंगे ध्रुव स्वामिनी और ये एक नाटक है किसका जयशंकर प्रसाद क्या बोलेंगे जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है और प्यारे बच्चे एक और लिखा है आपका क्या बोलेंगे एक और रचना लिखी गई है किसने लिखी है विशाखा दत्त क्या बोलोगे विशाखा दत्त अभी बताएंगे एक बार मुद्रा राक्षस यहां ध्यान से देखो ये जो पत्नी इनकी है सॉरी वो कौन सी रचना बताने वाला था मैं बताना था देवी चंद्र गुप्तम मुझे बताओ देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है तो ये देवी इसमें कौन है ये ध्रुव देवी है और चंद्रगुप्त द्वितीय है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है फटाफट से कहेंगे बोलो भैया एक बार तो देखो सुनो क्या हुआ दरअसल में रामगुप्त जो है ये अपनी पत्नी को किसको एक शक शासक को देने को तैयार हो जाता है ये शक राजा था तुम्हारा ठीक है इसका नाम था रुद्र थर्ड, रुद्र थर्ड। इसने, इसको पता चला भैया ध्रुव देवी बहुत सुंदर है मैसेज भिजवा दिया रामगुप्त को बोला रामगुप्त तेरी गर्दन काट देंगे अपनी घरवाली हमको दे दे रामगुप्त ऐसा रामगुप्त ने कही भैया गर्दन को कुछ नहीं होनी चाहिए घरवाली ले जा बेशक से कोई दिक्कत नहीं है उसने बोली कोई दिक्कत नहीं भाई राजा महाराजा हम गुप्त साम्राज्य के राजा दूसरी आ जाएगी कोई तो मतलब अपनी घरवाली को देने को तैयार हो गया इससे ज्यादा कमजोर शासक कोई हो सकता है भारत के राजाओं ने अपनी मतलब गर्दन कटाई है अस्मिता के लिए ये अपनी घरवाली को देने को तैयार है अब ये दरअसल में क्या था अब ये दरअसल में क्या था कि ध्रुव देवी का चक्कर इधर यहां भी था चंद्रगुप्त तो मतलब द्वितीय से मतलब थोड़ी बहुत बातचीत होगी जो भी है पता नहीं कितनी थोड़ी थी कितने प्रतिशत में नहीं डिजाइन कर सकते हम इतने परसेंट बातचीत होगी तो दरअसल में क्या हुआ कि ध्रुव देवी ने गुहार लगाई चंद्रगुप्त द्वितीय से या ऐसा भी हो सकता है उस समय की स्थिति को देखते हुए कि भैया देवर है और ये तो भाई किसी काम का रहा नहीं जो आदमी अपनी पत्नी को देने को तैयार है उस आदमी कोई अर्थ रह गया तो सारी सीमाएं खत्म हो गई है तो इसने क्या सोचा कि उन्होंने इसे गुहार लगाई तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले तो इसको मारा रात को ही बोलो मैं देखूँ इसे रामगुप्त कैसा हमारे घर में आदमी आ गया बताओ ये तो ऐसे घरवालियों को दे रहा कल को चंद्रगुप्त द्वितीय घरवाले को बोला इसको दे देगा किसी को ये नहीं पहले इसकी हत्या करी और बाद में फिर किसको रुद्र को हराया और फिर शादी करी किससे ध्रुव देवी से किससे शादी कर ली ध्रुव देवी से शादी करी थी ठीक है क्या बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर आ गया मतलब बात ऐसी है कुल मिलाकर के तो याद रख लेना और चंद्रगुप्त द्वितीय जो गद्दी पर आए अपने कब से कब तक आई है भैया क्या बोलोगे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर हैं भैया जी ये आपका आते हैं किनके बाद में समुद्रगुप्त के बाद में 380 एडी से लेकर के और कब तक 414 एडी तक ठीक है कितने वर्षों का शासन है कुल जरा बताएं कितने वर्षों का शासन है भैया बोलो भाई फटाफट से कितने वर्षों का शासन है <laughs> तो आप कहेंगे भैया इनका जो टोटल शासन रहा वो चौंतीस वर्षों का शासन रहा है अच्छा इनकी उपाधियों की बात करते हैं इनके टाइटल की बात करते हैं जो गद्दी पर आ जाते हैं तो उपाधि कभी मत भूलना इनकी समुद्रगुप्त की तरह ये भी गुप्त वंश के ऐसे शासक रहे जिनकी परम भागवत उपाधि रही विक्रमांक जिनकी उपाधि रही क्या विक्रमांक जिनकी उपाधि रही और प्यारे बच्चे इनकी उपाधि एक थी आपकी विक्रमादित्य क्या बोलोगे क्या विक्रमादित्य यही थे जिन्होंने विक्रम संवत शुरू कराया था नहीं ये वो ये नहीं है वो सत्तावन ईसा पूर्व के शासक हैं ठीक है अच्छा इनके बारे में और क्या बात आती है इनके दरबार में कितने रतन रहते थे नौ रत्न क्या आप नौ रत्नों के बारे में जानते हैं एक बार थम्सअप करें नौ रत्नों के इन्हीं की नकल की थी किसने मुगल काल में अकबर ने अकबर ने किसकी नकल की थी इन्हीं की नकल की थी और इन्हीं की तरह नौ रत्न रखे थे अकबर ने फिर तो ये क्या बोलेंगे सकारी इनको कहा गया है हाँ बिल्कुल सकारी इनको कहा गया जब इन्होंने सको को हराया जब इसको हराया था रुद्र थ्री को तभी इनको सकारी कहा गया।, कहा गया तभी इनको सकारी कहा गया नवरत्न कौन कौन है प्यारे बच्चे नवरत्न कौन कौन है तो इसमें पहले तो आते हैं आपका महाकवि कालिदास भारत के क्या बोलते हैं इनको शेक्सपियर महाकवि कालिदास और कालिदास की रचनाओं में याद है आपको कौन कौन सी अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है इनका क्या बोलोगे अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है इनका नाटक है ठीक है ऐसे ही इनके नाटक हैं मालविकाग्नि मित्रम जिसमें मालविका और अग्नि मित्र की प्रेम कहानी है और तुलसीदास जी ने बड़ी प्रेम कहानियां लिखी है भैया मालविकाग्नि मित्रम और एक लिखी हेलो 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 प्यारे बच्चे इंटरनेट इशू हो गया था क्या अभी आप लोग क्लास से जुड़ चुके हैं एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है भैया विक्रमांक उपाधि बिल्कुल समुद्रगुप्त की भी उपाधि रही है भैया अभी बोले एक बार मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है भैया हाँ ये प्रेम की बात पर इंटरनेट चला गया भैया तो विक्रमोर वर्षियम की बात मैं आपको बता रहा था अभी बताएंगे मेघदूत क्या बोलोगे मेघदूत रघुवंशम रघुवंशम और शायद ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ मेघदूत की और कौन कौन सी रचनाएं इनकी कालिदास जी की क्या बोल सकते कुमार संभव क्या बोलोगे कुमार संभवम कुमार संभवम रचना इन्हीं की है ठीक है उत्तर काल मित्रा किन की रचना है इन्हीं की रचना है उत्तर काल मित्रा इन्हीं की रचना है और प्यारे बच्चे और कौन सी रचना है श्रृंगार तिलकम ये मैंने आपको नोट कराई थी श्रृंगार तिलकम ये किसकी रचनाएं हैं इनकी तो सुने विक्रमोर वर्षियम ऐसा हुआ कि देवराज इंद्र को आप लोग जानते होंगे इंद्र भैया बड़े शौकीन किस्म के आदमी रहे हैं तो वो ऐसे हैं जैसे हम साधारण मनुष्य में एक व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं सब कुछ होता है मतलब पैसा घर गाड़ी बंगला वो वाला जो डायलॉग है वो फुलफिल होता है देवताओं में इंद्र जी के पास में तो उनके पास सबसे ज्यादा था मतलब देवताओं में ऐसे समझो नाचने गाने का सब कुछ चाक चौबंद व्यवस्था देवता उनके यहाँ रहते थे बहुत सारे तो अब उपसरा अप्सरा थी एक उर्वशी और उर्वशी जो अप्सरा थी तो प्यारे बच्चे वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये पहुंच गए आपका कौन राजा अब आपको यहां नाम याद रखना होगा किसका राजा पुरुरवा आप नोट करेंगे तो आपको याद रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा राजा पुरुरवा और उर्वशी इन दोनों की कहानी है अब राजा पुरुरवा ने देखा उर्वशी को राजा पुरुरवा भी बड़े सुंदर थे <laughs> तो उर्वशी ने देखा उनको और ऐसा हुआ भैया नजरें मिली और नजरें मिली तो उर्वशी डांस जो करती थी तो उनके कदम जो है उनकी ताल थोड़ी बिगड़ गई कदमों की कदमों की ताल जो ये बिगड़ी तो ये देख ली इंद्र ने कदमों की ताल बिगड़ती हुई इंद्र ने कहा कि भाई ये तो बड़ा चक्कर हो गया ये तो मतलब इंद्र समझते थे कि वो उनका संप्रभुत्व है वहां पर सारे अधिकार उनके हैं और उर्वशी उनके कहने से किसी से प्यार करेगी तो बोलते हैं कि उनको क्या बोल दिया इंद्र ने बोल दिया कि तुम जाओ यहां से प्रेम कहानी बड़ी प्रबल थी मतलब कहने में से तो वो आई किसके राजा पुर रवा के नीचे आ गई पृथ्वी पर आ गई नीचे और वो दो भेड़ रखती थी जिनको बकरी भी कई जगह कहा गया है कि बकरी थी तो दो बकरियों से बड़ा प्यार करते थे उन्होंने बोला कि बकरी तुमको रखनी होगी राजा पुर्रवा और जब आदमी प्यार में पागल होता है तो गधा बन जाता है तो ये प्यार में पागल थे उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें भी रखेंगे बकरियों को भी रखेंगे और एक श्राप दे दिया गया कि जिस दिन ये वापस आएगी वापस कैसे आएंगे कि ये जब इनको नग्न हालत में देख लेंगे उजाले में प्रकाश में राजा पुर्रवा को उजाले में नहीं देखना बिना कपड़ों के तो एक दिन भैया जब इंद्र बड़े गड़बड़ में रहते थे यादों में उर्वशी की यादों में उनका मन नहीं लगता था तो उन्होंने ये पोप लीला रची और वो भेड़ भगा दी गई उनके यहाँ से भेड़ों के पीछे पीछे राजा पुरुरवा गए जंगल में वहाँ देवताओं ने बिजली चमका दी और पीछे पीछे गई उर्वशी को वो दिख गए बिना कपड़ों के ऐसी प्रेम कहानी लिखी गई है चलो भाई ये कालिदास ऐसे लिखते थे तो भैया मेघदूत भी प्रेम कहानी है एक एक विरह में पहुंचे पति की कहानी है जो पत्नी से दूर हो जाता है क्या बोलोगे वराह मिहिर भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिष रहे वराह मिहिर क्या बोलोगे भारत के महान गणितज्ञ रहे और प्यारे बच्चे इन्हीं की बुक है आपकी क्या बोलोगे समाज सहिंता क्या बोलोगे समाज संहिता इन्हीं की बुक है और इन्हीं की बुक है प्यारे बच्चे आपकी कौन सी वराहत संहिंता इन्हीं की बुक है प्यारे बच्चे पंच सिद्धांतिका क्या बोलोगे इन्हीं की बुक है पंच सिद्धांतिका इंटरनेट आ रहा है पंच सिद्धांतिका बोलेंगे भाई इन्हीं की पुस्तक है पंच सिद्धांतिका हेलो 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 क्या प्यारे बच्चे मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ पा रही है एक बार बताएंगे हेलो 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 एक बार बोलेंगे क्या प्यारे बच्चे मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है ठीक <laughs> है ठीक है ठीक है ठीक है तो अभी प्यारे बच्चे मैं आपको बता रहा था इनके नवरत्नों के बारे में इन नवरत्नों में से कौन से थे आपका दूसरा कौन थे दूसरे थे वरहमीर और बात करते हैं तीसरे कौन थे तीसरे थे कौन हमारे शंकु शंकु कौन थे इनके समय एक वास्तुकार थे यानी शास्त्र के बारे में किधर आप लोग जानते हैं कि भैया इधर पूजा का कमरा होना चाहिए इधर ऐसे स्थिति होनी चाहिए वो सब जो हमको बताया जाता है धनवंतरी कौन थे धनवंतरी कौन थे ये चिकित्सक थे कौन थे ये ये एक डॉक्टर थे ये एक चिकित्सक थे ठीक है पांच क्या बोलोगे ये कौन थे ये घटकर पर थे ये इनके कौन थे ये इनके सलाहकार थे छठे थे वरुचि क्या बोलोगे वरुचि थे छठे ये नौ रत्नों में से हैं आपके क्या बोलोगे कालिदास हो गए वरहमीर हो गए शंकु हो गए धनवंतरी हो गए घटक हो गए वरुचि हो गए सातवें हो गए आपके क्या बोलेंगे बेताल भट्ट सातवें कौन हो गए प्यारे बच्चे बेताल भट्ट हो गए क्या कहेंगे बेताल भट्ट हो गए और आठवें कौन हो गए आपका अमर सिंह हो गए क्या बोलेंगे अमर सिंह हो गए आठवें थे नवे आप बताएंगे प्यारे बच्चे कौन थे वराहमीर हो गए संकु हो गए धनवंतरी हो गए घटकरपर हो गए वरुचि हो गए बेताल भट्ट हो गए अमर सिंह हो गए और नवे कौन थे को भी फटाफट से आवाज पहुंच रही है मेरी अभी तो क्या बोलेंगे बेताल भट्ट 9वे हो गए अमर सिंह और 10वे बहुत गजब आप लोगों ने लिखा छपणक 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 का संबंध किससे था इनका संबंध था ज्योतिष से किससे बोलेंगे ज्योतिष से अमर सिंह की बुक कभी मत भूलना अमरकोश बुक किसकी है वो इन्हीं की पुस्तक है क्या बोलेंगे वो इन्हीं की पुस्तक है ठीक है जी कोई परेशानी अच्छा अब बता दो अब आ जाते हैं फयान पर मुझे सभी प्यारे बच्चे बताएं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर फैयान आया तो किस वर्ष आया था चीनी यात्री है इसको तो कोई बच्चा बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कहाँ से आया था चीन से आया था और चीन से ये कब आया आपका तीन सौ निन्यानवे ए डी में आया और कब तक भारत में रहा चार सौ चौदह ईसवी तक रहा यानी ये कुल मिलाकर के पंद्रह वर्ष भारत में रहा और इसने कौन सी किताब भारत में लिखी भारत के ऊपर ये क्यों आया था महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने कौन सी साखा के लिए महायान साखा के लिए तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है किस शाखा के प्रचारक के रूप में यहां आया या ज्ञान प्राप्त करने आया किस शाखा हेतु महायान के लिए ठीक है तो क्या बोलेंगे इसकी बुक का नाम था फाख्यो की क्या बोलोगे फाख्यो की ये बात याद रख लेंगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट है अच्छा मुझे बताओ जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में गद्दी पर आया चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन आया था गद्दी पर तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गद्दी पर आया भैया जी कौन कुमार गुप्त क्या बोलोगे कुमार गुप्त और कुमार गुप्त ने क्या बनवाया था नालंदा जो भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा है कोई दिक्कत तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाननी प्यारे बच्चे जरूरी हैं बहुत जरूरी है कोई भी दिक्कत सर कहानी अधूरी रह गई नहीं भैया कहानी मैं पूरी सुना चुका हूं इंटरनेट की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाई आप लोग पढ़ लेना वो कहानी आपको कहीं भी मिल जाएगी कोई भी दिक्कत भाई तो अंतिम क्लास पर चलते हैं लिखने की पर इसके बाद में खेल बचेगा सारा आपके स्क्रीनशॉट का या सुनने का या कुछ भी एक्स्ट्रा बातें हैं वो वारी बातें मैं आपको बताऊंगा <laughs> चलो कहानी अब तुम पढ़ना भी है बार बार नहीं सुनाऊंगा मैं कहानी ठीक है आगे चलते हैं अब आ जाते हैं हम किस पर किस पर आ जाते हैं हम थानेश्वर का पुष्य भूति वंश क्योंकि यहां पर आपका एक टॉपिक है राजा हर्षवर्धन और लिखने की प्रक्रिया हमारी इसी टॉपिक पर खत्म हो जाएगी और बड़ा मजा आएगा इसके बाद में क्योंकि सिर्फ मैं फिर आपकी तरफ फेस करके आपको सिर्फ कहानियां सुनाऊंगा और शानदार रिविजन होगा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश मुझे बताएं इसके संस्थापक कौन थे बोलो भैया <laughs> भैया इंद्र देवता नहीं चाह रहे थे कि तुम तक कहानी पहुंचे संस्थापक कौन है थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था इसके संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे जरा बताएंगे तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए भैया पुष्यभूति हैं कौन है पुष्य भूति हैं <laughs>. क्या बोलोगे थानेश्वर के पुष्य भूति वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या था आपका पुष्य भूति था ठीक है और ये जो पुष्य भूति हैं आपके आप लोगों को एक बात याद रख लेनी है इनका असली नाम क्या है और किस नाम से इनको मिलता है तो कई जगह इनको याद रख लेना किस नाम से आपका इनको नरवर्धन के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से नरवर्धन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये लोग ये पुष्यभूति से क्या मतलब है ये इनके वंश का नाम है इनके नाम पर पड़ा और थानेश्वर कहाँ पड़ता है ये किस राज्य में ये हरियाणा में थे क्या थे ये हरियाणा में थे और पुष्यभूति वंश के बाद में प्यारे बच्चे इनका जो वंशज रहे जो मैं कहूँ आपसे कि हर्षवर्धन के पिताजी रहे वो कौन थे आपका प्रभाकर वर्धन थे कौन थे क्या बताता हूँ मैं आपको प्रभाकर वर्धन थे और प्रभाकर वर्धन ही कौन है ये आपका हर्षवर्धन जो आपका टॉपिक है उनके पिता है कौन है हर्षवर्धन के पिता है हर्षवर्धन की बहन कौन थी क्या बता सकते हैं अब इनके प्यारे बच्चे दो तो पुत्र एक पुत्र का क्या नाम है इनके पुत्र का नाम है आपका राज्यवर्धन राज्यवर्धन एक पुत्र का नाम है इनके का हर्षवर्धन और इनकी बहन का नाम क्या है बहन का नाम है राज्यश्री क्या बोलोगे राज्य श्री और राज्यश्री के जो पति हैं उनका नाम क्या था उनका नाम था ग्रहवर्मन ये कहाँ के थे ये कन्नौज के थे और इनकी ही हत्या की वजह से इनकी हत्या कर दी गई किसकी ग्रह वर्मन की किसने याद रख लेना ग्रह वर्मन की जो हत्या की वो हत्या की प्यारे बच्चे किसने आपका शशांक शशांक जो कहां का था गौड गौड़ प्रदेश बोलते थे बंगाल को और देवगुप्त ने जो कहाँ का शासक था मालवा का कहां का शासक था मालवा का इन दोनों ने हत्या कर दी कन्नौज पर कब्जा करने के लिए गृहवर्मन की और साथ में अपहरण कर लिया किसका प्यारे बच्चे राज्यश्री का क्या बोलेंगे किसका राज्य श्री का अपहरण कर लिया गया तो प्यारे बच्चे आप लोग यहां एक बात देखना यही कारण है कि ये लोग हरियाणा से कहां पहुंच जाएंगे आपका यही लोग हरियाणा से पहुंच जाते हैं आपका कहां पर प्यारे बच्चे कन्नौज और इस वंश की वाद में राजधानी क्या हो गई तो कहां पहुंचे थे ये भी फटाफट से भैया कहां पहुंचे थे ये क्या कहेंगे हरियाणा से उत्तर प्रदेश और जगह कौन सी है आपका थानेश्वर से कन्नौज से कन्नौज ठीक है भैया कोई भी दिक्कत कोई परेशानी चलो यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत बोलेंगे भी फटाफट से आप कहेंगे भैया कहने की बात है कि राज्यश्री का अपहरण कर लिया था और जिस अपहरण के लिए इनके भाई गए थे बदला लेने के लिए देवगुप्त को इन्होंने मारा और लेकिन शशांक ने इनकी हत्या कर दी तो शशांक को मारने की जिम्मेदारी किसकी आ गई थी वो हर्षवर्धन की आ गई थी और हर्षवर्धन ने फिर शशांक को हराया अपनी बहन को एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की मदद से खोजा क्योंकि पहले क्या था पहले यह था पति अगर एक्सपायर हो जाते थे देहांत हो जाता था तो पत्नी को क्या आपका सती होना पड़ता था क्या होना पड़ता था सती होना पड़ता था तो आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए क्या जा रही थी सती होने जा रही थी उसी समय दिवावकर मित्र जो बौद्ध भिक्षु था उसने हर्षवर्धन को इसके बारे में जानकारी दी अपनी बहन को लेकर के यहां पर आए और रखा हर्षवर्धन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है यहां से कहानी शुरू होती है इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे जरा बताएं जन्म बताएंगे और जन्म के बाद में जो ये राज सिंहासन पर बैठे गद्दी पर बैठे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो गद्दी पर इनका जो समय है वो 606 से लेकर के 647 एडी तक का है ईस्वी तक का तो उम्मीद करूंगा आप लोग बताएंगे कितने वर्षों तक ये शासक रहे तो इनका जो जन्म हुआ वो पाँच ईस्वी में हुआ पाँच ईस्वी में, में क्या हुआ इनका जन्म हुआ इनकी प्यारे बच्चे जो माता हैं इनकी माता का नाम था यशोमती क्या बोलेंगे माता का नाम यशोमती था और जो इनके पिता हैं इनके पिता आप लोग जान ही चुके हैं कौन है पिता प्रभाकर वर्धन है और इनकी जो पत्नी थी इनकी पत्नी का नाम है प्यारे बच्चे दुर्गावती क्या बोलोगे दुर्गावती इनकी पत्नी का नाम है और इनके पुत्र क्या इनका वंश बहुत लंबा चला था नहीं इनके ही मंत्री ने इनके पुत्र वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन की हत्या कर दी थी और इनका वंश क्या हो गया था खत्म हो गया था कल्याणवर्धन ठीक है कोई भी दिक्कत अच्छा अब हर्षवर्धन गद्दी पर आए अपने जो उस समय के शत्रु थे उनको तो उन्होंने हरा लिया कोई दिक्कत नहीं है राज्यश्री को भी उन्होंने वापस अपने साम्राज्य में ले आए लेकिन यहां पर एक समस्या आती है प्यारे बच्चे और वो समस्या क्या थी वो समस्या थी कि ये एक बच्चे हैं कितनी उम्र है इनकी जब गद्दी पर बैठे सोलह वर्ष की उम्र है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आई कहते हैं कि हर्षवर्धन शुरू में इच्छुक नहीं थे गद्दी पर बैठने के लेकिन बाद में ये इसके लिए तैयार हो गए और एक प्रतापी शासक भारत के बने एक प्रताशी भारत के एक शासक बने और उसमें क्या बनेंगे ध्यान से देख लेना कैसे शासक बने ध्यान से देखेंगे चलो भाई अरे हम तो यार ऐसी सुन लेते पैसे भेजने की क्या जरूरत थी अभी बुद्धू इंसान हाँ यही सशांक है जिसने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था मेरी बुआ कलूटी है क्या भैया <laughs> <वही> <laughs> क्या बोलेंगे राज सिंहासन अरे इसमें मेरी तारीफ करने के लिए यार बुआ को क्या कर रहे हो तुम यार भैया थोड़ी देर रुक जाएंगे कमेंट सेक्शन वाले तुम रुक जाओ थोड़ी देर इतना कॉपी पेस्ट मत करो लव यू ऑल क्या आप रोक सकते हैं कमेंट्स को क्या तुम में अंदर ये तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि मेरी बात जब तक तुम पर पहुंचे तुम्हें कमेंट सेक्शन रोक के दिखा दो चलो ये मेरी गुजारिश है तुमसे मैं देखता हूं तुम ये कर पाते हो या नहीं एक सेकंड के लिए रोक दो बस <laughs> क्या बोलेंगे भैया यहां तक की बात में कोई दिक्कत तो ये जब साम्राज्य विस्तार के लिए साम्राज्य विस्तार के लिए प्यारे बच्चे इन्होंने सपना देखा यहां आपका उत्तर भारत को जीत लिया हर्षवर्धन ने कन्नौज इनका सेंटर हो गया लेकिन जैसे ही दक्षिण की तरफ बढ़े तो यहां नर्मदा नदी पर 618 में 618 ईसवी ईस्वी में हर्षवर्धन हार गए 618 ईसवी में हर्षवर्धन हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से हार गए क्या बोलोगे पुलकेशन पुलकेशन द्वितीय पुलकेशन द्वितीय कहाँ का था भैया चालुक्य वंश का कहाँ का था चालुक्य वंश का और इसने क्या कर दिया इसने चालुक्य वंश के शासक ने क्या कर दिया रोक लगा दी किस पर रोक लगा दी भैया इन्होंने विजय अभियान को रोक दिया किसके विजय अभियान को आपका जो था हर्षवर्धन का हर्षवर्धन की चाहत थी कि वो दक्षिण में जाए लेकिन रोक दिए गए हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से हार गया हारा ठीक है लेकिन यहां पर चालुक्यों ने एक उपाधि दी और बड़ी इंपॉर्टेंट है सकलोत्तर पथनाम याद रख लेना चालुक्यों ने चालुक्यों ने कहा कि ठीक है वो दक्षिण नहीं आ पाया लेकिन चालुक्यों ने हर्ष को हर्ष को सकलोत्तर पथनाम उपाधि दी बोले सकल मतलब पूरा सकल मतलब टोटल उत्तर उत्तर पथ उत्तर पथ यानी उत्तर भारत में अगर कोई सबसे शक्तिशाली राजा है तो वो सबसे शक्तिशाली राजा सिर्फ और सिर्फ कौन है वो हर्षवर्धन है चालुक्यों ने हर्ष को सकलोत्तर पथ नाम उपाधि दी कभी मत भूलना इंपॉर्टेंट है ठीक है ये किसने दी थी चालुक्यों ने दी थी <laughs> कोई भी परेशानी बच्चे यहां तक अब इंपोर्टेंट बात आती है कि ये जो युद्ध है ये किसने बताया है रवि कीर्ति ने बताया है और रवि कीर्ति उम्मीद करूंगा बच्चे जानते होंगे नहीं जानते तो नोट करेंगे रवि कीर्ति ने क्या लिखा है ए होल अभिलेख लिखा है क्या लिखा है ए होल अभिलेख लिखा है और ये कौन था आपका पुलकेशन द्वितीय का कौन था ये पुलकेशन द्वितीय का एक उत्तराधिकारी था अच्छा मुझे बताएं जो हर्षवर्धन है हर्षवर्धन के समय पर कौन आया था आपका हर्षवर्धन के समय कौन आया आपका तो आप कहेंगे हर्षवर्धन के समय भैया आया था क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चे किस देश से आया था वेन कब आया था कब आया था बोलेंगे बहुत गजब बहुत शानदार तो आप कहेंगे हेन आया हर्षवर्धन के जब कार्यकाल पूरा होना था, था उस समय गया था थोड़े दिन पहले यानी 630 से लेकर के 645 जिसके बारे में कई जगह छह भी लिखा मिलता है लेकिन 630 एकदम सही है ठीक है सर बोलेंगे भी फटाफट से कोई दिक्कत कोई भी परेशानी बोलो भी फटाफट से बच्चे बार बार कमेंट मत करो सौरभ शर्मा रिपीट मत किया करो कमेंट को बाकी बच्चों के कमेंट देखो कैसे आ रहे हैं यानी तुम्हारे में दिक्कत है तो तुम्हारी डिवाइस में कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे ठीक है तो क्या बोलेंगे हेन स्वांग, हेन स्वांग 630 से 645 किस देश से आया भैया बोलो भैया फटाफट से बहुत सही ये आया आपका बोलेंगे चीन से आया भैया ये भी नालंदा में पढ़ने के लिए आया था इसी को हम बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार कौन कहलाता है वो हेन स्वांग है और इसकी पुस्तक कौन सी है सी यू की बुक किसकी है ये इसी की है प्यारे बच्चे ठीक है इसी का नाम क्या है तशांग और मैंने एक दिन आपको बताया था तशांग की खोपड़ी कौन देके गया था हमको तशांग की खोपड़ी कौन देके तशांग की खोपड़ी कौन देके गया था हमको तो आप कहेंगे दलाई लामा दलाई लामा भारत कब आए थे दलाई लामा आए थे भारत में जब हमने इनको शरण दी थी तिब्बत से भाग करके 1959 में 1959 में तब ये खोपड़ी लेकर के आए थे इसी हेन्द सॉन्ग की और ये खोपड़ी आज भी रखी है हमारे यहाँ पटना पटना संग्रहालय में बिहार में रखी हुई है भैया पटना संग्रहालय में रखी हुई है पीछे की क्लास आ जाएगी निश्चिंत रहे आप अभी से क्लास करते रहें इसको पीछे की क्लास आ जाएगी कब है ना चलो भाई कोई दिक्कत अच्छा यहाँ याद रखेंगे प्यारे बच्चे हर्षवर्धन की बात तो हमने कर ली मैंने बोला कि इसने व्यापार के केंद्र कौन कौन से बताए थे तो व्यापार के केंद्र याद रख लेना हमेशा किसने आपका हेन सांग ने इसने व्यापार का केंद्र बताया उत्तर में मथुरा उत्तर में किसको बताया था इसने मथुरा को और दक्षिण में दक्षिण में इसने व्यापार का केंद्र प्यारे बच्चे किसको बताया था कांची को बताया था किसको बताया था वो कांची कांची को बताया था किसको बताया था बोलो भाई फटाफट से सर देखने को मिल जाएगी खोपड़ी हाँ क्यों नहीं संग्रहालय में इसीलिए रखी रहती है और यहां इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी आपकी हेन स्वांग की हेन स्वांग के बारे में प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताएं आप लोग कि हेन्द स्वांग जब भारत आया हेन्द स्वांग जब भारत आया इसने तो इसने हर्षवर्धन के समय का लिखा हर्ष को क्या नाम इसने दिया हर्ष को हर्ष को नाम क्या दिया इसने हर्ष को नाम दिया इसने क्या दिया था आपका शिलादित्य क्या बोलोगे शिलादित्य नाम दिया हर्ष की जो सेना थी उसको क्या कहा था इसने हर्ष की सेना को क्या कहा था इसने हर्ष की सेना को इसने कहा था चतुरंगिणी सेना और सेना अध्यक्ष को क्या कहा था चतुरंगिणी सेना और जो सेना अध्यक्ष होता था उस सेना अध्यक्ष को प्यारे बच्चे इसने क्या नाम दिया था तो आप कहेंगे सेना अध्यक्ष को भैया जी इसने नाम दिया था आपका क्या कुंतल क्या नाम दिया था कुंतल नाम दिया था कोई दिक्कत कोई परेशानी अच्छा अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन के समय के नाटकों की जो हर्षवर्धन ने खुद लिखे बोले भैया फटा फटाफट से हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं हर्षवर्धन के नाटक हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे इन्होंने तीन नाटक लिखे आपका पहला नाटक कौन सा है आपका बोले भैया रत्नावली क्या बोलोगे रत्नावली नागानंद नागानंद और साथ में आपका प्रियदर्शिका क्या बोलोगे प्रिय दर्शिका जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कहते हैं कि इनको इन्होंने नहीं लिखा ध्योई ने लिखा था ध्योई ने लिखा था तो कई बार बच्चा लिख देता है हर्ष चरित्र को ही सोचता है कि वो हर्षवर्धन ने लिखा है लेकिन वो गलत होता है हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चे बोलना मुझे बताओ आप लोग हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है तो लेखक थे हर्षवर्धन के दरबारी कौन है बाण भट्ट क्या बोलोगे बाण भट्ट ये कौन है ये हर्ष के दरबारी थे हर्ष के दरबारी हैं, ठीक है ऐसे ही याद है आपको बाण भट्ट के साथ में एक थे आपका कौन मयूर भट्ट मयूर भट्ट की कौन सी रचना थी आपका क्या बोलोगे सूर्य शतक क्या बोलेंगे सूर्य शतक के लेखक कौन है वो मयूर भट्ट है ठीक है चलो कुंभ मेला कभी तो नहीं भूलेंगे हर्षवर्धन ने कुंभ मेले शुरू करवाए भारत में और क्या शुरू करवाया था महामोक्ष परिषद महामोक्ष परिषद जहां पर यह क्या कर देता था सर्वस्व दान दे देता था अपना सर्वस्व दान ठीक है महामोक्ष परिषद एक तो आयोजित हुई प्रयाग में और एक आयोजित हुई आपकी कन्नौज में कहा कन्नौज में आयोजित हुई।, हुई? हुई बोले में कोई दिक्कत कहा आयोजित हुई कन्नौज में आयोजित हुई बोलेंगे भैया एक बार कोई दिक्कत तो ये हर्षवर्धन के समय की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चे जो बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हैं वो सुनेंगे पिछली क्लास बीच में क्लास में कुछ कट आया था ना कोई एरर की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी और पिछली क्लास नहीं है वो तुरंत आ जाएगी तुरंत आ जाएगी आप उसके लिए घबराएं ना आप बीच में से कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से हर टॉपिक नया है इसमें इतिहास क्रम से तो है नहीं पी में बीच बीच में से तोड़ के दिया हुआ है मेरी बात आप लोगों तक पहुंची मैं क्या बोल रहा हूं एक बार बताएं भैया आप लोगों तक क्लास पहुंच रही है ना सब कुछ परफेक्ट पहुँचेगी एक बार मेरी बात पे तो रिस्पॉन्स देंगे बोलेंगे भैया मेरी बात पर रिस्पॉन्स दे एक बार क्या मेरी बात आप समझ पाए कि क्लास जो कटी है बीच में से वो अपलोड हो जाएगी क्लास ख़त्म होते तो तुरंत ऑटोमेटिक हो जाएगी और ना ऐसा है कि आपको सीरीज से ही कुछ पढ़ना है तो ऐसे कमेंट ना करें प्लीज़ ऐसा अच्छा सा नहीं लगता मतलब फिर आपके कमेंट पर फोकस जाता है अरे कुछ नहीं हुआ था कहानी में मैंने बोला ना उसको बिना वस्त्रों के देख लेगी उर्वशी राजा पुरुरवा को तो वो वापस चली जाएगी स्वर्ग और देवताओं ने बकरी चुरा ली और ने कहा था मेरी बकरियों की रक्षा करनी है भेड़ों की रक्षा करनी है तो मैं राजा पुरुरवा राजा पुर्रवा ने रात को देखा बकरी गायब है बेडरूम में ही रखते थे बकरियों को वो एकदम से उनके पीछे भाग लिए बकरियों के तुरंत ही बिना कपड़ों के थे देवताओं ने अपनी लीला रची और एकदम से बिजली चमका दी और पीछे से उर्वशी भी पीछे पीछे चली गई थी देख करके ना राजा ना बकरी ही बाहर गई जंगल में दिख गए वो उजाले में शराब पूरा हो गया वापस जाना पड़ गया फिर ये <laughs> ये था <laughs> ये कहानी थी कोई, दिक्कत? कोई परेशानी भैया चले आगे इतनी बात क्लियर है देखो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक प्यारे बच्चे हम पढ़ चुके हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति बौद्ध धर्म जैन धर्म सम्राट अशोक गुप्त वंश सम्रा समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त हर्षवर्धन ठीक है अब हम पढ़ेंगे कहाँ से सल्तनत काल से मुगल साम्राज्य से ब्रिटिश राज्य का आ, आर्थिक प्रभाव और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे किनको आपका राजपूत काल को ठीक है यह सबसे अंत में पढ़ेंगे शायद यहाँ स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं आंदोलन है ये एच उसमें दिखाओ सीन टू में भाई बच्चों को चलो भाई तो करें एक बार शुरू अभी पीडीएफ फॉर्मेट शुरू होता है क्योंकि इस तरह से इतिहास हम पढ़ते रहेंगे तो शायद दो दिन तक भी पूरा ना हो पाए कंप्लीट ही सिलेबस लगभग है देखना मजा आएगा बहुत ध्यान से रिवीजन के लिए सबसे शानदार फॉर्मेट क्या अभी हम बात करने चाह रहे हैं सल्तनत काल तो सल्तनत काल का मतलब क्या है यानी दिल्ली सल्तनत पर पांच वंश हुए पांच वंश प्यारे बच्चे हुए और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट शॉट लेना वो लेकर के रख सकते हैं बस मेरी बात सुनते रहें ध्यान से से सुनना। बाद में आप इन भी बैठ के के कहीं लेट के पढ़ते रहोगे, तो भी काम बन जाएगा आपका देखो ध्यान से तो भारत पर जो सल्तनत काल आया कि सल्तनत काल में तो मुस्लिम शासक रहे तो मुस्लिम शासक या मुस्लिम साम्राज्य मुस्लिम शासन एकदम से तो नहीं आ गया कोई तो भारत में आया होगा तो कौन आया भारत में वो आने वालों में आपको ये फेहरिस्त देखनी होगी तो इसमें सबसे पहले भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ इसमें नाम आता है पहला अरब आक्रमण सात में हुआ जो असफल रहा दूसरा अरब आक्रमण सात में असफल रहा तीसरा अरब आक्रमण याद रखें हमेशा सात सौ में मोहम्मद बिन कासिम ने किया जो सफल रहा और इसी को बोलते हैं पहला अरब आक्रमणकारी क्या बोलते हैं पहला बोलेंगे अरब आक्रमणकारी है और इसको किसने भेजा था भारत में अल जहाज ने अल जहाज ने क्यों भेज दिया जी दरअसल में भारत में समुद्री व्यापार होता था समुद्री व्यापार होता था और अरबियों का जहाज जो कहीं पर गायब हो गया तो नाम दे दिया गया किसके सिंध के शासक दाहिर को यह सब सिंध क्षेत्र था भारत का दाहिर पर आरोप लगा कि यह जहाज उनकी वजह से लूटा गया है तो अल ने उनसे पैसे मांगे राजा दाहिर से राजा दाहिर एक महान शासक हुए भारत के पैसे मांगे तो उन्होंने बोला इस तरह से पैसे देने का मेरा तो कोई अर्थ ही नहीं बनता कोई मतलब ही नहीं बनता तो ठीक है पैसे नहीं दोगे तो बोलते हैं कि उसने बोल दिया किसको किसको भेजा भेजा कासिम को खैबर दर्रे, दर्रे का मतलब है इधर से भारत आया ये सिंध होते हुए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था जिसकी दो पुत्री थी सूर्यमला और परिमला पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र पर हुआ सिंध क्षेत्र पर कहाँ पर किया था कासिम ने कहा पर देवल बंदरगाह पर और फिर नॉर्म बुद्ध स्थल पर यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है बस आप लोग जान लो इस बात को ठीक है ठीक है चलो भाई भैया जी ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को चालीस दिन तक मारा था फिर पाँच हजार की मनसबदारी वो बताएंगे मनसबदारी मिली थी प्यारे बच्चे छत्रपति शिवाजी जी के समय और जब उनकी हत्या हुई जब वो शासक हो गए जब वो अपने अधिकार के लिए लड़े ठीक है आगे बताएंगे यहां देखो ध्यान से सिंध पर जजिया कर किसने लगाया तो जजिया कर किस पर लगता था गैर मुस्लिमों पर लगता था जो मुस्लिम शासक नहीं थे जो मुस्लिम शासक नहीं थे यानी जो ब्राह्मण विधवा और विकलांग इन पर नहीं लगता था तो क्या बोलेंगे जैसे ही ये आया भारत में तो भारत में जो सिंध का क्षेत्र ये वाला इस छिंद पर इसने क्या लगा दिया जजिया जजिया ये क्यों लगाते थे आप लोग जानते हैं जजिया इन्होंने इसलिए लगाया कि भाई अगर तुम जजिया नहीं दे सकते हो तो तुमको हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए सॉरी इस्लाम में आप आपको स्वीकार कर लेना चाहिए हिंदू धर्म आपको छोड़ देना चाहिए तो आपको जजिया नहीं देना पड़ेगा क्योंकि जजिया तो उनको देना पड़ता था जो मुस्लिम नहीं थे तो इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया ठीक है कोई परेशानी भी है बोले एक बार चलेंगे इन सब की जानकारी मिलती है चचनामा पुस्तक में और चचनामा के लेखक कौन है कई बार आपको मिलेगा चचनामा के लेखक ज्ञात नहीं है लेकिन आप लोग कहेंगे चचनामा के लेखक कौन है अली अहमद है अली अहमद है अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे भारत में क्यों आए इस्लाम का प्रचार प्रसार करने और लूट करने आए क्या है लूट करने आए लूट करने के बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के यानी दिरहम जारी किए और ये पहला मुस्लिम शासक बना जिसने सोने के सिक्के जारी किए ये कॉमन एक साइकोलॉजी आप अपने दिमाग में बनाइए कौन कासिम था किस तरह भारत आया कौन कासिम था किस तरह भारत आया अच्छा अरब आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर कब हुआ बस एक वर्ष याद रखना है सात सौ बारह याद रहेगा या भूल जाओगे ठीक है अब सात सौ बारह से पहले की कहानी मैं आपको बता दू 712 से पहले आप कहेंगे भैया मुस्लिम आक्रमणकारी आए लेकिन मुस्लिम कहाँ से आए तो मुस्लिम मोहम्मद साहब से आए मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 में मोहम्मद साहब का जब विरोध उनके लोग करने लगे क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जो उनके कबीले थे उनके चाचा ताऊ थे वो मूर्ति पूजा करते थे तो उनका विरोध किया गया वहां पर मक्का उनको छोड़ करके जाना पड़ा मक्का छोड़ करके जब वो मदीना गए तो 622 में गए और ये 622 क्या है ये हिजरी है इसके लिए पिछली पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है यहीं से ठीक है अच्छा तो यही इस्लाम बढ़ते बढ़ते कहा हो गया फिर अरब आक्रमणकारी भारत में आ गए कोई दिक्कत हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था भैया सर पेड़ के नीचे कैसे ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने अच्छा फिर मैं तुमको बता दूंगा तो तुम नहीं कर लो ज्ञान प्राप्त <laughs> ज्ञान प्राप्त का मतलब है बेटा साधन ही तो देखेंगे पेड़ का अर्थ यह कि सीधी धूप से बच जाएंगे और क्या होगा सीधी ठंड से बच जाएंगे पेड़ का ये <laughs> रहे पेड़ के नीचे उसका कोई कॉन्सेप्ट है आ जाओ ऊँट पालन हमने कहाँ से सीखा अरबियों से मानचित्र कला मानसून खजूर की खेती दशमलव सिद्धांत ये सब हमने कहाँ से सीखा तो इतनी बात याद रखेंगे सात में अरबी आए अरबियों के बाद में भारत पर आए तुर्क आक्रमणकारी जो कहां से आए थे अफगानिस्तान से आए थे अफगानिस्तान में कौन सी जगह थे थे? संस्थापक था वो था एक बार अप करें क्या स्क्रीन आप ले पा रहे हैं। और जिस बच्चे से मैं कहूं मार्क करने के लिए कुछ वो आपका क्या कर ले उसको मार्क कर ले छोटी छोटी चीजों को ठीक है हाँ पीईटी की हिस्ट्री का कंप्लीट हंड्रेड परसेंट सिलेबस संस्थापक कौन था अल्पतगीन सुबुक्तगीन और इसके बाद में आया गजनवी क्या अल्पतगीन भारत आया था नहीं कौन आया सुबुक्तगीन भारत में आया इसने असफल प्रयास किया असफल यानी भारत आने के प्रयास में था लेकिन भारत नहीं आ पाया महमूद गजनवी की बात करते हैं देखो ध्यान से भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो सुबुक्तगीन ने किया वो किया था नौ में किसने किया था सुबुक्त ने किसके खिलाफ किया था राजा कौन थे जयपाल थे कौन थे राजा राजा जयपाल के खिलाफ किया जो हिंदू शाही वंश था यहां आप देखेंगे असफल हो गए जयपाल ने हरा दिया सुबुक्त गीन को तो सुबुक्त गीन तो वापस जाएगा तो सुबुक्त गीन क्या कामयाब हुआ कासिम की तरह नहीं अल्पत गीन आया ही नहीं अब आती बात गजनवी की इसकी गजनवी की गजनवी जो गजनी की गद्दी पर नौ सौ अट्ठानवे में बैठा कब बैठता है नौ सो अट्ठानवे में बैठा और यह सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था यही पीडीएफ डाल देंगे पक्का डाल देंगे अभी कमेंट नहीं करना नहीं तो नहीं डालेंगे फिर पीडीएफ को ठीक है क्या बोलेंगे सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक बना इसके नाम ये कौन कौन से थे यामीन उद्दौला यामीन उल बिल्लाह बुद्ध सिकन सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है किसको बुद्ध सिकन कहा गया है या किसको मूर्ति भंजक कहा गया है क्योंकि इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया क्या नाम था इसका महमूद गजनबी ठीक है महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया इसने एक हजार में कोई नतीजा निकला क्या कोई नतीजा नहीं हुआ भारत पर यह आक्रमण करता है जयपाल के खिलाफ सन एक हजार एक में इसने क्या जीता जयपाल के खिलाफ वह हिंद का युद्ध कौन सा युद्ध वह हिंद का युद्ध ही है, जीत जाता है और भारत पर इसका पहला आक्रमण कामयाब हो जाता है मैं आपसे पूछू इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए बोलेंगे भैया फटाफट से तो आप कहेंगे महमूद गजनवी ने भारत पर कुल सत्रह बार आक्रमण किया और ये किसने कहा है ये इतिहासकार हेनरी एलियट ने कहा है किसने कहा है इतिहासकार हेनरी एलियट का कथन है किसका है हेनरी इलियट का ये कथन है कि इन्होंने कितनी बार आपका सत्रह बार आक्रमण किया अच्छा 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया 1018 में कन्नौज पर राज्यपाल गुजर जब शासक था कालिंजर अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे जो नोट्स बना रहे वो मार्क कर सकते हैं इसका सोलवा आक्रमण 1025 सोमनाथ पर जो लूट हुई आप कभी नहीं भूलेंगे ठीक है ये सबसे महत्वपूर्ण है इस समय जो शासक था वो भीम प्रथम था और भीम प्रथम किसके चालुक्य वंश चालुक्य वंश कहें या हम बोले सोलंकी वंश ये भी राजपूत शासन में ही आता है सोलंकी वंश का शासक था हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंची हिंदू आस्था को सबसे अधिक पहुंचाने वाला यह क्या था आक्रमण था क्योंकि बड़ी छवि थी सोमनाथ मंदिर की सोमनाथ बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान शिव को भगवान शिव को समर्पित जो बारह ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ठीक है यहां तक की बात में कोई दिक्कत बहुत कत्ल किए महमूद अजनवी नगर में तुम्हें बताऊं हिंदुस्तान की भूमि को इसने सभी लोगों का गाजी एक उपाधि देखी ना अपने गाजी गाजी का अर्थ क्या था कि जो विधर्मी का कत्ल कर दे विधर्मी कौन है जो इस्लाम को नहीं मानता जो इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल करने के बाद में ये लोग किसकी गाजी की उपाधि धारण कर लेते थे ठीक है देखेंगे ध्यान से अंतिम आक्रमण इसने अंतिम आक्रमण इसने एक में खोकरों के विरुद्ध किया और गजनी की मौत कब हो गई गजनी या गजनवी एक ही बात है इसकी मौत क्या हो गई एक में इसके जो समकालीन लेखक थे किसके गजनी के एक है फिरदौसी जिसको पूर्व का होमर बोलते हैं पूर्व का होमर बोलते हैं इसकी पुस्तक है आपकी शाहनामा किस भाषा में लिखी है फारसी भाषा में लिखी है इसको बोलते ईरान का महाकाव्य क्यों जी आप सब लोगों को पता होना चाहिए मैंने बोला कि गजनवी ने इसको नियुक्त किया अपनी तारीफ लिखने के लिए लेकिन गजनवी जब पेमेंट नहीं कर पाया जितनी मुद्रा देने की बात हुई थी उतनी नहीं दी उसने तो इन्होंने क्या बोला बादशाह के खिलाफ लिखा फिरदोसी ने मतलब गजनवी के खिलाफ लिखती तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया क्योंकि ये गजनवी के करीबी व्यक्तियों में से एक था अब लोगों ने पढ़ा अच्छा गजनवी इतना गंदा आदमी है तो बड़ी चर्चित किताब हुई तो ईरान का महाकाव्य का दर्जा दिया गया इसको वहां पर ठीक है अलबरूनी कौन सी पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद आपको पता होना चाहिए हमेशा तारीख है हिंद जिसको हम कहते हैं और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था वो अलबरूनी था अलबरूनी उत्वी ने कौन सी पुस्तक लिखी है किताबुल यामिनी यानी इनके वंश के ऊपर किताब लिखी है किताबुल यामिनी ने क्या लिखी है तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी है क्या बोलेंगे तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी है हर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा बच्चा क्लास को ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है सबके लिए इतिहास कॉमन होता है ठीक है फिर आता है आपका मोहम्मद गोरी गोरी कहां से आया भैया ये उसी गजनी से गजनी का जो एक गौर प्रदेश था वहां से आया और 1173 से 1206 क्या बोलते हैं इसको सिहाबुद्दीन है। सिहाबुद्दी। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ 1175 में 1175 में हुआ मुल्तान पर करमाती जाति पर क्या बोलोगे करमाती जाति पर ग्यारह में वो लोग कौन थे वो लोग बौद्ध थे बौद्ध थे बौद्धों में मतलब वहां एक जाति थी बौद्धों में थे ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चे यहां आएगा ग्यारह से पाटन सर जी क्या कह रहे हैं बच्चे दिखाएं क्वेश्चन ऊपर 712 से 1000 तक की 300 साल की हिस्ट्री कहां गई <laughs> कहीं नहीं गई है और राजपूत काल है प्यारे बच्चे वो राजपूत काल है से देखेंगे एक बार। क्या बोलेंगे पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण इसमें क्या हुआ अब पहले कौन आया था बोले भाई मुझे बताओ अब जरा एक हजार पच्चीस में कौन आया था आप कहेंगे भैया एक हजार पच्चीस में आया था गजनी और गजनी को मिला था वहां पर कौन भीम प्रथम ऐसी ही भूल कर दी किसने आपका मोहम्मद गोरी ने इसने सोचा ये भीम लोग तो कमजोर हैं चालुक्य वंश कमजोर है पहले ये हार चुके हैं फिर से चलते हैं लेकिन इस बार यहां कौन था इस बार यहाँ भीम था। बहुत बुरा मारा भैया बहुत बुरा मारा किसको किसको मोहम्मद गोरी को मोहम्मद गोरी फिर बाद में मम्मी मम्मी चिल्लाया मम्मी मम्मी चिल्लाया तो क्या इसने छोड़ दिया तो बुरी तरह हराया भीम द्वितीय कौन है चालुक्य वंश का शासक था और युद्ध का नेतृत्व तो, नायिका देवी ने किया था और ये नायिका देवी कौन है ये मूलराज द्वितीय की माँ थी अब आप कहेंगे मूलराज द्वितीय कौन है तो कई बार हम ये समझ लेते हैं भीम द्वितीय ही मूलराज द्वितीय है तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि भीम द्वितीय और मूलराज ये दोनों भाई हैं ये कौन है ये भाई हैं ठीक है ठीक है भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी आएंगे आगे ग्यारह में क्या किया गोरी ने ग्यारह में कश्मीर और सिंध को जीता था कश्मीर और सिंध को जीता था ग्यारह में इसने पंजाब को जीता यानी भारत में एंटर कर रहा है धीरे धीरे एंटर कर रहा है भारत में धीरे धीरे और देखेंगे ध्यान से ग्यारह में तराइन का पहला युद्ध हुआ तराइन का मैदान कहां है आपका क्या बोलोगे हरियाणा में और ये पहुंच गया यानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था किधर बढ़ रहा था ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और पंजाब जीतने के बाद में ये पहुंच गया तराइन में तराइन में प्यारे बच्चे यहाँ युद्ध होता है और इस युद्ध में गोरी बुरसेज पृथ्वीराज चौहान क्या बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया फिर बोलो भी फटाफट से पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत बुरी तरह से हराया गोरी को और पृथ्वीराज चौहान जी जिनको हम राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं ठीक है क्या बोलेंगे किसकी हार हुई गोरी की हार हुई और ये जो मित्र थे चंद्र बरदाई क्या बोलोगे चंद्र बरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है चंद्र बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो इसी का एक किस्सा है ठीक है नहीं 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 वो शायद आपके खाकी बैच में लिखा हुआ है पत्नी या कुछ लिख रहा होगा वो मां है मां है उसको लिख लेना नायिका देवी इनकी मां थी ठीक है अरुण राणा जी अच्छा फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ये वापस चला गया गोरी फिर अगले साल आया गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान जी फिर से युद्ध होता है गोरी इस युद्ध को जीता ठीक है लेकिन क्या एकदम से पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया नहीं पृथ्वीराज चौहान जी को गोरी के अधीन मिला था क्या आपका अजमेर अजमेर में उनको शासन करने के लिए बोला गया था और कुछ दिन बाद जब विरोध उनको लगा कि पृथ्वीराज चौहान जी विरोध करने वाले हैं तब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना करके लोग ले गए ठीक है कोई दिक्कत हाँ, मोहम्मद साम किसका नाम है बहुत बढ़िया राहुल यादव धनघटा मोहम्मद साम जो है वो मोहम्मद गोरी का ही नाम है आप बस सुनते रहे ध्यान से ये देखो ध्यान पे लिखा हुआ पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा पाया गया है तो मोहम्मद साम कौन है ये आपका मोहम्मद साम कौन था अब आप सोचेंगे कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद शाम का नाम क्यों लिखवाएंगे अपने सिक्कों पर तो सीधी सी बात है इसी से यह पुख्ता हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने कुछ समय पर कुछ समय तक किसके गोरी के अधीन कार्य किया अपना साम्राज्य चलाया था ठीक है कोई भी परेशान सर जी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और तृतीय में क्या अंतर है बेटा द्वितीय मतलब इस वंश में पहले राजा रहे इनसे पहले पृथ्वीराज प्रथम रहे ये तृतीय है ये तृतीय नाम फर्स्ट सेकंड द्वितीय ऐसे ही रखते थे अकबर द्वितीय भी हुआ है मुगल काल में ठीक है अकबर सेकंड और आपका आ, मुगल काल में सहालम प्रथम भी हुआ है सहालम द्वितीय भी हुआ ये तो कॉमन लॉजिक की बात है ये ये दर्शाता है कि आप नकल से पास हैं अगर आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं पृथ्वीराज सेना पृथ्वीराज की सेना की कमान गोविंद राय खांडे राय और बदमसा रावल के हाथ में थी इनके हाथ में पदमसा रावल के हाथ में थी ये वो सेनापति हैं जिन्होंने द्वितीय युद्ध में क्या किया था क्या किया था आपका युद्ध किया था ठीक है नोट्स ओपन करके बैठे हुए हैं नोट्स में कुछ भी लगता है आपको अपने नोट्स में वही एकदम से ऐड कर देना ठीक है पृथ्वीराज चौहान जी की बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान जी क्या बात करते हैं दिल्ली किसने बसाइए दिल्ली बसाइए अनंग तोमर अनंग पाल तोमर दिल्ली किसने बसाई जिसका पूरा नाम क्या था पुराना नाम ढिल्ली का पुरी अनंग पाल तोमर ने बसाई इनके कोई बेटा नहीं था तो दिल्ली इनको क्या मिली पृथ्वीराज चौहान जी को मिल जाती है और पृथ्वीराज चौहान जी के पिता कौन थे ये सोमेश्वर सिंह चौहान थे इनको क्यों दे दीजिए इन्होंने तो ये बोलते कि इनके दोहित्र थे देवते थे इनके क्या थे इनके देवते थे पृथ्वीराज चौहान जी के भाई कौन है बोलेंगे भाई पृथ्वीराज चौहान जी के भाई कौन है इनके भाई का नाम भी है हरिराम ठीक है प्रेमिका कौन थी इनकी संयोगिता संयोगिता की कहानी सुनी है आपने ये संयोगिता है आपकी कौन राजा जयचंद की क्योंकि राजा जयचंद की बेटी जब दीवानी हो जाती है पृथ्वीराज चौहान जी की तो वो तो हरा नहीं सकता था राजा जयचंद की इतनी शक्ति नहीं थी तो कहते राजा जयचंद ने ही सूचना पत्र भेजे थे किसके पास में मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए क्या बोलेंगे भारत पर आक्रमण के लिए अच्छा आप लोग समझ गए युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी क्या बोलेंगे उसको मोहम्मद गोरी जीत चुका है लेकिन मोहम्मद गोरी का साथ दिया किसने जयचंद जयचंद ने जैचंद कहां का था कन्नौज का गहडवाल वंश का ये भी राजपूत वंश में ही आता है आपका कौन सा गहडवाल वंश इसने क्या किया था इसने गद्दारी की थी लेकिन गोरी ने क्या इसको छोड़ दिया नहीं गोरी ने इसको भी हराया तो गोरी आप समझ रहे ग्यारह सो आया ग्यारह बहुत बुरी तरह हारा है वो और ग्यारह सो बुरी तरह हारा है ग्यारह में, में जीत गया गोरी और ग्यारह में क्या हो गया गोरी की जीत हो गई जयचंद कोस असनी का किला लोटा गया तो जयचंद का ये कोस था। किला था कौन सा असनी का किला क्या बोलेंगे असनी का किला किसके अंदर में था असनी का किला बोलो भैया फटाफट से असनी का किला किसके अंदर में था क्या बोलोगे ये आपका जयचंद के किले में भैया संयोगिता कहानी सुनाओ अरे भैया मैं कई बार सुना चुका हूँ यार अब नहीं अब नहीं अब नहीं तो कॉमन हो चुकी है कहानी नई कहानी लाएंगे तुम्हारे लिए कोई मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है सूफीवाद क्या है दरअसल में इस्लाम की दो शाखाएं हैं आप सब लोगों को पता होगा सियाह और सुन्नी तो सियाह और सुन्नी जो हैं सिया और सुन्नी जो है इनके बीच के मतभेद को दूर करने के लिए मतभेद को दूर करने के लिए क्या बोलेंगे वो कौन आए आपका वो सूफीवाद की स्थापना हुई सूफीवाद की स्थापना हुई चलो सुना देते हैं कहानी कोई दिक्कत नहीं ऐसा हुआ हुआ कुछ ऐसा ये दिखाना नहीं। हुआ कुछ ऐसा कि भैया संयोगिता स्कूल में पढ़ती थी ठीक है तो स्कूल में पढ़ते टाइम क्या हुआ अरे ऐसा नहीं है सुनो वो दरअसल में उन्होंने किससे सुने थे किससे सुने थे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे और एक कन्नौज में एक राजा की बेटी थी तो ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली दूर नहीं है कन्नौज से तो इन्होंने किससे सुने पृथ्वीराज चौहान जी के <laughs> और किससे सुनने में इन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा करते हैं किसी से अपने भैया भैया से बोला होगा इन्होंने कहा कि अब शादी करनी है तो पृथ्वीराज चौहान से करनी है पृथ्वीराज चौहान जी मतलब वो भी शादी करना चाहते थे और शादी में क्या हुआ कि भैया जयचंद नहीं चाहते थे पड़ोसी शत्रुता रहती थी उन्होंने मना कर दिया शादी के लिए कि भई हम पड़ोसी राज्य से नहीं करेंगे शादी पृथ्वीराज चौहान जी की लोकप्रियता उस समय बहुत बढ़ रही थी तो पृथ्वीराज चौहान जी अपने घोड़े को लेकर के तुगड़ 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 और संयोगिता को बैठा के ले आए कहाँ से लेकर के आए टेंट में से लेकर के आए शादी का प्रोग्राम चल रहा था भैया दावत वावत सब कुछ थी संयोगिता की बरात आने वाली थी कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह से बारात आ रही थी गेट पे उनके पिता ने क्या दरबान बना करके एक पुतला खड़ा कर दिया पृथ्वीराज चौहान जी के भेस में और लोग हंस रहे थे पृथ्वीराज चौहान जी को देख कर कैसे बताओ नौता नहीं दिया निमंत्रण नहीं दिया उल्टे हंसी के पात्र बनाए गेट पर पुतला खड़ा किया उनका तो सब ऐसे कहते थे आज तो पृथ्वीराज चौहान गेट की ड्यूटी कर रहे हैं उनको नहीं पता था पृथ्वीराज चौहान अभी एंट्री करने वाले हैं एंट्री करके आए और संयोगिता को ले गए ये दंश था ये कहानी है सारी ठीक है चलो तो सूफीवाद समझ गए क्या होता है मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे अजमेर राजस्थान में रहते थे अजमेर में दरगाहवी है किसकी अजमेर शरीफ जो किसकी है मोइनुद्दीन चिश्ती की है मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए ठीक है उत्तर भारत में एकता प्रथा किसने चलवाई ये चलवाई आपकी गोरी ने आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आएगा भैया एकता प्रथा क्या होती थी एकता प्रथा दरअसल में थी कि सैनिकों को सैलरी के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए और इस जमीन के टुकड़े से क्या होगा इस जमीन के टुकड़े से होगा यह कि भैया वो अपना पेट जो है पाल पाएंगे पेट भर पाएंगे या जो लगातार सैलरी है उससे पता नहीं पूर्ति हो या ना हो <laughs> एक बच्चा कह रहा भैया इतिहास भूल जाते हैं प्रेम कहानियां याद रह जाती हैं ध्यान से देखो 1203-1206 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया किसको हराया परमर्दी देव को हराया परमर्दी देव के प्रधानमंत्री थे अजय देव ठीक है सेनापति कौन थे किनके परमर्दी देव के सेनापति आला और उदल भारत के बड़े वीर पुरुष रहे हैं और आल्हा और उदल में तो बात यह आती है आपकी कि इसमें जो ये थे मतलब इतने प्रचलित थे कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को कई बार हराया है लेकिन अपने गुरु के दिए हुए शब्दों के अनुसार इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को कभी भी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं कि जान से नहीं मारा जान से नहीं मारा देखो ध्यान से गोरी का अंतिम अभियान जो था गोरी चल रहा है अभी कभी को सोचो कोई और आ गया गोरी का अंतिम अभियान जो था वो खोकर जाति के विरुद्ध था 1205 में गोरी की मृत्यु 1206 में हुई पश्चिमी पाकिस्तान में किसने मारा अली मर्द तो यहां तक आप लोग एक बात समझे कासिम आक्रमणकारी की तरह भारत आया सात में फिर सत्रह आक्रमण करने वाला गजनवी आया इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया क्या नहीं ये भी नहीं किया इसने भी नहीं किया अच्छा गोरी जो भारत, भारत में आया गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया क्या नहीं मतलब अभी तक मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं हुआ तो ये लुटेरों की तरह आए हैं और वापस गए हैं लेकिन भारत पर आपकी क्लास का सिलेबस क्या है आपकी क्लास का सिलेबस है प्यारे बच्चे ध्यान रख लेना वो आएगा कहां से इसके बाद से ये जो गोरी था गोरी के चार दास थे दास मतलब सिलेब कौन कौन थे यलदौज कुबाचा एबक और बख्तियार खिलजी हम देखेंगे यलदौज जो है यलदौज को इसने दिया अपनी सेना में अपना जो हिस्सा था जीता हुआ गोरी का ये बोलेंगे इसने क्या दे दिया इसको गजनी क्षेत्र दिया किसको यलदौज को गजनी मिला कुबाचा जो दूसरा इसका दास था और इसका प्रमुख व्यक्ति था ऐसे नौकरों को नहीं बांट रहा है ये ऐसे भर्ती हुए दास थे जो अपने दम पर दम पर बहुत आगे बढ़ गए थे चलो कुबाचा सिंध और आपका क्या बोलेंगे एबक एबक को क्या मिला आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको लाहौर और दिल्ली मिले बख्तियार खिलजी को क्या मिला बंगाल और बिहार और आप लोगों को पता होना चाहिए इसने बंगाल और बिहार में क्या तबाही मचाई इसने सारे विद्या के केंद्र और सारे हिंदू मंदिर सबको तोड़वा डाला देखेंगे ध्यान से अच्छा गोरी के समय जो विद्वान थे दो लोग थे फकरुद्दीन राजी और नजामी उरुजी क्या बोलोगे फकरुद्दीन राजी और नजामी रूजी थे अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं बख्तियार खिलजी ने नष्ट किए गए विश्वविद्यालय कौन से नालंदा को नष्ट किया है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल को नष्ट कर दिया ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में था ये तीनों किसने नष्ट किए हैं ये नष्ट किए आपका किसने क्या बोलेंगे बख्तियार खिलजी ठीक है आगे आएंगे कोई भी दिक्कत आगे आते बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति देखना ध्यान से जो ये बख्तियार खिलजी है ये वाला ये बख्तियार खिलजी पहले तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था लेकिन बाद में किसका हो गया ऐबक का हो गया किसका हो गया बाद में ये ऐबक का सेनापति हो गया कोई दिक्कत ठीक है नहीं प्यारे बच्चे क्वेश्चन फॉर्मेट इसका होगा एक बार सारे बच्चे लिख दे गागर में सागर पांच तारीख को कितने को बच्चों को दिखाओ भाई अक्टूबर को होगी प्यारे बच्चे क्वेश्चन ढाई सौ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपका क्वेश्चन फॉर्मेट में ये आपका होगी कब क्वेश्चन फॉर्मेट तब लेकिन तब तक आपको उत्तर देने उसके लिए आप तैयार हो जाइए कोई भी परेशानी भाई इस बात में यानी गोरी अपने चार लोगों में बांट गया यलदौज कुबाचा एबक और बख्तियार खिलजी में एबक चालाक था इस कुबाचा से तो अपनी बहन की शादी करा दी तो ये एबक का जीजा सामने लिखा हुआ है इससे तो अपनी बहन की शादी करा ली तो कुबाचा का विरोध खत्म कर दिया और यदोज की लड़की से शादी कर ली ये एबक का ससुर है यह विरोध भी खत्म कर दिया बच्चा कौन अकेला मैदान मारने के लिए कौन तैयार है तो आप कहेंगे ऐबक तैयार है ऐबक आ जाता है भैया तो ऐबक शुरू होती है और आपका सिलेबस शुरू होता है क्या दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश हुए हैं पांच वंश हुए हैं गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोदी वंश गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी 1206 से 90 गुलाम वंश 1290 से 1320 सबसे कम कार्यालय कार्यकाल यानी कुल 30 वर्ष रहा है कुल 30 वर्ष कौन खिलजी वंश तुगलक वंश किसने वर्ष रहा है आपका चौरानवे वर्ष सबसे लंबा शासनकाल है सबसे ज्यादा सैयद वंश चौदह सौ चौदह से चौदह सौ इक्यावन चौदह सौ चौदह से चौदह सौ इक्यावन लोधी वंश चौदह सौ इक्यावन से पंद्रह सौ छब्बीस ठीक है कोई भी दिक्कत इस बात में कोई परेशानी अमित मौर्या जी कह रहे हैं बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं इनको मुक्ति दे दो इनकी शकल नहीं दिखनी चाहिए मुझको बेटा मैं उड़ा देता हूँ ऐसे ऐसे समझ रहे हो तुम छोटा मोटा मुझे तब तो मुझे ये मत बताओ मैं कैसे पढ़ाऊँ कितना पढ़ाऊँ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ें ऐसे मत करो यार मंदा तेज क्या होता है मंदा तेज गुलाम वंश गुलाम वंश और पता है ये कौन बच्चे शिकायत करते हैं जो हमारे अपने स्टूडेंट रहते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं वो एक रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं तो वो ध्यान से अपनी कॉपी को देख रहा होगा इधर मैच कर रहा होगा भैया कुछ नया एडिशन तो नहीं है उसको ऐड कर लेता हूँ क्या पता परीक्षा में वही आ जाए ये जो बीच में झांकने वाले आते हैं कभी कभी इनको लगता है कि अभी सब कुछ सीख जाओ एक दो घंटे में सारा जादू मंत्र यहीं ले जाओ बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होते <laughs> देखो ध्यान से तो भैया पहले वंश को पढ़ते हैं गुलाम वंश गुलाम वंश के दो नाम दो गुलाम वंश के जो नाम है इसको दास वंश बोलते हैं तो हम कहते हैं कि दास वंश का क्या अर्थ है भैया इसमें क्या इसके सारे शासक दास रहे नहीं दास तो सिर्फ तीन शासक रहे लेकिन वो तीनों इतने महत्वपूर्ण रहे इतने कद्दावर रहे कि उनके नाम पर इसको परासवंश वंश कहा गया इसको? वंश गया? और गुलाम वंश में कुल शासक कितने हुए ग्यारह हुए मैच करते चलना भी अपने नोट से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो नोट करें कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक हुआ इंपोर्टेंट बात इसका जन्म हुआ 1150 में गद्दी पर कब बैठता है ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गद्दी पर बैठा इसकी राजधानी क्या थी राजधानी लाहौर थी लेकिन सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई दिल्ली बनाई मुख्य राजधानी नहीं ठीक है क्या बोलोगे मुख्य राजधानी नहीं भैया जी क्या बोलोगे सैन्य राजधानी और ये कौन था ये गोरी का गुलाम था इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था गोरी ने खरीदा था किसने खरीदा था गोरी ने खरीदा था और मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दो उपाधि दी मलिक और सिपहसलार मलिक और सिपहसलार ऐबक गोरी का दामाद भी बना और मैं आपको एक बात बता देता हूं बहुत जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे किसको सल्तनत काल जिससे प्रसन्न आने के चांसेस बहुत कम है और दरअसल में ये देखा गया है जब से बाबा जी की सरकार आई है तो सल्तनत काल और साथ में आपका मुगल काल तो कुछ प्रश्न देखने को मिल नहीं रहे भैया इनसे बात भी आप लोग याद रख लेना लेकिन आप इग्नोर ना करके जाएं पता चले प्रश्न मिल जाए क्योंकि एक प्रश्न भी महत्वपूर्ण है ठीक है क्या बोलेंगे कोई दिक्कत अबक गोरी का दामाद भी बना पहले क्या बोलेंगे इसका दामाद बन जाता है गोरी ने से शुरुआत में ही अमीर ए आखूर पद दिया था गोरी ने क्या दिया था इसको अमीर ए आखूर पद दिया अमीर ए आखूर पद क्या होता है भैया अमीर ए आखूर पद होता था किसका अस्तबल का प्रमुख अस्तबल का प्रमुख घोड़े के लिए शुरुआत में इनको घोड़े आदि के लिए रखा गया कि घोड़ों की मालिश वालिश ये करेंगे लेकिन बाद में अपने क्या बोलते क्वालिटीज के हिसाब से आगे बढ़ते गए घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता है काल इसका कितना रहा 1206 से 1210 मृत्यु कहां हुई इसकी लाहौर में हुई चौगान खेलते समय चौगान खेलते समय एबक के बाकी नाम कौन कौन से हैं पीलबक्स इसी को कहा गया है हाथियों का दान करने वाला लाख बक्स इसी को कहा गया है हातिम सेकंड इसी को कहा गया है कुरान खां के नाम से इसको कहा गया है ऐसे ना पूछे भैया आप, आप इस क्लास को ऐसे ना पढ़ना चाहें एक बच्चा पूछ रहा है लाख बक्स क्यों कहा गया है तो आपको पता होना चाहिए लाखों रुपए का दान इसने दिया है भारत में आने के बाद इसीलिए इसको लाख बक्स कहते हैं पील बक्स का मतलब है पील हाथी को बोलते हैं हाथियों का दान करने वाला ठीक है जी चलो एबक ने कभी भी कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो ने कभी भी कभी भी अपने नाम का कोई ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया कभी नहीं और ना ही खुतबा यानी कि कोई प्रशंसा पत्र पढ़वाया इसमें कोई प्रशंसा पत्र भी नहीं पढ़वाया खुतबा क्या होता था समझ रहे अपनी राजा अपने नाम के लिए उसने क्या कार्य किए अपनी प्रशंसा में अपनी प्रशंसा में क्या जारी करता था एक खुतबा पढ़वाता था प्रशंसा पत्र ऐबक किसका शिष्य था बख्तियार काकी का शिष्य था किसका बख्तियार का चलो नेक्स्ट। फिर बात आती है। बख्तियार काकी का शिष्य तो हो गया एबक लेकिन बख्तियार काकी के गुरु कौन थे वो थे माइनुद्दीन चिश्ती जो मैंने बताया सूफीवाद और सुन्नी के मतभेद को खत्म करने के लिए सूफी की स्थापना हुई ने क्या क्या बनवाया भारत में कुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली उत्तर भारत की पहली मस्जिद है उत्तर भारत की भारत की नहीं अच्छा आपसे कभी पूछे भारत की पहली मस्जिद कौन है तो भारत की पहली है चेरामन जुमा चेरामन जुमा यह केरल की एक मस्जिद है जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है चेरामन जुमा अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने अजमेर में बनवाया और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसने क्या बोलते हैं हिंदू मजदूरों को बंद किया हिंदू मजदूरों को इसने बोला कि तुम जब ये गुजर रहा था तो ये संस्कृत महाविद्यालय था विग्रहराज ने बनवाया था एक शासक थे भारत के राजस्थान के विग्रहराज तो उनका एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसको इसने क्या बोल दिया बड़ा सुंदर लगा इसने इसके प्रांगण में क्या करवा दिया इसको तोड़वा दिया तो बात यह सारी की सारी ढाई दिन में इसको बनाया गया यानी कि साठ घंटे में इसको बनाया गया और साठ घंटे तक मजदूरों को भूखा रखा गया और यह बोला गया क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसे इसने बोला कि भाई खाना जब मिलेगा जब ये इमारत पूरी हो जाएगी तो भूखे मजदूरों ने भूखे मजदूरों ने क्या बोलोगे साठ घंटे काम किया कोई भी दिक्कत कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया गया कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया एक बच्चा कह रहा सर कैसे मान ले कि यही इतिहास है जो आप पढ़ा रहे हैं <laughs> किसी ने कुछ भी लिख दिया <laughs> अरे मैंने तुमसे कहीं यह बोला कि तुम इसको मानो कि इतिहास है मैं तो यह कह रहा हूं तुम इसको गणित मानो ट्रिग्नोमेट्री मान के पढ़ लो चलो हाइट कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुब मीनार बहत्तर दशमलव पांच मीटर उन्नीस सौ तिरानवे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुई एबक को ही गुम्बद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं गुम्बद का मतलब क्या है जो ऐसी आकृति होती है मेहराब क्या होता है जो ऐसी आकृति होती है तो गुम्बद और मेहराब कला का जनक किसको बोलते हैं हम किसको बोलेंगे भैया वो एबक को कहते हैं किसको कहते हैं एबक को कहते हैं ठीक है ऐबक का दरबारी कवि कौन था हसन निज़ामी और हसन निज़ामी ने पुस्तक कौन सी लिखी है पुस्तक ताजुल मासिर नहीं हमारे भाई का कहना एकदम ठीक था दरअसल में इन्होंने क्या क्या कहना चाह रहे थे ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी अगर कुछ लिखेगा कोई भी कुछ लिखेगा तो वो अपने राजा के दबाव में लिखेगा लेकिन दरअसल शायद में ऐसा भी है कि कल को अगर हम अपना हिंदुस्तान का इतिहास किसी को बताएं आज का तो वो कोई कहेगा कि ये दरअसल में बीजेपी के समय का लिखा गया इतिहास होगा कोई कांग्रेस के समय का बताएगा कोई कहेगा कांग्रेस के समय का लिखा गया इतिहास है तो इस तरह तो इतिहास कभी सही मिल ही नहीं पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई, कोई राजा रहा होगा तो आप कैसे कह पाएंगे कि उसका इतिहास सही है तो फिर तो हम कभी किसी के इतिहास को सही कह ही नहीं पाएंगे है ना समझ रहे आप मेरी बात को बोलो एक बार ऐसा नहीं होगा क्या कभी भी कोई भी इतिहास लिखा जाएगा वहां पर कोई ना कोई सरकार या कोई ना कोई राजा या कोई ना कोई सर्वोच्च शक्ति रहेगी फिर तो सब कुछ झूठ हो जाएगा हाँ ये जरूर होता है कि राजा जो इस समय आपकी अराजकता थी ना कोई कानून था इस समय चीजों को बढ़ा करके लिखा गया और कतले आम की एक भारी स्थिति पैदा की गई ऐबक का मकबरा कहाँ है ये लाहौर में है किसने बनवाया अलतुतमिस ने बनवाया अलतुतमिस कौन है इसका आपका गुलाम था एबक के बाद में गद्दी पर आया आराम सहा आराम गद्दी पर ज्यादा दिन नहीं रह पाया और इसको किसने हरा दिया अलतुतमिस ने हरा दिया जूड के युद्ध में बारह सौ ग्यारह में कौन गद्दी पर आ गया गद्दी पर आ गया भैया आपका कौन अलतुतमिस क्या बोलोगे गद्दी पर आ जाता है भैया इलतुतमिस अल्तुतमिश को बोलते हैं ध्यान से देख लेना इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं बात आपको याद रख लेनी है क्यों क्योंकि इसने राजधानी कहां बना ली वो दिल्ली बना ली अब तक राजधानी कहां थी वो लाहौर में थी लाहौर में आपका क्या बोलेंगे उपाधि थी लाहौर में सॉरी राजधानी थी इसके पिता का नाम क्या इलतुतमिस का ईमल इलम खां है उपाधि अमीर उल उमरा इसे गुलाम का गुलाम कहते हैं ठीक है अच्छा जो इलतुतमिश ने क्या चलाया भारत में एकता प्रथा चलाई अभी आप कहेंगे भैया एकता आप कहीं किसी और के लिए बता रहे थे तो मैंने एकता तब बताया आपको क्या बोला मैंने उत्तर भारत में पूरे भारत में नहीं उत्तर भारत में इलतुतमिस ने इसके अपने सभी साम्राज्य क्षेत्रों में चलाई एकता यानी सैनिकों को क्या देने जाने लगा एकता का मतलब था जमीन का टुकड़ा अब सैनिकों को दिया जाता था जमीन का टुकड़ा ठीक है इसने क्या काम किया कि इलतुतमिस ने सोचा कि इसको कोई ना हरा पाए इसके लिए इसने एक तुर्क चहलगानी बनाया चालीस सरदार इसने बोला मैं इनको ताकतें दूंगा और जब कभी भी मेरे खिलाफ विद्रोह का समय आएगा तो ये लोग क्या करेंगे ये मुझे मदद करेंगे तो यहां पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे बोले एक बार तो भैया यहां इसने तुर्क चहलगानी जिसमें चालीस सरदार हुए करते थे इसका गठन किया इस तुर्क चहलगानी का अंत कौन करेगा कमेंट सेक्शन में बताएं जरा फटाफट से बोले तुर्क ए चहलगानी का जो खात्मा करेगा भैया वो कौन करेगा फटाफट से बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे भैया तुर्क ए चहलगानी का जो खात्मा किया वो किया आपका किसने बलबन ने बहुत खूब उत्तर देते हुए अंजान बालक एकदम सही आंसर अंकुश वर्मा एकदम सही आंसर रिति रितेश गौरव नायक बहुत खूब आंसर देते हुए अच्छा आगरा में न्याय का घंटा लगवाया जंजीर नहीं न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई है जिसमें साठ कड़िया थी ये न्याय का घंटा लगवाया कहा आगरा में इलतुत्मिस के समय का इतिहास अपनी कॉपी में नोट करें तारीख ए फरोज शाही में लिखा है किसने लिखा है आपका बर्नी ने लिखा है ठीक है कोई भी दिक्कत बहुत खूब लिखा है राहुल यादव जी ने कि इल्तुतमिस गद्दीस पर बैठने से पहले बदायूं का गवर्नर था बहुत अच्छा बच्चे खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान खिलहत का क्या मतलब था अपॉइंटमेंट लेटर खलीफा जो इस्लाम में सर्वोच्च पद माना गया उसने कभी किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया लेकिन खलीफा से खिलहत का प्राप्त कर लिया किसने अलतुतमस नेक्स्ट अब आ जाती है बात किसकी तराइन तीसरे दुध की क्योंकि ये लोग जो यलदौज है या कुबाचा मैंने बोला ये रिश्तेदार किसके थे बाबर के सॉरी बाबर ऐबक के रिश्तेदार थे अच्छा जब ये ऐबक के रिश्तेदार थे तो ऐबक के तो फेवर में रहते ऐसा थोड़ी ऐबक के कोई गुलाम आ गए उनके फेवर में हो जाए नहीं तो जब ये गद्दी पर आ गया आपका कौन तो इसके करीबी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई जो चाहते थे कि गद्दी हमारी होनी चाहिए तो ऐसा संघर्ष किया 1215 में यलदौज ने और कभी मत भूल लेना तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था 1215 में हुआ था तराइन के तीन युद्ध हो गए ग्यारह सो इक्यानवे ग्यारह सो बानवे और आपका बारह सो पंद्रह पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते दूसरे को आपका मोहम्मद गोरी जीता और तीसरे को कौन जीता जीता ठीक है एक मुद्रा जारी कराई इल्तुतमिस ने जिसका नाम क्या था जीतल और टंका पूछा जाता है टंका किसकी बनी हुई थी टंका चांदी की जीतल तांबे की बनी हुई थी ये फैक्ट याद रख लेना इलतुतमिस के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था और मंगोलों का कौन था चंगेज खान दुनिया में सिकंदर की तरह नाम लिया जाता है चंगेज खान का तैमूर लंका क्योंकि बहुत खुंखार आक्रमणकारी हुए हैं लेकिन यहां चालाकी से काम लिया था किसने अल्तुतमिस ने इसने युद्ध को टाल दिया था क्योंकि जो दुश्मन था चंगेज खान का वो भाग करके शरण लेना चाहता था अल्तुतमिस के यहां उसने बोला अल्तुतमिस से मेरी मदद करो और पीछे से आ रहा था चंगेज खान अपनी सेना लेकर के ढूंढता हुआ तो इल्तु ने सोचा भैया आने वाली आफत है इसको काट देते हैं इसने गर्दन काट दी जो मदद मांगने आया था उसी की ठीक है चलो मकबरा शैली का जनक कौन है इलतुतमिस क्योंकि इसने क्या बनवाया है दिल्ली में बनवाया है दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा इलतुतमिस ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया किसकी याद में अपने बेटे महमूद की याद में बनवाया तो इसको क्या बोलते हैं हम सुल्तान क्या बोलते हैं इसको मकबरा शैली का जनक कहते हैं टकसाल पर नाम लिखवाने की प्रक्रिया किसने शुरू की टक्साल क्या होती है जहां पर सिक्के ढलते हैं जहां पर कॉइंस बनते हैं क्या बोलेंगे कॉइंस बनते हैं और कॉइंस बनते हैं तो टक्साल का नाम सिक्कों पर लिखवाया गया अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में किसने बनवाया ने बनवाया किसने अलतुतमिस ने बनवाया नेक्स्ट अल्तुतमिस का दरबारी कवि मिनहाज सिराज अल्तुतमिस का दरबारी कवि कौन था और देखो ये मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कहां पर दिल्ली पुलिस बैच में वही हिस्ट्री तुम्हारे लिए जो सेम टॉपिक है वो मैंने सारी पीडीएफ ले ली है ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए ठीक है क्या बोलेंगे अल्तुतमिस का दरबारी कवि कौन था मिनहाज सिराज इसकी पुस्तक कौन सी है नोट करेंगे मिनहाज सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासरी पुस्तक बहुत पूछी जाती है ठीक है क्या पूछे जाएंगे बहुत पूछी जाती है इल्तुतमिश का मकबरा कहां है दिल्ली में किसने बनवाया ने ही बनवाया है किसने हाँ विशाल कुमार बिल्कुल ठीक है क्या बोलेंगे दिल्ली में किसने इल्तुतमिश ने ही बनवाया है बारह में क्या हो गई मृत्यु हो गई इलतुतमिस ने कुतुब मीनार को क्या करवाया पूर्ण करवाया शुरू करवाई पूरी किसने करवाई थी कुतुब मीनार बोलो भाई वो आपका पूरी करवाई थी किसने के बाद में अब तक कौन कौन आ एबक आया। एबक के बाद में आराम शाह आराम के बाद इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज इसकी माँ का नाम था शाहतुर पिता इल्तुतमिश था बहुत कमजोर शासक बोलते इसकी मां साहतुर का जो शासन है वो छाया रहा इसके ऊपर अराजकता का समय था दिल्ली में और भैया क्या मानते हैं मांग को लेकर के न्याय की मांग को लेकर के अभी देखना क्या होगा रजिया सुल्तान भीड़ के बीच में पहुंच गई हाथ फैला करके बोली जनता की जनता दिल्ली की जनता मैं तुमसे न्याय मांगती हूं ये कैसा शासन चल रहा है शाहतुर कान जो निशंस थी एकदम बढ़िया शासक नहीं थी कौन पहुंच गई रजिया सुल्तान आ गई भीड़ भड़क गई भड़की भीड़ चल दी आपका राजभवन की तरफ चल दी तो क्या बोलेंगे तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका इसको अपॉइंट कराया किसने भीड़ ने बनाई थी इसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम साहसिका इतुजमिस की बेटी थी इसके खिलाफ होने वाले विद्रोह कौन कौन से थे रजिया को तो देख लो फोटो उसका ध्यान से कुछ उधर ही देख रहे होंगे अभी कोने इधर नहीं देख रहे होंगे अलतूनिया का विद्रोह अंतुनिया कौन है इसका हस्बैंड बना बाद में तबर हिंद भटिंडा पंजाब का और जो तुर्क चहलगानी थी ना उस के चहलगानी में से एक व्यक्ति था तुर्क चहलगानी में से एक व्यक्ति था विद्रोह कर दिया रजिया गई विद्रोह को दबाने के लिए उसने रजिया दबा ली रजिया को पकड़ के उसने बिठा लिया रजिया बंदी बना ली गई लेकिन रजिया चाल चल दी मैंने बताया रजिया ने आंख मार दी किसकी तरफ आंख मार दी अल्तुनिया की तरफ बोली पागल तू एक सरदार है यहाँ रह रहा दोनों मुझसे शादी कर दोनों दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे गद्दी पर बैठेंगे दिल्ली के प्रस करेंगे राज करेंगे ओ, आगे चक्कर में अल्तुनिया अल्तुनिया ने कहा यार बात तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है रजिया भी सुंदर है तो भैया कहने की बात है कि बात कामयाब होगी रजिया की चाल कामयाब हो गई चाल क्या थी रजिया के पास ऑप्शन ही यह था यहाँ इंपोर्टेंट बात है रजिया कूल्हा और चोगा धारण करके कुर्ती थी और क्या कुल्हाइ टोपी जो पहन रखी है उसने कुर्ता यानी एक ब्लेजर सा था चोगा लंबा जिसको ये पहन के रखती थी पर्दा इसने छोड़ दिया 25 दिसंबर 1240 को कैथल फैथल नहीं कैथल कैथल में क्या हो गया इसकी मृत्यु हो गई रजिया ने काले गुलाम याकीद को अमीर आखूर नियुक्त किया यानी का प्रमुख रजिया पर इसी व्यक्ति के लिए लगे थे क्या प्रेम संबंधों के आरोप लोगों ने भड़काया रजिया के खिलाफ चाल चली और बोला गया कि उसके तो एक काला हबसी गुलाम था ये। याकूत बोले उससे उसके संबंध है रजिया के वो रजिया को घोड़े पे बिठाता है उठा करके जब रजिया घोड़े पे बैठती है लेकिन लोगों ने बोला रजिया तो यार जनता के बीच में हाथी हाथी बोल घोड़ा कभी चलाती ही नहीं होगी चलाती होगी बहुत सारे आरोप लगे रजिया पर कहने की बात यह है तो भैया ये जो विद्रोह हुआ क्या बोलते हैं जब अलतुनिया ने विद्रोह किया था यहां पर याकूत मारा गया था ठीक है आगे आएंगे बहराम शाह साहब किसके बाद में आया रजिया के ये भी अलतूत का बेटा है ये रजिया का भाई है इसने नायब ए मुमलिकात ध्यान से देखना यह शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है नायब ए मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया एलगी नहीं ऐतगीन क्या बोलोगे इसने नायब ए मुमलिकात किसको एतगीन को नियुक्त किया लेकिन ऐतगीन इतना बड़ा शौकीन हो गया कि उसको लगा कि राजा की होड़ कर अपने दरबार के आगे हाथी रखने लग गया घोड़ा रखने लग गया मतलब ऐसे ऐसे ठाट बाट से रहने लगा जैसे राजा रहता इतने ठाट बाट से तो सब कहने लगे भाई इतने ठाट बाट का क्या मतलब है लेकिन उसने राजा ने आदेश दिया कि भाई ये सब बंद करना होगा लेकिन उसने नहीं किया अब बंद नहीं किया तो भैया फिर तो इलाज एक ही था कि इसकी क्या हत्या करा दी गई ठीक है मंगोल आक्रमण किसके समय जैसे इलतुतमिस के समय 1221 में हुआ ऐसे ही प्यारे बच्चे 1240 में भी हुआ है 1240 में किसके समय हुआ बोलेंगे भाई बारह सो चालीस बारह सौ में किसके समय हुआ तेहर के नेतृत्व में बहराम शाह के अब आप कहेंगे नायब क्या था नायबिकात एक ऐसा पद बनाया गया कि राजा को रिपोर्ट करेगा नायब मुम्बलिक और बाकी सारे विभागों में प्रमुख होगा नायब मुम्बलिकात यानी एक ताकतवर पद इसी ताकतवर पद को पाकर के बलबन क्या आ जाएगा दिल्ली की गद्दी पर आ जाएगा ठीक है आगे चलेंगे मसूद शाह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है नसरुद्दीन महमूद ये कौन था ये बलबन से पहले था सिर्फ इतनी बात याद रख लेना इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं औरंगजेब क्यों कहते हैं क्योंकि ये भी औरंगजेब जिस तरह टोपी सी करके उसके बारे में कहा जाता है ऐसे इसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है ठीक है इसके बारे में याद रख लेना देखो ये बात याद रखें कि इसके समय पर जो नायब ए मुम्लिकात था वो कौन था ये बलबन था कौन था ये ये बलबन था और महमूद जो है बलबन का दामाद था बलबन खुद तो नायब एक मुमलिकात बन गया प्रमुख पद ले लिया और साथ में अपनी बेटी की शादी कर दी इससे यानी दामाद क्या था वो दिल्ली का सुल्तान था और सबसे महत्वपूर्ण पद था बलबन के पास में समसी वंश का खात्मा एक लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कहते हैं कि जो इलतुतमिस का वंश था वो समसी वंश था और वो समसी वंश यहां खत्म हो गया और प्रथम इलबरी वंश भी यहीं खत्म हो गया इलतुतमिश के वंश खत्म इसके बाद में क्या आता है आपका क्या बोलते हैं इसके बाद में आता है आपका दूसरा समसी वंश याद रख लेना बलबन कब गद्दी पर आया 1265 66 नहीं 1265 से 87 इसे एडिट कर लेना कहीं 66 हो तो 1200 क्या बोलेंगे 1265 से 87 इसे शासन काल द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता है इसी को हम बलबनी वंश भी कहते हैं बलबनी वंश भी कहते हैं पूरा नाम क्या था बलबन का गयासुद्दीन बलबन यह इलतुतमश का गुलाम था एक क्या इलतुतमस का गुलाम था वास्तविक नाम बहाउद्दीन याद रखेंगे उपाधि इसकी उलूक खां अमीर शिकार बना था यह बहराम के समय पर बहराम शाह यानी जो दरबार में आया फिर धीरे 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 क्या बोलते हैं इसका पद बढ़ता रहा पद बढ़ता रहा अमीर आखूर बन गया अमीर सिकार से और धीरे धीरे नायब मुमलिकात तक पहुंचा लोहो एवं रक्त नीति किसके खिलाफ मेवाती जो लुटेरे लोग थे दिल्ली के आसपास इसको खबर मिली कि अफगानी लुटेरे हैं मेवाती लुटेरे हैं तो यहां पर इसने क्या बोला अफगानी लुटेरे नहीं अफगानियों को बुलाया इसने इनको खत्म करना है तुर्क चहलगानी जो चालीस सरदार थे उन सब का खात्मा इसने कर दिया सबका खात्मा कहते सबसे कट्टर बनकर के निखरा सबसे खतरनाक गुलाम वंश में सिजदा बोला कि मेरे सामने झुकोगे फिर रेंगते हुए आओगे फिर मेरे अंगूठे चूमोगे नौरोज किसने शुरू करवाया इसी ने लेकिन कभी मत भूलना नौरोज बंद किसने करवाया औरंगजेब ने सिजदा और पाबोस को बंद किसने करवाया वो शाहजहां ने करवाया सर जी इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं भैया इसका जो मालिक था वो खुद एक गुलाम था ये कौन हो गया गुलाम का भी गुलाम हो गया ठीक है जी बच्चे क्लास आ जाएगी शुरू से शुरू से क्लास आ जाएगी जो कट गई है बीच में कुछ एरर हो गई थी थोड़ी टेक्निकल एरर उसकी वजह से गई है ठीक है नरेंद्र सिंह निमेश जी वो पैसठ कर लेंगे इतना लॉजिक लगाओ थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ जब मैं कह रहा हूँ ये पैसठ से तो पिछले वाले को पैसठ आप कर लेंगे फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया आरसी पद्धति से मतलब इसको बोलते हैं कि गैर इस्लामिक प्रथा किस शासक ने चलाई तो वो चलाने वाला कौन था वो बलबन था क्योंकि ये नवरोज किसका है नवरोज किसका है ये आपका पारसियों का त्यौहार था पारसियों का त्यौहार था ठीक है सैनिकों के लिए नगद वेतन तो आप कहेंगे भैया सैनिकों के लिए हमने नाम पढ़ा है बार बार अलाउद्दीन तो याद रख लेना अलाउद्दीन ने पूर्ण रूप से पूरे साम्राज्य में पूर्ण रूप से इसको लागू किया था और कभी भी प्रश्न आए नगर नगद वेतन तो अलाउद्दीन ही लिखना है लेकिन ध्यान रख लेना प्यारे बच्चे ये जो नगद वेतन है ये जो नगद वेतन है आपका सैनिकों के लिए ये कुछ थोड़े से अंश मात्र में जब बलबन को लगा कि उसके कुछ सैनिकों की पूर्ति उस जमीन से नहीं हो पा रही है तो इसने वेतन देना शुरू किया था वेतन देना शुरू किया था बेटा तुम जितने भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो ना मोटिवेशन शायरी सुना दो सर मैं गुस्सा हूं आपसे तुम्हारा किसी का सिलेक्शन नहीं होना सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो चुपचाप पढ़ रहा है आप ही में तुम सारे यहां कमेंट सेक्शन में घूमते रहोगे कल को फिर पेपर में कुछ गड़बड़ होगी तो तुम यहां कमेंट में फिर हमें गाली दोगे सर जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तुम पर पढ़ाना नहीं आता ये नहीं करना आता पढ़ लो यार प्लीज रिक्वेस्ट है प्लीज पढ़ लो आपकी जिंदगी के मालिक आप खुद हैं आप जिंदगी में क्या होंगे ये आप ही तय करोगे कुछ इस बात पे मेरी पर रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है इस बात में कोई उनको पता ही नहीं है किस टाइम पे हंसना है उनको यही नहीं पता किस टाइम पर उनको रोना है टाइमिंग बड़ा खेल होता है मेरे दोस्त टाइमिंग से पहले कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है आओ इसने दो विभाग बनाए थे एक गुप्तचर विभाग बनाया था क्या बरीद ए मुमालिक बरीद ए मुमालिक दीवान अर्ज इसने किसके लिए बनाया था ये दीवान अर्ज इसने बनवाया था सैन्य विभाग था ये क्या है एक सैन्य विभाग था सेना के लिए बनाया था बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की बलबन के समय देखो मैं आपको वो चीजें बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है बलबन के समय बंगाल विद्रोह किसने किया था तुग्रिल खान है याद रखेंगे नेक्स्ट कैकूबाद इसने किलोखरी का किला बनवाया सेकंड लास्ट शासक है गुलाम वंश का फिर कैमूर साया ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है ये भी याद रखना है आपको मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ क्या महत्वपूर्ण है स्क्रीनशॉट लेते हुए रहेंगे खिलजी वंश की बात पर आ जाते हैं खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम है इतना तो जानते हो ठीक है सबसे कम ये इसको स्थापित किसने किया था जलालुद्दीन खिलजी ये कहां से आ गया भैया ये दरअसल में गुलाम वंश में एक सेनापति के तौर पे था एक मजबूत सेनापति था उसकी अगर बात करें तो पश्चिमी सीमाओं को गुलाम वंश की दिल्ली के समय पर शासक होते हुए उनकी देखा देखा बहाली यानी कि उनको मजबूती का कार्य कौन देता था जलालुद्दीन खिलजी इसकी उपाधि क्या थी साइस्ता खा साइस्ता खा और इसको ये उपाधि किसने दी थी कैकुबाद ने आप समझ गए कैकुबाद कौन है ये आपका कहां से गुलाम वंश से कहां से है ये, ये आपका गुलाम वंश से है ठीक है और गुलाम वंश में प्यारे बच्चे आप क्या कहेंगे कि उसके समय पर जब ये सेना क्या बोलते सीमाओं की रक्षा कर रहा था तब उपाधि दे दी सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक कौन है सत्तर वर्ष की उम्र में बैठा था क्योंकि उम्र निकल गई थी कहां पर आपका सेवा करते हुए किन की गुलाम वंश की इसी के समय कड़ा मानिकपुर में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया जो कड़ा मानिकपुर एक जागीर थी उसमें मलिक छज्जू नामक व्यक्ति था उसने विद्रोह कर दिया तो उसके विद्रोह को दबा दिया गया और विद्रोह को दबा करके जलालुद्दीन खिलजी ने अपने जागीर अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को दे दी साथ में जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे इब्राहिम खाने खाना और अरकली खां तो इसका बेटे को गद्दी पर आना था किसी एक को लेकिन ये बहुत चालू चीज था अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा ध्यान से देख लेना अभी बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो हसन दहलवी लेकिन कभी भी पूछे आपसे अमीर खुसरो दक्षिण अभियान में गया था अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ दक्षिण अभियान में गया है क्योंकि ये एक शासन में तो रहा नहीं है आठ शासन में रहा है अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय दक्षिण अभियान में दक्षिण अभियान में गया अमीर खुसरो हसन दहलवी तुगलकनामा किसकी पुस्तक है आशिका किसकी पुस्तक है ये अमीर खुसरो की पुस्तक है आठ सुल्तानों का दरबार किसने देखा अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो के गुरु कौन है निजामुद्दीन ओलिया है और निजामुद्दीन ओलिया ने सात सुल्तानों का दरबार देखा है सात सुल्तानों का ठीक है इनके गुरु ने मतलब खुद ने चेला आगे निकल गया गुरु से <laughs> जैसे तुम निकल जाओगे मुझसे आगे सात सुल्तानों का दरबार देखा कव्वाली गजल पहेली सितार तबला इन सब के जनक कौन है अमीर खुसरो है अमीर खुसरो का जन्म कहा हुआ है पटियाली में कहा हुआ है पटियाली में हुआ है खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग किसको अमीर खुसरो को वर्ष बारह में क्या हुआ कि जलालुद्दीन की हत्या अलालुद्दीन ने करवा दी अलालुद्दीन बोल दो अलाउद्दीन बोल दो बलबन का मकबरा कहां है सर भैया दिल्ली में दिल्ली में है आपका कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के पास में ही देखो जलालुद्दीन की हत्या हुई और यहां पर एक चीज लिखी हुई है देवगिरी अभियान अब दरअसल में अलाउद्दीन खिलजी क्या था अलाउद्दीन खिलजी के पास में अब क्या मिल गई इलाहाबाद की जागीर तो मिल गई लेकिन इसकी तमन्ना तो कहां थी दिल्ली पर बैठने की इसको पैसे चाहिए थे लड़ने के लिए तो यह कहाँ गया दक्षिण में गया और दक्षिण में देवगिरी पहुंच गया कहां पहुंच गया देवगिरी महाराष्ट्र पहुंच गया और यहां किसी ने बताया कि शासक है कौन रामचंद्र देव ऐसी चल दिया पैदल लोग पूछते अलाउद्दीन खिलजी कहां जा रहा है कह रहा कि मैं अपने चाचा से नाराज हूं अब मैं दक्षिण के राजा रामचंद्र देव के यहां नौकरी करूंगा लोगों को लगता है और बड़ा व्यथित है अलाउद्दीन खिलजी नौकरी करने जा रहा है जागीर छोड़ करके लेकिन वहां जाकर के इसने चाल चली और किसको लूट लिया रामचंद्र देव को मतलब इसने डेरा डाला और इसने एक भ्रम पैदा किया कि पीछे से और सेना आ रही है और सेना आ रही है लेकिन उसके खुद का जब रामचंद्र के भतीजा खुद सेना लेकर के आया तो रामचंद्र को लगा कि यह सेना किसकी आई है अलाउद्दीन खिलजी की वो तुक्के में किले के, के दरवाजे खोले गए और लूट की गई देखो ध्यान से अलाउद्दीन खिलजी बचपन का नाम अली गुड़साप्स द्वितीय सिकंदर सिकंदर ए सानी युग का विजेता अमीर उल ये किसको कहा गया है तो इसके बचपन का नाम जरूर याद रख लेना राज्य अभिषेक लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान देखो चार सेनापति हैं इसके उलूक खान जो है उत्तर भारत पर विजय के लिए जाना जाता है बिल्कुल यही सपना होता है सुंदरम पटेल जफर खां अच्छा अच्छा गुरु मैं उसको मानता हूं जो समझे कि उसके शिष्य हमेशा उससे बहुत आगे जाए नुसरत उत्तर भारत पर विजय उत्तर भारत पर कौन कौन हो गए उलूग और नुसरत खां दक्षिण विजय के लिए मलुक काफूर को जाना जाता लेकिन याद रख लेना मलिक काफूर देवगिरी पर नहीं गया था देवगिरी वो खुद गया है देवगिरी क्या बोलेंगे उत्तर भारत पर विजय में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान में गुजरात अभियान आता है गुजरात अभियान कब किया इसने बारह में राजा कर्णदेव को हराया उनकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली और यहीं से इसको मलिक काफूर मिला गुजरात अभियान से क्योंकि देवगिरी अभियान तो बारह में हो चुका है बारह में हो चुका है ठीक है अब बारह में जब हो चुका है तो यानी कि उस समय मलिक काफूर नहीं हो सकता है इतना सोचना अच्छा रणथंबोर का अभियान तेरह सो एक में सॉरी रणथंबोर अभियान में राणा रतन सिंह नहीं है रणथंबोर अभियान कब किया तेरह सो एक में यहां देखेंगे आप यहां याद रखना है चित्तौड़गढ़ का अभियान क्या बोलेंगे तेरह सो तीन में यहां थे राणा रतन सिंह क्या बोलेंगे राणा रतन सिंह कब है चित्तौड़ में है तेरह सो तीन में ठीक है अच्छा राणा रतन सिंह इनकी पत्नी कौन सी थी पहली नागमती दूसरी पत्नी याद है कौन पद्मिनी और मैंने बताया था हीरामन सुआ इनके ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी गई है इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है आपकी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी कब लिखी गई है पद्मावत यह भी आपको पता होना चाहिए 1540 में लिखी गई है बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो पद्मावत में लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक लिखा हुआ है दो सेनापति गोरा और बादल याद है ना जब गोरा और बादल आपने सुना होगा रिंगा बहुत वीर रहे हैं पालकियों में सवार होकर के महारानी की इज्जत बचाने के लिए यही लोग गए थे कौन गोरा और बादल मालवा का अभियान तेरह सौ पांच में हुआ महलक देव हार गए उत्तर भारत के चार प्रमुख अभियान है आपके हमेशा याद रखेंगे ठीक है तोताए हिंद किसको कहते हैं अमीर खुसरो को कहते हैं भैया बच्चा बच्चा जानता है ठीक है ध्यान से देखेंगे दक्षिण भारत पर विजय दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसको जाता है मलिक मलिक काफूर को जाता है लेकिन किसको छोड़ करके दक्षिण भारत पर पहला अभियान अलाउद्दीन का है यहां मैंने एक शब्द लिख रखा है स्वयं स्वयं का मतलब है यहां अलाउद्दीन खुलजी खुद गया यहां काफूर काफूर नहीं था यहां तक काफूर यहां पर नहीं था तो देवगिरी महाराष्ट्र रामचंद्र देव तेलंगाना वारंगल या प्रताप रुद्र कौन थे प्रताप रुद्र और प्रताप रुद्र ने ही क्या दिया है कोहिनूर अलाउद्दीन को दिया है क्योंकि कोहिनूर मिला भी कहां से था यह आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से ही मिला है होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुन्द्रम थी वहां शासक कौन थे बीरवल्लाल पांड्य ये इंपॉर्टेंट है ये जरूर मार्क करना आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में क्या बोलेंगे कौन सा अभियान कब हुआ तो याद रख लेना देवगिरी बारह सौ छियानवे तो जरूर ही याद रखें अलाउद्दीन के कार्य बाजार नियंत्रण प्रणाली एकता प्रथा खत्म कर दी इसने सैनिकों को क्या बोला नगद वेतन देंगे क्या देंगे नगद वेतन और नगद वेतन भी कैसे जमीन का टुकड़ा बंद कर दिया नगद वेतन भी ऐसे देता था परिवार की जरूरत के हिसाब से दस सदस्य तो ज्यादा पैसे पांच सदस्य तो कम पैसे ठीक है हुलिया लिखवाना इसी ने शुरू किया सैनिकों का ठीक है घोड़ा दागने की प्रथा घोड़ों को इसने दागा क्यों था घोड़ों को दागता इसलिए था कि भाई घोड़ों को क्राई में ना आप चला पाओ याद है आपको मैंने बताया था एक बार थम्सअप करें आप लोगों को याद होगा कि बताया था मैंने ठीक है बहुत बढ़िया बहुत खूब तो घोड़ा दागने की प्रथा जो थी याद या नहीं है थम्सअप करें एक बार बहुत बढ़िया ताकि उनको क्राई में ना चलाया जा सके क्योंकि क्राई में चल के घोड़े कमजोर हो जाते थे भू राजस्व इसने पचास परसेंट यानी एक बटे दो कर दिया था खुम्स कर लूट को इसने चार बटे पांच कर दिया दान की भूमि को खालसा भूमि इसी के समय कहा गया इसके कुछ विभाग हैं ये जरूर याद रखेंगे दीवान ए विजारत किसके लिए बनाया इसने वित्त विभाग था दीवान ए आरिज किसके लिए बनाया इसने ये एक सैन्य विभाग था दीवान ए रशालत एक विदेश विभाग था ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के लिए मापतोल के अधिकारी को नाजिर कहा जाता था मंडियों के प्रमुख को सहना ए मंडी और गुप्तचर को क्या कहते थे बरीद कहते थे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई तेरह सौ सोलह में और इसके बाद कोई शासक इसमें है नहीं इसके निर्माण कार्य आप देख ले एक बार हौज खास दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा ये दरअसल में जो कुतलाम मस्जिद एबक ने बनवाई उसका दक्षिणी गेट है ठीक है जमैयत खाना मस्जिद सीरी का किला और हजार खम्बा महल इसी ने बनवाई ठीक है अलाउद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा वो मलिक काफूर बैठा बहुत कम लोग इस बात के बारे में जानते हैं कि मलिक काफूर भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो दिल्ली की गद्दी पर कितने दिन के लिए बैठा था भैया छत्तीस दिन के लिए बैठा था थर्टी सिक्स डेज मलिक काफूर के बाद गद्दी पर कौन आया मुबारक शाह खिलजी जिसको तो पागल बादशाह कहते हैं पागल दर्जा मतलब भारत में बहुत सारे राजाओं को मिला है जिसकी करतूत पागलों जैसी थी और ध्यान रख लेना ये कैसा था ये नंगे दरबार में दौड़ा करता था और मुबारक हसन इसका एक प्रेमी इसने बना लिया भाग के उसके गले लग जाता और कपड़े उतार कर भाग लेता दरबार में ऐसे ही लोगों ने कही भैया ये क्या बला मुबारक हसन को मुबारक हसन को जबरदस्ती ऐसे करके इसको भरे दरबार में सब लोगों के सामने किस विस करता था मुबारक हसन को मुबारक हसन ने कही यार ये अच्छा राजा पल्ले पड़ा इसका दी डी करना पड़ेगा कुछ बोला इसका डी एन डी करना पड़ेगा तो क्या बोला मुबारक हसन ही इसकी मौत का कारण बना तो याद रख लेना जो मार्गो पोलो है इटली से वो किसके समय पर आया अलाउद्दीन के समय पर आया था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर स्वयं तो को खलीफा साबित करने वाला एक पागल बात था बोला खलीफा हम या कोई नहीं है खलीफा दुनिया में हम सबसे बड़े खलीफा दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है देखने में भी देख लो कैसा लग रहा होगा तुमको ठीक है चलो फिर आता है तुगलक वंश तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर है गाजी की उपाधि धारण की नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक है कभी भी पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है 1325 से बंगाल अभियान से लौटते समय बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था कहा जाता है ऐसा कि दिल्ली से थोड़ी ही दूर था यह उनूज दिल्ली दूरस्थ ये ओलिया ने गयासुद्दीन से कहा था क्यों कहा था क्योंकि निजामुद्दीन ओलिया की जब लोकप्रियता दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तब लोगों ने बताया किसको लोगों ने कह दिया जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक से पहले कौन था आपका गयासुद्दीन तुगलक को कि भाई तुम्हारी पॉपुलरिटी नहीं है ओलिया की कीमत बढ़ी है दिल्ली में लोग ओलिया ओलिया करते हैं उसके यहाँ जनता दरबार लगता है तो इसने बोला कि इतने मैं वहां से आऊँ ना बंगाल से वापस दिल्ली ओलिया दिखना मत दिल्ली में ने तब कहा था अभी दिल्ली दूर है हनुज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है पहले दिल्ली आ तो जाओ और कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ निजामुद्दीन ओलिया मिले या जो कुछ भी है तो मौत हो गई किसका थोड़ी दूर पर ही दिल्ली महल में लकड़ी के महल में दब करके गया सुद्दीन की गद्दी पर कौन आया मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित रक्त पे बासु भी कहलाया खून पीने वाला यानी उसने सोचा सब कुछ बढ़िया हो लेकिन सब कुछ बढ़िया हो नहीं पाया ठीक है सर जी खाना भूख लग रही है <laughs> क्या बोलेंगे? सबसे शिक्षित शासक रक्त पिपासु भी कहलाया अन्य नाम क्या था इसका मलिक फकरुद्दीन बचपन का नाम है उपाधि इसकी कौन कौन सी जूना खा, उलीक खा इसके चार प्रयोग हैं। पहला है राजधानी परिवर्तन 1900 सॉरी तेरह दिल्ली से देवगिरी राजधानी लेके गया मैंने बोला था ना आपसे भीड़ को कैसे लेके गया जौहर क्या होता है भी अस्मिता के लिए जब लोगों को लगता था कि जो आक्रमणकारी शासक है हमारा अपहरण करके ले जाएंगे अपनी जान खुद दे देती थी दीपक यादव जी अपनी जान खुद देखो ध्यान से सर जी आप, आप आज आपकी बहन का जन्मदिन है क्षमा पूछ रही है हाँ भैया है हर बार उसका जन्मदिन होता है वो हर बार बुलाती है और हर बार दो अक्टूबर को मेरी क्लास होती है दुख ये है दौलतावाद कर दिया सांकेतिक मुद्रा इसने टोकन करेंसी चलाई जो कांसे की बनी हुई थी असफल रही खुरासान अभियान इसका असफल रहा अभियान इसका असफल करांच आब कर में इसने वृद्धि की एक बटे दो कर दिया यहां पर आपका क्या बोलते बाढ़ आ गई सूखे की स्थिति फिर उसके बाद में बन गई तो इसने फिर किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही और तकावी ऋण की व्यवस्था की थी पूछा जाता है वो कौन सा शासक है जिसने तकावी ऋण की व्यवस्था की थी तकावीरन की व्यवस्था करने वाला कौन था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक इसी के समय इब्न बतूता 1333 में आया कभी मत भूलना इसको दिल्ली का काजी बनाया था इसने याद है ये सारी चीजें किताब कौन सी है इब्न बतूता की बोलो भाई कौन सी किताब है 1333 में लिखी हुई इसकी किताब है आपकी क्या बोलो किताबुल रेहला एमबीटीसी के समय 1336 में विजयनगर साम्राज्य एमबीटी के समय तेरह कर लेना इसको 1347 में हसन गंगू ने बेहमनी साम्राज्य की स्थापना की फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया फिरोज शाह तुगलक रहा तेरह इक्यावन से तेरह सिकंदर लोधी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया क्यों जी क्योंकि जो नीति बाद में औरंगजेब ने देश में चलाई वो सबसे पहले किसने फिरोज शाह तुगलक ने क्योंकि क्या बोलेंगे जजिया लगाया था ना जैसे औरंगजेब ने ऐसे ही हिंदुओं पर जजिया इसने भी लगाया था फिरोज साह तुगलक ने तो पहले तो फिरोज सा तुगलक ने लगाया तो ये अग्रगामी रहा अग्रगामी रहा सिकंदर लोदी क्यों क्योंकि तमाम तरह की धार्मिक रोक जिस तरह सिकंदर लोघी ने जनता पे लगाई मजार पे नहीं जा सकते मंदिरों में नहीं जा सकते यमुना स्नान नहीं कर सकते वालनी मुंडन नहीं करा सकते वहां ये सब की रोक भी इसने लगवाई थी आपका इसी तरह तो अग्रगामी कहलाया ठीक है भैया तो सल्तनत काल का अकबर भी इसको कहा गया है किसने कहा है हेनरी एलियट ने क्या बोलोगे हेनरी एलियट ने कहा है वास्तविक नाम क्या है कमालुद्दीन फिरो है कमालुद्दीन फिरो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई क्या बोलोगे फिरोसा तुगलक कौन है गयासुद्दीन तुगलक था ना जो संस्थापक है उसके छोटे भाई रज्जब का बेटा था यानी भतीजा है किसका गयासुद्दीन तुगलक का इसकी माता का नाम जो एक हिंदू थी कौन था बीबी जेला ठीक है हाँ पहले एफ ने लगाई फिर औरंगजेब ने लगाई एफ एस अग्रगामी है पहले करने वाला है तकावी रण जो एम ने किसानों को दिया था उसे माफ कर दिया बोला ऋण नहीं देना है सल्तनत काल के 24 टैक्स खत्म किए किसने इसी ने चार कर लगाए आपका खराज कर जो भूमि कर था जकात कर जो मुस्लिमों से लिया जाता था ढाई परसेंट जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया और ब्राह्मणों को क्या बोलता है इसने हिंदुओं को कहना शुरू किया जिम्मी यानी कि जो लोग क्या बोलते थे जो लोग जजिया देने वाले थे उनको जिम्मी कहता था खुम्स एक बटे पांच खुम्स कर कितना लिया जाता था एक बटे पांच और उन चार के अलावा एक अन्य कर भी था सिंचाई कर जिसको हबे सर्व कहा जाता था खूब पूछा जाता है कि जो आपका फरोसाह तुगलक था एफ उसके समय पर हब सर्व क्या था एक सिंचाई कर था इतलाक प्रथा जो एक भ्रष्टाचार का कारण बनी जिसमें दरअसल में यह कह दिया गया कि 50 प्रतिशत की उगाही जो है वो सैनिक करेंगे लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार फिर चल गया उन लोगों का ध्यान व्यवस्था से ज्यादा किस पर कमाने पर हो गया ठीक है कुछ नहीं सचिन कोहली गुजर जी मेरे भाई बहुत धन्यवाद आपकी जो ये शब्द होते हैं ना पॉजिटिव शब्द मैं तुम्हें तो सही बताऊं जब हम लोग यहां खड़े होते हैं तो तुम्हारे जो पॉजिटिव वर्ड्स है ना इनकी सबसे बड़ी कीमत है और शायद यही एक वो चीज है जिससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता इसने एकता प्रथा को किसका बोलेंगे एकता प्रथा को पुनः शुरू किया अलाउद्दीन ने तो खत्म कर दिया था इसने फिर से शुरू कर दिया और उसे वंशानुगत कर दिया क्या कर दिया वंशानुगत बोला कि किसी के जो बेटा है ना उसको मिलेगी बेटा नहीं है किसी ने बोला तो बोले जो दास है ना उसको मिलेगी अच्छा दास भी नहीं है तो किसी रिश्तेदार को भी दे सकता था उस जमीन के टुकड़े को बहुत बढ़िया योगेश शुक्ला जी थैंक यू उसको किसी को भी दे सकता था क्या बोलते हैं इसे ही कहा गया विरासत का सिद्धांत यानी विरासत हो गई अविकता पहले तो ऐसे होते थे कि सैनिक बूढ़ा होता था कि भाई अब सेना के लिए नहीं लड़ पाएगा तो उससे एकता वापस ले दी जाती थी कोई नया सैनिक आता था उसको एकता देते थे ठीक <laughs> है इसके समय में सर्वाधिक दास थे मतलब दास ही दास एक लाख अस्सी हजार दास जहां देखो दास इसने इतने दास भर्ती कर लिए आप कहेंगे क्यों भैया इसने यही था ना जो आपका दिल्ली टोपरा को लेकर के आए यहां इतने सारे दास लग रहे हैं पूरे स्तंभ को इतने बड़े बहत्तर मीटर के स्तंभ को आप सोचो सत्तर मीटर पैंसठ मीटर के स्तंभ को लेके आ रहे हैं खड़े करके हाथियों पर जनता लगा रखी इसने इतने दास इसने इकट्ठा कर लिया <coughs> बोलो भी तो बोलो एक बार ना थके हैं पाओ बोलो फटाफट से पूरी करो लाइन ना थके हैं पाओ ना भी हिम्मत हारी है ना थके हैं पाओ ना भी हिम्मत हारी है ये खेल किसी का भी हो इस खेल में अब मेरी बारी है आयो सब इसके समय में सर्वाधिक दास थे इसने स्थाई सेना रखनी बंद कर दी स्थाई सेना नहीं रखता था ठीक है क्या बोलोगे इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए दासों के लिए क्या बनवाया बंदरगान बहुत पूछा जाएगा देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें एक रिवीजन मस्त रिवीजन लग रहा होगा उनको स्पेशलिटी लग रही होगी इसमें दासों की भर्ती के लिए अर्जे बंदरगान विभाग बनवाया दान के लिए दीवानी खैरात बनवाया मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए बनवाया था दीवाने खैरात दीवाने इश्तिहाक किसके लिए था वो पेंशन के लिए था लेकिन वृद्धों को दीवाने रिशालत किसके लिए था पब्लिक कंप्लेंट के लिए दीवाने मुस्तक राज किसके लिए था लगान को वसूलने के लिए इसने वॉल पेंटिंग्स बंद करा दी सोने चांदी के बर्तन बंद करा दिए महिलाओं को पीर मज़ार पर जाने से रोक ऐसी सिकंदर लोधी रोक लगाएगा इसने बहुत सारे नगर बसाए फरोसा कोटला फतेहाबाद जौनपुर जिसको हिंद कहते हैं ये जूना खां चचेरे भाई की याद में उसने बनाया था ठीक है फिरोजाबाद इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी जो मैं कह रहा था ना सोर्स तारीख फिर वो इसी का है हाँ ठीक है दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता मेहनत करने से ही हो जाती है मुश्किलें आसान क्योंकि मेरे दोस्त हर काम को हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता या देखो ध्यान से इसके समय बड़ी ने तारीख फिरोज लिखी इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज बहुत पूछा जाता है ध्यान से देख लेना एक बार अपनी आत्मकथा इसने लिखी है फतुहात ए फिरोजशाही यानी उन शासकों में से एक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है नेक्स्ट इसने चांदी का ससगनी सिक्का चलवाया सात लखने दो स्तंभों को लेकर के दिल्ली आया सो के टोपरा और मेरठ तेरह सो अड़सठ में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई इसने भी करवाई है सिकंदर लोधी ने भी करवाई ठीक है एफ एस टी के बाद का शासक कौन था चलो बहुत बढ़िया नवीन सर का पगलू रॉयल इंजीनियर दीपक तिवारी द मोनू सतेंद्र राजपूत मिस्टर ऐश्वर्या नहीं फिर आप ऐश्वर्या होंगे चलो एफ एस के बाद का शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इनको बिल्कुल मत आप पढ़ के जाना जब कभी आप यूपीएससी की तैयारी करें तो ध्यान से पढ़ लेना इनको अभी पेपर दे के हैं पहले <laughs> ये अंतिम शासक है बस एक अंतिम शासक याद रखें नसरुद्दीन महमूद ये क्यों जरूरी है क्योंकि ये है आपका तुगलक वंश में क्योंकि इसके समय दो महत्वपूर्ण कार्य हुए एक तो क्या बोलोगे तैमूरलंग का आक्रमण हुआ है तेरह में और इसी के समय जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना हुई किसने मलिक सखरनी मलिक सरवर ने किसने की थी मलिक सरवर ने की थी ठीक है कोई दिक्कत हाँ ससगनी और ससगानी एक ही बात होती है चलो जैसे कृष्णा और कृष्ण एक ही बात होती है ना ऐसे सैयद वंश आता है आपका किसके बाद में तुगलक वंश के बाद में इसमें कुछ है नहीं यही है जो सामने है स्क्रीन ले लेंगे एक बार संस्थापक खा याद रखें उसकी उपाधि क्या रैयत आला अंतिम शासक आलम शाह तारी के उपर? मुबारक शाही लिखी गई है किसके ऊपर मुबारक शाह के ऊपर किसने लिखी है याहिया बिन सर हिंदी ने इसको बोलते हैं सैयद वंश का एक रिसोर्स है इसके बारे में अच्छे से जानने का बहुत बढ़िया ठीक है अनिल ठाकुर जी नहीं पता फिर आता है लोधी वंश कौन सा आता है लोधी वंश देखो ध्यान से लोधी वंश जो है ये दिल्ली पर पहला अफगान वंश है ये लोग कहां से थे अफगानिस्तान से थे और मैंने बोला था ना बलबन ने लोग अफगानियों को बुलाया था मेवातियों का दमन करने के लिए तो ये वही अफगानी है जो आकर के दिल्ली में बस गए थे और लोधी वंश दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश है इसके संस्थापक कौन है बहलोल लोधी थे और देखो ध्यान से देखो मुगल काल में तो उनचास वर्षों तक अकबर रहा औरंगजेब रहा सहल द्वितीय छियालीस वर्षों तक रहा बिम्बिसार आपका बावन वर्षों तक रहा था प्राचीन भारत में लेकिन इस सल्तनत काल में सबसे लंबा शासन काल किसका है वो बहलो लोदी का है बहलोल लोदी का बहलोल लोदी का दो बार राज्य अभिषेक हुआ ठीक है कहा बोलोगे फिरोज साहब तुगलक का भी दो बार हुआ था इतनी बात याद रखें बस ठीक है सिकंदर लोदी आया इसके बाद में चौदह से पंद्रह मैं फिर से आपको बता देता हूँ हम पढ़ इसको बेसक रहे हैं लेकिन प्रश्न आने के चांसेस बहुत कम है ठीक है 1504 में आगरा बसाया 1504 में ये क्या आगरा को राजधानी बना लिया ये याद रखेंगे ठीक है गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था ये याद रखना है आप लोगों को कौन सिकंदर लोधी मेरे मार्क का स्क्रीनशॉट ले, ले लेना ठीक है जो मैं मार्क करता रहूं और वो पढ़ के जरूर जाना स्क्रीन से पेपर से पहले इतनी बात याद रख सिकंदर लोधी ये आया आपका क्या बोल दिया मैंने सिकंदर लोदी चल रहा था पीछे भी हाँ सिकंदर लोदी चल रहा है इसी के समय में भारत संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर साही लिखा गया इसी के समय वजीर मियाँ भुईया ने मोठ मस्जिद का कर निर्माण कराया मियाँ भुईया की रचना है फरहंग ए सिकंदरी दाढ़ी नहीं रखता था गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई मकबरा दिल्ली सिकंदर लोधी के समय प्रसिद्ध व्यक्ति है महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है इस बार यूपीएस में भी पूछे गए हैं क्या बोलेंगे कबीरदास किसके समकालीन थे सिकंदर लोदी के समकालीन व्यक्ति हैं ठीक है अब आप कहेंगे भैया यूपीएसआई में भी तो बाबा की सरकार है तो प्रश्न वहां पूछा गया दोस्त ठीक है याद रख लेना इस बात को यही पूछा गया कबीरदास किसके समकालीन थे सिकंदर लोधी के समकालीन गुरु नानक रहे हैं राणा सांगा रहे हैं और कबीरदास रहे हैं ठीक है जी नेक्स्ट इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी अंतिम शासक है जो पानीपत की युद्ध भूमि पर मारा गया दीपक कुमार बहुत खूब शुभम ब्लॉक्स दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है वो इब्राहिम लोदी है 1518 में उसने खतौली का युद्ध लड़ा जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था कई इतिहास में आपको लिखा मिलेगा यह निर्णायक रहा लेकिन राणा सांगा की विजय हुई थी जिसमें इन्होंने इसको माफ कर दिया इब्राहिम लोदी को दिल्ली पर छोड़ दिया ठीक है पानीपत का युद्ध इक्कीस अप्रैल पंद्रह को हुआ इक्कीस अप्रैल पंद्रह को हुआ और यह किस किस के बीच हुआ इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर और याद रख लेना यही पानीपत का युद्ध है जिसने भारत में किसकी -किस स्थापना कर दी थी मुगल साम्राज्य की मुगल साम्राज्य की ठीक है तो यह प्रश्न इंपोर्टेंट है मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से हुई है पानीपत के युद्ध से हुई है प्रथम से ये देखना इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ वो कौन सा युद्ध था इसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई अरे थैंक यू थैंक यू <laughs> युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था इब्राहिम लोधी ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई बता दो ना थोड़ा अपना इनपुट तो दो अपना इनपुट तो दो क्या इसमें हम ठीक कर रहे ना पीडीएफ से जैसे मैं कर रहा हूं रिविजन चल रहा है ना बढ़िया चीजें समझ में आ रही है ना दिमाग में आ रही है ना अगर पढ़ा हुआ होगा नहीं पढ़ रखा जिसने उसे भैया वो अब पढ़ना मत कभी अब पढ़ने के चक्कर में हो अब पढ़ के कुछ होगा भी नहीं बहुत बढ़िया बहुत खूब ठीक है तो आप पूरी तेज निगाहार इस पर रखें मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य कब से रहा 1526 से अठारह सौ आपका क्या बोलेंगे सत्तावन तक लेकिन बीच में मैं आपको हमेशा बताता हूं पंद्रह वर्ष कौन रहा सूरी साम्राज्य रहा संस्थापक कौन है मुगलों का बाबर है बाबर चौदह फरवरी चौदह सौ तिरासी को इसका जन्म हुआ कहाँ फरगना में पिता उमर शेख मिर्जा थे पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी किसकी तैमूर लंग से संबंधित है और माता की तरफ से चौदहवीं पीढ़ी किससे चंगेज खान से संबंधित है चंगेज खान से हाँ पीडीएफ मिलेगा घबराओं नहीं सब कुछ मिलेगा जो आप मांगेंगे वो मिलेगा ठीक है माता की तरफ से चौधवी पीढ़ी चंगेज खान से संबंधित है बाबर ने समरकंद को चौदह सत्तानवे में जीता बस दिल मत मांगना ये किसी और का क्या बोलोगे बाबर ने समरकंद को चौदह सत्तानवे में जीता <laughs> नहीं भैया पैसे तो मेरे खुद के पास नहीं है मैं कितनी बार बताऊं मेरे अकाउंट में पिछले दो साल से चार हजार रुपए है वो ना घटे हैं ना बढ़े हैं ऐसे मेरे खुद के पास ही नहीं है मैं कहां से दे पैसे दे दूंगा जिस दिन होंगे उस दिन दे दूंगा ठीक है कोई दिक्कत तो बात है ये कहां से दो लड़ाकू जातियों की तरफ से संबंध हो गया तैमूर लंग से और चंगेज खान से तो पूछा जाता है जो बाबर है वो चंगेज खान से किस तरफ से संबंधित था मातृपक्ष से ठीक है आगे चलेंगे बाबर का भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जी जाति पर हुआ बाबर की लाभोर विजय 1524 बाबर के चार युद्ध हैं और जिस किसी बच्चे के पास अब तक कोई भी नोट्स नोट्स हो ना वो, वो इस किला, इस में से उसमें शामिल कर लेना कुछ फैक्टर अलग मिलते हैं तो ठीक है भैया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 मैंने बता दिया इब्राहिम लोदी के साथ कौन था आई का मतलब है इब्राहिम लोदी इनके साथ था विक्रमजीत सिंह और साथ में बाबर के साथ कौन थे दालत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था ये खिलाफ हो गया था इब्राहिम लोदी के और आलम खान लोदी इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया यानी युद्ध में तोप का प्रयोग जो तोप चलाने वाले लोग थे उनमें प्रमुख था उस्ताद कुली खां बंदूक का संचालन कर रहा था मुस्तफा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की कौन सा युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध था ठीक है <laughs> कलंदर खानवा का युद्ध 1527 खानवा का युद्ध 1527 क्या बोलोगे राणा सांगा जी राणा सांगा पूर्वज है हमारे गौरव है हमारे तो याद है खानवा के युद्ध में जिक्र किया है किसने जिक्र किया है आपका बाबर ने इसमें लिखा है राणा सांगा जी को प्रमुख शासक बताया है और दक्षिण में कृष्णदेव राय जी का जिक्र इसने किया है कहा मैंने भारत की धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं देखा कि उसका गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई और व्यक्ति तब भी तलवार चला रहा है ठीक है राणा सांगा अच्छा जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था खानवा युद्ध के बाद में ठीक है ये याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा इसमें मेदनी राय से बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है घाघरा का युद्ध युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया सिर्फ इतनी बात याद रखें ठीक है बाबर का शासन काल कितना रह गया शुरू के चार वर्ष 1526 से 1530। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी जैसे फरोज साह ने लिखी आपका वुतुहात ए फिरोज ठीक है कुतुहात ए फरोज शाही अब देखो आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था मुगल काल का सल्तनत काल में तो कौन हो गया सल्तनत काल वाले का नाम लिखो बोलो भी फटाफट से सल्तनत काल में था फिरोज शाह तुगलक चलो आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक था मुगल काल का इसे अपनी आत्मकथा में कृष्ण राय विजयनगर को शक्तिशाली शासक बताया है बाबर का मकबरा पहले कहाँ था आरामबाग में लेकिन बाद में क्या बोलते इसकी पत्नी के आदेश पर इसको कहां पहुंचा दिया गया काबुल पहुंचा दिया गया बोली बाबर की ऐसी इच्छा थी बाबर के बचपन का नाम मोहम्मद जहुरुद्दीन था बाबर के चार बेटे थे हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल ठीक है आगे करें। नेक्स्ट हुमायूं हुमायूं, हुमायूं देखो दो बार दिल्ली की गद्दी पर आया पहले तो 1530 में आया और 1530 के बाद में वो शासन करता रहा 1540 तक, तक। लेकिन फिर किसके द्वारा हराया गया शेरशाह सूरी के द्वारा तो 1540 में कन्नौज युद्ध में वो हार के भाग जाता कहां शरण ली थी उसने ये बताओ यहां से भाग करके वो कहां गया था ठीक है क्या बोलेंगे बचपन का नाम बचपन का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर था जन्म 1508 में काबुल माता कौन है इसकी माहम बेगम है गद्दी पर बैठने से पहले बदसखा का सूबेदार था राज्यभिषेक हुआ इसका 1530 में इसके कुछ अभियान ऐसा नहीं है कि हुमायूं शुरुआती दिनों में कमजोर था शुरुआती दिनों में एक अच्छा सैनिक की तरह इसने काम किया कालिंजर बांदा यूपी दुर्ग इसने जीता प्रताप रुद्रदेव के अधीन था पंद्रह में चुनार का किला जिसको ना जीतने वाला किला कहते थे मिर्जापुर में था यहाँ संधि हुई हिंदू बेग के माध्यम से हिंदू बेग इसमें मीडिएटर बना और संधि करवा दी चुनार से चुनार में दरअसल में शेरशाह थे ठीक है देखोगे ध्यान से 1532 में दोहरिया का युद्ध जीता शेरशाह महमूद लोदी को हराया दोहरिया के युद्ध में यही एक तंज था शेरशाह सूरी के मन में ये दोहरिया अभियान बहुत पूछा जाता है भैया दिनपना पुस्तकालय सबको पता होगा पंद्रह ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी यहां देखो ये कुछ जरूरी नहीं है प्यारे बच्चे दिल्ली वापस आते समय चौसा का युद्ध हुआ पंद्रह में क्योंकि हुमायूं गया था कहा बंगाल ये वाले वाले लास्ट देख ले बंगाल विजय के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया कौन हुमायूं तो गया था कहा आपका हुमायूं तो गया था बंगाल में और इधर जिम्मेदारी किसको दी मिली थी शेख बहलोल को दिल्ली का नियंत्रण लेकिन शेख बहलोल की हत्या किसने कर दी हुमायूं के भाई हिंदाल ने और बोला दिल्ली की गद्दी पर हम हैं कौन है हुमायूं अच्छा जी देखेंगे ध्यान से अब हुमायूं भाग रहा है वापस लेकिन हुमायूं से यहाँ गलती क्या हुई थी भागते समय इसे जाना तो तो वापस कहीं घूम करके जाता ये चल दिया जीटी रोड से और जीटी रोड पर पूरी व्यवस्था कर रखी थी किसने शेरशाह सूरी ने बोले आजा बेटा <laughs> पुराना हिसाब है गुरु जी एक क्वेश्चन है आप बोल रहे हैं कि हुमायूं 1540 में जब भारत छोड़ करके चला गया और अकबर का जन्म 1542 में कैसे क्या नाम है कुमार? बच्चों के जन्म भारत तो में ही होते हैं बस है ना कॉपी पेंसिल पकड़ा दी तुम्हें यार है तो भाई भारत से बाहर बच्चे का जन्म नहीं हो सकता कुछ भी चौसा का युद्ध पंद्रह में हुआ अभी कर नसबंदी करके भेजा हुमायू यहां से मैं, मैं, कहीं ऐसा बोला मैंने भाई 1540 में हुमायूं की नसबंदी कर दी शेर सूरी ने <laughs> अकबर का जन्म तो अगर हुमायूं की नसबंदी होती तब भी हो जाता पूरी दुनिया की नसबंदी थोड़ी हुई थी यार थोड़ा लॉजिक लगाया करो दिल्ली वापस जाते समय चौसा का युद्ध पंद्रह में हुआ शेर सूरी ने इसको घेर लिया <laughs> क्या बोलेंगे यार कैसे कैसे हुमायूं वर्षे शेर सूरी कौन हार गया हुमायूं हारा और 1540 कन्नौज युद्ध आप लोग याद रखेंगे कन्नौज युद्ध को किसने जीता शेर ने और ये दूसरा अफगान वंश हुआ अब फटाफट से बोलो पहला अफगान वंश कौन था अफगान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था वो आप बताएंगे 1540 यानी फाइनली ये होता है कि हुमायूं भागने को मजबूर हो गया और हमेशा याद रख लेना इसने कहा जाकर के शरण ली थी ईरान के शासक के यहाँ मतलब पंजाब में तो वीर साल के यहाँ अपने बच्चों को रुक गया था इसने अपना जो कमांडिंग बनाई वहां सैनिकों को इकट्ठा किया आगरा से पैसे लेकर के भागा तो ये कहा ईरान गया था वहां जाकर के इसने सब कुछ इकट्ठा किया हुमायूं भागकर आगरा से पंजाब सिंधु गया और पंद्रह में हमीदा बानो बेगम से शादी की और अकबर का जन्म पंद्रह में हुआ ठीक है राणा वीरसाल पंजाब के हैं कहाँ के थे अमरकोट के थे अमरकोट के 1555 में हुमायूं वापस आया 1555 में मच्छी का युद्ध जीता इसने हुमायूं ने और 1555 में ही इसने सरहिंद का युद्ध जीता यहीं पर इसने बोला अकबर युवराज होगा और दिल्ली का अगला शासक होगा ठीक है सरहिंद के युद्ध में कौन था सूर्यवंश था क्योंकि पंद्रह सो जब हुमायूं चला गया तो सूर्य आ गया था ना तो से झगड़ा था तो क्या बोलेंगे सिकंदर शाह सूरी से युद्ध युद्ध हुआ और जीत गया इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया पंद्रह में हुमायूं की मौत दीन पना जो इसने पुस्तकालय बनाया पंद्रह में उससे गिर करके सीडियो से इसकी मौत हो गई स्टैनले ने ने अभी क्वेश्चन पूछा गया था क्या प्रश्न पूछा गया हुमायूं के जीवन को किसने यह कहा कि वह लड़खड़ाते हुए पूरी जिंदगी चला और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया ठीक है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की यह कौन थी चचेरी बहन थी कौन थी हुमायूं नामा की रचना किसने की गुलबदन बेगम ने की ये कौन थी चचेरी बहन थी ठीक है हुमायूं का मकबरा कहाँ है ये दिल्ली में है हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता मतलब ड्रामे करता था ये। जितना ड्रामा इससे हुआ इसने इतना ड्रामा किया शेरशाह सूरी से लड़ा नहीं गया इस पर कपड़े बदल रहा है सोच रहा जादू कर दू शेरशाह सूरी गायब कर दू इस धरती से <laughs> अकबर जन्म पंद्रह बयालीस में बचपन का नाम जलाल और अर्श आसियानी किसकी उपाधि है यह भी अकबर की क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता अर्श आसियानी उपाधि अकबर को किसने दी शासनकाल पंद्रह से 1605 सबसे बड़ा शासनकाल है हमेशा याद रखेंगे पालन पोषण सुल्तान बेगम ने किया अस्करी की पत्नी थी बाबर की बहन खानजदा बेगम ने भी क्या किया है इसका पालन पोषण किया है धायमा अनगा धाए का कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार हम करें मतलब बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपॉइंट की जाती थी पहले माना जाता था कि जो ताकतवर परिवारों से महिलाएं रही उनका दूध बच्चा पिएगा तो उसमें वो गुण आएंगे ठीक है अकबर ने पहली शादी रुकैया बेगम से की पंद्रह में कितने साल का भाई पंद्रह सो बयालीस आठ नौ साल का पंद्रह सो पचपन में सरहिंद के युद्ध में युवराज घोषित किया युवराज घोषित कर दिया जी माता हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी अकबर के तीन बेटे थे सलीम मुराद और दानियाल अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ और अकबर का शिक्षक था सराजी यही वो व्यक्ति जिसके लिए अकबर ने स्टेटमेंट दिया था कि किसी व्यक्ति के लिए मैं अगर दिल्ली की गद्दी छोड़ सकता हूँ तो वो कौन है वो सराजी है सिराजी के लिए मैं दिल्ली की गद्दी छोड़ सकता हूँ कहते हैं कि सिराजी ने ही यह व्यवस्था दी कि भाई अकबर पढ़ नहीं सकता लेकिन अकबर को सुनाया तो सब कुछ जा सकता है तो बोलते है, अकबर के समय इसने सत्तर विद्वानों का एक ऐसा संगठन बनाया जो अकबर को पुस्तकें पढ़ करके सुनाते थे अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलनौर में ईंटों के सिंहासन पर हुआ क्योंकि जब हुमायूं की मौत हो गई और हुमायूं की मौत के समय पर क्या हुआ था क्योंकि मुल्ला बेकसी को दीवार की प्रचार पे खड़े करके मैंने आपको बताया था जब लोगों ने बोला कि हुमायूं क्या मर गया हुमायूं की मौत की खबर छुपा के रखी गई मुल्ला बेकसी को दिखा दिया गया दीवार से इरा हुमायूं क्योंकि वो हुमायूं के जैसा लगता था अकबर को इधर राज्यभिषेक किया गया क्योंकि अकबर था कहा पंजाब में और यह विधि किसने पूरी की थी अब्दुल कासिम ने अब्दुल कासिम ने अकबर का संरक्षक कौन था बैरम खां था ये हुमायूं के टाइम से ही था ये प्रमुख व्यक्ति है जिसने जिसने क्या किया अकबर को गद्दी पर बिठाने का सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो बैरम खां को लेकिन अकबर ने बैरम खां को भी नहीं बख्शा पंद्रह से साठ कर लेना प्यारे बच्चे इसको पंद्रह से सोलह ठीक है पानीपत का दूसरा युद्ध अब क्या हुआ कि इधर हुमायूं की मौत की खबर चल गई किसको आपका हेमू को हेमू ने बोला कि अकबर तो बच्चा है हम बैठेंगे और ये वंश के जो शासक थे आदिल शाह सूरी उनका सेनापति था अंतिम तो शासक भी है आपका दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट है अली आदिल शाह यहां देखना बीजापुर का जो बीजापुर का सुल्तान नहीं है सॉरी अली आदिल शाह का सेनापति था ये नहीं लिखना क्या बोलना अली आदिल शाह ये कहाँ का था सूर्य वंश का अली आदिल शाह सूर्य वंश का सेनापति था और कौन जीतता है इस युद्ध को अकबर जीत जाता है कहने की बात है अकबर गद्दी पर आ गया ठीक है देखो ध्यान से तो सात अक्टूबर को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित किया हेमराज दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था और बैरम खां पंद्रह से सोलह तक संरक्षक रहा लेकिन 1561 में इकसठ में माहम गा के कहने पर मक्का भेज दिया गया अन्य नाम है इसका खान बाबा हुमायूं के टाइम से था अब ये क्या है महामंगा ये अपने लड़के आधम खां को चाह रही थी कि शक्तियां उसके हाथ में आए तो बड़े आरोप लगाए बैरम खां पर कि ये जो है ये ये जो इस पर श्या और सुन्नी वाले जो अपवाद ये क्या बोलते हैं उसको कि ये सिया लोगों को भर्ती करता रहता है सुन्नियों की अव्वल कर रहा है बोले अपनी दरबार चलाता है एक दो दंड दे दिए थे इसने बेगर अकबर से पूछे उन दंडों के लिए बोले कि भाई तुमसे ऊपर समझता है वो खुद को जबकि ऐसा था नहीं महामनगा का पुत्र कौन था आदम खां ये बाद में अकबर के दरबार में खुद ही पहुंच गया था तलवार लेकर के सोचे कह रहा अकबर को मारूंगा जान से पकड़ा गया अकबर ने इसको ऐसे बंद करवा के और नीचे फेंकवा दिया नदी में बंधवा करके सारा एक जीजी अनगा है जीजी अनगा ये धायमा है सब अकबर की जीजी अनगा का पुत्र था मिर्जा अजीज कोका इसको बोलते अकबर का दूध मुआ भाई क्योंकि अकबर ने भी दूध पिया था किसका जीजी अनगा का मिर्जा अजीज कोका इसको अकबर ने उपाधि भी दी थी खाने आजम की मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या हो गई बैरम खां की हत्या हुई आप सब लोगों को याद होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध और मच्छीवाड़ा के युद्ध में क्या हुआ था कि इन लोगों ने रक्त बहाया तो उन्हीं में से उसके पिता की मौत हुई थी किसके की मुबारक खां की, की। तो इसने बैरम खां को मार दिया पाटन इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली बोला कोई दिक्कत नहीं जी बैरम खां नहीं रहे हम हम देख लेंगे तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगी क्या इसने ये एक पक्ष दिखा अकबर ने कि ये विधवा है इनको वो इज्जत नहीं मिल पाएगी इस समय दरबार में तो इनको पत्नी का दर्जा देना जरूरी है उसके पुत्र खाने खाना पुत्र अब्दुल रहीम को का दर्जा दिया अब्दुल रहीम खाने खाना को क्या दिया पुत्र का दर्जा दे दिया ठीक है इसकी हत्या के बाद दो प्रधानमंत्री हुए प्रधानमंत्री थे बैरम खान और दरअसल में दो क्या चार प्रधानमंत्री हुए छह महीने में अकबर के टाइम पर जिसमें से एक महामनगा अनगा बनी एक सहाबुद्दीन बना दो याद रख लेने आपको प्रमुख अकबर के समय की इंपॉर्टेंट बात 1560 से पेटीकोट शासन था महामनगा थी उसने सुंदर स्त्रियों में फंसा दिया किसको अकबर को अकबर उन्हीं में बिजी रहता स्त्रण शासन पर्दा शासन हरम दल उसी को कहते हैं पंद्रह में अकबर हरम दल से मुक्त हुआ हरम दल से मुक्त हो गया क्या बोलते हैं कि जी जी अनगा जो खत्म होली वो महामनगा और उसके पुत्र अदम खां के वियोग में वो मर गई थी ठीक है पंद्रह में बाल विवाह कर दी पंद्रह में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया पंद्रह में जजिया कर खत्म कर दिया ठीक है पंद्रह में इसने इबादत खाने का निर्माण किया इबादत खाने से मतलब था कि वहां पर चर्चा होती थी धर्म विषय पर सभी लोग चर्चा करते थे चर्चा कब होती थी बृहस्पतिवार को जैन धर्म से कौन कौन व्यक्ति आए थे इबादत खाने में अपना जैन धर्म का पक्ष लेकर के शांति चंद्र भानुचंद्र विजय सेन सूरी हरी सेन सूरी ईसाई कौन था मौन श्रेठ था हिंदुओं की तरफ से कौन था पुरुषोत्तम दास था और पारसियों की तरफ से कौन थे दस्तूर जी राणा अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था यह बताया था मैंने आपको नहीं दस्तूर जी राणा इन्हीं से सीखा था अकबर ने सूर्य नमस्कार पंद्रह में इसने मजहर की घोषणा की क्या बोला किसी भी धार्मिक विषय पर कोई अगर विवाद आता है हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म में कि हमारे धर्म में ये तो अकबर का जो आदेश है वो सबसे ऊपर होगा पंद्रह में दहसाला पर था टोडरमल ने शुरू करवाई टोडरमल ने शुरू करवाई तो प्यारे बच्चे आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें दस साल में भूमि का अवलोकन करते थे कि भाई भूमि पर ये कैसा रहेगा किस तरह का टैक्स इस पर लगाया जाए महाराणा प्रताप जी से हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ अठारह जून पंद्रह को महाराणा प्रताप जी के साथ कौन थे हकीम खान नेतृत्व कर रहे थे राणा पूजा सोलंकी या भामा साहा? कहते हिंदुस्तान में सेठ बहुत हुए लेकिन भामा साहब से सब नीचे जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने देश के लिए महाराणा प्रताप जी के नाम कर दी थी अकबर की तरफ से कौन था मानसिंह और आसफ खान महाराणा प्रताप जी के बारे में तो आप जानते हैं खुद अकबर महाराणा प्रताप जी का क्या बोलते नतमस्तक था उनके सामने मैंने आपको बताया था खुद अकबर रोया है महाराणा प्रताप जी की मौत पर उसने कभी मतलब इनके अभियानों में शुरुआती दिनों के बाद में कोई विशेष अटकल नहीं डाली देखेंगे ध्यान से श्री महाराणा प्रताप जी 1540 से पंद्रह में रहे माता जयंती बाई हैं पिता उदय सिंह हैं राणा सांगा और उनकी पत्नी करणावती के पुत्र थे ठीक है कौन है उदय सिंह उदय सिंह कौन है इनके पिता हैं सिसोदिया वंश से जन्म स्थान कुंबलगढ़ है घोड़ा चेतक हाथी राम प्रसाद एक बार अप करें हाथी राम प्रसाद की कहानी याद है तो मैं समझूंगा आप लोगों को पहाड़ा प्रताप जी के बारे में और सब कुछ पता है जो मैंने आपको बताया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं कहते हैं पंद्रह के बाद में महाराणा प्रताप जी ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया झुकना स्वीकार नहीं किया उन्होंने स्वीकार किया क्या संघर्ष घास की रोटियां तक खाई लेकिन दिवेर युद्ध के द्वारा उन्होंने मैक्सिमम के लिए अपने जीत लिए रावण बहुत बढ़िया एक ही बार में दो टुकड़े देख पा रहे हो समझ जाओ यही मतलब इनका वास्तविक आकार है साढ़े सात फिट के थे इनके हाथ में जो भाला है ना मेरे दोस्त समझ रहे हो आप हाथ में जो हाला है दिख रहा है भाला दो मन का था अस्सी के जी एट्टी के जी तलवार चालीस के जी है तलवार नहीं है तलवार की बाप है ढाल चालीस के जी जूते दस किलो दस किलो बैलेंस बना के घोड़ा चेतक हल्का नीला घोड़ा अकबर 1556 से 1605 चल रहा है इसने मनसबदारी प्रथा को कब शुरू किया 1575 में जिसमें दो घोड़े होते थे तो ये वर्ष याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, है आपसे पूछा जा सकता है दीन इलाही पंद्रह में चलाया इसने कुल कितने लोगों ने अपनाया उन्नीस लोगों ने नाइनटीन लोगों ने ठीक है कुल 19 लोगों ने अपनाया एकमात्र बीबल राजा थे इसमें हिंदू राजा अकेले हिंदू राजा हैं पंद्रह में इबादत खाना बंद कर दिया गया अकबर के समय पर आने वाला पहला अंग्रेज नोट कर लो इस बात को अंग्रेजों में पूछा जा सकता है जरूर पूछा जा सकता है स्टीफन थॉमस मिशनरी यानी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अमित राजपूत मेरे दोस्त लव यू पंद्रह में रोलफिच भारत आया भारत आया ठीक है पंद्रह में राम सीता आकृति के सिक्के इसने चलवाए दो अंग्रेज दोनों याद रखने आप लोगों को ठीक है अच्छा ये दिख रहा है लिखा हुआ है एचडी में दिखा हुआ इसको अकबर के विजय अभियान है पंद्रह सो इकसठ मालवा मालवा जीता इसने साम्राज्य विस्तार के लिए पहला युद्ध है पंद्रह सो बासठ कर लेना पंद्रह सो बासठ ये कहते हैं कि भाई अकबर के बारे में अकबर ने यहाँ बहुत हिंदुओं का रक्त बहाया बहुत रक्तपात इसने किया मालवा के राजा थे बाज बहादुर उनकी पत्नी थी रूपमती जिसकी सुंदरता का चर्चा अकबर ने सुना तो आदेश दे दिए यहाँ आदेश दे दिए कि वो महिला हमें चाहिए लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया बाद में अपहरण करके इनकी बच्चियों को लेकर के आए ठीक है कोई दिक्कत पंद्रह आमिर को मिलाया आमिर को मिलाया आमिर के राजा कौन थे बिहारीमल मैंने बताया था अकबर जा रहा था आपका इधर कहाँ अजमेर दरगाह पर दर्शन करने के लिए तो रास्ते में मिल गए क्योंकि इनके भतीजे खुद अकबर से मिल गए थे वो इनके खिलाफ योजना बना रहे थे तो युद्ध तो होना तय था इससे अच्छा इन्होंने सोचा कि युद्ध होगा कल को अपहरण होंगे इससे अच्छा हम खुद ही मिल जाते हैं कम से कम अपने लोगों की चालबाजी तो काम नहीं आएगी तो क्या बोलेंगे बिहारी मल की जो बेटी थी हरका भाई जिसको जोदाबाई बोलते मरियम मरियमजमानी की शादी अकबर से हुई थी बिहारी मल का बेटा था भगवान दास और भगवान दास का बेटा था मानसिंह अभी लिखा ना मैंने पंद्रह सौ छिहत्तर हल्दी घाटी में तो ये मानसिंह को सात हजार का मनसब बनाया गया सात हजार घोड़ों की व्यवस्था इनकी कोई परेशानी भाई पांच हजार का मनसब किसको बनाया गया बिहारी मल को भी पांच हजार का मनसब बनाया गया बोलो भी कोई दिक्कत इतनी बात में <laughs> कह रहे जी सुबह से कुछ नहीं खाया पानी पूड़ी वाला आता है अरे भैया खा लो यार कुछ भी नहीं हो क्या घर बैठे बैठे, बैठे भी बोलो भैयागे पंद्रह सौ चौसठ में क्या हुआ गोंडवाना क्षेत्र जीता क्या जीता गोंडवाना क्षेत्र जीता यह रानी दुर्गावती थी इनके पति संग्राम सिंह एक्सपायर हो चुके थे पुत्र वीर नारायण अकबर का मेवाड़ अभियान कब का है पंद्रह सौ अड़सठ पंद्रह पंद्रह सो सत्तर जैसलमेर बीकानेर इम्पोर्टेंटनी सबसे इंपोर्टेंट है गुजरात अभियान जरूर याद रखें और यहां गुजरात अभियान के समय शासक था मुजफ्फर थर्ड और अकबर के इस अभियान को द्रुतगामी अभियान किसने कहा है स्मिथ ने क्योंकि द्रुतगामी इसलिए कि अकबर गुजरात गया गुजरात से वापस इधर आपका बोलते विद्रोह हो गया कहां पर आपका आगरा में आगरा आया फटाफट से और कहते अकबर इसी चीज के लिए जाना जाता था और एक ग्यारह दिन में इसने इधर अकब... आग... आगरा भी आ गया और वापस फिर से विद्रोह हुआ वापस फिर पहुंच गया गुजरात इसीलिए द्रुतगामी मतलब स्पीड से किया गया स्पीड से किया इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना पंद्रह में हुई पंद्रह में काबुल जीता ठीक है ये कुछ मत पढ़ना ये याद रख लेना चांद बीबी कहां की शासिका थी बीजापुर की अकबर के समय पर हसीरगढ़ अंतिम अभियान याद रखें अकबर के समय प्रांत सूबे यानी स्टेट जैसे आज ट्वेंटी एट है कितने तीन प्लस 12 चलो अकबर की स्थापत्य कला हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया अकबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा का किला दीवान आम दीवान खास 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया क्या बोलोगे पंद्रह सौ तिरासी इलाहाबाद का किला बनवाया पंचमहल अकबर का मकबरा खुद अकबर ने बनवाया अकबर की मौत सोलह सौ पाँच में इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा हसी आती है सोलह सौ पांच में अतिसार पेचिस की वजह से हुई दस्त लग गए अकबर को भैया अकबर के नौ रत्न कौन है बीरबल तो आप लोग याद रख लेना बीरबल का वास्तविक नाम क्या था महेश दास अबुल फजल जिसने क्या लिखी है अकबरनामा अकबरनामा का ही तीसरा भाग क्या है आईने अकबरी आईने अकबरी और जब जानू मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा अबुल फजल की हत्या किसने की थी अबुल फजल की हत्या किसने की थी अगर ये आंसर आप बता देते हैं तो मैं समझूं कि यह कार्यकाल आपने पढ़ा हुआ है फैजी चिकित्सक टोडर था टोडरमल एक राजस्व मंत्री था सबसे इम्पोर्टेंट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था और नहीं पूछा जाता इसमें बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया ये अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत महत्वपूर्ण है वीर सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला बहुत खूब बहुत शानदार भाई बहुत जबरदस्त उत्तर दिया है वीर सिंह बुंदेला तानसेन जिसको तन्ना मिश्रा भी बोलते हैं रामतनु पांडे भी बोलते हैं इसकी समाधि कहाँ है ग्वालियर में और ये दरबारी कवि था मियाँ की मल्हार इसी ने लिखा है मानसिंह मुल्ला दो प्याजा फकीर अजीउद्दीन ये कौन है ये सलाहकार है ये कौन था आपका मानसिंह ये सेनापति था सेनापति था महाभारत और रामायण फारसी में अनुवाद किसने किए हैं बदायूनी ने मैं कह रहा था ना आपसे रामायण का फारसी में मैं अकबर के टाइम पे बताऊंगा सर जी आप क्लास के बाद सीधे सो जाना <laughs> नहीं भैया नहीं सो नहीं सकते चलो तुम्हें तो बताऊंगा क्लास एंड होते टाइम <laughs> क्या बोलेंगे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी तो ये जैन गुरु थे हरिविजय सूरी योग गुरु की उपाधि जिनभद्र सूरी को सूर्य नमस्कार सीखा दस्तूर जी राणा से और अकबर के समकालीन कवि कौन है तुलसीदास अकबर अब्दुल नबी की चप्पले अपने सिर पर उठाता था कौन शेख थे जिनकी चप्पले अपने सिर पर उठाता था अब्दुल नबी ठीक है जहांगीर 1605 से सत्ताईस ठीक है जहांगीर देखो 1605 से पांच इसका सिर्फ शासनकाल आप लोग याद रखें और इसके बचपन का नाम क्या था सलीम था ठीक है बचपन का नाम क्या है सलीम था ये जोधा का ही पुत्र है सोलह में इसी के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया और जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किसने कर दिया उसी के बेटे ने याद रख लेना क्या बोला मैंने यहां से इसके पुत्रों में कौन कौन थे खुसरो मानबाई का लड़का खुर्रम जोधाबाई ये वो जोधाबाई नहीं है भैया ये कहाँ की उदयपुर की जोधाबाई है अकबर की जो पत्नी जोधाबाई थी वो आमेर की है वो कहाँ की थी वो आमेर की है। तो खुसरो को भड़का दिया लोगों ने बोले जहांगीर को हटा ले भैया अपने पिताजी को हटा दो रास्ते से तो इसने कहा किस किस का साथ ले लिया लाहौर का दीवान आगरा का दीवान और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव इन तीनों ने क्या करा भैया साथ दिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया खुसरो इसी के लिए जहांगीर ने क्या करवाया था अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी ठीक है अच्छा सोलह सो 1611 में इसकी शादी निशा से हुई और निशा से हुई तो निशा को इसने क्या कहा था नूर ए जहां नूर ए जहा सारे जहां की रोशनी मोहब्बत ऐसी ही चीज है मोहब्बत में ऐसा लगता कि ये सामने जो है यही है सब कुछ बाकी कोई कुछ नहीं है शेर अफगान की विधवा थी एक विधवा थी कहते हैं शेर अफगान को इसी ने मरवाया था जहांगीर नहीं और जहांगीर के जो इसके मेहरुन निशा के जो भाई हैं इनका नाम आसफ खान इनको उपाधि दी खान सामा की उपाधि किसने दी थी जहांगीर ने जहांगीर ने और इसकी जो बेटी थी शेर अफगान की शेर अफगान कहो यानी पत्नी की बेटी होगी लाडली बेगम की शादी अपने पुत्र शहरियार से करवा दी ठीक है अनारकली भैया अनारकली डिस्क हो गई भैया <laughs> पिता कौन है मिर्जा ग्यास बेग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां इंपॉर्टेंट लिखेंगे मिर्जा बेग की ग्यास बेग की उपाधि क्या थी एतमाउद किसने दी थी जहांगीर ने एतमा उद्दोला का जो मकबरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और संगमरमर सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है ठीक है ये फर्स्ट आर्किटेक्चर है आपका इसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ है पित्रादुरा शैली जानते हैं तो हम करें एक बार नहीं जानते हैं तो बताएं जो ताजमहल की दीवारें कभी गूगल पे देखना आप यार नहीं वहाँ जाके नहीं देख सकते तो उन पर जो नक्काशी हुई है उसको पित्रादुरा शैली बोलते हैं तो पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ है इसको बेबी ताज भी कहते हैं बच्चा ताज छोटा ताज भी कहते हैं ठीक है मेहरनिशा की माता कौन थी असमत बेगम इसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भैया परफ्यूम तो पृथ्वीराज चौहान जी के समय भी थे तो भैया वो गुलाब से बने हुए थे गुलाब का पहली बार आविष्कार हुआ असमत बेगम को नूर जहां की उपाधि जहांगीर ने दी है क्या लिख रहे हैं नहीं भैया है। ये है ऐसे निशा को नूर जहां की उपाधि निशा को है किसको को निशा को सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है इस जंजीर में कितनी घंटियां थी साठ घंटियां थी सोने की जंजीर थी आगरा में है जहांगीर के समय को चित्रकला का काल कहा जाता है ठीक है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट किसका बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट बहुत पूछा भी जाता है जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दिए शुरुआती दौर पर लेकिन कर मुक्त व्यापार के लिए किसने दिए वो फर्रुख ने दिए तो कभी कर्मुक्त व्यापार पूछे तो फर्रुख शेर लिखना और पूछे शुरुआती दस्तावेज तो जहांगीर ने जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज कौन है सोलह में सबसे पहले कौन आया हॉकिस आकर के इससे कैसे बोला अंग्रेजी में तो इसने क्या दिया था उसको फिर इंग्लिश खान की उपाधि क्या बोलोगे सचिन यूपी सेवेंटी नाइन पगलू कह रहे न्याय का घंटा बहुत ठीक आंसर भाई आगे आएंगे सॉरी इसके बाद आता है आपका शाहजहां कौन आता है इतना हो गया नहीं सॉरी इसने जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी और चार का मनसब भी बनाया इसको सोलह सौ ग्यारह में मिडल्टन आया यही आदमी है प्यारे बच्चे जिसने किसको पुर्तगालियों को कौन से युद्ध में हराया था बताना जरा स्वाली वॉर क्योंकि जब आपका मैंने बताया था ना आपको नहीं मान रहा था कौन कौन नहीं मान रहा था ये तो हल्के में लेता था अंग्रेजों को जहांगीर लेकिन जब इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया पुर्तगालियों के फेवर में था तो पुर्तगाली हारे तब ये अंग्रेजों के फेवर में आया चलो चलेंगे भैया सो 1612 में पॉल कैनिंग एंड एडवर्ड आए 1615 में थॉमस रो आया, थॉमस रो ठीक है ये कामयाब होगा बाकी के लोग कामयाब इतना नहीं हुए थे जहांगीर की मृत्यु सोलह में नशे की वजह से हुई थी इसने भांग की खेती को बंद करवाया तमाकू को बंद करवाया लेकिन खुद ये क्या था खुद ये बहुत नशा करता था जहांगीर तो क्या बोल सकते आप कह सकते हैं नशेड़ी थे ऑफ इनमें नशेड़ी थे तो ये जहांगीर की नृत्य सोलह में हुई मकबरा कहां है इसका लाहौर लाहौर बहुत ही मतलब राजा महाराजा ऐसे ही है अपने शौकीन आदमी और क्या कर रहा है जहांगीर की आत्मकथा क्या बोलेंगे जहांगीर की आत्मकथा यानी खुद लिखी है खुद लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरी नहीं कर पाया इसको पूरी किसने किया मोतीबिंद खाने जहांगीर के समय के चित्रकार याद रख लेना फारूक बेग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फारूक बेग और दौलत बेग जहांगीर की मृत्यु के समय सिर्फ दो खुर्रम और सहरियार जीवित थे कौन कौन थे खुर्रम और सहरियार दो कहाँ गए जी दो शराब पी के मर गए दो पुत्रों ने बहुत ज्यादा शराब पी और वो मर गए ठीक है इसके बाद आता है शाहजहां सोलह से सोलह अट्ठावन बचपन का नाम खुर्रम जहांगीर ने शाहजहां कहा था इसकी माता का नाम जगत गोसाई है जोधा भाई और पत्नी क्या बोलोगे पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम, मुमताज महल कुल चौदह बच्चे हुए और अंतिम बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई सात बच्चे जीवित रहे चार लड़के तीन लड़की जहा आरा गोहनारा आरा गोहन आरा और इसने अपने शासन को बांटा शाहजहां ने किसमें दारा से कहो शाह औरंगजेब और बख्श इनको जिम्मेदारी दी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है किसको कि दक्षिण का सूबेदार का किसको बनाया गया और पंजाब का किसको बनाया गया दारा पंजाब का बना और दक्षिण का सूबेदार प्यारे बच्चे कौन बनता है आपका औरंगजेब को बनाया गया ठीक है नेक्स्ट आगे देखें शाहजहां का अभिषेक आगरा में हुआ इसने राजधानी कहां दिल्ली से आगरा बनाई थी और वापस फिर सोलह सौ अड़तीस में दिल्ली लेकर के आया था मत पढ़ना कुछ भी बहुत जरूरी नहीं है ये दो चीजें याद रख लेना हुमायूं ने 1633 में अहमदनगर जीता और 1636 में गोलकुंडा जीता शाहजहां के समय विदेशी बहुत महत्वपूर्ण हैं पीटर मुंडी और निकोलस मनुची कहाँ से आए इटली से आए फ्रांसिस बर्नियर बर्नियर है फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर ये फ्रांस से आए ट्रेवनियर हीरे का एक व्यापारी था और फ्रांसिस वर्नियर कौन था एक डॉक्टर था कौन था ये ये एक चिकित्सक है एक डॉक्टर था ठीक है जी स्टार्टिंग की क्लास आ जाएगी बच्चों आ जाएगी इसके दरबारी कवियों की बात करते हैं शाहजहां के अबू कालीन पंडित जगन्नाथ और पंडित जगन्नाथ ने बुक लिखी है कौन सी आपका गंगा लहरी गंगा लहरी अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक कौन सी है पादशाह नामा सहा, नामा शाहजहां के समय को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर स्थापत्य कला का क्योंकि इसने इमारतें बहुत बनाई हैं इमारतें ताजमहल सारी चीजें आप जानते होंगे इंपॉर्टेंट है कब पूर्ण हुआ इसका निर्माण कार्य सोलह सौ तिरपन निर्देशन ईशा खां उन्नीस सौ तिरासी यूनेस्को डिजाइन अहमद लाहौरी ठीक है पित्रादुरा शैली इसमें भी है पत्थर कहां से आया मकराना से आया चलो भाई लाल किला सोलह सौ अड़तालीस में बना मयूर सिंहासन अच्छा कौन लूट कर ले जाएगा मयूर सिंघासन को जरा बताओ और किसके समय आएगा थोड़ा एक्टिव करो दिमाग को जोड़ दो जगत गोसाई कौन थी सर भैया लड़की थी और कौन थी अच्छा बारह आवर्स की क्लास ऐसे लेनी होती है क्या उस पर थमनिल पर लिखवाना होता है कि बारह घंटे तभी ली जा सकती है क्या भाई हिम्मत होनी चाहिए ना हिम्मत के कैसे बात बन सकती है अब माइंड को ऐसे तैयार करते हो पहले से बता दिया कि भैया इतने घंटे की होगी तैयार हो जाते हो हुँ? जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिश हमेशा ज्यादा करो समझ रहे हो जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम और बोलो एक बार जीतेंगे हम ऐसे ही बोलते रहो जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिश हमेशा ज्यादा करो किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे मजबूत इतना इरादा करो आओ जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई है इसी ने आगरा के किले में दीवान ए आम आगरा के किले के अंदर दीवान ए आम दीवान ए खास किसने बनवाए इसी ने बनवाए ठीक है सिजदा पाबोस खत्म करी तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जो अकबर ने खत्म कर दिया था न्याय का दिन बुधवार था इसके लिए और संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी इसने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि किसने दी थी शाहजहां ने शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण सोलह के बाद दिल्ली के गद्दी पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए धर्मठ का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध और किससे हुए थे तीसरा हुआ था देवराई का तीसरा किससे देवराई का इन तीनों युद्धों में क्या हुआ था आपका क्या बोलोगे भैया किसकी जीत हुई थी औरंगजेब की जीत हुई कौन हारा दारा हारा कारण क्या था दारा का जो सैन्य कुशल सैन्य प्रशासन नहीं था उसका औरंगजेब के पास ये चीजें थी ठीक है नेक्स्ट देवराई का युद्ध ये अंतिम युद्ध है कभी पूछे देवराई का युद्ध क्या है यह दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां को बंदी बना लिया गया आगरा के पास और शाहबुर्ज आगरा में कैद कर लिया गया और वहीं पर सोलह में शाहजहां की मौत हो गई ठीक है अकबर को बहुत बढ़िया फुल क्लास अटेंड करके रहेंगे अरे गजब थैंक यू दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था लेनपुल ने देखो तो कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई क्लास करनी है जो आपको ठीक लगता है ऐसा करें ठीक है आध्यात्मिक गुरु कौन थे दारा से कोहो के हिंदू धर्म की तरफ इसका काफी पक्ष था इसने क्या काम किया ए सीन टू पर दिखाओ ये हिंदू विद्वान लाल बैरागी भी इनके गुरु थे बावन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया किस नाम से सीरे अकबर के नाम से किस नाम से किया सीरे अकबर देखो यहां पर ये करेक्शन कर लेना इसकी जो रचना है इसका नाम है मजम सजम नहीं मजमुल बहरीन योग वशिष्ठ और गीता का भी फारसी में इसने अनुवाद किया है साहे इकबाल के नाम से इसी को जाना जाता है ठीक है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया नेक्स्ट औरंगजेब औरंगजेब के बारे में देखो बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है औरंगजेब की पत्नी का नाम याद रख लो एक तो दिलरास बानो बेगम ऐसा नहीं रबिया उदुररानी क्योंकि इसके नाम याद रखने का इम्पोर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए कि ये कहाँ पर है जो अभी आपका क्या बोलते हैं उसको ताजमहल की फुअर नकल वो संभाजी नगर में है संभाजी नगर कहाँ पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है तो वहाँ पर इसने क्या बनवाया था बीवी का मकबरा बनवाया था और इसे ही बीवी के मकबरे को ही हम क्या बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल या फिर ताजमहल की फुअर नकल कहा गया है निर्माणकर्ता औरंगजेब नहीं है हमको कई बार ये गलती होती है और इवन विकिपीडिया गूगल जैसे पेज पर इसका औरंगजेब उत्तर देता है जो एकदम गलत है बहुत गजब बहुत शानदार सचिन आर्या जी आज कुछ भी हो जाए जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए हम पूरी क्लास करेंगे बहुत वे। बहुत बढ़िया शानदार नेक्स्ट डिजाइन किसने बनवाया अहमद लाहौरी जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके पुत्र थे अततुल्लाह कौन थे अततुल्ला औरंगजेब ने नौरज उत्सव बंद करा दिया चित्रकारी झरो का दर्शन झरो का दर्शन था यानी राजा दर्शन देता था जनता को आकर के वो बंद करा दिया सिक्कों पर कलमा राजपूत टीका ज्योतिष सती दास नाचना गाना सब बंद सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था क्या इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण इसीलिए इनको इनका जब शीश काटा गया इसीलिए इनको शीशगंज गुरुद्वारा वहां पर बना हिंद की चादर कहा गया गुरु तेग बहादुर जी को सोलह में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए इसने ये मत पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सोलह बीजापुर और सोलह गोलकुंडा जीता ठीक है औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार तेतीस प्रतिशत से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं से चिढ़ता था लेकिन उसके समय मनसबदार तैतीस परसेंट थे लेकिन ये सब लोग कौन थे ये मजबूत लोग थे जो इसने कूटनीति से अपनी तरफ किए थे ठीक है औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी बीस अब तुम मुझे बताओ मैंने अकबर के टाइम पर कितने सूबे बताए थे तुम्हें बोलो भाई दिल्ली में बेतुल उलूम पुस्तकालय किसने बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया कुशल वीणा वादक था मुगल वंश का वह कौन सा शासक था एक तो समुद्र मैंने आज ही बताया आपको और कुशल वीणा वादक क्या बोलेंगे आप भैया वो औरंगजेब भी था ठीक है आगे आते हैं औरंगजेब के समय आए विदेशी कौन कौन थे इटली से कौन आया था गोमल करेरी अंग्रेज जो ब्रिटेन से आया वो जॉन फरीयर था औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य मोती मस्जिद लाल किले के अंदर किसने बनवाई औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई इसी ने बनवाई 1679 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसने जजिया लगाया 1679 में औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ चूड़ामन जाट विद्रोह के नेता थे गोकुल राजा राम ये समय समय पर जो विद्रोह हुए नाइन सिक्सटीन एट्टी फाइव राजा राम चौधरी साहब ने तो ये काम कर दिया था कि अकबर की अस्थियां जमीन से निकलवा ली बोले तुम भारत माता के साथ खेलने वाले लोग इनकी अस्थियों को फिर निकाल लिया किया गया औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई मकबरा कहां है अकबर का संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। कहा है संभाजी नगर महाराष्ट्र में हाँ बिल्कुल जो आधी कटी हुई वीडियो वो आपको जुड़ी हुई मिलेगी निश्चिंत रहिए बहादुर शाह प्रथम 1707 से ये औरंगजेब के बाद आया इसका उपनाम है वृद्ध शासक ये तिरसठ साल का गद्दी पर बैठा इसको कोई फिक्र नहीं गद्दी की सहाय बेखबर सहालम प्रथम इसी का नाम है वास्तविक नाम इसका क्या था मुअज्जम था मुअज्जम याद क्या रखने की बात है याद रख लेना ध्यान से देख लेना ना तो जहादर शाह को क्या बोलते थे लंपट मूरख घृणित शासक किसको बोलते फर्रुख शेर इनके सबके समय याद रखने की जरूरत नहीं है समय याद रखो आप कहाँ तक औरंगजेब तक ठीक है इसी के समय फर्रुख शेर ने लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी इनकी शहादत हुई है देश के लिए बंदा बहादुर कौन थे दरअसल में सिखों के दस गुरु हुए हैं उन दस गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में जो कमांड आई थी वो आई थी बंदा बहादुर के हाथ में संघर्ष करते रहे ये सारे सब इकट्ठे हो गए इनको फिर अंग अंग इनका काटा गया बंदा बहादुर जी का लक्ष्मण दास ठीक है रंजीत वर्मा मेरे दोस्त लव यू इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सेरमन थे भारत आया अच्छा तुम्हें पता है फर्रुख श्यर को क्या दिक्कत थी मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग रिसर्च करके आए डॉक्टर को लेकर के आए शिष्टमंडल हैमिल्टन करा रहा था इसके फोड़ा था फर्रुख के गलत जगह पर कराहते तो कराते लोग ये बोल रहा था भैया कुछ दिक्कत है इसे बोला उन्होंने भी, भी फरूख शिर भैया कुछ दिक्कत है बताई नहीं।, नहीं बोला कर देंगे इलाज तो इसने बताया ऐसे ऐसे है ये पहले रिसर्च करके आए थे मजबूती से क्या बोलेंगे सन सत्रह सो सत्रह में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र इसने जारी कर दिया इतना खुश हुआ ये अंग्रेजों से ठीक है इसके वजीर किंग मेकर कौन थे हुसैन अली और अब्दुल्ला भारत के इतिहास में किसको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है किंग मेकर और ये किंग मेकर ऐसे ही नहीं बने थे ये किंग मेकर बने थे इन्होंने मराठियों की मदद ले ली थी मराठियों ने बनाया था इनको किंग मेकर सैयद बंधु इन्हीं को कहा जाता है फर्रुख शेर को गद्दी पर बैठाने के लिए देखो फिर ये क्या करने लगे गद्दी से इसको हटाया फिर इसको बिठाया फिर इसको बिठाया फिर इसको बिठाया और जल्दी शासक इन्होंने बदले लेकिन एक आया मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला इसके समय इसने क्या किया एक कौन था चिंकलिज खां जिसने हैदराबाद में निजाम शाही की स्थापना की है उसके साथ मिल गया और फिर किसको मार दिया इसने सैयद बंधुओं को दोनों खत्म कर दिया ठीक है पहले तो किंग मेकर थे फिर खत्म किसके समय हुए मोहम्मद शाह रंगीला के समय रंगीला ने ही क्या कर दिया जजिया कर को पूर्णतः खत्म कर दिया फाइनल स्टॉप क्योंकि कभी लग रहा था कभी हट रहा था ठीक है जयप्रकाश अच्छा इनके समय मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो आपके स्वतंत्र राज्य बने एक हैदराबाद बना आसफ जहां आसफ जहां कौन है चिंतलिज खां इसने स्थापना करी अवध की स्थापना सादत खां ने बंगाल की कुली खां ने मथुरा और भरतपुर की बदन सिंह ने बोलो भी फटाफट से बदन सिंह ने स्थापना करी सत्रह में बाजीराव के समय मैंने बोला ना ये स्पेशल केस थे भारत की भूमि में पैदा कोई स्पेशल केस भूमि में हजारों वीर पैदा हुए हैं। लेकिन एक स्पेशल वीर बोलते पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं हुआ जो खड़ा होकर टक्कर ले सके 1720 से 1740 मराठाओं की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा विस्तार जो हुआ कहते ना साहू जी महाराज एक छोटे से मराठा साम्राज्य से पूरे देश के पूरे देश के साहू जी हो गए देश के महाराज हो गए इसकी वजह से बाजीराव प्रथम की वजह से ठीक है तो सत्रह में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया सत्रह में दिल्ली पर नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था रंगीला के समय ईरान का नेपोलियन यही ले गया था तखते ताउस हीरा सत्रह करोड़ के जवाहरात सब ले गया अहमद सहमत पढ़ना आलमगीर मत पढ़ना सहालम द्वितीय इसके बारे में इतनी बात याद रख लेना इसका तीसरा बड़ा शासन काल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको जब बक्सर युद्ध पढ़ाऊंगा उस समय ये दिख जाएगा आपको बक्सर युद्ध के समय यही है अकबर द्वितीय ये द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था सेकेंड लास्ट और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बहुत पूछा जाता है इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है अठारह की क्रांति में कैद करके रंगून भेज दिया गया इसको विद्रोह किया कि जनता पहुंच गई थी सत्तावन में और जफर नाम से कविताएं लिखता था दरबारी कवि था मिर्जा गालिब वहां अठारह में इनकी मृत्यु हो गई कौन है मिर्जा गालिब है चले आगे चले आगे सूर साम्राज्य ये सेकंड अफगान वंश था आपका मैंने बोला हुमायूं को हरा करके फारसी भाषा थी तारीख है शेरशाही पुस्तक की अक अकबर ने लिखवाई है अब्बास खां सरवानी ने बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है वही सारी बातें जो हुमायूं के समय मैंने आपको बताई ठीक है कैसे इसका उदय हुआ पचपन का नाम फरीद खाता यह आपका सिलेबस नहीं है इसको आप अपना सिलेबस नहीं माना आपको सिर्फ मुग़ल साम्राज्य पढ़ना है लेकिन ये बीच में था पंद्रह सो चालीस से पैंतालीस इसलिए जरूरी है ठीक है ये बात याद रख लेना क्या बोलेंगे पंद्रह सो उनतालीस में चौसा का युद्ध इसने जीता था शेर शाह सुल्तान अल आदिल की उपाधि इसने धारण की पंद्रह सो चालीस में इसने ही हुमायूं को हराया था कन्नौज में आप लोग जानते हैं ठीक है और इसकी जो मृत्यु हुई ये याद रखें पंद्रह सौ पैंतालीस में कालिंजर पर जब इसने आक्रमण किया वहां कौन थे कीर्ति सिंह थे और ये उक्का तोप चला रहा था गोला इसको लग गया और ये मर गया मतलब फट गया मर के आ गया ऐसा समझो फट गया फट बहुत बढ़िया भाई अनु चतुर्वेदी जी टू मच थैंक यू सुल्तान क्या बोलोगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है सासाराम शेरशाह सूरी ने क्या क्या शुरू किया है याद रख लेना एक तो प्यारे बच्चे भू राजस्व व्यवस्था उत्पादन के आधार पर ये क्या टोडरमल भू राजस्व आप कहेंगे भैया ये क्या टोडरमल कहाँ क्या बोलेंगे टोडरमल क्या यहाँ था टोडरमल पहले इसी के यहाँ था ठीक है पट्टा पर था शुरू की कबूलियत कहा गया है शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए और इसी को याद रख लेना वर्तमान रुपया वर्तमान स्वरूप का जो रुपया है किस शासक ने चलाया तो वो सूर्य ने चलाया है वर्तमान स्वरूप का रुपया ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस 2017-2020 दोनों ने पूछा है बड़ा पूछा जाता है ठीक है <laughs> अरे भैया यार ऐसे क्यों तुम एहसान सा जता रहे हो मेहनत मतलब क्या हो ऐसे पढ़ाई ना तुमको बताओ तो ड्यूटी है ना आप लोग नहीं पढ़ रहे है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे आप लोग पढ़ रहे हैं आप भी तो करते हो हमारे लिए सब कुछ भाई हम किसके लिए करेंगे तुम्हारे लिए तो करेंगे तुम हमारे लिए सब कुछ करते हो दोस्त नेक्स्ट रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया डाक सेवा का जनक कौन है अपना प्रमुख बनाया था हेमू वही जो अकबर से फाइट कर रहा था वो पंद्रह में ठीक है गुप्तचर प्रणाली प्रमुख है हेमू गुप्तचर प्रणाली सर जी हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं हमारे बगल वाला लड़का सुबह से पबजी खेल रहा है दीपक यादव बहुत देर से इसी कमेंट को कर रहे हैं बेटा कहाँ पढ़ रहे हो आप? आप लगातार एक ही कमेंट को कर रहे हैं आप भी नहीं पढ़ रहे आपसे अच्छा है वो पबजी खेल रहा है उसको पबजी खेलना ठीक है उसको कम से कम संतुष्टि तो मिल रही होगी पबजी खेल के तुम क्या कर रहे हो तुम सोचो जो क्रिया में लगे हुए हो तुम क्या बोलोगे जलाल खां गुप्तचर प्रणाली और ये किसके बाद आपका किसके बाद था ये भाई शेरशाह पंद्रह सौ चालीस से पैतालीस फिर आया जलाल खान नौ साल तक पंद्रह सौ पैंतालीस से चौवन इनको समय को पढ़ने की आपको जरूरी नहीं है ये बस ये पढ़ लेना ध्यान से जलाल खां क्योंकि इसके समय कौन रहा है मलिक मोहम्मद जायसी रहा पंद्रह भैया 1540 में क्या लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत रोज वो रोज ये कुछ नहीं पढ़ने आपको कुछ जरूरत नहीं है अंतिम शासक बस पढ़ लें आपका सिलेबस नहीं अंतिम शासक भी मत पढ़ना ठीक है सिलेबस ही नहीं क्यों पढ़ना ये बीच में है इसलिए हम इसको पढ़ते देखो ध्यान से चलो आगे आएंगे हाँ ये औरंगजेब के सब वंशज हैं सत्रह सात के बाद में मराठा साम्राज्य की बात करते हैं प्यारे बच्चे बोल दो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद बेहतरीन तरीके से बोले बोलो भाई फटाफट से बहुत गजब बहुत शानदार और जहाँ कहीं है भैया अपने अंदर एक ऊर्जा का ऊर्जा को महसूस करो थोड़ा सा पानी वानी पीते रहो ठीक है आगे बढ़े बहुत बढ़िया और बहुत सारा धन्यवाद पैंतीस हजार लाइक हो चुके हैं और पैंतीस हजार लाइक मिलना बड़ी अचीवमेंट थैंक यू सो so मच लव यू ऑल मराठा साम्राज्य की बात करते हैं ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे और सिसोदिया वंश में मैंने आपको बता दिया सुजान सिंह और सुजान सिंह और सज्जन सिंह ये दो व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र गए और इन्हीं के वंशजों में मालोजी हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे ठीक है और इनके पुत्र थे शाहजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी थे शाहजी भोसले जी की दो पत्नियां थी एक तो जीजाबाई जिनके पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी पत्नी थी तुकाबाई जिनके पुत्र कौन थे एकोजी एकोजी राजे एकोजी राजे ठीक है आगे आते जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज का सोलह सो में हुआ और आप गूगल वगैरह पर देखेंगे सोलह सो तीस दोनों तिथि के लिए मान्य है पेपर में पूछी जाएगी तो कोई एक पूछी जाएगी ठीक है संरक्षक कौन थे इनके दादो दादाजी कौन देव ये दादा नहीं है इनके याद रख लेना इनके दादाजी कौन है वो मालोजी थे अभी दादोजी कौन देव आप लगा दें आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके रामदास थे कौन थे रामदास भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत कौन कौन है रामदास रामदास संतुकार एकनाथ और वामन पंडित वामन पंडित इन्होंने कहा चलाया जो भक्ति आंदोलन चल रहा था दक्षिण में छत्रपति शिवाजी भी उससे प्रेरित थे इन्होंने भी उसको चलवाया था ठीक है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पत्नियां कौन कौन है साईबाई बाई पुतली बाई मतलब पत्नियां तो इनकी बहुर भी थी आठ पत्नियां थीं तो क्या बोलेंगे प्रमुख है साई बाई सोयरा बाई और पुतली बाई और इन्होंने अधिकतर शादी अपनी किसके लिए की थी वो साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए सुदृढ़ करने के लिए यानी कि आपका मजबूती देने के लिए की गई थी ठीक है छत्रपति शिवाजी जी का राज्यभिषेक जो हुआ वो दो बार हुआ है 1674 में रायगढ़ में और किसने कराया था गंगा भट्ट ने कराया और एक बार हुआ है आपका यह तो हुआ है प्यारे बच्चे किससे आपका वेद विधि से वेद विधि और यह वाला हुआ है आपका तांत्रिक विधि से किससे तांत्रिक विधि से तांत्रिक विधि से? से हुआ ठीक है शिवाजी महाराज जी के प्रमुख अभियानों में कौन सा है इन्होंने रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहले नियंत्रण में लिया आदिल शाह से आदिल शाह से क्या इन्होंने आदिल शाह के कैबिनेट को ख़रीद लिया था जो उसका मंत्रिमंडल था और जो पैसे देते थे ये जिसके अधीन था तो इन्होंने बोला ज़्यादा पैसे देंगे अब उन्होंने अपनी कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा क्या हमको ऐसा करना चाहिए छत्रपति शिवाजी ऐसा एक प्रस्ताव रख रहे हैं तो एकदम से वो लोग लो तो बिके हुए थे पहले से तो कूटनीति थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एकदम से उन्होंने बोला ठीक है दे दो तो आदिल शाह ने इनको दे दिया ठीक है कि किसके हो गए क्योंकि बदले में हम इसको पैसा देंगे रेवेन्यू देंगे लेकिन बाद में इस पर कब्जा कर लिया इन्होंने सोलह तोरण का किला अपने अधीन किया इनायत खां से ठीक है सोलह सौ किले को अधीन किया रायगढ़ को अध... अपने अधीन बनाया सोलह में रायगढ़ को राजधानी बनाया सॉरी सोलह में प्रतापगढ़ का किला जीता अब कृष्ण जी भास्कर को अफजल ने अफजल खान जो पड़ोसी है अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बना करके भेजा 1659 में अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कर दी याद है क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज से ऐसे बोला कि भाई कोई हथियार लेकर नहीं आना है छुरा दबा करके लाया छत्रपति शिवाजी महाराज के छुरा मानना चाहता था लेकिन उन्होंने क्या पहन रखा था सिंग नक ऐसे एकदम से उसमें उसके पेट में एंटर किया और निकाल लिए कोई दिक्कत चलो भाई सोलह बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इस बात को सोलह में सूरत कांड हुआ औरंगजेब ने साइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा बोला ये बड़ा नाम चर्चित हो रहा है बड़ा नाम चर्चित हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये क्या है कौन है तो भैया ये बोला साइस्ता खां ये दरअसल में कि भई हम जा करके देखेंगे साइस्ता खां जो मामा है औरंगजेब का पहुंचा लेकिन ये तो हमले की तैयारी में तो उल्टा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हमला कर दिया इतनी तलवार बजाई इसकी उंगलियां काट दी नाक कान कट गए इसके भाग गया एकदम से बोला भांजे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्या बोलेंगे सोलह सौ में पुरंदर की संधि हुई और मिर्जा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी को घेर लिया यहां छत्रपति शिवाजी के सामने मतलब बड़ी सेनाएं आ गई उस समय स्थिति नहीं थी ऐसी तो संधि करनी पड़ी तो पांच लाख वार्षिक देने होंगे ये तय हुआ संधि में पैंतीस में से तेईस किले ले लिए गए पुरंदर की संधि याद रख लेना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन साथ में यह भी कहा गया वो बच्चा जो बहुत देर पहले सुबह क्लास कर रहा था सुनो संभाजी महाराज जी को पांच हजार का मनसब इसलिए बनाया गया ताकि ये वहां रहे और मुगलों को सेवा दें लेकिन बाद में जब ये अपनी गद्दी पर आ जाएंगे तब संघर्ष होगा तब औरंगजेब इनको कैदी बनाएगा और तब ये क्या करेगा इनको प्रताड़ित करेगा ठीक है जी बीजापुर के खिलाफ क्या है सहयोग का वादा लिया गया क्योंकि बीजापुर किसके खिलाफ था आपका यह था मुगलों के खिलाफ तो बोले बीजापुर के खिलाफ कभी भी सहयोग होगा ये संघर्ष होगा तो आपको सहयोग करना होगा ठीक है नेक्स्ट सोलह सो सिंगड़ किले को जीता सूरत को लूटा हूण मुद्रा होती थी हूण मुद्रा थी नहीं, 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 नहीं भैया प्रतीक गुप्ता नहीं बोलो भाई 1670 में सिंगढ़ के किले को जीता और सूरत को लूटा फिर से संधि की शर्तों का क्या कर दिया उन्होंने तोड़ दिया उनको पुराना नाम सिंगड़ का ही था कोंडाना और यह अभियान किसकी मदद से जीता था इन्होंने तानाजी मालसुरे और इनके भाई सूर्याजी जी मालसुरे नहीं ना तुमने नाम तानाजी इनके प्रमुख सेनापतियों में से एक थे ठीक है चलो भाई सोलह में हुआ छत्रपति एवं हेन्दब की उपाधि धारण की तो इन्होंने जिस दिन राज्यभिषेक हुआ यानी जन्म सोलह सो में और रायगढ़ राजधानी थी इनकी ये कभी मत भूलना रायगढ़ क्या है राजधानी और इसी बार आपके पेपर में आएगा शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है और इसको जो लीड करते थे वो दरिया सारंग करते थे कौन करते थे दरिया सारंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा दो कर लगाए गए थे चौथ कर सरदेश मुखी अष्टमंडल में सबसे प्रमुख पद बस याद रख लेना पेशवा सबसे प्रमुख पद था पेशवा सरे नौबत क्या था सेनापति था ममुआदार ये का लेखा जो का रखता था वाक्यानवीस ये वाक्या बताता था गुप्तचर था बताता था वहां क्या क्या बात चल रही है सुरूनवीस पत्राचार पत्र भेजना शुरू तो करो दबीर ये विदेश मंत्री था क्या था बोला बोलेंगे विदेश मंत्री सदर पंडित राव कौन था दान धार्मिक कार्य और न्यायाधीश क्या देखता था आपका न्यायाधीश क्या देखता था आपका न्याय संबंधी कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो उत्तराधिकारी हुए उनमें कौन है दूसरे छत्रपति हुए संभाजी महाराज सोलह सो से नवासी क्या बोलोगे सोलह सो से नवासी और ये कैद से मुक्त हो गए किसके संभाजी महाराज किसकी से औरंगजेब की कैद से अलग हट गए साईबाई के पुत्र थे लेकिन गनोजी सिर के कौन व्यक्ति पता है ये गद्दार हैं ये गद्दार हैं इनके साले लगते थे गनोजी सिर के जिन्होंने गद्दारी की कि इनके खिलाफ संभाजी महाराज के खिलाफ ठीक है तो क्या बोलेंगे अकबर को शरण दी थी अकबर कौन है ये औरंगजेब का बेटा अकबर है औरंगजेब का बेटा समझ तो रहे उसको शरण दे दी अब शरण दे दी तो भैया बड़ी दिक्कत हुई बड़ी दिक्कत हुई तो वो आलिया पीछे पीछे क्या बोलेंगे सलाहकार थे इनके कौन कवि कलश कवि कलश की आंखें निकल वाली थी औरंगजेब ने और क्या स्टेटमेंट दिया था अभी मैं आपको बताऊंगा बुद्ध भूषण और नख सिख ये रचना किसकी है ये संभाजी महाराज की है संभाजी महाराज है। कहते हैं तेरह वर्ष की आयु में कितनी भाषाओं का ज्ञान था तेरह भाषाओं का ज्ञान था हरटीन औरंगबाद का किला लूटा और हुसैन अली को हराया था सोलह सौ नवासी में हत्या औरंगजेब ने करवा दी बंदी बना लिया सैन्य प्रशासन ज्यादा था लेकिन बंदी बना करके जब संघर्ष हुआ रोज कहता कि तुम्हें क्या करना होगा मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी इस्लाम स्वीकार करना होगा बोले नहीं करेंगे पहले बाल उखाड़े गए बोले नहीं करेंगे खाल उतारी गई सारे शरीर के बोले नहीं करेंगे उंगलियां नाखून उखाड़े गए काटे गए नहीं करेंगे चालीस दिन तक हर एक अंग काटा जाता रहा लास्ट में धड़ बचा तो क्या बोला जब ऐसे गर्दन बच रही थी तो बोला कौन औरंगजेब बोला गर्दन काट दो गर्दन काट दो और बड़ी कहते हैं, जलालत से उसने कहा कि क्या बोला संभाजी तेरे जैसा मेरा एक बेटा भी होता ना तो मैं पूरी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता ठीक है क्या बोलेंगे संभाजी के बेटे कौन थे साहू जी औरंगजेब ने अपनी कैद में रखे संभाजी ने अष्टछाप को समाप्त कर दिया था जो अष्ट प्रधान थी अष्ट प्रधान थी क्या बोलेंगे उसको समाप्त कर दिया था ठीक है तीसरे छत्रपति कौन बने राजा राम बने कमजोर थे सोलह सो नवासी से सत्रह सो इनकी माता का नाम क्या है सोयराबाई ठीक है और पत्नी कौन थी इनकी ताराबाई ये तो एक्सपायर हो गए सत्रह सौ में कब सत्रह सौ तो औरंगजेब की मौत भी सत्रह सौ में हुई यह इंपॉर्टेंट बात आती है औरंगजेब सॉरी सत्रह सौ सात में तो ये सत्रह सौ में बन गई इन्होंने राजधानी कहां से पुणे से सतारा ये ले आए पुणे पहुंच गया था हेडक्वार्टर और उससे पहले राजधानी कहाँ थी आपकी रायगढ़ रायगढ़ पुणे हेडक्वार्टर और राजधानी कहां सतारा ले आए चौथे छत्रपति बने कौन शिवाजी द्वितीय सत्रह सौ से सत्रह सौ सात तक किसके बेटे हैं ये राजा राम के बेटे थे चार वर्ष की आयु संरक्षिका बन गई कौन इनकी माँ ताराबाई सत्रह में औरंगजेब की मौत के समय मराठा साम्राज्य किसके अधीन था ताराबाई के अधीन था हाँ बिल्कुल सोनल ठाकुर एकदम सही है देखते नहीं भैया प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे ना पूछे क्लास कितनी देर में खत्म होगी तुम बोलो मैं एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा अभी <laughs> मुझे कोई दिक्कत आ रही है खत्म करने में इतनी भी देर चलेगी आराम से देखते रहे आप सुनते रहे मेरी बात को क्या मैं बता रहा हूं आपको पांचवे छत्रपति साहू जी महाराज सत्रह सो सात से सत्रह क्या बोलेंगे छत्रपति बने महाराज ये दरअसल में कैद में थे कैद में थे तो औरंगजेब की तो मौत होगी सत्रह सो सात में तो इनको आजाद कर दिया किसने कौन आया था गद्दी पर साहे बेखबर मुज्जम सत्रह सो सात से सत्रह सो बारह इसने क्यों छोड़ दिया जी ने छोड़ दिया क्योंकि ये सोच रहा था कि भाई औरंगजेब तो मर लिया अब दक्षिण में ये वापस जाएंगे छत्रपति शाहजी महाराज वहां इनकी चाची गद्दी पर है वो अपने बेटे के लिए मरेंगी ये अपना उत्तराधिकार वहां जाकर मांगेंगे और दक्षिण में क्या हो जाएगा विद्रोह हो जाएगा और उस विद्रोह का फायदा उठाएंगे हम ये ऐसे कमजोर शासक हो गए थे मुगलों के जो ऐसे सोच रहे थे कि भाई इनको लड़वा दो आपस में फूट पड़ने दो ठीक है 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ साहू जी और एक तरफ इनकी चाची थी ताराबाई ठीक है तो भैया युद्ध में क्या हो गया बालाजी विश्वनाथ जो और, औरंगजेब के भी थोड़ा संपर्क में थे रसद आदि की पूर्ति इन्होंने की थी औरंगजेब के टाइम पे तो वहीं इनका संपर्क हो गया था साहू जी भी पांच हजार का मनसब थे तो वहीं दोनों की योजना बन गई थी चलो क्या बोलेंगे बोलेंगे आगे क्या बोलेंगे तो बालाजी विश्वनाथ कौन बने ये पहले पेशवा बने क्या बोलेंगे पहले पेशवा बने कोई दिक्कत है पेशवा कौन है मैंने अभी बोला पहला पद बना प्रमुख और इन्होंने स्थापित किया तो 1713 में ये पेशवा बने और 1713 सो में पेशवा पद को इन्होंने क्या बोल दिया पंसानुगत होगा वंशानुगत से मतलब है तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने एक बात कही इन्होंने एक बात कही <laughs> सुनो भाई क्या बोलेंगे तो इन्होंने एक बात कही क्या बोलेंगे सर जी पंद्रह मिनट का ब्रेक दे दो अच्छा पंद्रह मिनट के ब्रेक से क्या क्लास पंद्रह मिनट कम हो जाएगी करनी तो तुमको ही पूरी है तो तुम ब्रेक ले लो पंद्रह मिनट का ब्रेक लेके आ जाना और अगले पंद्रह मिनट तक क्लास कर लेना तुम्हारी मर्जी है बेटा अभी तो बैठ के पढ़ रहे हो अभी खड़े होकर तुमसे अगर किताब ले पढ़वाता ना मैं तब पता चलता था मैं बैठ के पढ़े जा रहे हो ना मजे से <laughs> बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए सत्रह सौ तेरह में पेशवा बने मैं उन्हें बच्चे मानो जितनी देर मैं खड़ा हूँ खड़े होकर इतनी देर पढ़ते रहे खड़ो के पढ़ो और तीन चार घंटे बाद बात करेंगे फिर अरे तुम्हें खेल वेल तो नहीं लगता हो ऐसे खड़े होके <laughs> ये खड़े रहते हैं मजे में रहते हैं चलो भाई सत्रह सो तेरह सो बीस में इसने बोला पेशवा पद वंशानुगत होगा यानी जो पेशवा है उनका ही लड़का कौन बनेगा अगला पेशवा बनेगा अगला पेशवा बनेगा ठीक है नेक्स्ट आगे आएंगे। देखेंगे सेकंड पेशवा बाजीराव मैंने अभी बताया बाजीराव प्रथम भारत के सान रहे हैं सत्रह सो बीस से चालीस पूरा मराठा साम्राज्य रहा बस अंतिम शासकों को छोड़ करके ठीक है यहां देख लेना ध्यान से क्या बोलेंगे बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ये दो पत्नियां बाजीराव प्रथम जी की दो पत्नियां थी बाद में बाद छत्तर साल की पुत्री मस्तानी से शादी कर ली थी तो पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है मस्तानी मस्तानी के साथ में किन किन मराठा साम्राज्य के पेशवा का नाम जोड़ा जाता है ठीक है सत्रह में पालखेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क ने बोलो भी फटाफट से बोलो भाई फटाफट से पालखेड़ा का युद्ध किससे जीता निजाम मुल्क जो हैदराबाद का हैदराबाद का निजाम था ये चाहता था कि भाई इसका इन्फ्लुएंस बढ़े मराठों में और ये नजदीकी बढ़ा रहा था आपका छत्रपति शाहजू महाराज से लेकिन बाजीराव ने इसको पेल दिया पेल दिया तो भैया मुंगी सवगाव की संधि हुई बोले अच्छा साहू जी महाराज से नजदीकी बढ़ा रहे हो अच्छा हम देखते हैं तुमको चलो क्या बोलेंगे सत्रह में बसीन की संधि हुई बसीन की संधि में क्या बोलेंगे पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया इनको हरा दिया पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया और 1737 में दिल्ली अभियान किया कब किया दिल्ली अभियान किया 1737 में और मोहम्मद रंगीला याद है ना मैंने बताया था वही मोहम्मद सहारंगीला के समय कोई भी दिक्कत बेटा आप ये सोच लिया करो देखो मैं तुम्हें एक असली बात बताता हूं तुम ये सोच लिया करो कि जिस टाइम तुम कहानियां कमेंट लिख रहे होते ना तुम्हारे पीछे तुम्हारे ही पड़ोस में वो हर एक आदमी बैठा हुआ है तुम्हारे सिलेक्शन को छीन लेगा तुम्हारे बीच में रहता है मैंने बहुत ऐसे अच्छे बच्चों को देखा है अच्छे बच्चे जो कहीं ना कहीं अपना समय गवा देते हैं थोड़ा सा और बड़ा निराश होते हैं परीक्षा के बाद में वो सोचते हैं अठहत्तर की जगह अस्सी हो सकते थे वो सोचते हैं पैंसठ की जगह और इस बार तुम्हें नहीं लगता मेरिट ऊपर जाएगी बिल्कुल जाएगी तुम समय मत गवाओ याद रखना मेरी इस बात को तीसरे पेशवा कौन हुए बालाजी बाजीराव हुए 1740 से इकसठ देखो छत्रपति के अधीन छत्रपति के अधीन है पेशवा कभी आप सोचें जी अभी तो वो चल रहे थे आपका अब ये कहां से आगे ये छत्रपति के अधीन है ठीक है तो तीसरे पेशवा के पुत्र कौन थे विश्वास राव और चचेरे भाई थे सदाशिवराव भाव और इनके भाई थे रघुनाथ राव किसके भाई बालाजी बाजीराव के भाई ध्यान से देख लेना ये दोनों आपस में चचेरे भाई हैं तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे क्यों हारे आप लोगों को पता है ना वो किस व्यक्ति की जिद की वजह से हारे सदाशिव राव की वजह से छोटे छोटे बच्चों को युद्ध के लिए भेज दिया गया मैं हमेशा कहता हूं रघुनाथ राव एक जो शानदार कमांडर थे इनको अगर भेजा जाता तो मराठे कभी युद्ध हारते ही नहीं है पर अहमद साहब दाली अफगानिस्तान से आया अफगानिस्तान में तो कौन था आपका क्या बोलोगे ईरान का नेपोलियन कौन था उसी के साम्राज्य में उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी हुआ कौन था बोले भी फटाफट से नादिर शाह नादिर शाह की मौत हो गई नादिर शाह आया सत्रह में भारत सत्रह में उसकी मौत हो गई उसके बाद में कौन था वहां पर साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली का अब्दाली भारत आया और याद रख लेना कमजोर लीडिंग की वजह से मराठे इस युद्ध को हार गए थे 14 जनवरी सत्रह को और आगरा में कौन थे सूरजमल जाट थे जिन्होंने क्या किया था ये जो भीड़ वापस लौट रही थी इस सारी भीड़ का इलाज और काफी समय तक अनाज की व्यवस्था की थी लेकिन अगर ये सूरजमल जी को साथ ले लेते सदाशिवराव भाव तो ये युद्ध जीत जाते क्योंकि लेकिन सदाशिवराव भाव का क्या स्टेटमेंट था कि हम दक्षिण से चल करके यहां तुम्हारे भरोसे नहीं आए ठीक है अंग्रेजों के और मराठाओं के तीन युद्ध हुए हैं तीन आंगल मराठा युद्ध हुए हैं रघुनाथ राव ने सूरत की संधि रघुनाथ राव क्योंकि इनको गद्दी पे होना था वे गद्दी पर नहीं पहुंच पा रहे तो सूरत की संधि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर ली बोले मुझको मराठों की गद्दी दिलवाओ और सूरत में एक संधि हो गई इस युद्ध को मराठे जीते अंग्रेज उल्टा हार गए बेचारे रघुनाथ राव के चक्कर में आके और 1722 में सलवाई की संधि हुई जिसमें तय हुआ अगले 20 साल को युद्ध नहीं होगा अंग्रेजों से खर्चा लिया गया और जो ये युद्ध था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे महादजी राव सिंधिया और मलराव राव होलकर ये वो दो जीवित व्यक्ति हैं जो सत्रह के पानीपत के तीसरे युद्ध से बच गए थे तो दिक्कत बोलेंगे भी है। नहीं मस्तानी मुस्लिम नहीं है मस्तानी मुस्लिम नहीं थे उनके बारे में कुछ जगह वो गलत लिखा हुआ है ठीक है सन 1800 में नाना फडणवीस का देहांत हो गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में और कहते मराठे फिर बट गए जिसका फायदा अंग्रेजों को देखो पहली स्थिति में अंग्रेज जीत रहे हैं पहले युद्ध को सत्रह से जो सत्रह सौ से बयासी चला है उसको मराठे जीते हैं लेकिन मराठे कमजोर हो जाएंगे मराठे क्योंकि बट गए उन्हें पेशवा सेंटर बना लिया इंदौर में होलकर हो गए अलग नागपुर में भोसले अलग बड़ौदा में गायकवाड़ अलग ग्वालियर में सिंधिया अलग हो गए इन सब लोगों ने अलग अलग कर लिया ठीक है और सेकंड आंगल मराठा युद्ध में सेकंड आंगल मराठा युद्ध में क्या हुआ बाजीराव सेकंड को इन्होंने होलकरों ने हटा करके उनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठाया वो बात आपको नहीं पढ़नी है आप लोग सिर्फ ये याद रखें पहली में सलवाई की संधि दूसरे में कौन कौन सी संधि हुई है बसीन की संधि 1802 और 1806 में राजापुर घाट की संधि तो आप सिर्फ इतना याद रखें दूसरे आंगल मराठा युद्ध का जो अंत हुआ वो किस संधि से हुआ किस संधि से हुआ राजापुर घाट संधि से हुआ फिर आएगा तीसरा आंगल मराठा युद्ध 1817 से 18 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि लिखा हुआ नहीं पेशवा पद को खत्म कर दिया गया क्या बोलोगे पेशवा पद पेशवा पद क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा क्या बोलोगे यहां पर बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर के विठुर भेज दिया उनकी मौत होगी अठारह में और उनके पुत्र थे दत्तक पुत्र नाना साहेब इनकी पेंशन रोक दी जाएगी और जब इनकी पेंशन अंग्रेज रोक देंगे तो अठारह सत्तावन क्रांति में यह भी एक कारण होगा कोई भी दिक्कत चलो गुरु जी मंगलौर की संधि कब हुई थी बेटा मंगलौर की भी आएगी सत्रह चौरासी वो टीपू सुल्तान के टाइम पर हुई थी कहीं भी कुछ भी मत बोला करो उड़ा दूंगा नहीं तो ठीक <laughs> है कोई प्रॉब्लम भैया कोई प्रॉब्लम अब बात आती है भारत में अंग्रेजों का आगमन इनका उदय क्या क्या भारत में हुआ कोई भी दिक्कत भी है बोले एक बार कोई परेशानी अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के टाइम पर हुई 1600 सो में हुई पंद्रह वर्ष का इसको चार्टर मिला ये सभी जानते हैं सारी बात जानते हो हॉकिंस आया ये भी बताया मैंने आपको 1608 में इंग्लिश खान ये सारी बातें हमने की 1615 में थॉमस रो आया ठीक है यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जब मिडल्टन आया और पुर्तगालियों को हराया तो पुर्तगालियों ने अपनी अस्थायी पुर्तगालियों को हरा करके इन्होंने अपनी अस्थाई फैक्ट्री किसने अंग्रेजों ने स्थापित की तो क्या कहेंगे 1611 में मसूली पट्टनम आंध्र प्रदेश में अस्थाई व्यापारिक कोठी खोली क्या बोलेंगे अस्थाई व्यापारिक कोठी खोली लेकिन 1613 में इन्होंने क्या कर लिया स्थाई व्यापारिक कोठी यानी एक सेंटर बना लिया सामान को भेजने के लिए सेंटर बना लिया कि भाई यहां से हम क्या करेंगे भारत का क्योंकि ये लोग किसके लिए बिजनेस के लिए आए थे शुरुआती दौर में बड़ी डिमांड थी भारतीय मसालों की बाहर वस्त्रों की सूती वस्त्रों की तो ये उनको एक्सपोर्ट करने आए थे जब तो। ठीक है अच्छा 1615 है, क्या बोलेंगे टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में पहुंचा जेम्स प्रथम राजा था जिसने इसको भेजा था और 1633 में उड़ीसा में व्यापारिक कोठी खोली अंग्रेजों ठीक है चलो भाई आगे 1717 में फर्रुख शियर सत्रह में फर्रुख शियर जो 1713 से उन्नीस ने तक जारी किया क्या जारी किया दस्तक तक जारी किया किसने जारी किया था फर्रुख शियर ने क्यों जारी किया था यह मैंने आपको बता दी सारी बातें इसने क्या कर दिया था फर्रुख शीर ने दस हजार वार्षिक में सूरत के सारे टैक्स माफ कर दिए सिर्फ दस हजार में बोल दिया एनुअली में कि भाई आप बिजनेस करो करो जो करना है वो करो। तीन हजार में बंगाल बिहार उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर बोला बंगाल बिहार और उड़ीसा में जो कुछ भी है वो टैक्स फ्री रहेगा वो क्या रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा ठीक है यही दस्तक कारण हो जाएगा अंग्रेजों की अपनी इच्छा के बढ़ने का इच्छाएं बढ़ने की वजह से क्या होगा आपका बक्सर वॉर होगा सत्रह सौ अक्टूबर सत्रह को हुआ क्योंकि अंग्रेज अब व्यापार करने लग गए तो शक्तियां बढ़ गई और शक्तियां जब बढ़ी तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ी बोले सब कुछ ही अपने अधीन कर लेते हैं ठीक है अच्छा आगे आएंगे सर स्टार्टिंग की क्लास शुरू नहीं हो रही भैया स्टार्टिंग की क्लास मैंने बोला ना जैसे ही क्लास ख़त्म होगी टॉपिक तो इसमें वैसे ही टुकड़े टुकड़े में टॉपिक आप कर लो वो आपको जुड़ी हुई मिल जाएगी उसके लिए चिंता मत करो ठीक है पी वाले तुम बीच में आगे पी के लिए मत पूछो पूरी क्लास किया करो तब पी की डिमांड किया करो ऐसा नहीं है आप आते हो क्लास में पाँच मिनट के लिए और पी तुमने बोला पी का जवाब मैं वीडियो में पीछे दे चुका हूँ वहाँ ढूंढना क्या मैंने कहा है तब पता चलेगा तुम्हें है ना ढूंढो उसको अरे डैनिस फ्रांसिससी आपको नहीं पढ़ने हैं ठीक है अंग्रेजों का हम पूछते हैं कि उदय कैसे हुआ तो अंग्रेजों को कर्नाटक युद्ध आप लोगों को पढ़ने हैं देखो कर्नाटक युद्ध कैसे थे कर्नाटक युद्ध दरअसल में भारत या मैं बोलूं आप लोगों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और साथ में फ्रांसीसी भी भारत में बिजनेस कर रहे थे इन दो कंपनियों के बीच की लड़ाई है जिसको हम कर्नाटक वॉर कहते हैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना पहला कर्नाटक युद्ध हुआ सत्रह से अड़तालीस इसमें क्या हुआ आपका मैं आपको बताऊंगा एक्सला सेपेल की संधि हुई एक्सला सेपेल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड रहे थे और ये हर जगह बिड़ रहे थे जहां जहां इनका शासन था तो भारत में तो अंग्रेजों को मिला मद्रास जब इनका आपस में एक अलायंस तय हुआ ठीक है और फ्रांसीसियों को मिला अमेरिका में क्योंकि वहां भी इनका झगड़ा था अमेरिका में भी तो फ्रांसिसियो को मिल गया लुईवर्क पहला खत्म हो गया अच्छा दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या हो गया आपका कि देखो लड़ाई तो थी अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था और चंदा साहिब जो इस पे अधिकार जमा रहा था फ्रांसीसी पहुंच गए चंदा साहब की ओर और अनवरुद्दीन ने साथ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा ऐसे ही हुआ आपका हैदराबाद में हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और जंग जो पोता था गद्दी के लिए लड़ रहे थे लोग इनका फ्रांसीसी ने यानी एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ फ्रांसीसी थे इसमें भी जीत किसकी होगी फ्रांसीसी की यानी अब तक मुझे एक बात बताओ पलड़ा किसका भारी दोनों कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 हुआ आपका या मैं आपसे बोलूं प्यारे बच्चे क्या बोले आपसे सत्रह से चौवन जो ये युद्ध हुआ इनमें पलडा किसका भारी आप कहेंगे भैया फ्रांसिसियो का पलडा भारी ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी तरफ थी नासिर और अनवर फ्रांसिसी मुजफ्फर और चंदा फ्रांसिसी आगे थे तो फ्रांसिसी जब आगे थे तो दूसरे में जो संधि हुई वो सत्रह में हुई ये भी के फ़ेवर की पांडिचेरी संधि सत्रह अब यह इंपॉर्टेंट बात समझो अब क्या होगा कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जब हुआ इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रख लेना जो एक डुपले था फ्रांसीसी गवर्नर क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी डुपले को वापस बुला लिया गया डुबले पर यह आरोप लगाए गए कि वह अपने अध्यक्ष अधिकारियों की बात नहीं सुनता है ना अपने सीनियर अधिकारियों की बात सुनता है पर यह भी आरोप लगाए गए कि उसकी नीतियों की वजह से फ्रांसीसी कंपनी को ज्यादा खर्चा हो रहा है या ज्यादा खर्च वहन करना पड़ रहा है एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है तो कहते हैं यह सबसे बड़ी भूल हुई फ्रांसीसियों की कि उन्होंने डुपले को वापस बुलाया डुपले के वापस जाते ही कौन हावी हो गए फिर फ्रांसिसियो के कदम यहां से उखड़ गए ठीक है दिक्कत। तीसरे कर्नाटक युद्ध में सत्रह से क्या बोलोगे सत्रह से तिरसठ हुआ और इसमें पेरिस की संधि हुई देखो छप्पन लिख रहा होगा खाकी बैच के नोट्स में इसको अट्ठावन कर लेना तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि और सप्तवर्षीय जो हुआ सेवन इयर्स वो इसी के बीच का पीरियड है इसी के बीच का टाइम ठीक है से देख लेना वांडीवास का युद्ध वांडीवास का युद्ध क्या बोलोगे 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों की तरफ से कौन था आयरकूट ये इस युद्ध को जीत गए इस युद्ध को जीते काउं लाली जो फ्रांसिसियो की तरफ से था ये असफल रहा यानी पलड़ा किसका भारी हो गया तीसरे युद्ध में अंग्रेजों का और वान्डीवास का युद्ध कभी मत भूलना बहुत महत्वपूर्ण है नेक्स्ट आंगल मैसूर युद्ध ऐसा ही आंगल मैसूर युद्ध के बारे में हुआ ये अंग्रेजों के प्रभुत्व की बात है कि उन्होंने अपना शासन किस तरह स्थापित किया सत्रह में हैदर अली जब मैसूर का सुल्तान बना सत्रह में इसने खुद को राजा घोषित कर दिया तो अंग्रेज इससे भिड़ गए कब आकर के आपका क्या बोलेंगे अंग्रेज इससे भिड़े सेवनटीन में जब इसने खुद को मैसूर का सुल्तान बना लिया था उसके बाद आंगल मैसूर युद्ध सत्रह ऐसे हुए थे सत्रह से उनहत्तर हुए दूसरा आपका 1780 से चौरासी हुआ था तीसरा आपका 1790 से बानवे हुआ और चौथा सत्रह सौ निन्यानवे हुआ चार युद्ध हुए यानी कि ब्रिटिशर्स इसमें भी कामयाब हुए भैया पीडीएफ के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा क्लास के एंड में कहाँ मिलेगी चलो एक प्रखर को ब्लॉक करो इसका सिर्फ एक ही बात आ रही है क्वालिटी सही नहीं आ रही है पिछले पांच मिनट से क्लग दे। तुम देखते नहीं हो क्या इनको फालतूक बच्चों को हटा दिया करो पढ़ने वाले बच्चे किसी का डाउट है कोई डाउट तो नहीं हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना और पहला युद्ध हुआ पहले युद्ध में देखो हैदर अली वर्सेज वैरलस्ट अंग्रेजों की तरफ से आए ये अंग्रेज है और हैदर अली के साथ थे, देखो हम भारत के लोग एक साथ हैं मराठे निजाम और मराठे निजाम थे तो क्या हिम्मत थी कोई हरा देता तो मद्रास की संधि की हमने अंग्रेजों को घेरा सत्रह में पहले युद्ध में अंग्रेज घेरे गए गे। ठीक है सत्रह में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया मराठों के अपने हित आगे आ गए अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया अंग्रेजों से संधि हुई सत्रह में कि आप हैदर अली का साथ देंगे लेकिन अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया अब अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया तो सत्रह में अंग्रेजों ने फ्रांसिसियो के अधीन जो कौन सा था माहे को कब्जे में ले लिया अब यह भी नहीं लेना था इनको यह भी संधि की शर्तों में तय थी कि आप किससे पूछेंगे इस बात के लिए इस बात की रजामंदी होनी चाहिए किसकी हैदर अली की यहां अवहेलना की गई त्रिगुट संधि हुई 1780 में हैदर ने अरकाट पर अधिकार कर लिया और बेली को बुरी तरह ये चीजें आप मत पढ़ना मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है तो दूसरा आपका आंगल मैसूर युद्ध हुआ सत्रह से चौरासी इसमें जो लोग पहले कौन थे सिंधिया सिंधिया जो किसके साथ थे हैदर अली के साथ थे भोसले हैदराबाद के निजाम ये सब जाकर के अंग्रेजों से मिल गए इनको लगा कि शक्ति हैदर अली की ज्यादा बढ़ रही है, हैदर अली को पुष पीछे करना होगा तो भैया सीधी सी बात है, हैदर अली का हारना तय था आप लोग याद रखें एक बच्चा बहुत देर पहले पूछ रहा था सत्रह सौ चौरासी मंगलौर की संधि वो इसी से हुई है इसमें क्या हुआ हैदर अली मारा गया और हैदर अली के बाद हैदर अली के बाद गद्दी पर कौन आया टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान ने चार्ज ले लिया टीपू सुल्तान ने क्या लिया चार्ज ले लिया टीपू सुल्तान युद्ध लड़ता रहा लेकिन स्थिति इतनी बची नहीं है कि युद्ध चालू रह सके तो युद्ध को बंद कर दिया ठीक है तीसरा आंगल मैसूर युद्ध ये टीपू सुल्तान और कारनवालिस के बीच हुआ सत्रह सौ नब्बे बानवे से नब्बे से बानवे टीपू सुल्तान इसमें पराजित हुआ और मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई टीपू को अपने राज्य का आधा भाग किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा रोहित यादव कह रहे हैं पीडीएफ कहां मिलती है पढ़ने वालों को पता है भाई वेरी गुड बहुत शाबाश नहीं और सबको भी बता देंगे कभी कभी नहीं भी पता होता नए भी बच्चे आते हैं लेकिन लास्ट में बता देंगे मैं पता कर लूँ चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ सत्रह में और हम टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं शेर मैसूर इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हो गई भैया मौत यानी कि कहने का मतलब है मैसूर को भी इन्होंने कब्जे में कर लिया ठीक है कोई दिक्कत वंदना वर्मा को ब्लॉक करो ये कह रहे हैं सभी लोग अनसब्सक्राइब कर दो किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे अच्छा तुम्हें ब्लॉक कर दी हमने तो अब बताओ ये पढ़ने ये पढ़ने आए हैं बच्चे यहाँ तमाशा करने नहीं आए ये तुम्हारी तरह कुछ भी कमेंट करते हो यार एवरीथिंग पढ़ते क्यों नहीं है तुमसे कितनी रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि तुम शांति से पढ़ा करो चुपचाप <laughs> ऐसे कुछ ना कुछ डायलॉग करते रहते हो टीपू सुल्तान के बारे में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपका सिलेबस नहीं है बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल बोले भाई फटाफट से बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल आपका सिलेबस नहीं है लेकिन भारत की क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों के क्या मुद्दे हुए क्या कारण हुए उन सबके लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो यहां देख लेना बंगाल ये पिछली बार पीटी का क्वेश्चन है पिछली बार पीटी का क्वेश्चन है आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ठीक है श्रीरंगपट्टनम की संधि सत्रह सौ बानवे है बिल्कुल सत्रह सौ बानवे में क्या इसमें कुछ और लिखा हुआ है अरे उन्नीस सौ बानवे यार कर लो ना सत्रह सौ बानवे सत्रह सौ चल रहा है टीपू सुल्तान सत्रह सौ निन्यानवे टीपू सुल्तान की एक्सपायर हो गए वो गलत प्रिंट है उन्नीस सौ बानवे बिल्कुल ठीक है सत्रह सौ बानवे होगा देखो भाई तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किसमें रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया गया ठीक है अच्छा भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो बैंटिक बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या बोलते रॉबर्ट है? है ऐसे याद करते रॉबर्ट है विलियम की मौसी रॉबर्ट है विलियम की मो मौ, माउंट मौ बैटन और सी से चक्रवर्ती गोपालचार्य रॉबर्ट विलियम हैसे हेस्टिक्स विलियम बैंटिक से क्या कैनिंग माउंट बैटन और राजगोपालाचार्य कब कब किस अधिनियम से बने 1773 से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अठारह के अधिनियम से क्या किया गया भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइस बना दिया जब अठारह की क्रांति हो गई थी ठीक है नेक्स्ट बंगाल के गवर्नर में प्यारे बच्चे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखें आप लोग सिर्फ और एक चीज आप लोगों को याद रखनी नहीं है प्लासी का युद्ध और द्वैध शासन स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ठीक है हॉलवेल आप लोग याद करके नहीं जाएंगे परीक्षा में वैंसी टार्ट के समय बक्सर का युद्ध हुआ इंपोर्टेंट है वैंसी टार्ट के समय ठीक है कार्टियर आप पढ़ के मत जाना गवर्नर आप पढ़ ही चुके अभी सत्रह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना हैस्टिक्स यानी कि कौन से अधिनियम से बना सत्रह से बना रेगुलेटिंग एक्ट से एशियाटिक सोसाइटी प्यारे बच्चे जरूर पेपर में आप लोग याद रख के जाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया ये जरूर याद रखेंगे बंगाल गजट की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट मैकन आप मत पढ़ के जाना कारन नागरिक सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर को माना गया है कारन को बहुत इंपॉर्टेंट है स्थायी बंदोबस्त कारण बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है जॉनसोर नहीं पढ़ के जाएंगे आप लोग वैलेजली सहायक संधि बहुत महत्वपूर्ण है और सहायक संधि सबसे पहले किसने स्वीकार की हैदराबाद ने ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई ये इसी के समय हुई नेक्स्ट ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको आगे आएंगे मार्बल हैंस्टिक्स ने अब कुछ बच्चे मत कहने लगना भैया ऐसे क्यों चल रहे हो ऐसा मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब चीजें किससे आपको बहुत विस्तार से पढ़ाई हैं बहुत अच्छे से समय दे दे करके पढ़ाई हैं मरविल हैस्टिक्स और यूट्यूब पे मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते हैं उन लोगों की भी हेल्प हो आप लोगों को गाइड करने का काम है इसीलिए आप ये देखते रहें क्या जरूरी है मरविल हैस्टिक्स इसके समय पर ये नाम याद मत रख लेना बस ये याद रखें रैयतवाडी ये थॉमस मुंडरों में बताता ना सूर्यास्त का सिद्धांत यानी शाम होने से पहले शाम होने से पहले जमींदार को टैक्स देना पड़ता था नहीं तो जमीन क्या हो जाती थी नीलाम हो जाती थी और ये स्थाई बंदोबस्त से चालू था सूर्यास्त का सिद्धांत स्थाई बंदोबस्त से चालू किया गया था यह सूर्यास्त सिद्धांत अंतर इतना था रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि जो जमीन थी वो जमींदारी सिस्टम को खत्म करके सीधे किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे सीधे वो टैक्स दे सकता था ठीक है 1818 में पेशवा पद खत्म हो गया था ये तो बात कर चुके हैं हम एमिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है बैंटिक मोस्ट इंपोर्टेंट सती प्रथा लास्ट ईयर भी पूछा गया प्रीवियस ईयर भी सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से अट्ठारह ठगी प्रथा का अंत जरूर पढ़ना है और अभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियम बेंटिक द्वारा किए गए कार्यों में से कौन सा नहीं था कल परसों जो पेपर हुआ है ठीक है उसमें ठगी प्रथा भी था सती प्रथा भी था ठीक है सती प्रथा पर रोक लगाई गई और बस पहला विधि आयोग जरूर पढ़े इसके अध्यक्ष थे मैटकॉफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मत पढ़ के जाना ऑकलैंड कोई जरूरी नहीं है दास प्रथा इंपोर्टेंट ब्रो एलन ब्रो 1843 में खत्म हुई है नरबली प्रथा किसने खत्म की थी हार्डिंग ने क्या बोलोगे हार्डिंग ने खत्म की थी डलहोजी शायद मेरे हिसाब से एक एक बच्चे की नब्ज पर होगा राज्य हड़प नीति बोला जिनके अपने पुत्र नहीं है वो राज्य किसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा राज्य हड़प नीति में सबसे पहले किसको हड़पा गया था सतारा को 1848 में किसको कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा गया था उससे भी महत्वपूर्ण अवध को किसको अवध को झांसी और नागपुर दोनों याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है रेलवे का जनक कौन है डलहौजी को कहा जाता है डाकघर अधिनियम इसी के समय आया शायद मेरे हिसाब से फिंगर टिप्स है कुछ जवाब तो दो हम सब हम सब तो करो थोड़ा कि मैं ठीक बोल रहा हूं ना कोई गड़बड़ है तो बताएं मुझे कोई चीज समझने की है तो बोलें भैया इसको थोड़ा समझा दो कोई सा भी आए तो आप बोल सकते हैं लोक निर्माण विभाग पी डब्ल्यू डी वुड डिस्पैच भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के लिए विधवा पुनर्विवाह को ड्राफ्ट किया गया लेकिन लागू विधवा पुनर्विवाह वो कैनिंग के समय पर हुआ है और कैनिंग के समय पर यह आया अठारह में अधिनियम और कैनिंग को बोला गया ये भारत का वायस होगा अंतिम गवर्नर जनरल यानी पहला ये वायस हो गया <laughs> नहीं झांकने वाले सभी बच्चे नहीं होते कोई कोई आ जाता है झांकने उल्टी सीधी बात करने अपवाद हर जगह होता है ना हम तो स्वागत करते हैं बच्चों का पर बच्चे कोई कोई बड़ा कमजोर बच्चा होता पहला वायसराय बुद्धि से कमजोर पढ़ाई का कमजोर चल जाएगा उसे सिखा देंगे वो सीख जाएगा अगर मेहनत करेगा तो बात यह जो बुद्धि से कमजोर है <laughs> पहला वाइस रहा है के समय। पहला आयकर अधिनियम याद रखें पहला अधिनियम दोनों याद भी रखें इंपोर्टेंट है मेयो के समय पहली अनियमित जनगणना आपको याद रख लेनी है सिविल सेवा में उम्र 21 से 19 किसके समय लिटन के समय इंपोर्टेंट है तीनों वही मार्क कर रहा हूं मैं नियमित जनगणना रेगुलर सेंसस जो हुई है रिपन के टाइम पे हुई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो अखबारों पर जबरदस्ती की एक रोक थी जो लेटर ने लगाई रिपन ने उसको खत्म कर दिया एल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है कब आया एल्बर्ट बिल क्या बोला गया कि अब भारतीयों का जो अंग्रेज है उनका मुकदमा भारतीय भी सुन सकते हैं और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है वो रिपन को कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा में सुधार के लिए हंटर कमीशन आया ठीक है चलो देखो मैं शब्दों से बता सकता हूं कि कौन हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ा हुआ बच्चा है अब जो ये कोई कोई बच्चा कह रहा है सर जी सारा समझा दो ये यूट्यूब वाला है बेचारा बट अब तुम सारी चीजों के लिए परीक्षा से पहले तैयार क्यों नहीं होते बताओ मैंने मान लिया चलो तुम कोर्स नहीं ले सकते ये बात स्वीकार्य है स्थिति होती है कोर्स नहीं लेने की लेकिन सिलेबस तो उससे यूट्यूब पर वीडियो तो बहुत सारी पड़ी हुई है ना जब आप लोगों को पता था मराठा साम्राज्य तो आप अपने यूट्यूब पर इतना कुछ है कि यूट्यूब पर आदमी आई बन सकता है आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं अब से पहले मराठा साम्राज्य के अच्छे से और आज रिवाइज कर रहे होते लेकिन तुम करते नहीं हो है जी हम तुम्हारे भरोसे थे गलत चीज़ है ऐसे हमारे भरोसे होते तो हम सब पहले से उठते साथ में है आगे आएंगे डफरीन के समय कांग्रेस का गठन हुआ है इंपोर्टेंट है लैंश डाउन ये कुछ मत पढ़ना कांग्रेस का गठन किसके समय हुआ डफरीन के समय करजन इंपोर्टेंट है बंगाल विभाजन किसके समय हुआ है करजन के समय और दिल्ली दरबार मत पढ़ना ठीक है दिल्ली दरबार क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे या पढ़ लो दिल्ली दरबार पहला लिटन के समय लगा मैं भी बता देता हूँ आपको लिटन के समय लगा था पहला और 1903 में किसके समय लगा आपका करजन के समय लगा और प्यारे बच्चे फिर 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से क्या बन गई थी नई दिल्ली वो तीसरा लगा था वो हार्डिंग द्वितीय के समय लगा था जब हार्डिंग पर बम फेंका गया था हार्डिंग सेकंड मिंटो के समय आपका क्या हुआ मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ठीक है कांग्रेस में फूट जो पड़ी ये किसके समय मिंटो के समय इसी को बोलते हैं मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्या बोलते हैं इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसी ने हमारे इस प्यारे भारत में हिंदू मुस्लिम की फूट डाली है वो कौन व्यक्ति है वो यही मिंटो है हार्डिंग द्वितीय इसके समय क्या लगा बोलो भाई फटाफट से चलो भाई हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 सर जी आप लोग पहले मैराथन नहीं लाते कर लेते पहले मैराथन लाते यही मैराथन एज इट इज पिछले साल की पीईटी की सेम सिलेबस की पड़ी हुई है आप करने वाले होते तो कर लेते अब तक मेरे दोस्त आप अब से पहले कर चुके होते मैराथन पहले से ही है ठीक है आगे आएंगे हार्डिंग द्वितीय तीसरा दिल्ली दरबार 1911 गांधी जी वापस भारत कब आए उस समय कौन था आपका क्या बोलेंगे उस समय आपका वायसराय कौन था हार्डिंग द्वितीय होमरुल लीग की स्थापना 1916 कौन था आपका हार्डिंग द्वितीय बीएचयू की स्थापना अच्छा मुझे बताओ ऐसे तुम बताओ होम रूल लीग किस किसने बनाया है मैं आपसे पूछूं अप्रैल 1916 में होम में होमरूल लीग बना था आपका होम रूल लीग बना था और एक सितंबर 1916 में होम रूल लीग बना था यह बना था आपका मद्रास में और ये वाला बना था पुणे में तो क्या बोलोगे भैया जी ये तिलक जी ने बनाया था बाल गंगाधर तिलक जी थे और ये कौन थी एनी बेसेंट थी कौन थी एनी बेसेंट थी ठीक है बीएचयू की स्थापना कब हुई ये 1916 सो में हुई थी कौन थे पंडित मदन मोहन मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे चले भैया नेक्स्ट चैम्सफोर्ड बोलेंगे भैया चैम्सफोर्ड थे क्या बोलेंगे चैम्सफोर्ड 1916 से इक्कीस लखनऊ समझौता मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार प्रश्न पूछे जाने के सबसे प्रबल चांसेस हैं खिलाफत आंदोलन जलियावाला बाग हत्याकांड रोलट एक्ट काला कानून आया बिना अपील बिना वकील बिना दलील ठीक है असहयोग आंदोलन 1920 सौ एक अगस्त तो 1920 से चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में नील की खेती के लिए अभी पढ़ेंगे हम सारी चीजें आएंगी अभी बहुत बढ़िया बोलो भी फटाफट से रीडिंग 1921 से 26 चार फरवरी 1922 को क्या हुआ था चोरी चोरा कांड जिसकी वजह से क्या कर दिया गया था ऐसे युग आंदोलन को वापस ले लिया गया था बहुत बढ़िया स्वराज पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस के खिलाफत वाले लोग थे 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास ने क्या बनाई आपका स्वराज पार्टी बनाई एच आर ए का गठन उन्नीस सौ चौबीस में किया गया और काकोरी एक्शन बोलेंगे हमेशा क्या बोलेंगे काकोरी एक्शन क्योंकि हमारे देश के नौजवान थे और हमारे लिए काम कर रहे थे हमारे लिए ठीक है तो काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को कब 9 अगस्त 1925 को ठीक है इरविन चलो बहुत बढ़िया इरविन इरविन के समय क्या हुआ अवज्ञा आंदोलन इम्पोर्टेंट है साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय कौन वायसराय था इरविन था पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उस समय वायसराय कौन था इरविन था लेकिन दूसरे और तीसरे के समय कौन है ये वेलिंगटन है भारत शासन अधिनियम जब आया तब कौन था कौन था वेलिंगटन था उन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं हमेशा रैम मैकडोनल्ड ठीक है लिलिथगो उन्नीस 1936 से तैतालीस मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तब वायस राय कौन था क्रिप्स मिशन जब भारत आया तब वायसराय कौन था फॉरवर्ड ब्लॉक मत पढ़ना ठीक है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी में आप पढ़ेंगे बस स्वतंत्रता के समय कौन थे माउंट बैटन थे भारत के गवर्नर जनरल वाइस को फिर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था आजादी के समय कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई तो प्यारे बच्चे अठारह का संग्राम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले दो मिनट का मात्र ब्रेक चाहिए ठीक <laughs> है ओनली टू मिनट्स इतने भाई वो लगा दो इस पर हाँ भाई कैसे हो क्या हालचाल है <laughs> चलो प्राकृतिक आपदा आ जाती है चले भैया बोले भी फटाफट से गोल्डी कौन है जी आज ही क्लास में बताएंगे लास्ट में निश्चिंत पक्का डन करें भैया तुम भी बैठे बैठे कह रहे होगे जी क्लास पे यार पूरा जब सिलेबस इन्होंने दे रखा है इतिहास का तो पढ़ना रिवीजन करना तो बनता ही है बात है लड़ाई की संघर्ष की और उस सफलता को पाने की जिसके लिए आप तड़प रहे हैं और तड़प नहीं है ये प्यारे बच्चे इसको वो हर बच्चा समझ सकता है जो निम्न वर्ग का है जो मध्यम वर्ग का है शायद आप में से कुछ लोग मजे वाले लोग होंगे मजे वाले लोग से मतलब जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर नहीं होता है घर का लेकिन एक मीडियम फैमिली का जो बच्चा होता है ना वो बहुत मेहनत भी कर रहा है ना अब भी उसके माँ बाप से ये कह देते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं दो चार उल्टी बात भी बोल देते हैं धमका भी देते हैं तो आप कभी उनकी बात को ऐसे मत लेना कि मुझसे ऐसे बोलते हैं वो उनकी एक आस है जो दर्द उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला है ना अब तक की में वो ये चाहते हैं कि वो दर्द तुम ना झेलो तो बस उसी एक दर्द की लड़ाई है जो मैंने भी झेली है हम जैसे मतलब लाखों स्टूडेंट्स ने झेली है हम नहीं चाहते कि वो लड़ाई जो ये दर्द है जो झलकता है जो परिवार की जरूरतें हैं जहां उधार लेकर के घर चलता है जहां घर कर्ज में रहता है वो सारी चीजें शायद मैं महसूस कर सकता हूं और एक तो होती है बात कहने की कि सिर्फ मात्र कह दिया और एक होती है बात हकीकत की तो मैंने ये सारी चीजें हकीकत से फेस की हैं उम्मीद करता हूं कि आप वो आखिरी ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो इस संकट से अपने इस परिवार को उभारेंगे और आप ये करके दिखाएंगे आपके अंदर वो सामर्थ्य है दोस्त हर किसी के अंदर है आप हमेशा कर सकते हैं तो शुरू करते हैं भैया आज का है अठारह सत्तावन का महासंग्राम इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है वीडी डी सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर ने और एक व्यक्ति जिसकी पुस्तक कभी प्रकाशित नहीं हो पाई हमारे भारत में प्रकाशित नहीं हो पाई फ्रांस की मदद से प्रकाशित की थी डी सावरकर जी ने सेल्युलर जेल में बंद रहे 1911 से 1921 तक और सेल्युलर जेल की दीवारों पर भी भारत का इतिहास लिखा ध्यान से देखेंगे अठारह की क्रांति षड्यंत्र थी यह कहा है किसने टेलर ने कहा है अच्छा धार्मिक कारण क्या थे हमारी सती प्रथा जिसमें हम लोग ये कहते थे कि एक जिन पति अगर खत्म हो गया तो जिंदी स्त्री को उसके पति की लाश पर चिता पर बैठना होगा हम लोगों को दर्द हुआ कि अंग्रेजों ने हमारी इस प्रथा पर रोक कैसे लगा दी एक वर्ग भड़क गया अंग्रेजों से धार्मिक कारण हिंदू विधवा अधिनियम 1856 में लागू हुआ बहुत भड़क गया क्योंकि विधवा की एक ऐसी स्थिति देश में थी लोग ये चाहते थे कि यह अगर सती नहीं हुई और जिंदा बच गई समझा जाता था ना छूने योग्य उसको समझा जाता था तो क्या बोलते हैं हिंदू विधवा अधिनियम आया जो वो भी कारण बना एक विरोध का अंग्रेजों के आर्थिक कारण दादा भाई नेहरू जी ने लिख दिया अंग्रेज किस तरह भारतीयों को लूट रहे हैं ड्रेन थ्योरी लिख दी और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक में इन्होंने इंग्लैंड इंडिया कैसे भारत से धन ले जा रहे हैं ये लिख दिया ठीक है सर ये में हाँ सत्तावन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से दिया हुआ है टॉपिक यही टॉपिक है राजनीतिक कारण सहायक संधि वालेजली जो हड़प रहा था राज्य हड़प नीति जो डलहौजी की थी अभी बात करी नाना साहब की पेंशन पर रोक लगी ये भी मैंने आपको बताया ये भी कारण थे नेक्स्ट कारण क्या थे पोस्टल सेवाओं पर टैक्स लगेगा सैनिकों की और सैनिकों को समुद्र पार जाने की बात की गई यानी हमारे सैनिक तो इसको पाप समझते थे कि समुद्र के पार जाना एक पाप है अफवाह प्लासी के युद्ध के सौ वर्ष के बाद अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा अंग्रेज चले जाएंगे सत्रह सत्तावन में हुआ प्लासी का युद्ध तात्कालिक कारण एकदम से क्या हुआ ब्राउन बेस राइफल की जगह एक राइफल आई इनफील्ड राइफल सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम फोर्टी सेवन वाली पबजी जो बच्चा तुम्हारे बराबर में पब्जी खेल रहा था ना वो जानता होगा सेवन पॉइंट बोर है राइफल में क्या हुआ कारतूस में गाय और सुवर, सुवर की चर्बी का मिला होना पहला विद्रोह हुआ बैरकपुर छावनी कहा थी ये बंगाल में थी कहां थी बंगाल में और चौतीसवी चौतीसवी इन्फेंट्री इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना को बहुत पूछा जाता है मंगल पांडे किस किस इन्फेंट्री के सिफायित थे चौतीसवी इन्फेंट्री 29 मार्च अठारह को मंगल पांडे ने विद्रोह किया लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी बोले ये हम नहीं खोलेंगे कारतूस तो पहली गोली चलाई अठारह की किसने मंगल पांडे ने कब फांसी हुई 8 अप्रैल अठारह को फांसी हुई ठीक है अठारह का संग्राम प्रारंभ हुआ मेरठ से वहां क्रांति दब गई जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया लेकिन एक भीड़ इसका श्रेय जाता है धन सिंह कोतवाल गुजर को मेरठ जेल में डिप्टी थे लोगों को बोला कि भाई जाकर के अपना एक नेता ढूंढे इस क्रांति में और नेता इस समय कौन हो सकता है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम शासक था बोले उसको आप लोग लेकर के चले आगे एक लीडर चाहिए और अंग्रेजों से बहुत ठीक है वो क्योंकि अंग्रेजों ने आदेश दे दिया था कि मुगलों को अब लाल किला खाली करना होगा अब तुम शासक नहीं हो शासक नहीं हो ठीक है बागपत बाबा शाहमल जाट इन्होंने बागपत के क्षेत्र से अपनी भीड़ इकट्ठा की और कहा दी जनता दिल्ली जनता पहुंच गई ग्यारह की रात को यानी बारह कहां पर दिल्ली 12 मई अठारह को दिल्ली पहुंची बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित किया भीड़ ने लेकिन बहादुर शाह की तरफ से वास्तविक नृत्य क्योंकि बुजुर्ग हो चुके थे बहादुर शाह द्वितीय बख्त खां ने किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेतृत्व किसने किया बख्त खां ने ठीक है इस विद्रोह का दमन निकोलसन और हडसन ने किया अंग्रेजों की तरफ से थे अंग्रेजों की तरफ से थे ठीक है आगे चले लखनऊ में कौन था भैया बेगम हजरत महल अपने बेटे ब्रिजिस कादिर इनके पिता यानी ब्रिजिस कादिर के पिता या बोले बेगम हजरत महल के जो पति थे वो एक्सपायर हो चुके थे और यहां इन्होंने क्या किया जो हड़प नीति के खिलाफ ये लड़ी और विद्रोह में शामिल हुई अठारह क्रांति के में। दमन कर दिया किसने कैंपबेल ने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी हीरोज ने दमन किया और हीरोज का स्टेटमेंट आया कि भारत के इतिहास में एक ऐसी महिला जो मर्दों से भी बेहतर लड़ी जन्म वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम मनु मणिकर्णिका छबीली बाई इनकी समाधि ग्वालियर में है इनके पुत्र का नाम जो दत्तक पुत्र था डहोजी ने बोल दिया था कि दत्तक पुत्र मान्य नहीं है ठीक है और पति कौन है इनके गंगाधर राव थे जो एक्सपायर हो चुके थे कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे नाना साहेब किस वजह से क्योंकि पेंशन रुक गई थी और इनके सहयोगी कौन थे तात्या टोपे सेनापति की तरह इनके कौन है वो रामचंद्र पांडुरंग थे जॉय लोबो टू मच थैंक यू मेरा दोस्त नेक्स्ट बिहार में नेतृत्व किसने किया ये बड़े पूछे जाते हैं कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर आरा फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह पचास हजार रुपए का इनाम और इनको जाना जाता था डा साह के नाम से इलाहाबाद में कौन थे लियाकत अली थे असम में नेतृत्व किसने किया मनी जी ने बरेली में खान बहादुर खान अठारह की क्रांति का प्रतीक क्या था इंपोर्टेंट है कमल और रोटी किसके समय पर हुई गवर्नर कैनिंग है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था पार्मस्टन है गुमनाम नायक किसको बोलते अठारह सत्तावन की क्रांति का अली अजीमुल्ला खां अली नहीं अजीबल्ला खां गीत लिखा था हम है मालिक इसके हिंदोस्ता हमारा नाना साहेब के वकील भी यही थे ठीक है तो दिक्कत भाई इस बात में नेक्स्ट सायर मिर्जा गालिब जिन्होंने अठारह सत्तावन क्रांति को देखा और अठारह सत्तावन क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया माइकल इसेन ने किया है माइकल राष्ट्रीय आंदोलन चरण पहले चरण पचासी से 1905 में हम रखते हैं यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और 1905 तक का चरण जब कांग्रेस बटी उससे पहले का द्वितीय चरण में उग्रवाद का चरण यानी कि जो लोग गर्म दल के लोग थे वो प्रभावी हुए 1905 से 1919 तक और गांधी जी 1915 में हालांकि आए लेकिन 1917-18 तक आंदोलन करते करते उनकी छवि देश में मजबूत हुई 1918 के एंड में जब उनका खेड़ा आंदोलन या बोले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या चंपारण ये सफल हो चुके थे ठीक है कोई तो दिक्कत अच्छा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना याद रखें हमेशा 28 दिसंबर अठारह को एलन ऑक्टिवियम ह्यूम जो कि एक आई अधिकारी थे ठीक है पहले इन्होंने अठारह में इंडियन नेशनल यूनियन बनाया और इसी को बोला गया कि अंग्रेजों की मदद के लिए बनाया गया एक संगठन था अंग्रेजों की एक चाल थी इसीलिए क्या बोला लाला लाजपत राय जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में कहा कि सेफ्टी वॉल्व का यह सिद्धांत है यानी कि अंग्रेज अपने बचाव के लिए एक संस्था बना रहे कि जो भीड़ है वो भीड़ कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद से देखेगी और वो कांग्रेस को चलाने वाले लोग कौन होंगे वो अंग्रेज होंगे ठीक है तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसमें आया था ये याद रख लेना लाला लाजपत राय जी के यंग इंडिया में ये मत पढ़ना किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है अरविंदो घोष अरविंदो घोष जिनको जाना जाता है बहुत बड़े मतलब अगर मैं बात करूं बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति देश के रहे अरविंदो घोष इनके पिता ने इनको दूर रखने की कवायद की कि ये कभी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ ही ना पाए ऐसे पादरी के पास इनको रखा कि ये कभी भनक ही नहीं लग पाए लेकिन अठारह में भारत आ गए थे और अनुशीलन समिति जो ढाका में इन्होंने काम किया है बेहतरीन काम किया है उसके लिए जाने जाते हैं लेकिन 1916 में ये फिर सन्यासी बन गए थे कंप्लीटली डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा वर्ष में एक बार मेंढक की तरह ट्रटराने से कुछ नहीं होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं यानी ये सिर्फ खुद के लिए काम कर रहे हैं खुद के स्वार्थ है इनका देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं ऐसा बोला कांग्रेस का गठन ह्यूम बहत्तर प्रतिनिधियों से मिलकर के हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय को ह्यूम ने पत्र लिखा कि भाई ऐसे लोग चाहिए जो देश के लिए संघर्ष कर पाए तो कुल मिलाकर के बहत्तर लोग इकट्ठे हुए इसमें पूछा जाता है नरम दल के कौन कौन है दादा भाई नेहरू व्योमेश चंद्र बनर्जी रास बिहारी घोष गोपाल कृष्ण गोखले बदरुद्दीन क्या बोलोगे बदरुद्दीन तैयब जी लाल बाल पाल हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ये किससे हैं गर्म दल के नेता थे किसके गर्म दल के नेता थे ये कांग्रेस के अधिवेशन है मैं आपको महत्वपूर्ण मार्ग करा देता हूँ पढ़ा मैं चुका हूं कई बार ये तो याद रख लेना बकमई बक पहले वाले तो इंपोर्टेंट है ही बक मई बक वैसे मतलब क्या है बंबई कैसे कलकत्ता मै से मद्रास ई से इलाहाबाद प्या पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी नब्बे जगह याद हो गए कहाँ हुआ था पहला गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ और प्यारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहले में प्रतिनिधि कितने बहत्तर अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं इंपोर्टेंट बात है दादा भाई नेहरो जी कितनी बार अध्यक्ष रहे तीन बार अठारह सो छियासी और 1906 जब स्वराज्य की मांग होगी बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे वाले में आपका कौन है पहले मुस्लिम थे और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है वो जॉर्ज यूल है जॉर्ज यूल है ठीक है बाकी ये चार चीज याद रखें उधर और कुछ याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है देखो ध्यान से ये इम्पोर्टेंट है वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया कलकत्ता में और रहमतुल्ला श्यामी गांधी जी ने भाग कब लिया है 1901 सौ एक में दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है भैया गांधी जी तो 1915 में देश आए तो कैसे भाग ले लिया तो गांधी जी देश परमानेंटली 1915 में वापस आए बीच में वो आते रहे और कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था ठीक है शेखर राणा बड़ौत मेरे दोस्त बहुत दिन में आप दिखे हो बहुत पुराने स्टूडेंट है भैया चैनल के लगभग पिछले शायद एक डेढ़ वर्ष से मैं देख रहा हूं बम्बई हेनरी कॉटन जिन्ना ने पहली बार भाग लिया ठीक है 1904 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी तो 1905 में बंगाल विभाजन आपका टॉपिक है याद रख लेना बंगाल विभाजन के बाद में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ था वाराणसी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वराज्य की मांग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठी उन्नीस में कांग्रेस कब का फूट पड़ी 1907 ये बच्चा बच्चा जानता है रास बिहारी घोष नरम दल और गरम दल में कांग्रेस क्या हो गई बट गई देखो जैसे मैंने बताया जनगण मन ऐसे ही वंदे मातरम कलकत्ता में गाया गया और कलकत्ता में गाया गया था वहां अध्यक्ष कौन थे रहमतुल्लाह शानी यहां अध्यक्ष कौन है पंडित बिशन नारायण धर ठीक है कोई दिक्कत क्या बोलेंगे 1916 लखनऊ क्या बोलेंगे लखनऊ यहां लखनऊ की बात जब आती है प्यारे बच्चे यहां पर कांग्रेस एक हो जाती है लखनऊ पैक्ट बोलते हैं इसको नरम दल गरम दल ये सब एक हो जाते हैं मुस्लिम लीग एक हो जाता है 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्ष बनी मैं आपको बार बार याद कराता हूं कानपुर 1925 सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला वो भारत की थी वो कहां की थी वो भारत की थी 1918 देखो ये 1918 दिल्ली में मदन मोहन मालवीय है अध्यक्ष बने यहां एक लाइन लिखी हुई है बाल गंगाधर तो मैं आपको बताया ये कि बाल कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं प्रश्न पूछा जाता है कौन से नेता और हमेशा विकल्प रहता है बाल गंगाधर तिलक ठीक है कोई भी दिक्कत इस बात में बोले भाई फटाफट से कोई भी परेशानी बोलेंगे भैया फटाफट से कोई दिक्कत किसी बात में हेलो गुरुजी 1911 में वंदे मातरम गायब दिया गया है अरे नहीं <laughs> 1911 में ग्यारह में जनगणमन जब वो आया था ना भारत में जॉर्ज पंचम राजधानी बदली गई थी प्यारे बच्चे तब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था उन पर आरोप लगते हैं आज तक भी कि मन अधिनायक यानी कि जॉर्ज पंचम की एक तारीफ की गई है ठीक है अच्छा 1920 का मत पढ़ना आप लोग 1920 कलकत्ता अधिवेशन में कौन लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे हैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव आया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे लाला लाजपत राय थे लाला लाजपत राय थे ठीक है अच्छा कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन भी आप लोगों को जरूरत नहीं है ये सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने लखनऊ ये बता दिया नरम दल गरम दल एक हो गए ठीक है ये फिर से रिपीट है वही पीडीएफ आगे चलेंगे ये आएंगे 1924 जब ऐसा योग आंदोलन चल रहा होगा ना तो क्या हो जाएगा चोरी चोरा कांड हो जाएगा क्या बोलेंगे चोरी चोरा कांड हो जाएगा तो चोरी चोरा कांड से क्या होगा प्यारे बच्चे गांधी जी ऐसा योग आंदोलन को वापस ले लेंगे वापस ले लेंगे तो गांधी जी गिरफ्तार होंगे ब्रूमफील्ड उनको छह वर्ष की सजा सुनाते हैं लेकिन गांधी जी दो वर्ष में तबीयत की वजह से रिहा हो जाते हैं और रिहा हो गए चलो भाई पीडीएफ कहा मिलेगी इसका पता करो एक बार रोजगार विदंकित ऐप इंस्टॉल करोगे उसमें फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाओगे और वहां आपको पीटी इसी क्लास की मैराथन मिल जाएगी ना पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है डन अब थम्स अप कर दो इस बात को पता चल गया अब मत पूछना कोई भी बेलगांव कर्नाटक में पूछा जाता गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष रहे ठीक है एक ही बार अध्यक्ष रहे अच्छा 1925 अभी बोला कानपुर सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्वोत्तर भारत में हुआ पूर्वोत्तर भारत में हुआ कोई बोलो भाई पूर्वोत्तर भारत में हुआ ये एक ही अधिवेशन हुआ है जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ ठीक है कोई दिक्कत उन्नीस लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग बहुत महत्वपूर्ण है कराची अधिवेशन ये वही अधिवेशन है मैं कहता हूँ सरदार भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी थी किसकी कराची अधिवेशन की उनकी मतलब तो उनकी बातों पर किसी को कोई ध्यान ही नहीं था देश का दुर्भाग्य है एक उन्नीस सौ सैंतीस उन्नीस बंगाल यानी कि किसानों के अधिकारों की बात हो रही थी और मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये किसानों के अधिकारों की बात कब से हो रही है क्या किसान के लिए कुछ किया गया कुछ योजनाएं मात्र चलती हैं क्या कि किसान की प्रतिपूर्ति कर पाती हैं किसान की फसल को किसान की फसल को दो हज़ार रुपये सत्रह सौ पंद्रह सौ रुपये में लेकर के ये लोग मतलब उसे पॉलिसिंग इंपोर्ट करते हैं बाजा वापस में हम ही लोगों को ये छः हजार आठ हज़ार के रेट में उसको बेचते हैं साठ रुपये किलो अस्सी रुपये किलो हमारी दालें हम ही को डेढ़ सौ रुपये किलो दी जाती हैं हमसे ले सकता कोई पंद्रह हज़ार नहीं लेता भैया फैजपुर गाँव में हुआ एकमात्र अधिवेशन है और ये पिछली बार भी पूछा गया आपसे हरिपुरा हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस जी कितनी बार अध्यक्ष बने हैं दो बार उन्नीस हरिपुरा गुजरात में इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर पूछा गया आपसे उन्नीस त्रिपुरी एमपी में गांधी जी की लोकप्रियता इतनी थी कि खुद गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी को ये मौका देते हैं बात किसकी थी यहां सुभाष चंद्र बोस जी की जगह है? यहां बनना था जमुना लाल बजाज जी को गांधी जी के पांचवें पुत्र जो कहे जाते हैं जमुना बजाज जी को उन्नीस में लेकिन गांधी जी ने खुद नाम किसका दिया सुभाष चंद्र बोस जी का लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की नीतियों की वजह से गांधी जी अगले ही वर्ष ये चाहने लगे कि अध्यक्ष ना रहें क्योंकि गर्म दल के थे गांधी जी नरम दल के नेता थे तो क्या बोलेंगे त्रिपुरी में क्या हो गया स्थिति ऐसी आ गई कि कांग्रेस को चुनाव कराना पड़ गया और चुनाव में गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया हार गए और क्या कहा गांधी जी ने प्रचार किया था गांधी जी ने कहा था कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी तो कौन जीत गए सुभाष चंद्र बोस जीत गए लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस आगे अध्यक्ष नहीं रह पाए इन्होंने खुद ही पद को छोड़ दिया ठीक है उन्नीस में जब सुभाष चंद्र जी ने कांग्रेस पद को छोड़ दिया तो उनकी जगह अध्यक्ष कौन बने राजेंद्र प्रसाद यह पूछा गया है आपका पीईटी ठीक है ठीक है शेखर ओमनी अग्रिहारी बहुत बढ़िया बहुत ठीक <laughs> 1940 उन्नीस में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं इम्पोर्टेंट बात है स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था जे बी कृपलानी थे कौन थे जे बी कृपलानी थे ठीक है और भारत में ये मौका पट्टा भी सीतारामैया को भी मिला आजादी के बाद में कि तुम भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ अभी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे हम एक टॉपिक पर क्या प्रभाव लड़ाई लड़ी ठीक है महादेव गोविंद रानाडे और केसी सी चंद्र ने इसके लिए क्या किया था आपका इनको सहयोग दिया यंग बंग आंदोलन चला देश की कृतियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाए गए ये अठारह सौ छब्बीस सिर्फ वर्ष याद रख लेना किसने चलाया हेनरी विवियन डेरीजियो ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने किसकी लड़ाई लड़ी थी अब बोलेंगे भाई इन्होंने संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी विधवा के लिए और स्कूली बच्चों क्या बोलेंगे इसको लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी तीन चीजों पर काम करते थे अठारह में इन्हीं की वजह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ पाया ठीक है शादी में लड़की की उम्र कम से कम चौदह वर्ष फिर शारदा एक्ट में यही कहा गया उन्नीस में लड़की कम से कम चौदह की होनी चाहिए और लड़का अठारह का लेकिन 1978 में भारत सरकार ने बोला लड़का अठारह का सॉरी लड़की अठारह की और लड़का इक्कीस का होना चाहिए तो कोई भी नियम कब आएगा पहले उसके लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा ना तो ये काम किसने किया ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने किया ठीक है चलो बहुपत्नी प्रथा का परोध किस व्यक्ति ने किया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर बता देता हूं इनकी स्थापना और स्थापना करने वाले व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक गुलामगिरी बाकी सब बातें हम बार बार बोलते रहते हैं ठीक है जी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बस क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी कि ईसाई मिशनरी देश में आए और देश को बरगला रहे थे हिंदू लोगों को ये ईसाइयों में परिवर्तित कर रहे थे ठीक है तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया स्वाधीनता आंदोलन के समय के आरंभिक वर्ष में सिर्फ इतना देखना बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा है बंगाल प्रकाशक संस्था 1836 भारत का पहला राजनीतिक संगठन अगर बोले तो 1837 किस चीज के लिए पहला संगठन जमींदारों के हित के लिए बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन आप मत पढ़ना एसोसिएशन मत पढ़ना आप लोग दो पढ़ लेना पहले वाले मत ये पढ़ना मद्रास नेटिव ना ईस्ट इंडिया ठीक है सार्वजनिक सभा जरूर पढ़ना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई 1870 सेवनटी पूना सार्वजनिक सभा एम जी राडे जिनको महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं ठीक है इंडिया लीग जरूर पढ़ना शिशिर कुमार घोष ने शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी कब एटीन ठीक है जी आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लोटो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लिखी भारत का मार्टिन लूथर किंग इन्हीं को कहा जाता है जानते होंगे ना आप सब कुछ चलो भाई नहीं क्षमा मेरे प्यारे बच्चे आप घर के घर के यार तुम ऐसी बात करा करो ना कि जिससे ऐसे लगे कि भाई हम सब एक ही हैं तुम ऐसे बोलोगे कि जी मैं कर्जदार हूं आपका ऐसा लगता है कि एक गैप है हमारे तुम्हारे बीच में अपने घर कहते हो तुम क्या ऐसे कभी मम्मी पापा से बोला तुमने कभी ऐसे कि <laughs> कर्जदार जी है तुम्हारा ऐसा फैमिली की तरह ट्रीट किया करो आर्य महिला समाज अठारह सौ पंडिता रमाबाई बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा राजा राम मोहन राय भारतीय क्या बोलोगे आधुनिक भारत के निर्माता भारतीय पुनर्जागरण के जनक भारतीय पत्रकारिता के जनक भारतीय नवयुग का सितारा अतिथि और आधुनिक युग के सेतु क्योंकि कहते हैं सोए हुए भारत को किसने जगाया वो राजा राम मोहन राय जी ने जगाया अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे लेकिन छोड़ दिया सब क्या बनाया था आत्मीय सभा 1809 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और प्यारे बच्चे 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की ठीक है इन्हीं के प्रयासों से 1817 में हिंदू कॉलेज जरूर याद रखें संस्थापक कौन है डेविड हेयर ठीक है यह मत पढ़ना यह पत्र जरूर पढ़ना संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था और एक था मरातुल अखबार ये फारसी भाषा में था ठीक है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है अठारह प्रीवियस ईयर भी पूछा गया और हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना बीस अगस्त अठारह को और अच्छा दिल से निकला था ठीक है फिर ठीक है समाज 20 अगस्त 1828 को जो धार्मिक उनको दूर करने के लिए सती प्रथा किसकी वजह से दूर हो पाई थी इसी ब्रह्म समाज की वजह से दूर हो पाई थी सती प्रथा को दूर किया राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी क्योंकि उनकी पेंशन रोक दी थी अंग्रेजों ने तो यह अंग्रेजों क्या बोलोगे अकबर द्वितीय का ये पक्षधर बने थे ठीक है अठारह में सती प्रथा पर रोक लगी सबसे पहले कहा बंगाल में रोक फिर चेन्नई में लगी थी इनकी मृत्यु 1833 में हुई ब्रिस्टल में क्या है इनकी समाधि है इंग्लैंड में ये मत पढ़ना है क्या बोलोगे इनकी मृत्यु के बाद सिर्फ इतना पढ़ लेना ब्राह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र ठाकुर ने किया बाकी चीज एक बार देख लेना आप लोग समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं ये जरूर मार्क कर रहे हो ऐसे ही बैठे हो मेरी तरफ मुंह देख के नोट्स खोल के बैठे हुए हो यस और नो नोट्स ओपन है यस और नो ठीक है जावेद खान मेरे दोस्त थियोसोफिकल सोसाइटी ये आध्यात्मिक संस्था थी दुनिया में नस्ल भेद को दूर करने के लिए भारत में भी लोग आए कौन लोग थे 1875 में स्थापना हुई मैडम हेलेना वाली और कौन थे आपकी हेनरी अलकाट थे भारत में भी इन्होंने कार्यालय खोले एनी बेसेंट इस आंदोलन से कब जुड़ी है बहुत महत्वपूर्ण बात है अठारह में अठारह में एनी बेसेंट जुड़ी एनी बेसेंट भारत कब आई अठारह में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की अठारह में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में क्या बना आप लोग जवाब देंगे मैं पीडीएफ अगली तब करूंगा बोलो यही सी एच सी सेंट्रल हिंदू कॉलेज अठारह अट्ठानवे में मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया यही सी एच सी क्या बन गया था यही बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना बहुत खूब एक बच्चे ने बी एच यू टाइप किया होगा तो वो बू लिख गया बू <laughs> चला भैया उन्नीस सो सोलह बी एच यू बना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ठीक है 1907 में क्या हो गया कर्नल अलकाट की मौत हो गई तो बेसेंट बन गई इनकी अध्यक्षा 1907 में कब बनी थी 1907 में और एनी बेसेंट 1917 में क्या बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट थी कहाँ की आयरलैंड की ठीक है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन एटीन कहते हैं कि भारतीय परंपरा में जो ऋषि परंपरा रही है या कुछ भी कहते हैं कि गुरु के गुरु के पद का अगर किसी ने मान बढ़ाया है तो उसके परिवार का को कोई व्यक्ति ना होकर के वो उसका कोई रहता जो तो उसके मान को बड़ा कर देता है जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के मान को उनके एक शिष्य हुए कौन स्वामी विवेकानंद ये इनकी पत्नी है इनकी इनके गुरु की इनकी गुरु मां है पूछा गया शारदा मणि कौन थी शारदा मणि कौन थी ये शारदा मणि गुरु मां है विवेकानंद जी की तो कहते हैं कि मेरे गुरु को जो भी शिक्षा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ मैं उसको आसान भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा पूरी दुनिया तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा तो रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे स्वामी विवेकानंद जिनका नाम नरेंद्र दत्त है इनके शिष्य हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने इनकी शिक्षाएं सब जगह पहुंचाई भैया आपका गला आज फिर खराब हो जाएगा नहीं भैया मैं इसीलिए धीमे बोल रहा हूं ताकि गला खराब ना हो गले को मैं झेल चुका हूं पहले अब नहीं खराब होने देंगे कोई दिक्कत नहीं है स्वामी विवेकानंद जन्म हुआ 12 जनवरी अठारह को और 11 सितंबर अठारह में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने क्या बोलेंगे 11 सितंबर 1893 बहुत पूछी जाती है शिकागो में गए क्या बोले कि पश्चिम का जो ये भौतिक पश्चिम का जो भौतिकवाद अर्थात विज्ञान है इसको पूर्व के अध्यात्मवाद से जोड़ना चाहिए तब दुनिया बेहतरीन होगी बिल्कुल सैंक मोहित एकदम ठीक लिखा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना प्राप्त हो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है पुस्तकें कौन सी है इनकी कर्म योग ज्ञान योग राजयोग नाम याद रखें बस और कुछ नहीं उनके पत्र याद रखने आप लोगों को उद्बोधन प्रबुद्ध भारत उद्बोधन किस भाषा में आता था बंगाली में प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में आता था पिता हैं इनके विश्वास विश्वनाथ माता भुवनेश्वरी और भाई भूपेंद्र बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं भारतीय आजादी के ढाका अनुशीलन समिति से लेकर के जितनी अनुशीलन समिति थी जिन्होंने बंगाल विभाजन को वापस करवा दिया इसीलिए बोलते हैं साइक्लोनिक हिंदू किन को कहा जाता है जी इन्हीं को कहा जाता है ठीक है साइक्लोनिक हिंदू तूफानी हिंदू कहकर के हम पुकारते हैं ठीक है बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन पर थम्सअप करें कितने लोग जानते हैं बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का कि बंगाल जिसकी जनसंख्या आठ करोड़ थी टू पर दिखाएं एक बार बंगाल जिसकी जनसंख्या कितनी थी प्यारे बच्चे वो थी आपकी आठ करोड़ और भारत की पूरे की जनसंख्या थी चालीस करोड़ तो बाँट दिया गया पूर्वी बंगाल में बंगाल असम और आपका प्यारे बच्चे क्या कहेंगे आप असम और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को कर दिया गया पूर्वी बंगाल में यानी कि जो हमारा बंगाल था प्यारे बच्चे उसको बांट दिया गया दो हिस्से में तो बांग्लादेश तो था नहीं तो इधर तो असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को ज़्यादा कर दिया गया और मुस्लिमों को संख्या में कम कर दिया गया ताकि दंगे भड़के और गड़बड़ पैदा हो राजधानी पूर्वी वो दिखाओ सीन टू पर राजधानी क्या थी इसकी ढाका थी राजधानी इसकी कोलकाता थी प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल के ब्रूमफील्ड फुलर थे और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पश्चिम बंगाल के कौन थे एंड्री फ्रेजर थे ठीक है तो बंगाल को बांटने का उद्देश्य इनका क्या था सांप्रदायिकता को जन्म देना हिंदू मुस्लिम विवाद को जन्म देना घोषणा कब हुई है प्यारे बच्चे घोषणा कब हुई है बीस जुलाई उन्नीस सौ पांच को लागू हुआ सोलह अक्टूबर उन्नीस सौ पांच को शायद होगी तिथि आगे हाँ है चलो लागू किसने किया एंड्री फ्रेजर ने किया ये दिमाग की किसके की उपज थी बैडरबर्न के की वायसराय उस समय कौन था कर्जन था राज्य सचिव कौन था रिजले था लक्ष्य था सांप्रदायिकता को जन्म देना यानी दो जो धर्म थे हिंदू और मुस्लिम उनके बीच की दूरी को बढ़ाना बढ़ा देना सोलह अक्टूबर 1905 को क्या हो गया याद रख लेना बंगाल विभाजन लागू हो गया बंगाल विभाजन लागू हो गया तो पूरे बंगाल में हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और कहा कि हम इनके चक्कर में आकर के बटेंगे नहीं हम सब एक हैं। हम एक हैं वंदे मातरम गाया गया और प्यारे बच्चे इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का क्या बना बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना सुदेश गीतम ने लिखा एक गीत है सुदेश गीतम दक्षिण में बहुत प्रचलित है ये सुब्रमण्यम स्वामी जो तमिलनाडु के थे इन्होंने लिखा सर इसे को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं जबकि बांग्लादेश बंगाल तो पूर्व में है सतीश परिहार जी मैं कई बार बता चुका हूं देखो ऐसा है आपके ही तो पूर्व में है लेकिन बांग्लादेश के तो पश्चिम में है ना बांग्लादेश के पश्चिम में इसलिए पश्चिम बंगाल है तो जब बंगाल विभाजन को घोषित किया गया और लागू नहीं हुआ था उससे पहले उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन बोले अंग्रेजी वस्तुओं का अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो इनको खत्म करो बोले सब कुछ अपना बनाएंगे और नेतृत्व करने लगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कृत किया गया नमक जो भी बाहर की सामान है उसको बंद करें वस्त्र शिक्षा चीनी ठीक है स्वदेशी बांधव समिति जरूर याद रख लेना अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी ठीक है डॉन सोसाइटी आप लोग मत पढ़ना और बंगाल विभाजन के बाद पहला स्वदेशी कॉलेज कौन सा बना रंगपुर नेशनल कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब बनी थी ये 1906 में बनी थी सिर्फ इतनी बात इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन का जो विरोध हो रहा था सब जगह जो बैठकें हो रही थी बंगाल विभाजन के लिए कार्लाइल को नियुक्त किया गया दमन के लिए ठीक है चलो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया किसने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया मुस्लिम लीग ने ठीक है और मुस्लिम लीग कब बना था 1906 में बना था कब बना था 1906 में बना इसके संस्थापक कौन थे सलीम उल्लाह खां संस्थापक थे कौन थे सलीम उल्ला खां तो ये 1906 में और साथ में एक नाम और याद रख लेना आगा खां मिंटो से इनकी मुलाकात हुई मिंटो ने इनके दिमाग में जहर भरा कि आप मुस्लिमों के नेता बनिए और देश में सांप्रदायिकता को जन्म दीजिए ठीक है 19 दिसंबर 1906 को ढाका में पहले अध्यक्ष कौन है मुस्लिम लीग के बकर मुश्ताक हुसैन है वायसराय कौन था मिंटो था बंगाल विभाजन को उन्नीस में रद्द किया गया तीसरे दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए साथ में उनकी घरवाली मैरी भी आई और भी अन्य घोषणाएं हुई क्या बोले बंगाल विभाजन वापिस होगा हार्डिंग सेकेंड के टाइम पे और राजधानी क्या होगी दिल्ली होगी 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी तब नई दिल्ली नहीं हुआ करता था ठीक है बंग भंग आंदोलन क्या था भैया <laughs> बंगाल विभाजन को ही बंग भंग कहते हैं बंगाल विभाजन को भंग करने के लिए जो आंदोलन किया गया क्रांतिकारियों द्वारा अभी बताऊंगा मैं आपको कौन थे कौशल जी उन्नीस में नई दिल्ली शहर को बसाया गया और क्या बोलोगे फिर उन्नीस सौ इकतीस में नई दिल्ली राजधानी बन गई अब बात कर रहे हैं हम गांधी युग से पहले की बात गांधी युग से पहले की क्या बात है देखना ध्यान से अनुशीलन समिति कौन सी समिति अनुशीलन अनुशीलन का मतलब क्या होता है पालन करना ये देखो वो समितियां जिनकी वजह से बंगाल विभाजन वापिस हुआ अनुशीलन समिति पालन कर रही थी किसका बंकिम चंद्र जी के बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे इनके आदर्शों का बंकिम चंद्र के आदेशों का पालन लोगों को लगता था कि ये जो नेता हैं जो ये राजा हैं ये हमारे देश को आजादी नहीं दिलवा सकते इनकी मांगे सिर्फ याचना भर हैं जो पूरी हो तो ठीक ना हो तो ठीक एक तुक्का है और बोला यह हमारी लड़ाई है हमको बहुत जबरदस्त तरीके से लड़नी होगी देखना ध्यान से तो मिदनापुर बंगाल में ज्ञानेन्द्र नाथ वसु ये शाखाएं हैं इसके अनुशीलन समिति की ढाका में पुलिन बिहारी दास कलकत्ता में प्रेमनाथ मित्रा सरला देवी और मैंने बताया था ना अरविंद घोष सक्रिय हो गए भारत में और जो ढाका में पुलिन बिहारी दास जी ने बनाया ना इसको बोलते हैं ढाका अनुशीलन समिति ये थोड़ा बाद में बनी तो 1905 लिख लेना आप ढाका अनुशीलन समिति कब बनी थी ये 1905 में बनी है भैया 1905 सदस्य इसके बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त अविनाथ भट्टाचार्य सिर्फ आप याद रख लेना युगांतर पत्रिका बांग्ला भाषा में छपती थी उन्नीस बसंत कुमार विश्वास इसी का एक हिस्सा थे खुदीराम बोस इसी के सदस्य रहे हैं अनुस्मिल समिति के जानते हैं ना खुदीराम बोस को या नहीं जानते हो देखेंगे ध्यान से तो 1908 में इसी समिति के जो सदस्य थे मुजफ्फरपुर में जो सेशन बन बनकर के आया था किंग्सफोर्ड उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और खुद फांसी पर झूल गई ये बचे नहीं और क्या बोलेंगे ये तो बच गया था किंग्सफोर्ड फोर्ड था लेकिन अपनी खुद को फांसी पर सबसे कम उम्र में बोलेंगे एक बार खुदीराम बोस जिंदाबाद ये यह गट्स है कोई कहे ना लाला हरदयाल ने एक बात कही कि अपने हक के लिए अपने हक के लिए इस तरह गिड़गिड़ा करके वो मांग माननी जिसके बदले में कोई जवाब ना आता हो उसे कहीं ज्यादा अच्छा है कि हथियार उठा करके महायुद्ध किया जाए वो कहीं ज्यादा बेहतर वही कर रहे थे लोग सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद को पर्सनल लालच नहीं है कोई अपने व्यक्तिगत लालच के लिए नहीं कर रहे हैं बस ये बोले कि देश के लिए जरूरी है हाँ तो बताओ क्या करना है क्या करना है चाकी आत्महत्या कर ली ये इसी कांड में शामिल थे खुद ही बम फेंका अलीपुर षडयंत्र कांड इसमें क्या हुआ आपका कि अनुशीलन समिति के कुल 38 लोगों पर जो लोग इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे जिसमें बारिंदर घोष थे आपका कुल 38 लोगों पर यह मुकदमा चला था ठीक है तो पूछा जाता अलीपुर षडयंत्र मामला क्या है दिल्ली षडयंत्र मामला है वो जॉर्ज पंचम मैरी भारत में आए हार्ड इंडित्य ज्यादा ड्रामे कर रहा था देश में चांदनी चौक में उसके ऊपर बम फेंका गया बसंत कुमार वेश महिला के भेस में पहुंच गए और इतनी तकड़ी सिक्योरिटी में बम फेंका बसंत कुमार विश्वास ने वो भी अनुशीलन समिति का एक हिस्सा थे राजकुमारी बोस क्या बोलोगे रास बिहारी बोस और इनके नौकर थे बसंत कुमार दरअसल में ये पहले बंगाल के क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी उनके साथ थे और फिर इनका संपर्क हुआ रास बिहारी बोस से 1913 में तीसरे दिल्ली दरबार में जब हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया हालांकि ये बच गया और इसमें जो महावत था जो हाथी को चला रहा था उसकी मौत हो गई थी ठीक है अन्य व्यक्ति कौन कौन थे मास्टर रमीचंद अवध बिहारी बाल मुकुंद गुप्त और बसंत कुमार इन लोगों को इसमें फांसी की सजा हुई है बसंत कुमार ठीक है, है इंडिया हाउस आप लोग मत पढ़ना ठीक है वो संगठन ही था वैसे चलो पढ़ लेते हैं इंडिया हाउस की अगर बात करें इंडिया हाउस दरअसल में ये कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ये भारत के ही थे जूनागढ़ रियासत में काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने देखा था कि भारतीय राजा कुछ कर ही नहीं रहे तो ये उसी लंदन में अंग्रेजों की क्या बोलते हैं नाक के तले पहुंच गए वहीं बोले तो यहां से कुछ हो सकता है यहां से कुछ हो सकता है तो वहां जितने स्टूडेंट्स लंदन में पढ़ रहे थे उन सबको ये क्या करने लग गए गाइड करने लग गए गाइड करने लग गए और लाला हरदयाल यही इंडिया हाउस में इंडिया हाउस में ही वी डी सावरकर थे वी डी सावरकर की बुक है अठारह का संग्राम और प्यारे बच्चे ये वी डी सावरकर जी का जन्म और उनका मृत्यु है बोलते वी डी सावरकर जी को मतलब देश की आज़ादी के बाद भी काफ़ी समय तक नज़रबंद रखा गया देश में अभिनव भारत ये इम्पोर्टेंट है ये स्थापना किसने की थी वी डी सावरकर जी ने की थी 1904 में 1911 से 21 ये सेलुलर जेल में रहे सेल्युलर जेल बारिंदर घोष अरविंद घोष के भाई सेलुलर जेल में रहे अनुशीलन समिति के सदस्य होने के लिए सेलुलर जेल जिसको काले पानी की सजा अंडमान में स्थित है कहाँ है अंडमान में कहते कि यहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता था भारतीय कैदियों की बड़ी बेकार हालत होती थी नारियल का तेल हाथों से निकालना पड़ता था मतलब चक्की चलानी पड़ती थी हाथों से तब नारियल का तेल इनसे ही निकलवाते थे खाने के लिए खाना पर्याप्त नहीं था खाना नहीं मिलता था ना के बराबर सिर्फ जीने के लिए खाना मिलता था तो बोलते हैं कि उससे अच्छा था कि कहीं व्यक्ति को क्या हो जाए कहीं और फांसी दे दी जाए उससे कहीं ज्यादा बुरी सजा थी सेल्युलर जेल की इसी समय हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की है कहा नागपुर महाराष्ट्र में 1925 में ये इनसे मिलकर के ही की वी डी सावरकर से विलियम करजल वायली की हत्या उन्नीस में हुई की थी मदन लाल ये भी एक क्रांतिकारी घटना है याद रखेंगे और वी डी सावरकर को जो ये जेल हुई है ये याद रख लेना इनको जेल क्यों हुई क्या बोलेंगे जैक्सन की हत्या के मामले में एक अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन की हत्या के मामले में इनको दोषी बनाया गया आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी की हत्या में भी नाम आया था वी डी सावरकर जी का लेकिन सरकार ने बाद में क्या बोल दिया कि नहीं ये दोषी नहीं थे ठीक है कोई दिक्कत सैंकी मोहित अंजू कुशवाहा सोनी सिंह एजुकेशन बहुत बढ़िया अमित यादव मनीष कुमार सोनी दिखाएंगे क्या सर जी मेरा एक डाउट है रजिया सुल्तान की डेथ तेरह अक्टूबर को बच्चे वो किताब में लिखी हुई है तेरह अक्टूबर पच्चीस दिसंबर कर लें आप सब कर लो क्या बोलोगे गदर पार्टी उन्नीस सौ तेरह देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं मुझे लगभग मज़ा बाजार की प्रचलित दस बीस किताबों के शायद अक्षर पता होंगे कहाँ इसका क्या लिखा हुआ है तुम्हारी कसम तो उसका कोई अर्थ नहीं मैं इसीलिए हमेशा सही तारीखें बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ इन इन किताबों में गूगल के पेज पर पे क्या लिखा हुआ है विकीपीडिया के पेज पर पे क्या लिखा हुआ है इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप उसको बदल लें गदर पार्टी लाला हरदयाल रखेंगे प्रशांत महासागर अमेरिका में बना एक संगठन था भारत की आजादी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हेडक्वार्टर क्या था इनका युगांतर आश्रम और इन्होंने एक मैगजीन छापी जो उर्दू भाषा में छपती थी उर्दू भाषा इन्होंने उन सभी को इकट्ठा किया जो लोग विदेश चले गए थे पंजाब से कनाडा में रह रहे थे अमेरिका में रह रहे थे पहले सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में किसान थे उन सबको इकट्ठा किया बोले हम लड़ाई लड़ेंगे भारतीयों की और लड़ाई लड़ेंगे तो जागरूक करेंगे हम लोगों को लाला हरदयाल इसके महामंत्री बने सोहन सिंह भागना अध्यक्ष थे गदर पार्टी के और केसर सिंह थतगढ़ इनका नाम जरूर याद रखेंगे केसर सिंह थतगढ़ केसर सिंह थटगढ़ कौन थे ये उपाध्यक्ष थे कौन थे ये उपाध्यक्ष थे नेक्स्ट होम रूल आंदोलन ऑस्ट्रेलिया कोने पर देखें ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका न्यूफ़ाउंडलैंड इन देशों पर भी ब्रिटेन का अधिकार था लेकिन दोहरी नीति से ब्रिटिश सरकार चल रही थी इनको तो दे रखा था डोमिन स्टेटस यानी अपने आंतरिक कानून ये लोग बना सकते थे लेकिन हमारे यहां किसी प्रकार की छूट नहीं थी तो लड़ाई यही थी फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान यह मांग उठाई होम रूल मैंने बताया ना भारतीयों को वे अधिकार मिले जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लोगों को है अप्रैल 1916 में गालगनाधर तिलक जी ने पुणे में आंदोलन चलाया सितंबर में एनी बेसेंट जी ने मद्रास में क्या बोलेंगे मद्रास में चलाया <laughs> अच्छा बाल गंगाधर तिलक जी के जो पत्र हैं वो कौन कौन से थे मराठा और केसरी केसरी देखो मराठा मराठी भाषा में नहीं है केसरी मराठी में ऐसे याद रखें मराठा मराठी में नहीं है ठीक है केसरी किस में था मराठी में मराठा किस में था अंग्रेजी में और इन्होंने तिलक जी ने पत्र लिख दिया देश का दुर्भाग्य एट्टीन में और बाद में इन्होंने खुदीराम बोस जी ने जो किया उसकी तारीफ कर दी तो ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ हो गई और इनको छः साल की जेल कर दी यह मांडले जेल में मांडले जेल कहां है बर्मा म्यांमार में और इसको क्या कर दिया गीता रहस्य सर जी मोटिवेशन वीडियो लाइए पैट का बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम पिछले पिछले लगभग साढ़े नौ घंटे से पढ़ाई कर रहे हो और अगर तुम पहली बात तो तुम नहीं कर रहे होगे तो तुम ऐसी बात नहीं करते उन बच्चे से पूछो जो पिछले साढ़े नौ घंटे से पढ़ रहे हैं लगातार एक जगह बैठ के इनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की नहीं मोटिवेशन मैंने बोला एक फ्री यूट्यूब जियो द्वारा पैदा किया गया भारत की इस युवा पीढ़ी को बिगाड़ने का एक शब्द तुमको कमजोर अगर कोई शब्द करेगा तो ये मोटिवेशन शब्द करेगा बात तुम याद रखना मेरी कि फ्री में पैदा किया भारतीय मानसिकता पर थोपा गया एक शब्द तुम प्लीज मेरी इस यूथ से गुजारे से तुम इससे दूर हो जाओ जितना दूर हो सकते हो क्या जब जियो नहीं था जब ये फ्री फ्री नेट इंटरनेट नहीं था तब क्या मोटिवेशन की कोई बात करता था कोई देखता था मोटिवेशन वीडियो और क्या ही होता है नथिंग वो एक ट्यूबलाइट है थोड़ी देर की उसका कोई अर्थ नहीं है प्यारे बच्चों वो आपको तभी अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए सोते टाइम आप उसको भूल जाते हैं होम <laughs> रूल समझ गए किस किस ने होम रूल चलाया कामनी बालनी कॉमन व्हील कॉमन व्हील क्या है इनका कॉमन व्हील क्या था आपका एनी बेसेंट जी का पत्र है और न्यू इंडिया इनकी एक पत्रिका है ये तिलक जी के मराठा और केसरी ठीक है 1916 में गरम दल और तुम्हें कोई मोटिवेट करने की बात किया करे तो मना करो उनसे तुम बोलो हमें जरूरत क्यों करना क्यों चाहते हो रहा होता क्या है सर मोदी जी गुजरात में इंडिया हाउस बना रहे नहीं बन चुका है बना नहीं रहे बन चुका है उसी की हु कृति है श्याम जी कृष्ण वर्मा की ठीक है उनकी अस्थिया भी लाई गई थी बाहर से पहले मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग भी एकजुट हो गई मुस्लिम लीग एकजुट हो गई 1916 में किसके प्रयासों से एकजुट हुई थी ये प्रयास किए थे होम रूल लीग ने आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के एकीकरण के पीछे कौन सी संस्था थी वो होम रूल लीग थी ठीक है 1912-13 में बालकन जो युद्ध हुआ तुर्की के साथ देने से इनकार कर दिया किसने अंग्रेजों ने ठीक है इस बात का कोई अर्थ नहीं है तो इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि फिर ये मुस्लिम लीग नाराज हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी से तो ये भारतीयों की तरफ आज से देखने लग गए अब इनको लग गया अंग्रेज हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि तुर्की का ही साथ नहीं दे रहे और तुर्की इनका पापा जी था क्योंकि वहाँ खलीफा बैठा हुआ था एक। इसी के लिए देश में खिलाफत आंदोलन चलेगा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तथा कथित लोग जो समाज में ये बोल रहे थे मुस्लिम समाज के नेता हैं उन्होंने समाज को ऐसे गड्ढे में गिर दिया कि समाज उभर ही नहीं पाया नरमपंथी नेता एक और कारण था कि ये नरमपंथी नेता जो फिरोज साहब मेहता थे बहुत खिलाफ थे गर्म दल के लोगों के इनकी मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई तो को, कोई अड़चन बची नहीं 1917 में दोनों होम रूल एक हो गए 1920 में गांधी जी पूरे होम रूल के एक अध्यक्ष बने बाद में होम रूल कांग्रेस में मिल गया कांग्रेस का मिल गया हो आपका का कांग्रेस में मिल गया होमरूल बाल गंगाधर तिलक जी इनका उपनाम क्या है भारतीय क्रांति के जनक या आधुनिक भारत का निर्माता इनको किसने कहा है गांधी जी ने कहा है और भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा है नेहरू ने और तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है तिलक जी को वैलेंटाइन चिरोल ने किसने कहा है वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है सिरोल भी जिसको हम कहते हैं चलो इनके बारे में इतना ही काफी है लाला लाजपत राय जी इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया साइमन कमीशन जानते हैं आप लोगों ने एक अधिनियम पढ़ा होगा 1919 सौ उन्नीस मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड अधिनियम इस अधिनियम की जांच करने के लिए भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है एक कमीशन गठित किया गया 1927 में जो आया भारत 3 फरवरी 1928 को अच्छा मुंबई में आया 30 अक्टूबर को ये लाहौर पहुंचा साइमन कमीशन क्या आया था 1919 अधिनियम की जांच करने लेकिन इसमें कोई भारतीय नहीं था सारे अंग्रेज थे व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा गया व्हाइट मैन कमीशन इसमें कितने सदस्य थे सात सदस्य थे लालाजपत राय जी सबसे आगे थे और लाला राजपत राय जी का कहना था नेता वो है जो खुद आगे बढ़कर के साक्षात रूप से मौजूद हो वो नेता है ऐसा नहीं सिर्फ आदेश दे दिया ये करो वो करो खुद मौजूद आपको रहना होगा आगे चलिए साइमन कमीशन के विरोध में ध्यान से देखेंगे साइमन कमीशन के विरोध में लालाजी की मौत हो गई एसपी स्कॉट ने आदेश दिया लाठी बांझी गई और इन्होंने क्या कहा आपका लाला राजपत राय जी ने मेरे सिर पर मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर के उभरेगा लेकिन सरदार भगत सिंह भी वहीं खड़े हुए थे नेहरू जी भी उसी भीड़ में थे और लाठियां इतनी गंभीर चोट पहुंचती है कि क्या हुआ अंत में 17 नवंबर को उनकी मौत हो गई और इसी का बदला लेने की शपथ खाई एच के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह ने कि हम एक महीने में इसका बदला लेंगे और बदला लिया गया 17 दिसंबर को और किसकी हत्या की गई हत्या की गई किसकी सांडर्स की कोर्ट नहीं मिला क्या बोलेंगे मृत्यु सत्रह नवंबर हत्या का बदला सत्रह दिसंबर भगत सिंह रुजगुरु व सुखदेव ने लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है द हैप्पी इंडिया जिसको दुखी भारत हम कहते हैं दुखी भारत और तरुण भारत इन्हीं का पत्र है यंग इंडिया इन्हीं की मैगजीन है जिसमें इन्होंने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से कांग्रेस का दिया था चलो भाई कोई दिक्कत 1917 लिखा हुआ है कि यानी होम रूल दोनों एक 1918 हुए हैं शायद मैंने सत्रह अभी भी बोला था इसी पीडीएफ में सत्रह है होम रूल होम रूल आंदोलन 1918 में एक हुआ है भैया क्या बोलोगे 1918 में एक हुआ है 1918 लिखना है ना चलो विपिन चंद्रपाल जी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 1923 के विदेश के विशेष अधिवेशन में गांधी जी की नीतियों पर चिन्ह लगे क्यों क्योंकि गांधी जी ने क्या कर दिया था चोरी चोरा कांड में बिना आम सहमति के वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को तो लोगों ने बोला भाई हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे और मोतीलाल नेहरू और साथ में कौन थे आपका सुभाष चंद्र बोस जी का राजनीतिक गुरु चितरंजन दास इन दोनों ने एक अलग पार्टी बनाने की बात कर दी स्वराज पार्टी यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी का है निशा उपाध्याय जी कह रहे हैं प्यारे बच्चे मैंने अभी लगभग चार घंटे पहले यही बात बोली थी आपसे कि ये कभी ना समझे आप वो सिर्फ यंग इंडिया दोनों लोगों का रहा है गांधी जी का यंग इंडिया वो रहा है जिसमें गांधी जी ने इरविन से ग्यारह मांगे की और लाला लाजपत राय जी का यंग इंडिया वो है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सेफ्टी वॉल्व यानी कांग्रेस की स्थापना के बारे में लिखा उन्नीस सौ का गया अधिवेशन है अध्यक्ष इसके चित्रंजन दास थे उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इन दोनों ने पार्टी बना ली छात्र वर्ग खिलाफ हो गया कांग्रेस के बोले कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी छात्र वर्ग ने अपना एक संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ बोलते हैं कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने इसकी स्थापना कर दी और गर्म दल के जितने भी छात्र थे आपके उस समय के चाहे वो नरेंद्र मोहन हो प्रतुल गांगुली हो या फिर आपका गांगुली क्या बोलेंगे या फिर राम प्रसाद बिस्मिल थे क्या बोलोगे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे यानी गर्म दल के सभी व्यक्ति बाद में भगत सिंह इसी से जुड़ गए अपनी नौजवान सभा को लेकर के उन्नीस में अगर बात करें वही उनकी नौजवान सभा जो 1926 में बनी थी एक विशाल रूप इन्होंने दिया एच आर हर, एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को चंद्रशेखर आजाद इसी से जुड़े हुए थे और अगर मैं बात करूं उस समय के जितने भी नौजवान क्रांतिकारी थे उनको जो दिशा निर्देश देने का काम था वो सारा काम चंद्रशेखर आजाद करते थे ठीक है तो एचआरए की स्थापना कब हुई है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है 1924 कानपुर में हुई है संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल एक नाम आता है ठीक है सदस्य कौन थे इसके अन्य सदस्य चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल अशाक उल्ला खान एचआरए की मैगजीन थी रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा था छदेश महात्मा किस मैगजीन में गांधी जी को छदमवेशी महात्मा कहा गया इसमें कहा गया वो रिवॉल्यूशनरी में कहा गया एचआरए के सदस्यों ने काकोरी एक्शन को अंजाम दिया काकोरी एक्शन में जो कब हुआ था 9 अगस्त 1925 को छियालीस सौ एक की ये कार्यवाही थी छालीस एक रुपए क्या कह रहे हैं भैया दरअसल में इन्होंने बोला एक ट्रेन है जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जाती है आपकी लखनऊ से सहारनपुर नहीं क्या बोलोगे सहारनपुर से लखनऊ सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जाती थी जिसका नाम था एट डाउन ट्रेन और इसको क्या बोलते हैं इसका जो सामान था वो भारतीय लोगों ने लूट लिया किसके लिए क्रांति की लड़ाई के लिए तो वो जो वहां से चांदी वांदी के सिक्के के प्राप्त हुए चार हजार छह सौ एक रुपए के थे ये बात मैं आपको बता रहा हूं चार लोगों को फांसी हुई ठाकुर रोशन सिंह राजेंद्र लाहिडी अशफाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल सत्रह अन्य को इसमें सजा हुई है बहुत पूछा था किसको फांसी हुई है चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे 1928 में एच का नाम बदल करके एच एस आर कोटला मैदान में कर दिया गया क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ठीक है बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे पीडीएफ के लिए मैं दो बार बता चुका हूं वीडियो में अब नहीं बताऊंगा प्लीज रिक्वेस्ट है पूछो भी मत ठीक है क्या बोलेंगे नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट आई है आपका 1928 में अगस्त में भारत सचिव बिरकन हैड 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई हिंदुस्तानी जनता के लिए लेकिन इसमें जिन्ना ने कहा यह तो सिर्फ हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं तो जिन्ना ने जिन्ना ने नेहरू जी की मांगों को दबाने के लिए अपनी चौदह मांगे दिसंबर उन्नीस में पेश कर दी ठीक है बहुत बढ़िया सीता सिंह वेरी गुड अब आते हैं हम गांधी युग पर और गांधी युग के साथ साथ खत्म होते होते हमारी क्लास भी लगभग खत्म हो लेगी प्यारे बच्चे आधे घंटे आधे घंटे तो नहीं एक घंटे चल जाएगी भी राजपूत काल भी है थोड़ा एक घंटे चल जाएगी है ना तो एक घंटे और समर्थन दे कमजोर तो नहीं फील कर रहे हो भाई ऐसा तो नहीं है कोई जो कमजोर फील कर रहा हो बहुत बढ़िया शानदार गजब गजब जिंदाबाद गांधी युग चलो थोड़ा पहले ही कर लेंगे ये कॉमन चीज है कि गांधी जी के बारे में आप जन्म जानते होंगे पिता माता पुतली बाई पत्नी कस्तूरबा गांधी चार बेटे हरिलाल पांचवा पुत्र ये जमनालाल बजाज थे ये कैसे पांचवा पुत्र है जमुना बजाज देश में एक उद्यमी और राष्ट्रीय आंदोलन में रहे हैं जुड़े हुए ये दरअसल में उन्होंने गांधी जी गोद ले लिया था गांधी जी से जिम्मे हो गए थे कि आप मेरे पिताजी हैं जबरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं फिर गांधी जी भी मान गए थे जमनाला बजाज अभी मैं कह रहा था ना आपने नाम लिया था जमनाला बजाज जी का मैंने कहा था उन्नीस में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने वाले थे तब तो नाम सुझाया गया था जमनाला बजाज जी का अठारह में गांधी जी की शादी हुई अठारह लंदन पढ़ने गए बैरिस्टर बनने में लंदन वापस आ गए पैसे की तंगी की वजह से अठारह में, में दक्षिण अफ्रीका शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीट्स मारिसबर्ग स्टेशन पर धक्का दे दिया गया फर्स्ट क्लास की टिकट थी अंग्रेजों ने कहा कि तुम इसमें नहीं बैठ सकते गोरे लोग थे, क्योंकि क्या बोलेंगे भैया वहां पर गोरे लोग थे अफ्रीका में हां अंग्रेजी शासन था अठारह में, में गांधी जी ने वहीं पर एक नटाल कांग्रेस की स्थापना की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नस्ल भेद को खत्म करने के लिए 1904 में गांधी जी ने यहाँ पर क्या बनाया फ्रिक्स आश्रम बनाया और गांधी जी द्वारा अफ्रीका से चलाया गया पत्र कौन सा था इंडियन ओपिनियन 9 जनवरी 1915 को ये सब लड़ाई लड़कर के जुलू युद्ध हुआ 1906 में ये सब जीत करके गांधी जी कहाँ आते हैं वापस आते हैं बड़ा सम्मानजनक दृष्टि से गांधी जी को देखा जाता था कि भाई एक लंबी लड़ाई विदेशी भूमि पर लड़के आए हैं और ऐसा व्यक्ति आया जिनको जरूरत है हमारे देश में और हमारे देश के लिए आए हैं अभियान लड़ाई लड़ेंगे तो प्रथम विशुद्ध में गांधी जी चल रहे थे प्रथम विशुद्ध जब चल रहा था गांधी जी आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है प्यारे बच्चे 1914 से 18 गांधी जी ने लोगों से कहा कि ब्रिटिश सरकार का साथ दीजिए ब्रिटेन की तरफ लड़े और तब ये हमारे लिए कुछ सोचेंगे मनाएंगे इनको तो क्या बोलते हैं सभी लोगों द्वारा गांधी जी को कहा क्या कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया अंग्रेजी जनता ब्रिटिश सरकार बड़ी खुश थी गांधी जी से उन्होंने गांधी जी को केसरे हिंद उपाधि दी ये सर हिंद उपाधि दे दी और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी आए 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु चुना और बोले अब मुझे क्या करना होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा अब तुम एक वर्ष भारत की स्थिति का अध्ययन करो स्थिति का अध्ययन करो तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा ये राजनीतिक गुरु हुए आध्यात्मिक गुरु जो गांधी जी के साथ इन्हीं की गलियों में पले बड़े हुए इनसे दो वर्ष बड़े थे रायचंद्र जी

1915 में गांधी जी ने अपने लिए जगह देखी कोचरब गुजरात में लेकिन इसी को फिर 1917 में इन्होंने साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया और साबरमती आश्रम के लिए जो पैसा दिया वो उद्योगपति अंबालाल सारा भाई थे इन्होंने दिया था ठीक है पूछा गया प्रश्न है साबरमती आश्रम के लिए पैसा किन्होंने दिया था ये बुक गांधी जी की नहीं है भैया अन टू द लास्ट ये रस्किन की पुस्तक है ब्रिटेन के एक बड़े दार्शनिक रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों का आंसर देखो कितना कंफ्यूजन है बच्चों को बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तुम गलत उत्तर वाले जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता वो क्यों लिखते हो उत्तर वो लिखो ना जिनको कॉन्फिडेंस है पूरा कि हाँ भूग हड़ताल भैया इसमें थी <laughs> चलो भाई उन्नीस सौ सोलह लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी आए थे यहां पर इन्हें दो व्यक्ति मिले राजकुमार शक्ल और संत राउत संतरा कहते राजकुमार शुक्ल जी ने तो गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ा बोले बिहार चलो वहाँ समस्या है बिहार चलो गांधी जी ने कई बार इनको टालने का प्रयास किया लेकिन गांधी जी ने खुद कहा है एक किसान बिहार के किसान ने मेरा दिल जीत लिया और गांधी जी ने वचन दिया कि हम आएंगे ठीक है 1917 का चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ बिहार में कुछ व्यक्ति जिन्होंने इस आंदोलन में बिहार भाग लिया राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी कृषोद प्रसाद नारायण अनुभव सिन्हा कई बार इनका नाम अनुभव लिख के आ जाता है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे और राम नथी प्रसाद तीन कठिया प्रणाली समाप्त की गई तीन कठिया मतलब भूमि के लगभग पंद्रह प्रतिशत पर यानी बीस बीघे जमीन है तो तीन बीघे पर क्या आपको नील की खेती करनी होगी नील की खेती कैसी होती थी भैया तो आपने सफ़ेद कपड़े आप ड्रेस गए हो उजाला लगाया शर्ट में नीली हो जाती है शर्ट जब स्कूल में होगा जब लगाया होगा तो वो जो नील की खेती है उसकी बड़ी डिमांड थी बड़ी मांग थी यूरोपीय बाजार में अरे यस बस तो बोल लिया करो यार थोड़ा बहुत जी आप थक गए होंगे नहीं मेरे दोस्त ये आपने आप गलत सोच रहे हैं थकने का नहीं थकने की बात नहीं है अरे कभी तो कुछ खाया पिया नहीं है अगर जैसे तुम बैठे बैठे हो ना ऐसे में दो चार कुछ खा लेता तुम्हारी तरह और फिर कुछ और बात होती लेकिन ये अपने आप से एक वादा है वह मैराथन नहीं खाएंगे <laughs> मैंने बताया था ना तुम्हें एक बार मैंने मैराथन में खा लिया और जब मैंने खा लिया तो मैं कुछ बोल रहा था उसमें अब किसी बच्चे ने वो चैनल पर शॉर्ट्स डाल दिया छोटा सा शॉर्ट्स ऐसे डाल दिया मतलब मैं कुछ कह रहा था सायरी वायरी थी शायद कोई उसने बच्चे ने वो डाल दिया तो वो शायरी मुझे दिखी उस पर व्यू ठीक थे अब मैं उसमें मुँह चला रहा था खाते हुए इतना गंदा लगा देखे मैंने कहा यार <laughs> खाते खाते क्या तुम बोल रहे हो फिर मैंने जो है भैया ये सोचा कि मैं खाऊंगा नहीं मेरा थन में बोले तीन कठिया प्रणाली समाप्त कराई नील की खेती पर रोक लगी क्या लगी नील की खेती पर रोक लगी ठीक है बिहार में पहला स्कूल बरहवा गांव में खोला गया दूसरा स्कूल पूछा जाता है चंपारण के दौरान स्कूल कहां खुला गया दूसरा मधुबनी में खुला गया ठीक है? कलकत्ता से बिहार गांधी जी दस अप्रैल को पहुंचे उन्नीस अप्रैल उन्नीस तो को चंपारण आंदोलन शुरू किया गया क्या शुरू किया गया चंपारण आंदोलन शुरू किया गया 15 मार्च अहमदाबाद बिन मजदूरों के लिए एक हड़ताल हुई दरअसल में प्लेग बीमारी फैल गई थी प्लेग बोनस देने का ऐलान अंग्रेजों ने किया जो मजदूर थे वो मांग करते थे पचास प्रतिशत की बोनस की लेकिन कंपनी दे रही थी बीस प्रतिशत आंदोलन हुआ गांधी जी को बुलाया गया किसने बुलाया अनुसुईया बेन ने कहा था और बाद में गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए और यहाँ गांधी जी ने पहली बार क्या किया था यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया 21 दिन यह भूख हड़ताल चली क्या बोलेंगे जो मिल मालिक थे वो 20% परसेंट की कहते थे मांग थी मजदूरों की 50% परसेंट की 35% परसेंट पर बात बन गई ठीक है यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया यानी कि मिल मजदूर जो हैं वो अपने जो ये वर्कर्स हैं जो मजदूर हैं इनके लिए ख्याल रखें और इनके लिए कानून बनाए यही था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत खेड़ा आंदोलन कब हुआ गुजरात में यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था यहीं पर गांधी जी वल्लभ भाई पटेल मिले थे वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी और किसानों का लगान क्या हो गया माफ कर दिया गया 1919 सौ उन्नीस रॉयट एक्ट आया रॉयलट एक्ट आप लोग जानते हैं काला कानून था इसमें मतलब ये देख रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बढ़ रहा है तो बिना किसी बात के लोगों को गदरे जा रहा था गिरफ्तार किया जा रहा था अब जब गिरफ्तार किए जा रहा था तो तेरह अप्रैल उन्नीस को यहाँ पर दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई इनकी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू तो भीड़ इकट्ठी हुई प्यारे बच्चे भीड़ इकट्ठी हुई तो भीड़ पर डायर ने गोलियां चलवा दी डायर ने गोलियां चलवा दी कौन से डायर ने एक था जनरल डायर इसी ग्राउंड पर था जनरल डायर जिसने गोली चलवाई और ये जनरल डायर की मौत हुई 1924 में और एक था ओ डायर माइकल ओ डायर यह था ब्रिगेडियर गवर्नर तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे इसकी मौत ही 1940 में जिसको उधम सिंह जी ने गोली मारी इसने गोली मारी उधम सिंह जी ने लंदन जाकर गोली मारी तो क्या बोलते हैं इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में तेरह अप्रैल को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ बैसाखी का दिन था कौन सा दिन था बैसाखी का दिन था और एक कमीशन नियुक्त किया गया कौन सा आपका हंटर कमीशन जलियावाला बाग की जांच के लिए जिसमें आठ सदस्य रहे और उन आठ सदस्यों में से तीन कितने थे तीन इंडियन थे तीन भारतीय थे ठीक है तीन भारतीय और इसी से फिर नाराज होकर के गांधी जी ने क्या किया केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि भारत वापस कर दी जमुना बजाज ने क्या बोले हाँ लिखा हुआ है जमुना बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी जो अंग्रेजों ने दी थी अंग्रेजों ने दी थी ठीक है योग आंदोलन की बात करते हैं असहयोग आंदोलन जो था हमारा यह पहला जन आंदोलन था जिसमें जनता जुड़ गई गांधी जी के साथ में और कब से शुरू हुआ एक अगस्त उन्नीस से लेकिन प्रस्ताव पूछे तो आप कहेंगे चार सितंबर उन्नीस कलकत्ता अधिवेशन बात हुई कि जो अंग्रेजों की जो भी वस्तुएं इन सब का बहिष्कार हम करेंगे बहुत बढ़िया भाई सत्यव्रत निशांत त्यागी आर्मी अपना बच्चा है <laughs> बहुत बढ़िया भाई ठीक है अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ स्कूल कॉलेज कोर्ट मजदूर हड़ताल चोरी चोरा कांड क्या बोलोगे चोरी चोरा कांड गोरखपुर चोरी चोरा कांड कब हुआ गोरखपुर में इसकी वजह से 4 फरवरी 1922 यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम भी है और गांधी जी ने क्या ले लिया असहयोग को वापस ले लिया क्योंकि यहाँ चोरी चोरा कांड में क्या हुआ लोग अपने मांग कर रहे थे और यही गांधी जी का भी था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार होगा यही मांग चल रही भी थी भीड़ पर गोथानेश्वर जो थाने का वहां का था गुप्तेश्वर सिंह उसने गोली चला दी भीड़ पर भड़की हुई भीड़ ने तेईस लोगों को चौकी में बंद करके आग लगा दी क्या बोलेंगे आग लगा दी तो गांधी जी रुष्ट हो गए और गांधी जी के इसी समय पर आपका क्या बोलेंगे खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो पूछा जाता कौन से दो आंदोलन एक साथ चल रहे थे असहयोग आंदोलन और खिलाफत गांधी जी ने बोला साथ शुरू कर लेते हैं लखनऊ से शुरू हुआ मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको चलाया था नवंबर 1920 में गांधी जी भी जुड़ गए जिसका विरोध जिन्ना ने किया पिछली बार पीई टी में पूछा गया प्रश्न था गांधी जी के आपका खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किस व्यक्ति ने किया था अब यहां इंपोर्टेंट बात देखने की क्या है प्यारे बच्चे देखने की बात यह है यहां पर कि भैया ये जो खिलाफत आंदोलन था यह किसके लिए हो रहा था तुर्की में मैंने बोला ना बालकन युद्ध में तुर्की का साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने और तुर्की का जो खलीफा पद है वो संकट में था इधर भारतीय मुसलमान विरोध में आ गए कि भाई हमारे खलीफा पद को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं लेकिन 1924 में तुर्की में तानासाह आया आपका अतातुर्क जिसको कहते हैं अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पासा और इसने आकर के क्या कर दिया इसने आकर के खलीफा पद को ही क्या कर दिया ख़त्म कर दिया कैंसिल ये कैंसिल तो आंदोलन कैंसिल ठीक है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है दो बार ये शुरू हुआ है पहली बार 12 मार्च 1930 से लेकर के आपका कब तक चला था 6 अप्रैल 1930 सॉरी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल जोड़ना यही दिन बैठेंगे ना टोटल कितने बनेंगे आप लोग बताएं 6 अप्रैल यानी कि ये टोटल 24 दिन चला था 24 दिन चला था यानी कि तेरह सत्रह और ठीक है द्वितीय उन्तीस दिसंबर उन्नीस से चालू हुआ ये क्यों जी क्योंकि पहली बार में गांधी जी को इरविन ने बोला कि आप की मांग मानी जाएंगी आप में सम्मेलन में जाएं वहां जाकर के अपनी बात रखें सब कुछ ठीक होगा सब कुछ ठीक होगा ठीक है तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहली बार चला आपका क्या बोलेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 साबरमती से शुरू हुआ इस बार लेखपाल मेन्स में क्वेश्चन पूछा गया है जो क्या पूछा गया था आपसे दांडी मार्च

और हमारे जो भी हक हैं वो हमको मिलने चाहिए इस तरह की तमाम मांगे गांधी जी ने की ठीक है उधर से बदले में मांग तो इरविन ने भी की इरविन ने बोला कि ठीक है आपकी मांग हम मान लेंगे आपको गोल में सम्मेलन जाना होगा ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार आप कर रहे हैं बहिष्कार आपको रोकना होगा और ये जो आपका सविनयज्ञा प्रस्ताव है इसको वापस लीजिए क्या बोलेंगे तो भैया क्या हो गया गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए एक दो और तीन 1930 सौ तीस होते थे ये ब्रिटेन में होते थे और इनके अध्यक्ष कौन था बता पाएंगे क्या आप गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था गांधी जी या पूछू मैं आपसे कांग्रेस ये दूसरे में गए हैं गांधी जी राजपुताना जहाज से गए गांधी जी के साथ एनी बेसेंट एंड मदन पंडित मदन मोहन मालवीय सरोजिनी नायडू ये लोग भी गए मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व रखने के लिए पहले में गए थे कौन मोहम्मद अली जिन्ना लेकिन कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई है कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई तीनों में कौन गए मुकुंद राज गए तेज प्रताप सपरू गए भीमराव अंबेडकर जी गए दलितों का पक्ष रखने के लिए और वो मुल्तान जहाज से गए थे क्या बोलेंगे मुल्तान जहाज से अंबेडकर जी गांधी जी की पुस्तकें हैं हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गुजराती भाषा में लिखी भैया ये तो हर जगह इंग्लिश में मिलती है तो इंग्लिश में इसको गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई उन्होंने लिखा था कौन महादेव देसाई हैं सचिव हैं कौन है गांधी जी के सचिव थे ठीक है नेक्स्ट सोलह अगस्त उन्नीस को आज मैं आपको कुछ किताबें किताबें पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पर आप वहां देखना है ना सोलह अगस्त उन्नीस को सांप्रदायिक पंचांत आया इसी को हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं किस बात से कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं और कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांत सोलह अगस्त उन्नीस क्या हो गया कि ये चाल थी मैंने बोला ना अभी गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था आपका तो ब्रिटिश पीएम था अध्यक्ष गोलमेज का ब्रिटिश पीएम था ब्रिटिश पीएम रैम जे मैकडोनल्ड ऐसे प्रश्न बीच में से उठा लेता है आप कहेंगे ऐसा तो सिलेबस में ही नहीं है <laughs> लेकिन वो जुड़ी हुई घटनाएं है रहती हैं दरअसल में हमको थोड़ा अजीब लगता है हम पढ़ते नहीं है तो ब्रिटिश पीएम एस ने पूछा है एक बार जी ने ऐसे ही में ब्रिटेन का पीएम कौन था ठीक है तो रेमजे मैकडोनल्ड ठीक है जी तो इसने क्या किया इसने दो मत के लिए और इकहत्तर सीटें तो रिजर्व कर दी और साथ में दो बोट का अधिकार दे दिया दलित कम्युनिटी को क्या बोले कि एक तो वोट डालेंगे जर्नल के लिए जर्नल कैंडिडेट्स होंगे और एक बोट अपने के लिए दो बोट का अधिकार दे दिया इसके लिए गांधी जी खिलाफ हो गए गांधी जी यरवदा जेल में थे उन्होंने अनशन कर दिया और भीमराव अम्बेडकर जी को फिर बाद में वापस लेना पड़ा तो 24 सितंबर को इसी को लेकर के पूना पैक्ट हुआ यरवदा जेल में हिंदुओं की तरफ से जो हस्ताक्षर किए इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किए ठीक है अब क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या हुआ था इसमें बस वो तो दो वोट का अधिकार खत्म करके गांधी जी ने बोला ठीक है रिजर्वेशन बढ़ा लेते हैं और इकहत्तर सीट की जगह एक 48 सीट क्या कर दी गई आरक्षित यानी कि रिजर्व कर दी गई उनको रिजर्व कर दिया गया का अधिकार कर दिया गया एक ठीक है तो यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चे आपको एक बात देखने की जरूरत है तो गांधी जी का विरोध हुआ देश का जो दलित वर्ग था गांधी जी का विरोध करने लगा तो गांधी जी ने गांधी जी के पास भी सूचना पहुंची तो उन्होंने फिर क्या किया एक हरिजन पत्रिका शुरू की और दलितों के फेवर में काम थोड़ा उन्होंने किया इस समय सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा में बना जमुना बजाज ने इसके लिए पैसा दिया था जमुना बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र तो गांधी जी तो यहाँ बाद में गए थे लेकिन यहाँ रहते थे संत टुकड़ो जी महाराज परमानेंट से कौन वो व्यक्ति है गांधी जी का करीबी जो कहाँ रहते थे आपके सेवाग्राम आश्रम में संत टुकड़ो जी महाराज ठीक है और कौन थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ये यहीं रहती थी ठीक है व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्यारे बच्चे आपका कब चालू हुआ ये सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ चालीस को का था और लिन ने एक घोषणा कर दी कि जो भारतीय हैं वो हमारे साथ हैं इस विश्व युद्ध में लेकिन भारतीय साथ नहीं थे लिनलिथको की जो घोषणा थी वो झूठी थी तो गांधी जी ने कहा हर व्यक्ति इसमें अपना सत्याग्रही रहेगा हम जाकर के जिला कलेक्ट्रेट पर एक भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे देखते हैं कब तक कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं हर व्यक्ति एक काम करें तो ये कहाँ से शुरू हुआ पवनार महाराष्ट्र आश्रम से शुरू हुआ पहले सत्याग्रही इसमें कौन थे विनोवा भावे ये भी रहते थे विनोवा भावे विवर्धा आश्रम में ठीक है दूसरे सत्याग्रही कौन थे जवाहरलाल नेहरू तीसरे सत्याग्रही कौन थे ब्रह्मदत्त थे क्या बोलेंगे तीसरे सत्याग्रही कौन थे वो ब्रह्मदत्त थे ठीक है 8 अगस्त उन्नीस भारत छोड़ो आंदोलन इंस्टाग्राम वीडियो बाद में दे आपको वहां देख लेना आठ अगस्त उन्नीस भारत छोड़ो आंदोलन से देखेंगे ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा हुई इसकी आठ अगस्त उन्नीस इसके लिए पेपर में आठ अगस्त आता लेकिन कई जगह बात थी गांधी जी चाहते थे काकोरी जो एक्शन था उसकी वर्षगांठ थी युवाओं में बड़ा जोश होता था बड़े उत्सव से मनता था काकोरी दिवस नौ अगस्त को तो गांधी जी चाहते थे नौ अगस्त को युवाओं के इस जोश का फायदा लिया जाए जो बहुत शानदार होगा ठीक है तो ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है मुंबई में घोषणा हुई इसकी हमारे जो भारत छोड़ो नारा दिया गांधी जी ने करो या मरो मरो नहीं मारो नारा किसने दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने और प्यारे बच्चे लेकिन आप लोग याद रख लेना जो ये भारत छोड़ो नारा है किसने गढ़ा था भारत छोड़ो ये यूसुफ मेहर अली का है किसने किसने कढ़ा यूसुफ मेहर अली अंग्रेजों भारत छोड़ो ये किसका है गांधी जी का है ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया कहा रखा गया आगा खां पैलेस में रखा गया 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथुराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई बिड़ला भवन में कहा बिड़ला भवन में बोलवे इनकी हत्या कर दी भाष चंद्र बोस जी यह भी एक आपका हिस्सा है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ तेईस जनवरी अठारह सौ सत्तावे कटक उड़ीसा पराक्रम दिवस और कहते हैं भारत की आजादी में अगर ब्रिटेन को कमजोर करने वाला कोई शख्स था तो उसके पीछे पॉलिसीज थी किसकी आपका सुभाष चंद्र बोस जी की भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है इनके पिता कौन थे जानकीनाथ माता प्रभावती 1920 में आईसीएस परीक्षा पास की इनके पिता की जैसी इच्छा थी और चौथी रैंक भी लेकर के आए लेकिन क्या बोलते हैं अगले ही वर्ष छोड़ करके आ गए आप समझ सकते हैं आज छोड़ना भी कठिन है लेकिन उस समय कितनी चुनिंदा लोगों के बीच में बड़ा प्रभाव होता था नौकरी का ठीक है 1921 में नौकरी छोड़ दी 1928 में डोमिन स्टेटस की मांग की 1938 सौ अड़तीस मैंने अभी बताया था आपको किस तरह चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात हम कर चुके कांग्रेस का त्रिपुरी संकट यानी कि क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया राजेंद्र प्रसाद जब इनकी जगह आ गए थे उन्नीस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि कि ये चाहते थे कांग्रेस से अलग होकर के एक संगठन बनाऊं लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस पर ऐसी पैनी निगाह रखी जासूस इनके पीछे लगा दिए गए इनकी हत्या के लिए तो इनको बेस बदल करके जियाउद्दीन का भेस बदल करके गए वहां से अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे उन्नीस जर्मनी में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर चलाया भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे 1941 में इंडियन लीग की स्थापना भी इन्होंने वहीं की ठीक है आजाद हिंद फौज जिसके संस्थापक कौन थे कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी घोष और निरंजन गिल बात आती है इनको जो इनकी पहली डिवीजन थी वो 1942 टू की एक सितंबर की लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को जो कमांड मिली है वो चार जुलाई को मिली है और पांच जुलाई को इन्होंने क्या दे दिया था आपका नारा दे दिया था क्या आपका पांच जुलाई को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया ठीक है क्या बोलेंगे दिल्ली चलो का नारा भेज दिया सोनी जी कह रहे हैं सभी लोग रोज भेजो भाई जी के कमेंट रेड रेड कर दो भैया अक्टूबर 1943 में क्या बनी है अस्थाई सरकार बनी है दो जगह इसके हेडक्वार्टर थे एक तो म्यांमार में रंगून में और एक सिंगापुर में ठीक है चलो कोई दिक्कत आजाद हिंद फौज में कुछ ब्रिगेड थी महिलाओं के लिए ब्रिगेड यानी कि पार्टीशन ऊर्जा देने के लिए लक्ष्मी बाई महात्मा गांधी ब्रिगेड अबुल कलाम अब्दुल कलाम नहीं अबुल कलाम ब्रिगेड और सुभाष नेहरू 1944 में नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और क्या बोलेंगे 30 दिसंबर उन्नीस सौ इनको देश नायक कह दिया था लेखपाल क्या पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा थे देश के अच्छे नायक हैं 30 दिसंबर उन्नीस को नेताजी ने अंडमान में झंडा फहराया अंडमान के तीन दीपों के नाम नेताजी के नाम पर किए हैं देश ने वो तीन कौन से है रोसदीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नाम हो चुका है, है दीप का नाम क्या हो चुका है स्वराज दीप नील दीप का नाम क्या हो चुका है शहीद दीप हो चुका है ठीक है सोनू कुमार टू मच लव मेरे भाई लाल किला मुकदमा किस पर चला है आजाद हिंद फौज के लोगों पर एक बच्चा पूछा जाता है यहाँ पर एक तो प्रश्न बनता है लाल किला मुकदमा किस अधिकारी पर चला जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा था तीन बजे वाली जीएस की क्लास आप किया करो अभी तो पीटी है पहले पीईटी का पेपर दे लो उसके बाद तीन बजे की जीएस क्लास करना किसी भी परीक्षा के लिए वो अपने आप में एक बहुत कामयाब क्लास है अधिकारी हुए इसके कैप्टन मोहन सिंह तो ये जो अगर अधिकारी आपसे कभी पूछे तो अधिकारी आप कहेंगे कौन थे जी कैप्टन मोहन सिंह पर ये मुकदमा चला था कैप्टन मोहन सिंह मुख्य रूप से इनका भी नाम था ठीक है और वहां मौजूद लोगों पर जो चला और कभी कभी कैप्टन मोहन सिंह देकर के कभी कभी पूछ लेता है लाल कोला मुकदमा किस व्यक्ति पर नहीं चला था किस व्यक्ति पर नहीं तो नहीं में क्या आता है आपका प्रेम सिंह सहगल पर चला था शाहनवाज खान गुरुबख्त सिंह और लाल किले के यह मुकदमा चलता आजाद हिंद फौज के लोगों को ऐसा देखा जाता कि ये तो भारत के खिलाफ लड़ रहे थे क्योंकि ये किसके साथ थे ये ब्रिटेन के खिलाफ थे तो ब्रिटेन के साथ भारतीय सेना थी यानी उन भारतीयों को भी पेल रहे थे जो ब्रिटेन की तरफ से थे तो भैया बात ये आ गई तो लोग बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं उस समय की भावना अलग है बाकी ये देश के लिए काम कर रहे थे तो ब्रिटेन के खिलाफ ही तो थे अब देश आजाद हो चुका है लोगों में इनके लिए जन आक्रोश बढ़ा भीड़ भीड़ इकट्ठा होती थी लाल किले पर यह मुकदमा चला लोग कहते थे लाल किले को तोड़ दो आजाद हिंद फौज को छोड़ दो यानी दीवारों के लिए बोलते थे लाल किले की दीवारों को तोड़ दो ठीक है तो क्या बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु जो एक विषय सस्पेंस का विषय है आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया कभी लेकिन संभवतः यही माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टाइगो हवाई डे पर अंतिम ये देखे गए थे अंतिम बार उसके बाद नहीं ठीक है कोई दिक्कत इतनी बात में अब आते हैं प्रमुख अधिनियम पढ़े भाई प्रमुख अधिनियम आप लोग पढ़ चुके पॉलिटी में पढ़े हो अभी या नहीं पढ़े हो यस और नो तो बंगाल का उच्चतम न्यायालय याद रख लेना बंगाल का गवर्नर मैं आज ही आपको बता चुका हूँ उच्चतम न्यायालय में कौन थे आपके पहले प्रमुख क्या बोलोगे एलिजहा नाम आपको याद होने चाहिए हाइड भारतीय न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्योंकि हेस्टिंग्स के समय पर यह स्थापना हुई उच्चतम न्यायालय कहाँ बना था ये कोलकाता में ये आज वाला उच्चतम न्यायालय नहीं है आज वाला 26 जनवरी 1950 को बना है अन्य कौन थे आपका तो चैंबर्स था चैंबर्स एक था अन्य न्यायाधीश और एक था आपका हाइड और एलिजा प्रमुख न्यायाधीश थे मुख्य थे, थे। सत्रह सो चौरासी पिस्ट इंडिया एक्ट में क्या हो गया कंपनी में द्वैध शासन शुरू हुआ बीओडी और बीओसी दो विभाग बना दिए गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आपका राजनीतिक मामलों के लिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कलकत्ता को कंपनी की राजधानी बनाया परिषद के सदस्य चार से तीन कर दिए 1813 में एक चीज़ याद रख लेनी है आपको शिक्षा पर एक लाख का अधिकार ईसाई मिशनरियों के भारत आने की अनुमति 1833 सौ ये अभी हम बात कर चुके आपका 1834 में स्थापना हुई है इसकी ठीक है ये कुछ नहीं पढ़ना आपको केंद्रीय बजट की शुरुआत कब हुई अठारह से अठारह में क्या हुई प्रतियोगी परीक्षा आई परीक्षा के लिए शुरू हुई 1858 में ये बात आप लोग जान चुके हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बीओडी बीओसी को खत्म किया गया क्योंकि अठारह की क्रांति हो चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कम कर दिए गए और क्या किया गया एक राज्य सचिव स्टेट सेक्रेटरी पद को बना दिया गया पहले राज्य सचिव कौन थे क्या बोलोगे स्टैनली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहां खत्म हो गया और क्राउन का शासन बोलते हैं अठारह से 1947 तक शुरू हो गया ठीक है भारत शासन अधिनियम अठारह में कोर्ट बने हैं मुंबई बम्बई कलकत्ता अठारह में हाई कोर्ट एक्ट आया था एटीन सिक्सटी वन में और सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय है ये उच्चतम नहीं है उच्च न्यायालय और जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का अठारह में बना है तो हाई हाई कोर्ट की स्थापना हुई है दिल्ली हाई कोर्ट सिक्सटी में बना है ऐसे ही हाईकोर्ट एक्ट के तहत बने एक्ट है वार्षिक बजट पर बहस पूरक प्रश्न यानी क्वेश्चन पर क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिल गया 1909 सौ नौ अधिनियम ठीक है यह हम बजट पर मतदान पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार याद रखेंगे यह हम पढ़ चुके सब कुछ चलो ये देख लो भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चांसफोर्ट अधिनियम जिसको हम कहते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पूरे भारत में द्वैध शासन शुरू लोक सेवा आयोग की स्थापना ठीक है और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया कोई दिक्कत 1935 का भारत शासन अधिनियम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई शक्तियों को तीन सूची में बांटा गया आज वाली सूची नहीं आज संघ सूची में सौ विषय हैं। आज संघ सूची में सौ विषय हैं आज राज्य सूची में आपके कितने इकसठ विषय हैं आज संवर्ती सूची में आपके बावन विषय हैं लेकिन ये क्या है ये आपका 1935 का अधिनियम क्योंकि ये आधार बना भारतीय संविधान का ठीक है बर्मा भारत से 1935 के अधिनियम द्वारा अलग हुआ फाइनली 1937 में ठीक है बर्मा का नया नाम म्यांमार है 1937 में संघीय न्यायालय बना और यही संघीय न्यायालय है जो 1950 तक काम करता रहा किसकी तरह सुप्रीम कोर्ट एक तो सत्रह में बना उसको क्या कर दिया गया डिसमेंटल कर दिया गया सत्रह वाले को उसको खत्म कर दिया गया संघीय अदालत को काम दिया गया उन्नीस में और वर्तमान में कार्य कर रहे उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी 1937 से लेकर के 1950 तक उच्चतम न्यायालय का कार्य संघीय न्यायालय ने किया है किसने किया है संघीय न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट की पहली कार्रवाई 28 जनवरी 1950 को जो आज की है क्या बोलेंगे जो आज की है कोई भी दिक्कत भाई नेक्स्ट अब आते हैं हम राजपूत काल पर एक बार नोट बना लेंगे आप लोग राजपूत काल में आप लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है जो वंश है उनके संस्थापक और कुछ मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं प्रश्न आने के चांसेस नहीं है ना पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में पूछे जाने बंद हो चुके <laughs> तो राजपूत काल का उदय कब हुआ था जब हर्षवर्धन की मौत हो गई थी हर्षवर्धन छः सौ में हर्षवर्धन रहे थे 606 छः से 647 भारत में राजपूतों का उदय हुआ राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है आबू पर्वत से ठीक है तो इसमें एक वंश आता गुजर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक कौन है नागभट प्रथम सन सात सौ याद करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको सात सौ से लेकर के यानी आपको आइडिया रहे कि ये किसके बाद में हर्षवर्धन के बाद में है ठीक है वत्सराज इसी के शासक हैं जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बना लिया था कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इन्होंने भाग लिया था नागभट द्वितीय ने फाइनली कन्नौज को जीत लिया था ठीक है मिहिर बोज जिनको आदि आदि वराह कहते हैं हम मिहिर बोज जी जिनको हम क्या बोलते हैं आदि वराह कहते हैं ये गुजर प्रतिहार वंश के शासक थे महेंद्रपाल महेंद्रपाल जिनके दरबारी कौन थे राजशेखर राजशेखर ने पुस्तक लिखी है करपुर मंजरी और हरविलास ठीक है बाल रामायण भी लिखी है हालांकि उन्होंने बगदाद से अलमसूदी किसके समय पर आया था महिपाल के समय देखो पहला और अंतिम शासक याद रखो पहला और अंतिम शासक ठीक है नेक्स्ट चौहान वंश के संस्थापक कौन है वासुदेव पृथ्वीराज प्रथम अजयराज जिन्होंने अजमेर बसाया विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव इस वंश के शासक थे जो मैं बार बार नाम लेता रहता हूं ना कि वो एक संस्कृत महाविद्यालय था जिस पर हरि केल नाटक की पंक्तियां लिखी हुई थी वो इन्होंने ही लिखी थी चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय जिनको राय पिथौरा आज ही हमने पढ़ा ग्यारह सौ इक्यानवे में गोरी को हराया। अमीर देव ये अंतिम शासक थे अंतिम शासक थे ठीक है गहडवाल वंश के संस्थापक कौन है चंद्रदेव अंतिम शासक जयचंद्र मालवा के पलमार वंश के संस्थापक कौन है उपेंद्र संजीव सिंह परमार कौन है अंतिम शासक है चालुक्य वंश के कौन है गुजरात जिनको सोलंकी वंश हम बोलते हैं जिसमें भीम प्रथम थे आपका जब गजनबी आया संस्थापक है इसके मूलराज प्रथम और अंतिम शासक है भीम द्वितीय जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था ठीक है चलो चंदेल वंश क्या बोलोगे बुंदेलखंड क्षेत्र का था संस्थापक थे नन्नूक और अंतिम शासक थे आपके परमर्दी देव अंतिम शासक थे परमर्दी देव तो प्यारे बच्चे अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी क्लास सुनी होगी तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम गजब करता हो गजब एक क्वेश्चन फॉर्मेट की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को पाँच तारीख को करा ही रहूं तो बहुत बहुत थैंक यू इतनी देर साथ देने के लिए आज दिल की आज दिल की कहने को मन करता है तेरे दिल में रहने को मन करता है भगवान जाने हमारा क्या रिश्ता है और तुम्हें अपना कहने को दिल करता है तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा और कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चे आप सब के इंतज़ार में आप लोग जरूर लिखें क्लास आपको कैसी लगी कोई भी रिव्यू आप लोगों का जरूर दें और इंतजार करूंगा आप सब लोगों का पाँच तारीख को ठीक है अपना ख्याल रखना बहुत सारा ख्याल रखना विलास आपको पूरी मिल जाएगी पी के लिए आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जाएँ फ्री पी में वहाँ आप सर्च करेंगे कि दरअसल सीरीज हिस्ट्री मैराथन लिखा दिख जाएगा वो डाउनलोड कर ले आपको वहाँ ये मिल जाएगी और प्यारे बच्चे और क्या बात बचती है और कोई शिकायत है तो बताएं ठीक है तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तुरंत कमेंट करें पाँच सेकंड और सही ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत